ओजोन होल ओजोन होल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जरा समझ लेते हैं ओजोन के बारे में ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर देखें तो सबसे नीचे जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मीजोस्फियर आयनोस्फीयर एंड इसी तरीके से फिर एग्जोस्फियर निकल जाती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट बीच में यानी स्ट्रेटोस्फियर के निचला जो सरफेस होता है यहां पर पाई जाती है हमारी ओजोन गैस लेयर या ओजोन लेयर भी जिसको हम लोग बोल देते हैं ये जो ओजोन लेयर है ये ओजोन 90 परसेंट ही ओजोन है बाकी जो 10 परसेंट ओजोन होती है ये पाई जाती है हमारी स्ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन पाई जाती है ये ग्लोबल वार्मिंग करती है इसलिए ओजोन लेयर ये जो ओजोन है ग्राउंड पे जो अवेलेबल है ट्रोपोस्फियर पे जो अवेलेबल है दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन ये बैड होती है वही ये नाइन्टी परसेंट के बारे में बात करें तो ये काफ़ी अच्छी होती है अच्छी क्यों होती है कारण उसका ये है कि अगर हम लोग सन को देखें तो सन से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस निकलती हैं इस सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसमें अल्ट्रावाट गैस मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी होती हैं या अल्ट्रावाट तीन तरीके की होती हैं ए बी एंड सी इसमें सी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और ये जो सी है यही हमारी ह्यूमन हेल्थ ह्यूमन जीन्स इनको डिस्ट्रॉय कर देती है और ओजोन लेयर इसी को रोकती है और यही ओजोन कहीं ना कहीं इस अल्ट्रा सी को रोकने के कारण से ही ह्यूमन या फिर ह्यूमैनिटी हमारे यहाँ पर पॉसिबल हो पाई है इनफैक्ट समुंदर के नीचे इसीलिए जीव रहते थे पहले क्योंकि यहाँ तक लाइट नहीं आ पाती थी और फिर धीरे 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 जब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया तो फाइनली अल्टीमेटली हमारी ये जो ओजोन ने टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है यानी जो स्थल पर रहने वाले जो जीव जंतु है उसका रहना पॉसिबल कर पाया इन सभी चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में काफी रिसर्च करके काफी डिटेल्ड मैनर में चीजों को बताया गया है काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इनफैक्ट जो भी मैकेनिज्म है ओजोन बनने की या ओजोन के डिप्लीशन होने की सब कुछ यहां से आपको देखने को मिल जाएगा तो चूंकि आपने ये देख ही लिया होगा तो इस वजह से मैं हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि आखिर में ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस तरीके से होता है बस यहां पर जो छोटी मोटी चीज़ें है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जैसे अगर हम लोग देखें तो ये हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी पर अगर देखेंगे तो हमारे पास ये नॉर्थ पोल हो जाती है और नीचे हो जाती है साउथ पोल ये वाला जो पार्ट है ये आर्कटिक का पार्ट होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये अंटार्कटिक का पार्ट होता है अंटार्कटिक ध्यान रखिएगा ये कोई सॉब्रैनिटी वाला कोई देश नहीं है एक रिसर्च के तौर पर यूज किया जाने वाला कॉन्टिनेंट है और वहीं अगर बात करें आर्कटिक तो प्राइमरली ये आर्कटिक ओशियन के फॉर्मेट में है अंटार्कटिक के चारों ओर में देखेंगे तो यहाँ पर तमाम ओशियंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं अंटार्कटिक के बारे में अगर बात करें तो यहां पर कुछ इसके मैप के बारे में बताया गया जैसे ये हो गया अंटार्कटिक अंटार्कटिक का ये ये साउथ पोल है पर वेडल सी आ जाती है यहाँ पर सी सी आ जाती है है रॉस तो ये जो जो ना इसकी जो मैप है ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है अब वापस से आते हैं जरा अपने ओजोन वाले लेयर पे तो ओजोन में देखें तो अंटार्कटिका और जो आर्कटिक होती है इन दोनों ही जगहों की वल्नरेबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ओजोन लेयर डिप्लीशन और इन दोनों में भी ज्यादा वल्नरेबिलिटी हो अंटार्कटिका के ऊपर में ऐसा क्यों अंटार्कटिका पर यहां पर एक स्पेशल फिनोमिना होती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं इन्हीं को हम लोग नेक्रियस क्लाउड भी बोलते हैं या इसी को आप मदर ऑफ पर्ल भी बोल सकते हैं इनका फॉर्मेशन होता है जब टेम्परेचर माइनस सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है अब देखिए इतना टेम्परेचर अचीव कर पाना नेचुरली ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन यहां पर अंटार्कटिका पर पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि यहां पर पोलर वॉरटेक्स बनने लगते हैं पोलर वॉरटेक्स जैसे एक साइक्लोन होता है सेम वैसे ही यहाँ पर भी पोलर वॉरटेक्स बनते हैं इस तरीके का घुमाव आ जाता है और ये जो घुमाव है अल्टीमेटली यहां पर लो टेम्परेचर क्रिएट कर देता है मतलब टेम्परेचर को और ज्यादा गिरा देता है अगर मान लेते हैं माइनस फिफ्टी माइनस सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड अगर है यहाँ का टेम्परेचर तो इसको और गिरा करके माइनस सेवेंटी माइनस एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लेते जाता है और इस कारण से अब यहाँ पर पोलर स्ट्राइटोस्फेरिक क्लाउड का बन पाना पॉसिबल हो जाता है तो अल्टीमेटली यहाँ पर अंटार्कटिका में पोलर स्ट्राइटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं जिस पर अल्टीमेटली जितने भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोबन हो गया या फिर हेलोजेंस हो गए या फिर एच हो गया या फिर मिथाइल ब्रोमाइड हो गया ये सारे अल्टीमेटली इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं यह प्लेटफॉर्म का मतलब वही हमारी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और अल्टीमेटली डिप्लीट करते हैं तो यहां पर धीरे 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 ओजोन लेयर खत्म होते जाती है इसकी थिनिंग हो जाती है पतला हो जाता है जब ओजोन लेयर 220 सौ बीस डॉप्सन यूनिट से भी कम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि यह एरिया ओजोन लेयर यहां पर गिर गई है खत्म हो गई है और अगर मान लेते हैं कि एवरेज थिकनेस इसकी लगभग लगभग तीन सौ यूनिट के आसपास पाइप मानी जाती है तो 220 सौ बीस डॉपन यूनिट यह अलार्मिंग कंडीशन होती है तो यह ओजोन लेयर में क्या क्या चीज है यह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फिलहाल में अभी जो न्यूज आई है वो यही कही गई है कि अंटार्कटिका के ऊपर में वापस से जो ओजोन लेयर है उसकी थिनिंग होनी शुरू हो गई है पतला होने गया है और यहां पर ओजोन लेयर मतलब डिप्लीट होनी शुरू हो गई है इसके कई सारे पोटेंशियल ड्राइवर्स होते हैं जैसे चेंज इन पोलर वॉटेक्स हो गया इसके अलावा सोलर साइकिल में भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा जो एटमोसफियर है वहां पर सी एफ सी बहुत आयत हो जाती है इस कारण से और हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होने लगता है तो ये जितनी भी चीजें थी आई थिंक हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है अब यहां पर ओजोन लेयर से रिलेटेड एक और बातें कही जा रही है वोल्कैनिक इरप्शन से क्या इसका रिलेशन है देखिए वोल्कैनिक इरप्शन से दिस इज वोल्कैनिक इरप्शन से ये जो ओजोन लेयर है इसका डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है डिप्लीशन को लेकर के एक्चुअल में क्या है कि जब भी ओजोन लेयर मतलब कि जो इरप्शन होती है तो इरप्शन के दौरान में कई सारी चीज़ें निकलती हैं जैसे कि वाटर वेपर अब ये जो वाटर वेपर है अल्टीमेटली ये स्ट्रैटल में पहुंच करके और ज़्यादा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसको और ज़्यादा ट्रिगर करता है ये जो वाटर वेपर है वे भी ये भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर अल्टीमेटली जो सी एफ सीज या एच एफ सीज वगैरह हैं एच सी एफ सीज वगैरह हैं ये ओजोन का डिप्लीशन करती हैं सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड भी सेम वही काम करता है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन को और ज्यादा कट कर्टलाइज कर देता है और ज्यादा तेज कर देता है ब्रोमीन गैस निकलती है जो कि अल्टीमेटली और ज्यादा ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है और लास्ट में अल्टीमेटली कई सारे इरप्शन पार्टिकल्स यानी कि एरोसॉल पार्टिकल्स भी यहाँ पर निकलते हैं जो कि अगेन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिस पर यही सेम जो रिएक्शन है वो होती रहती है अभी एक्चुअल में हुआ क्या था रिसेंट में ही टोंगा आची में एक वोल्कैनिक इरप्शन हुआ था हुंगा टोंगा का और ऐसा कहा गया ये जो होंगा टोंगा जो कि सदन पैसिफिक में अवेलेबल है यहां पर यह है और इस कारण से अंटार्क्टिका पे और ज्यादा मतलब हमें ओजोन लेयर की डिप्लीशन देखने को मिल सकती है सिमिलरली इसी तरीके से फिलीपींस में माउंट पिना है यह भी ओजोन लेयर के डिप्लीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अब इस ओजोन लेयर को लेकर के आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा ओजोन लेयर को लेकर के जितनी भी आर्कटिक नेशंस हैं या फिर कहा जाए कि पूरी दुनिया ही एक तरीके से ये चिंतित हो गई कि भाई आगे क्या होगा अगर ओजोन ही हट जाएगी तो फिर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और इस कारण से 1985 में यहां पर एक कन्वेंशन होता है जिसको बोलते हैं वियना कन्वेंशन इस वियना कन्वेंशन में सभी लोग आते हैं और आने के बाद में ये उन्नीस है ठीक है नाइनटीन एटी यहां पर सभी लोग आते हैं और अल्टीमेटली सब लोग ये कहते हैं कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है और हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए तो वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड विद ओजोन डिप्लीशन और इसको लेकर के कहा गया कि चलो ऐसा है हम कुछ कॉन्क्रीट प्लान के साथ आएंगे 1987 में कॉन्क्रीट प्लान के साथ में आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम पर अल्टीमेटली यहां पर बताया गया है कि कौन कौन सी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज हैं ओजोन डिप्लीशन हो रही है और ये एक ऐसा कन्वेंशन बना जो यूनि सबने साइन किया यूनानिमसली सबने साइन किया सब लोग यहां पर सा, मतलब साइन किए वियना प्रोटोकॉल को इंडिया ने साइन तो किया लेकिन इसकी रेटिफिकेशन की जाती है 1991 में सिमिलरली इसी तरीके से मॉन्ट्रियल की 1992 में रेटिफिकेशन की जाती है रेटिफिकेशन का मतलब यही है कि कैबिनेट ने इसको पास कर दिया कि हाँ ठीक है अब हम इस पर कानून बनाना या फिर इस पर काम करना हम लोग शुरू करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अल्टीमेटली इसकी जो मीटिंग है लगातार बार बार होती ही रहती है तो अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड जो यू है इन दोनों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो भी टारगेट्स थे उसके बारे में डिस्कशन किया यहाँ पर हुआ यही है कि इंडिया ने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसकी जो टारगेट्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी पहले अचीव कर लिया है जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बोला गया है कि जो एच हैं इसको आ, इसको जो है 35 परसेंट तक हमें एक्सक्लूड कर देना है यानी कि खत्म कर देना है जो यूज हो रहा है एच का उसको हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है इंडिया ने इसको 2020 के ही बेसलाइन से 44 परसेंट रिडक्शन ऑलरेडी अचीव कर लिया है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इसके अलावा अगर बात किया जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह कहा गया था कि जो एच हैं इनको आप 2030 तक फेज आउट कर दीजिए यानी खत्म कर दीजिए इंडिया ने कहा कि हम दिसंबर 2024 तक ही खत्म कर देंगे इसको हमको 2030 तक जाने की जरूरत नहीं है इसके अलावा जो एच सी एफ सी वन फोर्टी वन बी है यह भी इलिमिनेट हम लोग कर रहे हैं कहा गया इसको इलिमिनेट करना है तो एच सी एफ़ सी जो कि रेफ्रिजरेंट में यूज़ की जाती है और एच सी एफ़ सी वन फोर वन भी ये एक रिजिड पॉली यूरेथीन फोम के तौर पर होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया या फिर जितने भी बिस्तर वगैरह बेड वगैरह बनाए जाते हैं कुशंस वगैरह बनाए जाते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है या जो कालीन वगैरह होती है ना जो कारपेट वगैरह होता है यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है इसका तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी जो टारगेट्स हैं उनको काफ़ी पहले ही हम अचीव कर रहे हैं कुछ और भी अचीवमेंट्स हैं जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान में इंडिया ने अचीव किया है जैसे कि जो सी एफ़ सी गैस है या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया या हेलोजन्स वगैरह हो गए इसको अब फेज आउट इंडिया कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि कंट्रोल्ड मैनर में ही जो यूज़ किया जा रहा है वो किया जाए इसके अलावा एच का भी हम लोगों ने फेज़ आउट मैनेजमेंट प्लान बना करके रखा हुआ है जैसे जो हमारा सी है इस सी की जगह पर बोला गया कि एच को हम लोग यूज़ करते हैं एक अल्टरनेटिव के तौर पर बाद में कहा गया कि ये जो एच है ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से मोर देन हंड्रेड टाइम्स ये ज्यादा मोर देन हंड्रेड टाइम्स से भी ये ज्यादा खतरनाक है तो पहले जो सी के रिप्लेसमेंट के तौर पर एच आया था इसको भी कहा गया इसको भी फेज आउट करो तो फेज आउट करने के लिए इंडिया ने अपना एक मैनेजमेंट प्लान बना लिया है और ये 2017 से ये इलिमिनेट मतलब कि इलिमिनेट करना शुरू कर देगा 2024 तक

2023 का टाइम पीरियड चल रहा है अगले 15 साल का मतलब 2038 तक हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे देखिए एक चीज़ होती है कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ये जो टारगेट ईयर याद रखने की तो टारगेट ईयर देखिए याद करना सच में मुश्किल होता है आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि अगले पंद्रह साल में हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स या जितने भी हम लोग कटआउट डेट वगैरह है वो इसी तरीके से समझेंगे इसी तरीके से याद करेंगे और दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड कि 15 साल में हम इस चीज़ को फेज आउट कर देंगे ये याद रखना ज्यादा आसान होगा बजाय कि ईयर याद रखना चलिए <coughs> 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था वियना कन्वेंशन 1985 में आया था इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है यह पहला यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी बना था यूनाइटेड नेशंस का जहां पर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हम खत्म करने की यानी इसको इलिमिनेट करने के बारे में बात करते हैं वियना कन्वेंशन को इंडिया ने नाइनटीन में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को नाइनटीन में रेटीफाई कर दिया गया था हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये देखती है एक और एग्रीमेंट हुआ था दो हजार सोलह सत्रह के दौरान एग्रीमेंट कीगा में ही बोला गया था कि सीएफसी की जगह पर हमें एच एफ सी को यूज करना चाहिए था और एच एफ सी चूंकि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बन गया इसलिए इसको भी अब हमें इलिमिनेट करना है और इंडिया इसको भी अब इलिमिनेट करना शुरू कर दिया है इंडिया ने बोला है कि देखो ऐसा है कि जो किगाली एग्रीमेंट है इसको हम चार तरीके से मतलब फोर स्टेप में फोर फेजेस में इसको हम इलिमिनेट करेंगे और हमें जो इलिमिनेशन करना है वो 80 परसेंट रिडक्शन करना है दुनिया तो ने कहा कि देखो ऐसा है फोर स्टेप में करना ही है तो पहला स्टेप हम लोग लेंगे हर पांच साल पर एक स्टेप लिया जाएगा हर पांच साल का मतलब कि हम लोग पहला स्टेप लेंगे दो में फिर उसके बाद से लेंगे दो में फिर उसके बाद से दो हो जाएगा और फिर हो जाएगा दो हजार सैंतालीस दस दस परसेंट हम लोग रिड्यूस करना शुरू करेंगे पहले दस परसेंट फिर अगला दस परसेंट यानी ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा फिर अगला हो जाएगा थर्टी परसेंट और लास्ट में आते आते हम लोग एट्टी फाइव परसेंट पांच परसेंट एक्स्ट्रा हम लोग यहां पर इलिमिनेट करेंगे एट्टी बोला गया हम एट्टी फाइव का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इसको इलिमिनेट हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्रायोस्फियर के स्टेटस को लेकर के वॉट इज क्रायोस्फियर क्रायो कहीं पर भी देखने को मिले इसका मतलब होता है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा जब कम टेंपरेचर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्फियर क्रायोस्फियर क्या चीज होती है जैसे लीथोस्फियर होती है जैसे बायोस्फियर होती है जैसे ओशियनोस्फियर होती है जैसे एटमोस्फियर होती है वैसे ही एक चीज़ होती है जिसको बोला जा रहा है दिट्स इज क्रायोस्फियर क्रायोस्फियर वो जगह है जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर देखने को हमें मिलता है जैसे आइस कैप्स जो कि माउंटेन के ऊपर है या फिर जो स्नो है या फिर जो ग्लेशियर्स बने हुए हैं या वो लेक या जो आइस जो कि जमी हुई अवस्था में है जैसे डल लेक वगैरह जम जाता है इसके अलावा जो परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस है पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है सी की आइस हो गई आइसबर्ग गया आइस शेल्फ हो गया या जो आइस की शीट है मतलब कुल मिलाकर के कहीं पर भी अगर आइस से रिलेटेड चीज़ें हैं या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर कोई चीज़ है तो उसको बुलाया रहा है कि वो क्रायोस्फियर है अब अभी हाल फिलहाल में ये कहा गया है कि जो हमारा टेम्परेचर है जो ग्लोबल ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर है वो टू डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा बढ़ रहा है हमें इसको रिड्यूस करना है अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये जो क्रायस्फेरिक कंडीशन है मेल्ट होना शुरू हो चुकी है मेल्टिंग होनी शुरू हो चुकी है और अगर मेल्टिंग होने को रोके नहीं तो आगे जाकर के कई तरीके की डिजास्टर्स कंडीशन हमें देखने को मिलेगी अब इन कई सारे डिजास्टर्स कंडीशन को आते आते कई सारी बातें यहां पर इस रिपोर्ट ने भी हाईलाइट की हुई हैं अब जैसे यह बोला गया है ये जो आईसीआई आईसी सी आई एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रायोसफियर क्लाइमेट इनिशिएटिव इनका सीधा काम है कि जो भी क्राइस्फियर की वार्मिंग हो रही है इसको प्रिवेंट करो जो भी यहाँ पर गर्म हो रहा है उसको प्रिवेंट करो रोक दो अदरवाइज आगे जा कर के तमाम दिक्कतें आएंगी इस रिपोर्ट ने यह कहा चाहे वो ट्रॉपिकल इलाका हो या फिर टेम्परेट इलाका हो या फिर ग्लेशियर का इलाका हो या पोलर रीजियन हो हर जगह से जो आइस है या ग्लेशियर है वो डिजाइपियर हो जाएगी अगर टेम्परेचर दो डिग्री सेंसीग्रेड से बढ़ जाएगा इनफैक्ट ये भी कहा गया कि हिमालय के ऊपर में जितनी भी बर्फ है अगर टेम्परेचर दो डिग्री राइज कर गया तो फिफ्टी आइस पिघल जाएगी इनफैक्ट जो पिछला सात साल गया है वो पिछला सात साल सबसे वर्स्ट रहा है विद रिस्पेक्ट टू आइस लॉस इनफैक्ट जो भी पोलर एरियाज़ हैं जैसे आर्कटिक के एरिया को आप देख लीजिए जैसे आपका आइसलैंड वगैरह के एरियाज वगैरह हैं यहाँ पर मेल्टिंग होनी शुरू हो चुकी है यहाँ के जो आइसबर्ग्स वगैरह हैं आइसबर्ग क्या यहाँ पर जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो अब टूट टूट करके गिरना शुरू कर दिए हैं क्राइसफियर फ्रोजन पार्ट होता है और ये ग्लोबल क्लाइमेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्यों क्योंकि ये हीट बजट को मेंटेन करता है पहली बात हीट बजट क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से ये वाइट आइस है तो वाइट आइस होने के कारण से इसका जो एल है वो 100 परसेंट बेसिकली रेगुलेट होता रहता है और जो हमारी शॉर्ट कमिंग रेज है इंसोलेशन है वो भी रेगुलेट होता है इसके अलावा ये जो आइस होता है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम करता है मतलब कि कार्बन को ये स्टोर करके रखता है इसके अलावा ये पूरा का पूरा एक फ्रेश वाटर है तो कहीं ना कहीं इसे एक फ्रेश वाटर रिसोर्स के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इनकेस अगर पानी खत्म हो जाएगा तो वी कैन यूज दिस क्राइसफियर अगर मान लेते हैं कि मेल्ट होता है जो आइस है अगर मेल्ट होती है तो हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और सी लेवल राइज देखने को मिलेगा ये जो सी लेवल राइज है यह आपको अगर अनुमान नहीं लग रहा है तो आप ऐसे समझिए ये जो सी लेवल राइज है आगे जाकर के पांच मीटर तक ये ऊपर उठ सकता है पांच मीटर भी अंदाज नहीं लग रहा है देखिए हमारे जो घर बनते हैं उसकी सीलिंग बनती है दस से ग्यारह फीट पर दस से ग्यारह फीट का मतलब ये हो गया ये लगभग लगभग मान करके चलिए दो से ढाई मीटर बना दो से ढाई कहाँ मतलब ढाई से तीन मीटर के आसपास में ये हमारा बना और ये पाँच मीटर है यानी कि करीब करीब दो फ्लोर के हाउस के बराबर सी लेवल राइज कर जाएगा जहाँ पर भी आप मौजूद है उसका दो लेवल अपने घर पे बना लीजिए उतना हाइट का पानी आएगा अगर ये सारे पिघल जाते हैं तो इंडिया में भी कई सारे इनिशिएटिव्स मतलब लिए गए हैं जैसे कि नेशनल मिशन जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए इसके अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट भी हिमालयन जियोलॉजी को और ज़्यादा स्टडी कर रहा है ऐसी ही मेल्टिंग का केस हमें ना सिर्फ आर्कटिक बल्कि अंटार्कटिक में भी देखने को मिल रहा है आर्कटिक में यहाँ पर एक अमंडेंट सी है अमंडें सी के पास में ये जो थ्ट्स ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रहा है इनफैक्ट ये भी कहा गया स्टडीज ने ये जो हमारा आइस है या जो हमारा ये ग्लेशियर है ये हमारा पिघल जाएगा और पिघलने के बाद में वही जो पाँच मीटर वाला जो आ, मतलब सी लेवल राइज है वो हमें देखने को मिल जाएगा अब इसकी कई सारी दिक्कतें हैं मतलब पहले तो देख लेते हैं कारण क्या है मेल्टिंग कॉज द रिट्रीट ऑफ ग्राउंड लाइन अगर मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल केस में अगर बात करते हैं कि आइस का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है जैसे मान लेते हैं आप अगर अगर अंटार्क्टिका जाएंगे तो अंटार्क्टिका जाते समय जाने से जस्ट पहले आपको ग्लेशियर्स वगैरह देखना शुरू हो जाते हैं मतलब दस बारह घंटे के जर्नी के बाद में जैसे एक जगह है अर्जेंटीना वहाँ से क्रूज वगैरह जाती हैं अंटार्क्टिका घुमाने लेकर के जाती हैं तो इसी क्रूज से जब आप जाएंगे तो आई थिंक बीस बाईस घंटे के बाद में आपको ग्लेशियर दिखना शुरू हो जाते हैं तो जो ग्लेशियर दिखना स्टार्ट हो है। तो होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ग्राउंडिंग लाइन यहाँ से हमारे ग्लेशियर दिखना शुरू हो जा रहे हैं अब उससे पहले तो ऑब्वियसली क्या होगा उससे पहले हमारा ओशन ही पड़ेगा है ना ड्रेक पैसेज पड़ता है सदर्न ओशियन आती है तो अब यहाँ पर मेल्टिंग अगर होगी तो जो ये हमारा लाइन है ये और पीछे की ओर में खिसकना शुरू हो जाएगा यानी इधर की ओर में आएगा इसे हुआ क्या इसे हुआ ये ये जो आइस है या जो ये ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रही है अब वंस इट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग जब ये एक बार स्टार्ट हो जाएगी मेल्ट करना तो आइस के जो फ्लो है उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा साथ ही साथ में अब ये धीरे धीरे और तेजी से मेल्ट करना शुरू कर देगा तो जो ग्राउंडिंग लाइन होगी वो बहुत तेज़ी से पीछे की ओर में भागना शुरू कर देगी इसके अलावा जो भी यहाँ पर स्लोप्स हैं उनके ऊपर हमें स्ट्रेस पड़ेगा सी लेवल का राइज हो जाएगा और तमाम तरीके की हमें प्रॉब्लम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट भी देखने को हमें मिल जाएंगे अंटार्कटिका को ग्लोबल मतलब कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है कुछ ट्रीटीज़ के थ्रू जैसे एक अंटार्कटिका ट्रीटी बनाई गई है जो कि 1959 में बनाई गई थी और यह कहा गया था कि देखो ऐसा है कि हम अंटार्कटिका पर सोवरेनिटी कोई नहीं क्लेम करेगा बस अपना अपना आप लोग रिसर्च स्टेशन लगा सकते हैं आप रिसर्च कर सकते हैं इंडिया भी इसका मेंबर है और इंडिया चूंकि अपना मेंबर है इस वजह से इंडिया ने भी अपना बेस स्टेशन लगा रखा है रिसर्च स्टेशन लगा रखा है तीन रिसर्च स्टेशन है एक है गंगोत्री नाइनटीन में मैत्री नाइनटीन में और भारती दो यहां पर ये तीन रिसर्च स्टेशन इंडिया ने लगा रखे हैं अभी हाल फिलहाल में बात करें तो मैत्री और भारती ये दोनों अभी फुल्ली ऑपरेशनल है गंगोत्री नहीं है इसके अलावा दो और ट्रीटीज बनाई गई थी एक है जो अंटार्कटिक की सील है इसको कंजर्व करने के लिए और साथ ही साथ में अंटार्कटिक के जो मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं इनको भी कंजर्व करने के लिए इसके अलावा अंटार्कटिका ट्रीटी को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देने के लिए भी एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है मेड्रिट प्रोटोकॉल दिस इज इंपॉर्टेंट मेड्रिट प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है इंडिया ने देखिए ये सील वाला साइन नहीं किया है लेकिन जो मरीन रिसोर्सेज हैं या जो अंटार्क्टिका की ट्रीटी है इन दोनों को साइन कर रखा है और इसी चीज़ को इंडिया ने अंटार्टिका एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी के तहत बनाया भी है जहां पर इन दोनों ही प्रोटोकॉल को यानी अंटार्कटिका ट्रीटी मरीन लिविंग रिसोर्सेज और साथ में जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस अंटार्कटिका ट्रीटी को इन तीनों पर ही लॉ बना करके रखा हुआ है इंडिया ने कहा है कि हम एक काम करेंगे अंटार्कटिका पर जो भी गवर्नेंस यानी जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह हो सकती है हम इस एक्ट के थ्रू से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे परमिट सिस्टम दिया जाएगा इसके अलावा अंटार्कटिक फंड का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अंटार्कटिका फंड बनाया जाएगा पेनाल्टीज लगाई जाएंगी और साथ साथ में अगर कोई पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी तो उसके लिए भी एक डेजिग्नेटेड कोर्ट रहेगा अंटार्क्टिका एक ऐसा एरिया है जो मतलब काफी अछूता एरिया है यहाँ पर जाते समय भी लिमिट लगाई जाती है परमिट दिया जाता है कितने लोग यहाँ पर जा सकते हैं कितने लोग नहीं जा सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हम लोगों ने जैसे देखा कि अंटार्कटिका पर प्रॉब्लम आ रही है तमाम तरीके की जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लीट होना प्लस साथ में यहाँ पर आइस जो है या फिर जो ग्लेशियर्स हैं उसकी मेल्टिंग भी हमें देखने को मिल रही है सेम वैसे ही आर्कटिक में भी दिक्कत आ रही है एम्प्लीफिकेशन को लेकर के एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए यहाँ का टेम्परेचर राइज कर रहा है और ये जो टेम्परेचर राइज कर रहा है वो नॉर्मल जो एरियाज हैं उनसे चार गुना ज़्यादा तेजी से यहाँ पर टेम्परेचर राइज देखने को मिल रही है इनफैक्ट ट्रॉपिक्स पर जितना टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका चार गुना उससे ज़्यादा यहां पर टेम्परेचर राइज हमें देखने को मिल रहा है और इसीलिए डब्ल्यू एम ओ दैट इज वर्ल्ड मिटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर चिंता जताई है कि आर्कटिक जो है वो बहुत तेजी से गर्म होते जा रहा है अगर बहुत तेजी से गर्म होगा तो उसके कई सारे इम्प्लीफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे जैसे अगेन सेम वही चीज सी लेवल का राइज हमें देखने को मिल जाएगा हीट बजट हमारा बिगड़ जाएगा दिस इज हीट बजट इसके अलावा हम लोग आगे बात करेंगे एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटार्कटिक मेरिडियन ये बेसिकली एक तरीके की कन्वेयर बेल्ट होती है जो कि अटलांटिक ओशियन के साथ में जो नीचे आएंगे अगर तो पैसिफिक ओशियन मिलती है अंटार्कटिक मिलती है साथ में सदर्न ओशियन मिलती है इन तीनों का यहाँ पर हमें संगम देखने को मिलता है और ये तीनों अल्टीमेटली अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हो जाएगी तो ये फिर जो मिक्सिंग वगैरह होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी और तमाम तरीके के यहाँ पर डिजास्टर्स आने की काफ़ी संभावना रहेगी आखिर में आर्कटिक के गर्म होने के पीछे रीजन क्या है कई सारे रीज़न हो सकते हैं पहला रीज़न तो यही है कि यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का केस आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दूसरा आइस कवर जो है वो मेल्ट होते आ रहा है जब आइस कवर मेल्ट होगा तो सीधी सी बात है एनर्जी रिलीज होगी जब एनर्जी रिलीज होगी तो यहां पर और ज्यादा हीटिंग हमें देखने को मिल जाएगी इसके अलावा जो एयर सर्कुलेशन है उनका भी पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन या आर्कटिक पर ज्यादा एज कंपेयर टू अंटार्कटिक कारण यहां पर है प्योर वाटर बॉडी ठीक है यहां पर क्या है यह है कॉन्टिनेंट बॉडी इसको सिक्योर करके रखा गया प्लस दुनिया से दूर है जबकि आर्कटिक में यहां पर नेविगेशन बहुत होती है नेविगेशन का मतलब पोर्ट से पोर्ट से यानी कि जो वाटरवेज वगैरह है नेविगेशन बहुत होती है इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है कि कल को अगर आर्कटिक पिघल भी जाती है तो उससे एक फ़ायदा यह रहेगा कि हमारे पास में नेविगेशन के लिए और रिसोर्सेज के लिए एक नया एरिया मिल जाएगा एक्सकवेट करने के लिए ऑब्वियसली ये आप इसको निगेटिव सेंस में ही लीजिए पॉजिटिव मत लीजिएगा आर्कटिक की अगर हम आइस को बात करें तो 12.6 परसेंट पर डिकेड ये श्रिंक करते जा रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक कारण के तौर पे देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर देखिए जो मेन रीजंस है जैसे कि आपका एनर्जी बैलेंस हो गया वही हीट बजट हो गया कूलिंग वगैरह हमें देखने को मिल जा रही है साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी और जितने भी हमारे मरीन इको सिस्टम है वो सब डिस्टर्ब होंगे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर कुछ ट्राइब्स रहती हैं जैसे एक है यूपिक ट्राइब इन्यूट्स ट्राइब इनपुट ट्राइब अब जैसे अगर आप नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में देखेंगे सो दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका के एरिया यहाँ पर रहते हैं आपके यूपिट्स यूपिट्स कैनेडा के एरिया में इसके अलावा जो हमारे पास में आ, अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ आवर इस तरीके से हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है यहाँ पर मेनली हमें जो देखने को मिलते हैं इस वाले एरिया में यहाँ पर यह हमारा इन्यूट्स एंड इनपिट्स ये हमें देखने को मिल जाती हैं ये सब ट्राइब हैं जो अपना अलग तरीके से रहती हैं यहां पर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया गया है जैसे आ, सबसे पहले राइज इन एयर टेम्परेचर एट अर्थ सर्फेस यहां पर टेम्परेचर राइज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस कारण से यहां पर मेल्टिंग ऑफ द आइस देखने को मिल रही है मेल्टिंग ऑफ द आइस के बाद हमें और ज़्यादा एब्जॉर्बशन और लेस रिफ्लेक्शन यानी कि पानी जो भी एनर्जीज आएंगी वो रिफ्लेक्ट कम करेंगी होता है ना आइस जो होती है 100% रिफ्लेक्ट करती है रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और ज़्यादा गर्मी होगी और ज़्यादा गर्म होगी तो अपर ओशन लेवल और ज़्यादा गर्म होगा एनर्जी और ज़्यादा फ्लो करेगी ये दिक्कत आने वाली है तो तमाम तरीके के क्लाउड फॉर्मेशन तमाम तरीके की यहाँ पर हमें बैक रेडिएशन एरोसॉल्स ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी ब्लू ओशियन इवेंट क्या होता है ब्लू ओशियन इवेंट इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना अब जैसे आर्कटिक के पानी को अगर देखेंगे तो यहां पर पूरा आइस है तो आइस किस कलर का दिखता है वाइट कलर का दिखता है अगर पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्लू कलर का पानी हो जाएगा सो दिस इज सिंपल अगर कोई ओशियन है व्हाइट से ब्लू हो जाती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लू ओशियन एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कॉन्वेंशन एंड इनिशिएटिवस सी ओ पी ट्वेंटी एट नाइनटीन नाइन्टी टू में अर्थ समिट हुई थी और इस अर्थ समिट में तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज निकल करके आई थी एक बॉडी थी जो यू एन एफ सी 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 के नाम से चली इसका मेन काम था कि क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से देखना है एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड किया जहाँ पर वर्ल्ड की कंट्रीज़ एक साथ मिल कर के आएंगी और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर किस तरीके से हमें एक्शंस लेना है उस पर चर्चा करेंगी दूसरा था यू एन सी बी डी जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व करना है इस पर बातें की गई तीसरा था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जहां पर लैंड डिग्रेडेशन और जो डिजर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो जो तेज़ी से फैलते आ रही है उसको रोकने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ये जो फ़िलहाल इन सब में जितनी भी मीटिंग्स होती है उनको सीओपी बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है अभी फ़िलहाल में जो ये एक सीओपी 28 हुई थी ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज हुई थी और ये जो यू एन एफ की मीटिंग हुई है ये दुबई में हुई थी इससे पहले ये तो सीओपी ट्वेंटी की मीटिंग है थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते ले हैं हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो यहां पर नहीं डिस्कस कर पाएंगे कॉन्फ्रेंसेस के लिए हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं सीओ पी इसकी मीटिंग हुई है दुबई में दुबई यानी कि यू में यूनाइटेड अरब अमीरेट अब देखिए इससे पहले वाली जो मीटिंग हुई थी सी ओ ये हुई थी इजिप्ट में ठीक है इससे पहले की जो मीटिंग हुई है सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स वो हुई है ग्लासगो यूके में तो यहाँ पर आखिर में चल क्या रहा है ये इजिप्ट में हो गई अब यहाँ पर चल क्या रहा है एक्चुअल में क्या था कि जो यू एन एफ सी 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 है यहाँ पर सबसे पहले क्योटो एक प्रोटोकॉल आया था और ये क्योटो प्रोटोकॉल इसी ने एक तरीके से समझिए क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड जो मेन एक्शंस है उसको एक तरीके से कोडिफाई किया था ये क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में खत्म हो गया अब चूंकि ये खत्म हो गया तो उसके बाद से कंट्रीज के पास कुछ रहेगा ही नहीं कि हम किस पर एक्शन प्लान लेंगे तो इसके लिए 2015 में ही एक पेरिस में एक मीटिंग हुई थी सी ओ पी के नाम से और यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट डील निकाला गया दिस इज पेरिस क्लाइमेट डील निकाला गया और ये बोला गया कि 2020 के बाद से अल्टीमेटली ये जो हमारा पेरिस क्लाइमेट डील है ये अब लागू होगा आगे काम करेगा लेकिन पेरिस क्लाइमेट डील में आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे कौन कौन से एक्शंस होंगे इस पर अभी डिस्कशन करना बाकी था तो सीओपी ट्वेंटी वन के बाद से सीओपी ट्वेंटी टू मरकेश ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट इस दौरान में यही बातें हो रही हैं कि आखिर में हम क्या प्लान लेकर के आए यानी कि कौन सी चीजें लेकर के आए जो कि आगे पैरिस क्लाइमेट डील में हम लोग इसको लागू करेंगे सीओपी ट्वेंटी एट में यही सारी बातें की जा रही हैं ये सारा प्लान 2030 तक हमें रेडी कर लेना है और बेसिकली 2030 तक का एक्शन प्लान हम लोग रेडी कर रहे हैं और इसी 2030 तक के एक्ष... मतलब इस प्लान डेवलपमेंट के दौरान में ही हमारी 28 मीटिंग होती है यानी कि सी 28 होती है और यहां पर कई सारी चीजें भी डिस्कस की जाती हैं जैसे एक चीज डिस्कशन की गई थी एनडीसी को लेकर के अब पेरिस क्लाइमेट डील में चार इंपॉर्टेंट चीजें आई थी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर न बढ़ने दिया जाए बेसिकली टू डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर न बढ़ने दिया जाए कोशिश की जाए कि वन पॉइंट फाइव डिग्री पर ही रुक जाए दूसरा क्लॉज था हर एक कंट्री अपना अपना एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शेयर करे यानी कि खुद से वॉलंटियर बेसिस पर अपना एक प्रोग्राम बताए कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पर आगे काम करने वाले हैं तीसरा एक क्लॉज दिया गया था लॉस एंड डैमेज का क्लॉज लॉस एंड डैमेज का क्लॉज का मतलब ये था कि वो सारी कंट्रीज जो आइलैंड्स हैं यानी आइलैंड वाली जो कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण से सी लेवल राइज और तमाम तरीके की डिजास्टर्स फेस कर रही हैं जिसके कारण से ये सब हो जाएंगी यानी इनका लॉस हो जाएगा तो लॉस एंड डैमेज क्लास के अंतर्गत यही जो आइलैंड कंट्रीज हैं इनको फोकस किया गया इन पर क्या काम करना है उसको लेकर के चीज़ें की गई तो इन्हीं सब चीज़ों पर अब सारी बातें होना शुरू हुई कि हम क्या क्या करेंगे तो हाल फिलहाल में जो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान में एन हुआ था उसमें ये बोला गया कि एक काम करो 2022 आ चुका है अब 2022 के बाद में आप लोगों को बोला गया था कि आप एनडीसी को अपना रिवाइज करिए जो भी आपने बोला है उसको रिवाइज करिए और रिवाइज्ड जो आपका एन है वो अब जमा करिए यानी कि सबमिट करिए अगली जो सीओपी मीटिंग होने वाली है ट्वेंटी नाइन और थर्टी ये होगी अजरबैजान और ब्राजील में बस ये वन पॉइंटर के तौर पर आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं अब आखिर में सीओपी ओ ट्वेंटी एट में क्या क्या निकल करके आया आउटकम के तौर पर यहां पर पहली चीज निकल करके आ रही है फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस क्लाइमेट को फाइनेंस करना फिक्स करना है एक्चुअल में जो चौथा वाला पॉइंट था वो ये था कि जो जी है यानी कि ग्लोब जो एक क्लाइमेट फैसिलिटी ग्रीन क्लाइमेट फैसिलिटी बनाई जा रही है इसमें हंड्रेड बिलियन डॉलर का एक फंड बनाया जाएगा जो क्लाइमेट रिजिलियंसी की ओर में काम करेगा तो यही चीज है फिक्स्ड क्लाइमेट फाइनेंस अब लॉस एंड डैमेज के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंट्री कंट्रीज हैं उनके लिए अलग से एक फंड की व्यवस्था की गई थी लॉस एंड डैमेज फंड अब इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी वो सी ओ पी ट्वेंटी सेवन जो इजिप्ट में हुई थी वहीं पर कर दी गई थी लॉस एंड डैमेज के लिए अब ये बताया गया है कि यहाँ पर वो सारी कंट्रीज जो भी आ, मतलब सबमर्ज हो रही हैं सी लेवल राइज हो रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा इसके अलावा कई सारे और भी फंड्स हैं जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया एडाप्टेशन फंड हो गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड हो गया स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड हो गया ये सब अलग अलग फंड है जो बहुत पहले 2000 के बाद से ही बनने शुरू हो गए थे जिसका अलग अलग, -अलग अपना अपना काम है लॉस एंड डैमेज का जो क्लॉज है ये वार्सा की मीटिंग में आया था दो में आया था सीओपी नाइनटीन में आया था एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं अभी फिलहाल में ये जो लॉस एंड डैमेज का फंड है शुरुआत में तो वर्ल्ड बैंक देखेगा लेकिन बाद में एक अलग से एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड बना दिया जाएगा और यही फिर अल्टीमेटली इसको देखना शुरू करेगा इसके अलावा एक और ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क पर भी काम किया गया है इसको भी बोला गया है कि ये भी एक नया हम फंड लेकर के आएंगे इंडिया भी इस पार्ट इसका एक पार्ट है इसके अलावा अगला जो डिक्लेरेशन हुआ वो फोकसिंग ऑन पीपल लाइफ एंड लाइवलीहुड को लेकर के हुआ इजिप्ट में जब आ, आ, मीटिंग हुई थी सी ओ पी ट्वेंटी सेवन हुआ था तो वहाँ पर इस पर बातें की गई थी इसमें टोटल के टोटल चार एग्रीमेंट किए गए हैं वो चार एग्रीमेंट पीपल उनके लाइफ और उनकी लाइवलीहुड को लेकर के हैं जैसे इनके एग्रीकल्चर फूड एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर के इसके अलावा क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर के इसके अलावा क्लाइमेट रिलीफ रिकवरी एंड पीस और लास्ट लास्ट में क्लाइमेट रिजिलियंसी पर काम किया गया है ये चार एग्रीमेंट्स हैं इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है ये जो हेल्थ वाला है क्लाइमेट एंड हेल्थ इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियसी के बारे में बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंसी की जो मेन आइडिया है वो पेरिस क्लाइमेट डील से ही निकल करके आती है क्या चीज़ है इसमें इसमें बोला गया है कि लॉन्ग टर्म अडाप्टन एफर्ट हमें करना है और साथ ही साथ में जो हमारी अडाप्टशन कैपेसिटी है उसे भी हमें इन्हेंस करना है हमें अपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी वलरेबिलिटी है उसको रिजिलियंट बना के रखना है और इसकी वलरेबिलिटी को रिड्यूस करना है अंडरपिनिंग एवरीथिंग विद फुल इंक्लूजिविटी यहां पर बोला गया है कि जेंजर जेंडर रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान लेकर के आना रहेगा साथ ही साथ में जो हमारे बड़े बड़े मतलब जो लीडर्स हैं ये तो क्लाइमेट चेंज में जुड़ जा रहे हैं लेकिन जो यूथ है वो जुड़ नहीं पा रहा है तो यूथ को जोड़ने के लिए अलग से एक यूथ क्लाइमेट चैंपियन एक आ, कमेटी बनाई जाएगी जहां पर यूथ स्टेक होल्डर्स को भी अब कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी सी ओ के तहत कई सारी यहां पर रिपोर्ट्स भी निकाली गई थी जैसे एक रिपोर्ट निकाली गई है रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस ये जो रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस है ये निकाली गई है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के द्वारा बस आपको यही ध्यान रखना है डिटेल जानने की जरूरत नहीं है यहां पर बस ये बोला गया है कि फाइंडिंग के तौर पर कि जो भी यहां पर क्लाइमेट फाइनेंस है उसे हमें ट्रिपल से ज्यादा कर देना है एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट अब मीथेन कई जगहों से रिलीज होती रहती है तो इस वजह से इसे ऑब्जर्व करना भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी है तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने अपनी एक शाखा बनाई है आई एम दैट इज इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी इसे लॉन्च किया गया था जी लीडरशिप 2021 के अंतर्गत और ये मीथेन पर अपना ट्रैकिंग करती है मीथेन को देखती रहती है यू एन ये एक 1992 में ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है पेरिस क्लाइमेट डील और क्योटो प्रोटोकॉल इसके दो इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं इसने इनिशिएटिव भी लिया था 2022 के दौरान में ही मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यहाँ पर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को यानी क्लाइमेट के जो चेंजेस आ रहे हैं उसको न्यूट्रल बनाने के लिए अपना स्टेप्स लिए गए हैं तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां पर लिए गए एक क्लाइमेट फुटप्रिंट को पहले आपको मेजर करना होगा दूसरा रिडक्शन करनी है क्लाइमेट चेंज की और ऑफ सेटिंग करनी है यानी कि जो ज्यादा इमिट कर रहा है और जो कम इमिट कर रहा है वो हमेशा दोनों मिलकर के एक बैलेंस बनाए रहे यानी कि ज्यादा वाला बंदा कम वाले से जितना भी बैलेंस है उसको परचेज कर सकता है कई सारी रिपोर्ट और भी यूएनएफसी निकालती है जैसे ग्लोबल स्टेक होल्डर टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट यहां पर बोला गया है कि पेरिस क्लाइमेट डील की जो भी गोल्स हैं उनको हर पांच साल पे हम रिवाइज करते रहेंगे यानी कि देखते रहेंगे यहां पर आठ स्टेप्स लिए गए हैं क्या क्या जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको हम थ्री टाइम्स करेंगे यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का मतलब यही हो गया कि आपको एनर्जी इफिशियंसी लेकर के आनी है कब तक सेम वही पेरिस क्लाइमेट डील से रिलेटेड तो सारी चीजें क्या होंगी दो रहेंगी तो दो तक हमें करना है इसके अलावा जो कोयला बेस्ड पावर है उसको हमें खत्म करना है फेज डाउन करना है इसके अलावा जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम और जीरो एंड लो कार्बन फ्यूल बनाना है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल जो भी फॉसिल फ्यूल यू, मतलब यूज़ करते हैं फॉसिल से बेस्ड ईंधन को इस्तेमाल किया जाता है उसको भी ख़त्म करना है लो एमिशन टेक्नोलॉजी को लेकर के आना है यानी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर में आगे बढ़ना है न्यूक्लियर एनर्जी की ओर में काफ़ी आगे बढ़ना है और कार्बन कैप्चर करना है इसके अलावा नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को आगे बढ़ाना है एक्सलरेटिंग रिडक्शन ऑफ एमिशंस फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट और लास्ट में जो भी फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज है उनको फेज आउट करना है इन सभी का टारगेट अगेन 2030 रहेगा क्योंकि अगेन पैरिस क्लाइमेट डील का जो टारगेट है वो 2030 है पैरिस ने अपना एक क्लाइमेट प्राइस एग्रीमेंट अपना एक सिंथेसिस रिपोर्ट निकाला है इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं बस ये बोल दिया गया है कि जो एमिशंस हैं, वो 8.8 परसेंट से हमें मतलब कि जो हैं, इट विल इंक्रीज एमिशन बाय अप्रोक्सीमेटली 8.8 परसेंट बाई ट्वेंटी ये एक इम्पॉर्टेंट आई वुड से रिकमेंडेशन या फिर रिपोर्ट में चीज़ें बताई गई हैं तो इसलिए ध्यान रखना है और बाकी जो 40 परसेंट पार्टीज हैं ये लोकल कम्युनिटी और इंडिजिनस पीपल के राइट्स को अडोप्टेशन के लिए अपना यहाँ पर आउटलाइन किए हुई हैं यानी कि लोकल लोगों को यहाँ पर स्थान दिया गया है कई सारे और भी की इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए हैं जैसे ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था इसका मतलब क्या है जो भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है या फिर किसी भी तरीके की क्लाइमेट रिजिलियंसी का काम करना है तो उसके लिए यह ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा ग्रीन क्रेडिट का मतलब जैसे आप क्रेडिट कार्ड समझते हैं सेम वही चीज यहां पर भी है ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा यानी कि फाइनेंसेस दिए जाएंगे आपको पैसे दिए जाएंगे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड डायलॉग्स भी किए जाते हैं कोलेब्रेशन भी होते हैं और साथ ही साथ में जो भी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है उसको साथ में मिल करके किया भी जाता है यहाँ पर की पर्पस के बारे में अगर बात करें तो जितने भी टेक्निकल नो हाउस हैं जो जो चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है क्रेडिट पॉलिसी को बनाया जाता है सपोर्टिंग इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन को भी सपोर्ट किया जाता है दो तरीके का सिस्टम बनाया गया है एक है ग्रीन क्रेडिट सिस्टम जहां पर आपको ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएंगे यानी कि ग्रीन ग्रीन क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी और एक पोर्टल दिया जाएगा जिस पर आप ये सारे काम कर सकेंगे ग्रीन क्रेडिट ये वॉलेंटियर इन्वायरमेंटल एक्शन पर निर्धारित है जो चाहे प्राइवेट हो चाहे एन हो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कम्युनिटी हो चाहे कोई भी हो वो इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है और ग्रीन क्रेडिट यहाँ पर ले सकता है ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इफिशियंसी प्लेज ये जो हमारा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इफिशियंसी प्लेज है ये सी ओ के अंतर्गत ही बनाया गया था और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है इसमें कहा किया गया है इसमें कहा यही गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी की फैसिलिटी है उसको थ्री टाइम्स से आपको बढ़ा देना है यही जो आपका यहाँ पर आठ स्टेप बताए गए हैं इसी में से पहला स्टेप यही है कि आपको ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की इफिशियंसी को बढ़ाना है थ्री टाइम्स आपको बढ़ाना है इलेवन थाउजेंड तक लेकर के जाना है इसके अलावा जो ग्लोबल एनर्जी इफिशियंटी है इफ़िशंसी है उसको चार से और इन्हेंस करना है बाई ट्वेंटी अगेन पैरिस क्लाइमेट डील ट्वेंटी के लिए ही एप्लीकेबल है इसके अलावा जो कोल है कोयला उसको फेज डाउन करना है ग्लोबल कूलिंग प्लेज ग्लोबल कूलिंग प्लेज ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है अगेंस्ट यूपी ट्वेंटी एट के ही अंतर्गत किया गया है इंडिया भी, इसका भी सिग्नेटरी नहीं है इसमें यही कहा गया है कि 2050 तक हमें अड़सठ परसेंट से अपनी कूलिंग को रिड्यूस करना है वही जो घर में ए सी वगैरह लगा के रखे होते हैं उसको है एसी के लिए फिफ्टी परसेंट हमें इफिशियंसी और लेकर के आनी है यही जो आपका ग्लोबल कूलिंग प्लेज है इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाली जाती है एंड uh, यहां पर लास्ट में इसका मेंशन किया गया है एक सेकेंड रुक जाइए यस कूल ये जो कूल cool कोएलिशन है अगेन यही ग्लोबल कूलिंग का ही पार्ट है यहां पर ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जो कि सीओपी 28 के ही अंतर्गत निकाली गई है इसके बारे में यहां पर बताया गया है डिटेल अगेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है कमिंग बैक नेक्स्ट वन इज फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर यहां पर 50 से अधिक कंपनीज ने इसको साइन किया है यहां पर बोला बस यही गया है कि हमें कल के लिए जो एनर्जी सिस्टम है उसको और ज्यादा एनहैंस करना है कल मतलब कि फ्यूचर के लिए इसके अलावा हमें डीकार्बोनाइजेशन करनी है और साथ ही साथ में मीथेन और जो नॉन कार्बन डाइऑक्साइड वाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको भी टारगेट करना है जैसे एरोसॉल वाटर वेपर इन सब चीज़ों को यहाँ पर हमें देखना है ये सारी चीजें की जा रही हैं अंडर ग्लोबल डी कार्बोनाइजेशन एक्सलरेटर प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान में की गई थी इसके अलावा अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्राइजेशन इनिशिएटिव अफ्रीका वाले ये ग्रीन ग्रोथ के लिए आगे अपना एक ग्रुप बना करके रखे हुए हैं जिसके थ्रू ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं मतलब जो लोग भी चाहते हैं कि भाई मतलब ग्रीनरी को लेकर के ग्रीन क्रेडिट को लेकर के काम करना तो अफ्रीका में जाकर के इस ग्रुप के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं जी सेवन क्लाइमेट क्लब जर्मनी और चिली के द्वारा यह लॉन्च किया गया था इंडिया इसका मेंबर नहीं है यह आपको ध्यान रखना है काम क्या है काम बस वही है कि एक क्लाइमेट क्लब है जहां पर क्लाइमेट से रिलेटेड ओपन और एक इंक्लूसिव डिस्कशन किया जाएगा इससे जो क्लाइमेट एक्शन है उसको उसको जो एक्शन है उसको और तेजी से काम किए जाने उसको और तेजी से एक्सलरेट करने और ग्रीन हाउस गैस कमीशन को रोकने के लिए जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें की जा रही हैं इसका प्रपोजल दिया गया था जर्मनी के द्वारा और जी समिट जी सेवन समिट के दौरान में ये चीज़ें की गई हैं एलाइड क्लाइमेट पार्टनरशिप प्रोग्राम ये जो एलाइड क्लाइमेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो फिलानथ्रॉफिक काम करते हैं यानी कि पुण्य का काम एक तरीके से कह लीजिए कि करते हैं तो उनके लिए है ये क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लेते हैं और ये मेनली जो फोकस एरिया इनका है वो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि वही इंडिया साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका अफ्रीका और इंडिया ये वाले पार्ट में ये मेनली फोकस कर रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो लैंड डिग्रेडेशन भी इसी इलाके में सबसे ज्यादा हो रही है साउथ ईस्ट एशिया क्लीन एनर्जी फैसिलिटी में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे एक लास्ट पॉइंट है अल्टेरा फंड ये अल्टेरा फंड यू के द्वारा अनाउंस किया गया है अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि एनर्जी से रिलेटेड ये लोग काम करेंगे इसी चीज़ में इंडिया ने क्या 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 आखिर में किया अपने सीओपी मीटिंग के दौरान में इंडिया ने क्या क्या चीजें लॉन्च की हैं या फिर इंडिया ने क्या क्या चीजें की हैं इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का आवाज बना और इन्होंने कई सारी चीजें की जैसे लीड इट टू पॉइंट जीरो को लॉन्च ऑफ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ये जो लीड इट टू पॉइंट जीरो है ये लॉन्च किया गया था इंडिया और स्वीडन के द्वारा ये किया गया था दो में ही इसका मेन काम क्या है इसका मेन काम यही है कि इंडस्ट्री के ट्रांजिशन में इंक्लूसिविटी लेकर के आना लो कार्बन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एटसेट्रा एटसेट्रा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है जहां पर वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल एक्शंस लिए जाएंगे और ग्रीन फंड दिए जाएंगे इंडिया की मैनग्रूव मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट पार्टनरशिप इंडिया भी इसका मेंबर है और इंडिया यूएई के यूएई और इंडोनेशिया के साथ में मिलकर के जो 27 में मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए काम किया गया था उसको ज्वाइन कर लिया है नेक्स्ट है इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस अब जैसे इंडिया की जो सिटीज हैं वो रिवर के किनारे हैं सिमिलरली इसी तरीके से मिसिसिपी रिवर के पास में भी जो भी टाउन है इन दोनों ने मिलकर के अपना एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पज साइन किया है और बाकी की भी जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों को भी बोला है कि जो लोग भी इस तरीके से रिवर के मुहाने पे, यानी कि रिवर बेसिन पर जितनी भी सिटीज़ हैं वो लोग आपस में मिलकर के आ सकते हैं और हम लोग इस पर काम कर सकते हैं इंडिया में ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ मिलकर के असाइन किया गया है मिनिस्ट्री के नाम पर मिनिस्ट्री ऑफ़ जल शक्ति यहाँ पर काम करती है और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर क्योंकि सिटीज़ का मेन काम है एन इंडिया ने अपना एन पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान में ही बना लिया था और अब यह हाल फिलहाल में इसे रिवाइज भी किया गया है जो अपना रिवीजन किया गया है वो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंतर्गत किया गया है जहां पर बोला गया था कि आपको 2022 के एंड में अपना रिवीजन करके लेकर के आना है इंडिया ने आखिर में क्या रिवीजन किया इंडिया ने रिवीजन जो किया था उसमें कई सारी चीजें थी जैसे पहली बात तो क्या क्या अचीव कर लिया गया था इंडिया ने बोला था कि जो अपना कार्बन एमिशन इंटेंसिटी होता है तीस परसेंट तक वो रिड्यूस कर लेंगे इसके अलावा इलेक्ट्रिक इले, इंस्टॉल कैपेसिटी चालीस परसेंट तक वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कर लेंगे और ये दोनों ही अचीव कर लिया गया है इसके अलावा ग्लासगो में ही इंडिया ने पंचामृत का एक सिद्धांत दिया था यानी पांच चीज़ें कौन कौन सी वो पांच चीज़ें थी दो तक पाँच गीगावाट तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हम बना लेंगे दूसरा दो तक हम एनर्जी 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से अपना पूरा कर लेंगे इसके अलावा कार्बन एमिशन को हम वन बिलियन टन तक पहले तैंतीस परसेंट था वन बिलियन टन तक हम इसे रिड्यूस कर लेंगे इसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी को हम पैंतालीस परसेंट से अपनी मतलब की रिडक्शन हम कर लेंगे अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन भाई ट्वेंटी सेवेंटी दो हजार सत्तर तक हम इस चीज़ को मतलब नेट ज़ीरो भी कर लेंगे आखिर में क्या क्या यहां पर चेंजेस किए गए हैं जैसे अगर हम एमिशन इंटेंसिटी के बारे में बात करें जो पहले 33 परसेंट थी अब वो 45 परसेंट कर दी गई है 2005 के लेवल का इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड थी जो पहले 40 परसेंट थी अब वो बढ़ा करके 50 परसेंट कर दी गई है इसके अलावा जो कार्बन सिंक का बनाया जा रहा है वो टू टू थ्री बिलियन टन था वो अभी भी वही बना करके रखा गया है कि हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं कई सारे और भी क्वालिटेटिव चेंजेस लिए गए हैं जैसे हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग के लिए एक नया प्रोग्राम निकाला गया दैट इज लाइफ लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट यानी लोगों को अब यानी कि सोशल पार्टिसिपेशन अब यहां पर बढ़ाया जा रहा है इसके अलावा क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर पाथ को अडॉप्ट किया जाएगा इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को बेटर तरीके से अडॉप्ट करना है हिमालयन एरिया कोस्टल एरिया जो भी वलरेबल एरियाज हैं वहाँ पर डोमेस्टिक और न्यू एंड एडिशनल फंड्स को मोबिलाइज किया जाएगा बिल्ड कैपेसिटी एंड क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फॉर क्विक डिफ्यूजन ऑफ कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया अब यहां पर चिल्ड्रन के लिए भी कुछ यहां पर बातें बोली गई हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड के द्वारा ये कहा गया है कि देखो इन्वायरमेंट और एनवायरमेंट के इस रिलेटेड जो बायोडायवर्सिटी है इसका बच्चों पर भी अधिकार है चूंकि ये सारी चीज़ें खत्म होते आ रही हैं इसलिए बच्चों के राइट्स भी कही न कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही है कि हमें क्लाइमेट चेंज होने से रोकना है बायोडाइवर्सिटी को बचाना है और बच्चों का ये जो राइट है उसे भी बना करके रखना है अब आखिर में बच्चे इस क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट कैसे हो रहे हैं सबसे पहली चीज़ डिज़ास्टर्स आते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण से जिसके कारण से उनका डिस्प्लेसमेंट होता है रिहेबिलिटेशन कराना होता है प्लस पुअर न्यूट्रिशन और लॉस ऑफ एजुकेशन भी होता है क्योंकि डिज़ास्टर आया या फिर कोई ड्रॉट आया तो न खाने को मिला न स्कूल जाने को मिला इसके अलावा मलेबिलिटी रिलेटेड टू डिसीजेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बाकी इसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस है पीटीएसडी जिसको हम लोग बोल देते हैं कई बार पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर ये भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रेन ये 1989 में अडॉप्ट की गई थी और इसका मेन काम यही है बच्चों के लिए क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच है ये मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था यहां पर जो मेन काम यही है कि जितनी भी हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं उनको हमें रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेज में जिस तरीके से होती हैं वैसे ही जितने भी ट्रैप्ड गैसेज हैं उनको हमें कम करना है यहां पर जो मेन ऑब्जर्वेशन करना है वो सीओ मीथेन और एन के कंसनट्रेशन को लेकर के करना है कई सारे एस्टिमेट यहां पर ग्रीन हाउस गैस कन्विशन को लेकर के किए जाते हैं और अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है फर्स्ट मूवर कोलिशन फर्स्ट मूअर कोइलिशन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएस गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर के किया गया है इसको लॉन्च किया गया था ग्लासगो में सीओपी ओ ट्वेंटी सिक्स के दौरान में और इंडिया भी इसका मेंबर है मेजर इकॉनॉमी फोरम ये जो मेजर इकॉनॉमी फोरम है जितनी भी मेजर इकॉनमीज़ हैं यानी बड़ी बड़ी इकॉनॉमीज़ हैं जैसे जी ट्वेंटी की इकोनॉमी हो गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील जितने भी कंट्रीज हैं ये लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो लगभग लगभग एट्टी ग्लोबल जी और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी करते हैं और इसी वजह से बोला गया है कि इन लोगों को साथ में मिलकर के आना चाहिए काम क्या है काम यही है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाने से रोकना है कैसे रोकेंगे डी करेंगे अपनी इकोनमी को प्लस साथ में डिफॉरेस्टेशन को आप नेट जीरो करेंगे बाय ट्वेंटी इसके अलावा नॉन कार्बन डाइऑक्साइड के जो पॉल्यूटेंट हैं उनको भी खत्म करेंगे कार्बन मैनेजमेंट का एडवांस करेंगे इन्हेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एक्सलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशन प्रोग्राम दैट इज इनैक्ट प्रोग्राम ये जो इनैक्ट प्रोग्राम है ये सी ओ पी ट्वेंटी सेवन के दौरान में ही लॉन्च किया गया था इजिप्ट में जर्मनी और इजिप्ट इन दोनों ने मिलकर के किया हुआ है इंडिया इसका पार्ट नहीं है और इसका काम यही है बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेज सीधी सी बात है एग्रीकल्चर की ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए काम किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करेगा लेकिन अभी न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ने इंडिया को इनवाइट करने के लिए इसमें मतलब एक तरीके से बोल दीजिए कि इनविटेशन भेजा था कि भाई आपको इसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए अभी हाँ हाल फिलहाल में इंडिया इसका पार्ट नहीं है कंपाला मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन कंपाला युगांडा की राजधानी है और युगांडा बेसिकली अफ्रीका अफ्रीका में काफी कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत है तो यहां पर यही कहा गया है कि अब यहां पर एक इन्हैंस कोऑपरेशन किया जाएगा फाइव एरियाज में क्या क्या डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन इसके अलावा जो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ इको सिस्टम है माइग्रेशन ऑफ द पीपल को प्लान करके लेकर के जाना है ऑफ डेटा इन डेटा इन क्लाइमेट रिजिलियंस एग्रीकल्चर दैट इज एग्रीकल्चर को क्लाइमेट के रिजिलियंस बनाने के लिए एक डेटा बनाया जा रहा है डेटा बनाने के लिए यहां पर यू और साथ ही साथ में इंडिया की नाबार्ड ये दोनों संस्थाएं निकल करके आएंगी इनका काम बस यही होगा कि अपनी डेटा को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर रखेंगे जिससे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर का मतलब क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बन सके एफ का एक्शन प्लान 2022 से लेकर के 2025 तक के लिए ये ओपन कर दिया गया है इसमें बस यही है कि हम क्या क्या काम करेंगे एफ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सस्टेनेबल इंक्लूसिव और रिजिलियंट एडाप्टिव चेंजेस लेकर के आएगी एक चीज आपको ध्यान रखना है जो ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम है ये ग्रीन हाउस गैस का लगभग लगभग वन बाई थ्री परसेंट मतलब कि लगभग तैंतीस परसेंट ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इस बार इंडिया की रैंक आई है सतवीं पहली तीन जगह फिर से खाली की गई है और एक तरीके से देखिए तो फर्स्ट रैंक आई है आपकी डेनमार्क की लेकिन वो चौथी रैंक है रियल में ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है चार यहां पर पैरामीटर्स होते हैं ग्रीन हाउस गैस का रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी यूज क्लाइमेट पॉलिसी इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी में तो बड़ा अच्छा काम किया है लेकिन ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एनर्जी यूज यहां पर इनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा निकाली गई है यानी कि पुअर रैंकिंग तरीके से इसी के कारण से है नैरोबी डिक्लेरेशन नैरोबी डिक्लेरेशन पहला अफ्रीका का समिट क्लाइमेट समिट प्रोग्राम के तहत निकाला गया है और यहां पर यही बोला गया है कि हंड्रेड बिलियन डॉलर का फंड एक बनाया जाए और ये अलग अलग कंट्रीज के द्वारा यहां पर इन्वेस्ट किया जाए आदि सबाबा डिक्लेरेशन अफ्रीकन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसिस ऑन एन्वायरमेंट के टाइम पीरियड में यह आधी सबाबा डिक्लेरेशन स्टार्ट की गई है सी फोर्टी सी फोर्टी का मतलब ये है जो सिटीज़ है सिटी फोर्टी सिटी फोर्टी का मतलब ये हो गया कि जितनी भी हमारी सिटीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी सिटीज़ हैं उनके जो मेयर लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं डिस्कशन करते हैं रिलेटेड विद द क्लाइमेट क्राइसिस ये वर्ल्ड लेवल पर स्टार्ट की गई है इंडिया के भी छः सिटीज़ यहाँ पर हैं दिल्ली हो गया मुंबई चेन्नई कोलकाता बेंगलोर और अहमदाबाद अभी फिलहाल में जो यहाँ पर डिक्लेरेशन हुई है वो बैंगलोर क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर के हुई है दो चीज़ों को यहाँ पर फोकस किया गया है एक तो दिल्ली सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट और दूसरा है थ्री आई थ्री आई का मतलब इंक्लूजन इंक्लूज इंसेंटिवाइजेशन और इनोवेशन किस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये डब्ल्यू के द्वारा लॉन्च की गई है यहाँ पर बस वही है कि हम जो ग्रीन हाउस गैस है उसको मॉनिटर करेंगे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कार्बन क्रेडिट को समझने से पहले आप ये समझिए किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर कार्बन एमिशन नॉर्मली होता ही होता है अब जितने भी डेवलप्ड कंट्री आज की डेट में हैं जैसे यू एस जापैन कैनेडा यूरोपियन यूनियन ये सब कही कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवोलूशन के दौरान में मतलब 1800 टू 1900 के दौरान में इन लोगों ने कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा किया है कोयले से ही सारी चीज़ें की गई हैं और आज की डेट में मौसम यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है ख़राब हो चुका है अब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये नहीं कह सकती हैं चूँकि कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को अब कार्बन इमिशन नहीं करना है क्यों क्योंकि कुछ लोग तो रेस की लाइन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं जो डेवलप्ड कंट्री हो अपने यहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा चुकी है लेकिन वो कंट्री जो इन कंट्रियों के गुलाम थे इन कंट्रियों से पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं क्या उनको हक नहीं है कि वो डेवलपमेंट करें क्या उनको हक नहीं है जो कार्बन एमिशन ऑलरेडी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कर रखा है क्या उसका कुछ परसेंटेज भी ये लोग ना करें और इसी चीज़ को लेकर के अल्टीमेटली इस कार्बन एमिशन का एक लिमिट लगाया गया है यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर में ऑब्वियसली जो लिमिट है वो काफ़ी मतलब कम लिमिट लगाई गई है कम लिमिट का मतलब कि कम कार्बन इमिशन ये लोग करेंगे और वहीं दूसरी ओर जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ी सी छूट दी गई है कि आप लोग डेवलपमेंट के नाम पर अभी थोड़ा मोड़ा कार्बन इमिशन आप कर सकते हैं सबकी अपनी अपनी लिमिट लगा करके रखी गई है अब दिक्कत ये आती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखे हैं कि उनका एक मिनिमम कार्बन तो जाएगा ही जाएगा ठीक है और वहीं दूसरी ओर है एक जो डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर अभी उतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लग पाए हैं तो अगर मान लेते हैं डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर इनको 100 यूनिट का मान लेते हैं कि कार्बन इमिशन दिया गया है और इनकी जो अभी फिलहाल में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आ रही है वो 120 की आ रही है मतलब इनको 20 की और एक्स्ट्रा ज़रूरत है वहीं डेवलपिंग कंट्री में मान लेते हैं कि कोई एक कंट्री युगांडा है और इसको लिमिट दिया गया है कि आप एक काम करो 80 यूनिट यहाँ पर आप लोग एमिशन कर सकते हैं लेकिन इनकी एमिशन क्वालिटी केवल और केवल अभी 40 की ही डेवलपमेंट हुई है मतलब 40 का ही इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग लगा पाए हैं इनका 40 अभी भी फ्री है तो ये क्या करेंगे जो बीस की रिक्वायरमेंट इस डेवलप्ड कंट्री को है वो इस चालीस के बदले बेच देंगे यानी कि यहाँ पर यह अपनी एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अब ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन ट्रेड इसी को बोलते हैं कार्बन सर्टिफिकेट ट्रेड अब ये जो कार्बन सर्टिफिकेट ट्रेड हो रही है ये दो तरीके से होती है एक होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन को कार्बन के बदले ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरा एक और तरीका हो सकता है यहाँ पर इनको 20 की रिक्वायरमेंट है ठीक मान लेते हैं कि ये कंट्री जो है मतलब जो युगांडा है ये 40 कार्बन ना दे करके ये कहती है 40 कार्बन के बदले मुझे आप कुछ डॉलर दे दो अब डॉलर क्यों दो क्योंकि ये कंट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्ट में पड़ी हुई है बहुत ज्यादा गरीबी है बहुत ज्यादा डेप्ट में है तो अगर मान लेते हैं कि एक यूनिट का ये वन बिलियन डॉलर मान लेते हैं रेट लगाए तो इस तरीके से ट्वेंटी बिलियन डॉलर का जो भी इनके ऊपर में कर्ज होगा वो माफ कर दिया जाएगा माफ क्या कर दिया जाएगा इस ट्वेंटी यूनिट के बदले में एक्सचेंज कर लिया जाएगा ये एक नया तरीका निकाल करके लाया गया है जहां पर डेप्ट को इस कार्बन के साथ में फाइनेंस कर दिया जा रहा है कार्बन क्रेडिट का मेन मतलब होता है जहां पर आप कार्बन को कार्बन के बदले में ट्रेड कर दें लेकिन जहां पर कार्बन से आप डेप्ट को डेप्ट को एक तरीके से कंपनसेट कर रहे हैं वो अलग चीज़ होती है और इसको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज डेप्ट दिस इज कॉल्ड एज डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स जहाँ पर एक क्रेडिटर होगा दूसरा डिप्टर नेशन होगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पर डेप्ट को जो uh, मतलब रिमूव किया जाएगा वो कार्बन के नाम पर किया जाएगा अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं जरा पहले हम लोग इस आर्टिकल को ही देख लेते हैं ये तो एक जस्ट रिलेटेड चीज़ थी इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यूसली मतलब देख लिया एक कंटिन्यूटी के नाम पर कहा यह गया है कि इंडिया के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये जो कार्बन क्रेडिट वाली चीज़ है इसको देखेगी यानी कि कार्बन क्रेडिट की जो ट्रेडिंग स्कीम है उसको रेगुलेट करने का काम इसको देखने का काम मॉनिटर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ पावर करेगी यहाँ पर अपना एक मार्केट होगा और इस मार्केट में सारी चीज़ें ये लोग कर रहे होंगे इंडिया में किसी भी काम को करने के लिए अपना एक एक्ट होता है और यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के ट्रेड के लिए एक नया एक्ट बनाया तो गया, गया है दैट तो इज़ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ये जो कार्बन क्रेडिट की फैसिलिटी है ये स्टार्ट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल से क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट किया गया था बेसिकली दो तरीके लाए गए थे एक था कार्बन क्रेडिट की फैसिलिटी और दूसरी थी कार्बन ऑफसेट की फैसिलिटी दोनों मोरलेस सेम सेम सी ही चीज़ें होती हैं थोड़ा अंतर होता है लेकिन दोनों की फ़िलोसफी सेम ही है अब यहाँ पर जो हमारी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है थोड़ा इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बी ई ई दैट इज़ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जो हमारी स्टार रेटिंग निकालती है ना फाइव स्टार ए सी है या टू स्टार ए सी है या थ्री स्टार है ये वही वाला बी ई ई है ये जो बी ई ई है यही जितने भी एमिशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी या फिर जो भी कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड सर्टिफिकेट है हुआ यही ऑर्गेनाइजेशन यही संस्था रिलीज करेगी अब यहाँ पर कई सारे रिफॉर्म्स भी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जैसे जो हमारी ये बी ई ई है ये ऑफसेट मेकैनिज़म का जो भी स्टैंडर्ड या जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो यही संस्था कर रही होगी इसके अलावा जो कार्बन क्रेडिट को अब वेरिफिकेशन की जगह पर वैलिडेशन किया जाएगा इसके अलावा वो सारी कंट्रीज़ भी जो नॉन ऑब्लिगेटरी हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको कार्बन कम ही पड़ गया हो तो ही बल्कि वो चाहे तो वॉल्टियर बेसिस पर भी ये हमारा जो कार्बन सर्टिफिकेट है वो ख़रीद सकती हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो आप वॉलेंटियर बेसिस पर खरीद सकती हैं पहले ऐसा नहीं था कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केट के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कॉम्पनसेट करने के लिए ये जो कार्बन क्रेडिट फैसिलिटी होती है ये लाई गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 1997 में इस चीज़ को लाया गया था नेशनल कार्बन रजिस्ट्री ये जो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री है ये यू के द्वारा लॉन्च किया गया था इसका मेन फंडा यही है जितने भी डेटा हैं उसको रियल टाइम में आप मॉनिटर कर सकते हैं देख सकते हैं पैरिस एग्रीमेंट के तहत भी इस कार्बन ऑफसेट या जो कार्बन फैसिलिटी है इसके बारे में भी बात की गई है मिशन मतलब है लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लाया गया है सीओपी ट्वेंटी के तहत हम लोगों ने इसको लॉन्च किया गया था यहां पर बोला यह गया है कि देखो ऐसा है जब तक हम यंगस्टर्स और जो पार्टिसिपेटिव नेचर का जो लोगों के अंदर में एक इंथोजियाजम है जब तक उसे हम लोग रिलीज नहीं करेंगे जब तक उसे हम लेकर के नहीं आएंगे तब तक इस क्लाइमेट का डे मतलब कि क्लाइमेट का चेंज जो होगा वो लोगों में प्रसारित लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी लोग उस चीज़ को नहीं लेकर के आएंगे और इसके लिए लोगों का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है और उसके लिए डेली लाइफ में हमें इस छोटी छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जैसे कहा जाता है ना कि एक बड़ा बदलाव करने के लिए छोटे छोटे बदलाव अगर डेली किए जाएँ तो बड़ा बदलाव आ जाता है सेम वही क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पर फंडा है यहाँ पर फाइव थीम लाई गई हैं जैसे एनर्जी को बचाना है यानी अगर आप कमरे में नहीं है लाइट बंद कर दीजिए पानी को बचाना है जैसे कहा जाता है बूंद बूंद पानी अगेन पानी को सेव करिए इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना है सस्टेनेबल फूड सिस्टम को एडॉप्ट करना है और हेल्दी लाइफ को लेकर के आना है अभी आप लोग देखे होंगे ईट राइट एक नया स्कीम चला हुआ है ईट राइट right, मतलब जहाँ पर न्यूट्रिशन वाइटमिन्स क्या क्या न्यूट्रिएंट जा रहे हैं ये सभी चीज़ों को देखा जाता है ये जो मिशन लाइफ है ये एक मास मूवमेंट है जहाँ पर इंडिविजुअल और कम्युनिटी को लेकर के साथ में आया जा रहा है इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें हम वन बिलियन इंडियन और ग्लोबल सिटीजन को लेकर के आएंगे और ये जो लाइफ स्टाइल है फॉर इन्वायरमेंट इसको हम लोग कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में लेकर के जाएंगे मतलब लोगों के डेली लाइफ में लेकर के जाएंगे यहाँ पर केवल और केवल अर्बन एरिया नहीं बल्कि रूरल एरिया में भी इस इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक को ये जो डेली रूटीन है उसको लेकर के जाएंगे बाकी इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लाइफस्टाइल को तो हम लोग बदलेंगे ही बदलेंगे जो लोग भी इस तरीके का काम करेंगे लाइफ करेंगे उसको बोला प्रो प्नेट पीपल क्योंकि ये लोग प्लानिट के मतलब सुरक्षा के लिए प्लानिट के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं सात थीम है एक तो एनर्जी हो गई वाटर हो गया सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना हो गया लाइफस्टाइल हो गई वेस्ट को रिड्यूस करना है हेल्दी लाइफस्टाइल और ई वेस्ट को भी रिड्यूस करना है दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यहां पर थीम में ऐड की गई थी अब यहाँ पर इंडिया ने ये जो मिशन लाइफ है इसको लगभग हर जगह पर डंका पीटा है जैसे आई की क्लाइमेट चेंज हुई वहाँ पर भी डंका पीटा इसके अलावा मिटिगेशन फॉर क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई वहाँ पर भी इन्होंने इंक्लूड किया जो हमारा सी मतलब आगे आनी हुई है 26 में हुई है 27 में हुई है वहाँ पर भी डंका पीटा गया जी की सबमिट हुई वहाँ पर भी इस पर चर्चा की गई शंघाई कारपोरेशन में जी ट्वेंटी में और जी ट्वेंटी की जो नाइन सेवेंटी पार्लियामेंट्री फोरम इन सब मतलब कि जितने भी मीटिंग्स हुई हैं हर जगह पर मिशन लाइफ को इंटीग्रेट किया गया है इसके बारे में बोला गया और सबसे मतलब आ, कहा भी गया है कि आप इसको आप आ, इंटीग्रेट करिए आप इसके साथ में आइए कई सारे मेकेनिज़्म हैं जैसे एक तो हो गया मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट अपना एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेकर के आएंगी ही आएँगी एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा इसके अलावा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स भी बनाए जाएंगे तो इन सब के थ्रू अल्टीमेटली ये देखा जाएगा कि आखिर में क्या ये मिशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा और अगर काम कर रहा है तो किन किन पैरामीटर्स पर यह काम कर रहा है एक नई स्कीम लाई गई है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइफ लाइवलीहुड प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है रायपुर में और यहां पर मिशन फॉर लाइफस्टाइल जो है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो है उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया यहां पर 12.3 लाख पीपल ये लोग आए साथ में शपथ लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़े ये कलेक्टिव कह सकते हैं कि एफर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के फंड के द्वारा राइट टू रिपेयर अब यहां पर राइट टू रिपेयर का क्या मतलब है राइट टू रिपेयर बेसिकली जनता का एक अपना राइट होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं इनको लेकर के जैसे अगर किसी ने परचेस किया है तो उसकी राइट टू रिपेयर भी उसके हाथ में होती है और इसी वजह से मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ये प्रो मतलब कि एक नया स्कीम निकाला है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग कर सकते हैं इंडिया को रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात कही जा रही है जितने भी डिफेक्टिव या डैमेज आइटम है उसको इंडिया लेकर के आएगा यहाँ रिपेयर करेगा इसकी रिफर्बिशमेंट करेगी और साथ में अगर कोई ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी होगी तो उसको भी कैलिब्रेट कर लिया जाएगा कई इनिशियेटिव भी निकाले गए हैं जैसे कि एक इनिशिएटिव है कंज्यूमर अफेयर का जहां पर राइट टू रिफेयर को बोला गया है कि हम लाइफ फॉर इन्वायरमेंट के साथ में जोड़ करके इस मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे जैसे इसमें की फॉर मतलब की सेक्टर्स क्या क्या है फार्मिंग हो गया मोबाइल फोन हो गया टैबलेट्स हो गए ऑटोमोबाइल हो गए एटसेट्रा एटसेट्रा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने भी इस राइट टू रिपेयर पोर्टल को अनवील किया है अगेन सेम वही सारी चीज़ें हैं कि जितने भी हम कंज्यूमर से रिलेटेड चीजें होंगी उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे यानी कि रिपेयरिंग का काम अगेन यहाँ पर भी है नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म वॉट इज दिस थिंग समझते हैं थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन एक तरफ मान लेते हैं और एक तरफ मान लेते हैं कि चाइना चाइना मान लीजिए या साउथ ईस्ट एशिया मान लीजिए कोई भी आप मान लीजिए एक तरफ यूरोपियन यूनियन है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहा है साथ में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर रहा है और एट द सेम टाइम ये भी कह रहा है कि आपको कार्बन एमिशन नहीं करना है और अगर आप कार्बन एमिशन नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है आपको कार्बन रहित यानी कार्बन फ्री मार्केट भी कार्बन फ्री डेवलपमेंट करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लगानी पड़ेगी तो इन सब का एक्स्ट्रा पैसा तो खर्च पड़ेगा ही पड़ेगा मतलब कि एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अगर मान लेते हैं एक लैपटॉप मान लेते हैं कि एक लाख का है ठीक है जिसमें से केवल अगर मान लेते हैं कि थर्टी थाउजेंड इसको बनाने में लग रहा है सो सत्तर हजार इसका जो एक्स्ट्रा ये बर्डन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा जो कार्बन को बचाने वाली चीज़ है वो एक्स्ट्रा लग जाती है और वहीं अगर चाइना को देखें इनको किसी से चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन्वायरमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मान लेते हैं कि इन्होंने पैंतीस में बनाया लैपटॉप मान लेते हैं पैंतीस में बनाया तो अब इनकी जो कॉस्ट है वो पैंतीस ही है क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट पर कोई काम नहीं किया अब ये मार्केट में डंप करेंगे और बत्तीस हज़ार मान लेते हैं भेज देते हैं तो अब ये मार्ग मान लेते हैं कि मार्केट में पहुंचा यूरोपियन यूनियन के बत्तीस हज़ार में अब ये बताइए एक आम जनता है एक आम जनता को एक, मिला एक मिल रहा है लैपटॉप एक लाख रुपये में दूसरा लैपटॉप मिल रहा है बत्तीस हज़ार में कौन सा लैपटॉप वो खरीदेगा ऑब्वियसली बत्तीस हज़ार वाला खरीदेगा तो यहाँ से तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है वो तो बेवकूफ़ साबित हो गई कि इन्होंने एक्स्ट्रा इस क्लाइमेट को बचाने के लिए एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई तो कहीं ना कहीं ये निर्थक हो गया यूरोपियन यूनियन ने बोला कि देखो ऐसा है ये जो सत्तर के हम लोगों ने लगा रखा है कार्बन को एमिट करने के नाम पर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के नाम पर जो जो कंट्रीज़ बाहर से कोई भी सामान एक्सपोर्ट करती हैं यानी कि यूरोपियन यूनियन जिस जिस चीज़ों का इम्पोर्ट करता है पहले वो चेक करेगा कि उसका कार्बन एमिशन कितना है अगर मान लेते हैं कि कार्बन एमिशन कम है या कार्बन वो जो यूरोपियन यूनियन जितना एफर्ट्स लिया है कि अगर उतना नहीं लगाया है तो इन लोगों को जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही हैं इनको पहले एक कार्बन वाला सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा कार्बन इमिशन सर्टिफिकेट पहले इनको खरीदना पड़ेगा और तब जा कर के वो एलिजिबल बनेंगे यूरोपियन यूनियन में अपना माल बेचने के लिए और यही चीज़ बोली गई है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज़्म अब यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक भी दिया गया है जैसे एक सप्लायर है जो नॉन ई यू है और यही चीज़ मान लेते हैं बेचता है तो इसको पहले खरीदना पड़ेगा सी बी ए एम सर्टिफिकेट टू इम्प्रूव अब ये इसने सर्टिफिकेट खरीद लिया खरीदने के बाद में अब यहाँ पर इसको बेच दिया जाएगा अगर मान लेते हैं कि अगर अपने मतलब जो, ये जो हमारा सर्टिफिकेट है अगर इसने नहीं खरीदा है तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ये काम नहीं हो सकता है अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है जिसने ये सर्टिफिकेट खरीद रखा है एक लाख रुपए का मान लेते हैं कि कोई सामान है उसने यहाँ पर डम मतलब कि बेचा है यहाँ पर पहुँच गया है तो इसमें से एक लाख रुपया अभी फिलहाल इसको देना पड़ेगा लेकिन ऑलरेडी इसने सत्तर हजार ये भी खर्च कर रखे हैं सत्तर हजार क्यों खर्च किया है क्योंकि इसने ये जो सी बी एम वाला सर्टिफिकेट है वो परचेज कर रखा है तो होगा क्या कि ये एक लाख रुपए का बिल पे इसका सत्तर हजार माइनस हो जाएगा जब ये अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा अदरवाइज सब लोगों को एक एक लाख रुपए यहां पर देने पड़ेंगे तो यही चीज कही गई है कि जो कार्बन एमिशन है उसका एक फेयर प्राइज होता है जिसको हर एक कंट्री को पे करना होगा अगर आप वो ट्रेड करते हैं तो और ये जो ट्रेड है ये ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है ये डब्ल्यू के रूल्स के साथ में जा रहा है अभी ये एक अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और इसे एक जनवरी 2026 से लागू भी कर दिया जाएगा यानी कि तब तक आपके पास में चांस है जो कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके पास में एक चांस है दे कैन बाय दिस सी बी एम सर्टिफिकेट इस सर्टिफिकेट को परचेज करने के बाद ही अल्टीमेटली यहां पर बाकी सारी चीजें होंगी अब ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जैसे आयरन हो गया स्टील हो गया सीमेंट हो गया एलमिनियम हो गया फर्टिलाइजर हो गया इलेक्ट्रिसिटी हो गया हाइड्रोजन हो गया या फिर कोई भी आइटम कोई भी चीज़ जो होती है वो इसी सी बी एम सर्टिफिकेट के द्वारा ही खरीद बेच की जाएगी यूरोपियन यूनियन ने अपना एक प्लान निकाला है फिट फॉर फिफ्टी फाइव पैकेज फिट फॉर फिफ्टी फाइव पैकेज का मतलब क्या है यहाँ पर बेसिकली फिफ्टी फाइव परसेंट इन लोगों को अपना कार्बन एमिशन या जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करना है तो यही चीज है कि 55 परसेंट से हमें 2030 तक खत्म कर देना है जो कि 1990 का लेवल होगा और 2050 तक इनको कार्बन न्यूट्रल बन जाना है यानी कि कोई भी एमिशन नहीं होगा जीरो एमिशन किया जाएगा इन लोगों के द्वारा तो ये फिट फॉर 55 पैकेज क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है फिट फॉर 55 पैकेज वॉज इन न्यूज इट वॉज रिलेटेड विद तो आप बता देंगे कि यूरो, यूरोपियन यूनियन का कार्बन एमिशन का अपना एक लिमिट इस मतलब पचपन ये लिमिट लगाने की बात कही जा रहे हैं कार्बन के और भी बाकी मार्केट के रिफॉर्म्स बनाए गए हैं जैसे सोशल क्लाइमेट फंड सोशल क्लाइमेट फंड का मतलब ये है कि वो सारे लोग जो ट्रांजिशन पीरियड में हैं यानी कि अगर किसी मान लेते हैं कि क्लाइमेट के कारण से होने वाले इम्पैक्ट से ये लोग प्रभावित हुए हैं तो प्रभावित होने से अपने आप को नॉर्मल लाइफ तक ले आने आने तक में जो भी खर्चा होगा वो इस फंड के द्वारा दिया जाएगा रिफार्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ये जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एमिशन होगा वो 62 परसेंट से हम कट करेंगे बस यही चीज़ है बस आप लोगों को ये ध्यान रखना अगेन दिस इज दिस इज़ यूरोपियन यूनियन का जो स्कीम है ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान ग्रीन डील ये जो इंडस्ट्रियल प्लान है अगेन ये यूरोपियन यूनियन के ट्रेड नेटवर्क को इम्प्रूव करने फंड को और ज़्यादा फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करने वगैरह के लिए दिया गया है यहाँ पर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के इश्योस के लिए इसको फंड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप का जो बेसिक है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये जो डेप्टर नेशन था जहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि कोई मान लेते हैं कि 20 बिलियन डॉलर का डेप्ट लेकर के रखा हुआ है और अब जो क्रेडिटर यानी जिसको कार्बन की जरूरत है वो क्या करेगा इनके साथ में एक्सचेंज करेगा और ये पैसा अब डेप्टरनेशन हो सकता है कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है पता ये चला कि इसको मान लो बीस बिलियन डॉलर का इसको पैसा दिया गया और ये लोग खा गए इस चीज़ से बचाने के लिए इन्होंने ये कहा क्रेडिटर ने का एक काम करो एक एस्करो अकाउंट बनाओ यानी कि थर्ड अकाउंट बनाया जाएगा जहाँ पर न इसकी चलेगी ना इसकी चलेगी यहाँ पर तीसरे बंदी की ही चलेगी और ये इंश्योर करेगा कि जो भी पैसा यहाँ से दिया जा रहा है इन द नेम ऑफ कार्बन ट्रेडिट वो सारा पैसा क्लाइमेट के ही प्रोजेक्ट में लगाया जाए अभी ये जो पूरा का पूरा प्लान है ये सबसे पहला प्लान इक्वाडोर में लागू किया गया था ये जो स्वैप वाला डेप्ट स्वैप है ये इक्वाडोर में किया गया था सबसे पहले और अब बहुत जगहों पर किया जा रहा है जैसे ब्राज़ील में किया गया मेडागास्कर में किया गया फिलीपींस में किया गया इनफैक्ट श्रीलंका में भी ये किया गया है लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी हाल फिलहाल में बात करें तो गैबॉन ने सेम इसी तरीके का स्वैप किया हुआ है पाँच मिलियन डॉलर के ऊपर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स अब जैसे हर जगह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन रोका जा रहा है तो वैसे ही शिप्स से भी रोकने की बात कही जा रही है शिप वाली जो चीज़ होती है वो इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखी जाती है यहाँ पर ये यह जो स्ट्राटजी लाई जा रही है वो मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा लेकर के आई जा रही है यहाँ पर जो शिपिंग इंडस्ट्री है इनको बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर एमिशंस वगैरह हैं उसको रिड्यूस करना है कितना परसेंट रिड्यूस करना है नॉट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी गैसेज होती हैं सी होती है ब्लैक कार्बन होता है नाइट्रस नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है अब जरा समझिएगा कैसे हम लोग इसको दूर करेंगे कैसे इस चीज़ को सही करेंगे जितना भी यहाँ पर हमारा एल्कली है एल्कली में हम लोग एन मिला करके मतलब कि जितने भी आ, मतलब सी वाटर है उसमें हम एल्कली मिला करके हम इसको स्क्रबर इस लगा करके दूर करेंगे यानी कि जितनी प्रॉब्लम है आ, वो इस स्क्रबर के द्वारा दूर कर दी जाएगी नाइट्रोजन वाली जितनी भी प्रॉब्लम है इस नाइट्रोजन वाली प्रॉब्लम को कैटालिटिक जो रिडक्टर है वो यहाँ पर बर्न कर देगा बेसिकली बर्निंग किया जाएगा जैसे हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के लिए लाइमस्टोन जैसे यूज़ किया जाता है वैसे यहाँ पर भी हम लोग वो काम करेंगे बाकी इसके अलावा कार्बन एमिशन वगैरह को स्लो स्ट्रीमिंग भी करना है जिससे कि ज़्यादा धुआं ना निकले अब यहाँ पर क्या प्रोविजंस है एमिशन में रिडक्शन करना है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में एटलीस्ट फोर्टी करना है हमें नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस समीशन दो तक बन जाना है ठीक है ये ग्लोबल की बारे में बातें हो रही हैं इसके अलावा टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन लेकर के आना है और हर पाँच साल पे रिव्यू करते रहना है कि भैया क्या क्या चीजें हुई हैं इंडिया ने भी ऐसा नहीं इंडिया ने भी कई सारी चीजें यहाँ पर की हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर ने एक हरित सागर निकाला है जो कि ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन को बताता है इंडिया एक कंट्री भी सेलेक्ट हुआ है जो आई की ग्रीन वॉयज ट्वेंटी प्रोजेक्ट को भी देख रही है ग्रीन वो एज ट्वेंटी फिफ्टी जो प्रोजेक्ट है आपको ध्यान रखना है कि ये अगेन शिप पॉल्यूशन से रिलेटेड है शिप पे होने वाला जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उससे रिलेटेड है डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा ये नॉर्वे के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है नॉर्वे ने लॉन्च किया है प्लस साथ में इसमें आई भी है वही जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल सॉरी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसका पार्ट है मैरिटाइम विजन ट्वेंटी ये सस्टेनेबल मेरी सेक्टर को देखता है कुछ पोर्ट्स हैं जो हाइड्रोजन हब के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं हाइड्रोजन हब का मतलब वही कि जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन को हैंडल किया जाएगा स्टोर किया जाएगा 2030 का टारगेट लिया गया है जहां पर ग्रीन शिपिंग को हम लोग लॉन्च कर देंगे एज अ टारगेट लेकर के रखा गया है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम भी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे क्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन क्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है आंसर रहेगा ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से रिलेटेड है इसके अलावा फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट राउंड टेबल इनिशिएटिव ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है ग्लोबल मैरी टाइम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंटर ये यूरोपियन यूनियन और आईएमओ का है आईएमओ एम केयर्स यानी कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम शिपिंग फाउंडेशन प्रोजेक्ट हो गया इंटरनेशनल क्रोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर और पोलर कोड हो गया एक बार नाम देख लीजिएगा बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन है मेनली बाकी इंडिया के तो स्कीम आप लोगों को पता होने ही चाहिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज कुछ है नहीं इसमें यहाँ पर बस यही है कि एक आईएमडी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ये दोनों मिलकर के आई हैं इन लोगों का काम बस यही है रियल टाइम में जो भी क्लाइमेट का डेटा है वो पब्लिश करना है बस यही काम है इनका क्लाइमेट डेटा का नाम मतलब यहाँ पर एनर्जी को ये देखेंगे हेल्थ को देखेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी वाटर और बाकी इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा यहाँ पर क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए क्लाइमेट के पैरामीटर्स लिए जाएंगे छोटी मोटी कुछ और भी न्यूज़ है जैसे इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड ये जो इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड है अगेन ये भी रियल टाइम डेटा बस शो कर रहा होगा नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है यू क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियन हाई लेवल चैम्पियन का मतलब यही है कि जहाँ पर मतलब बेहतर काम किसने किया है तो बेहतर काम करने वाले लोगों में एक हैं एच ई मिस्टर जो मतलब हाई लेवल के जो लोग हैं ये मिस्टर रजान अल मुबारक और दूसरे हैं निगर आरपत दाराई इन दोनों लोगों को आगे होने वाले जो सी ओ पी मीटिंग्स है डेट इज ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी नाइन इसमें भी इंक्लूड किया जाएगा इनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी यह एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के द्वारा बनाई गई थी इनका काम यही होता है जहां पर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अलग अलग नई नई चीज़ों को देखा जाएगा शॉर्ट लिफ्ट हाइलोजन अब ये जो शॉर्ट लिफ्ट हाइलोजन होते हैं ये कूलिंग का काम करते हैं लेकिन कूलिंग करने के साथ साथ में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग के मतलब ये कूलिंग करते हैं ठंडा करेंगे रिलेटिवली ओशन से ये निकलते हैं हाइलोजन्स का मतलब ये होता है क्लोरीन, ब्रोडीन एमियोडीन ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको हाइलोजन्स बोलते हैं लेकिन दिक्कत कहाँ है दिक्कत ये है कि ये लोग ओजोन को डिप्लीट भी करते हैं एट द सेम टाइम तो बढ़िया भी है गड़बड़ भी है कूलिंग भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ओजोन को डिप्लीशन भी कर रहे हैं मैरिट जो मीथेन का लाइफ टाइम होता है इसको ये लोग बढ़ा देते हैं और इस कारण से अगेन यहां पर दिक्कत होती है बाकी वाटर वेपर को भी ये लोग बढ़ा देते हैं डीकार्बोनाइजेशन डी का सीधा मतलब होता है जहां पर कार्बन को एमिट मतलब कार्बन को खत्म कर दिया जाए कार्बन को हटा दिया जाए नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है टूवर्ड्स डी ट्रांसपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी स्टॉक टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन जी ट्वेंटी रिपोर्ट रिपोर्ट का नाम बस एक बार देख लीजिएगा और रिपोर्ट में बस ज़्यादा कुछ है नहीं बस यही कह दिया गया है कि हमारा जो कार्बन एमिशन है फ्यूल के थ्रू जो निकल करके आ रहा है वो 330 गुना बढ़ गया है 1990 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 2019 तक में डी सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड को हमें यहाँ से निकाल देना है कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट ये जो कपल्ड मॉडल है यहाँ पर मेनली अर्थ रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो रही हैं उसको मॉनिटर करना है अर्थ रिलेटेड का मतलब वही जहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के आएंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया ही है जहाँ पर एनर्जी इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड है जहाँ पर इंडिया के आ, मतलब रेफरेंस में केवल और केवल चीज़ों को देखा जाएगा यहाँ पर यह वर्ल्ड को लेकर के हैं यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है अर्थ सिस्टम मॉडल अर्थ सिस्टम मॉडल जहाँ पर जैसे आ, अर्थ की जो सिस्टम्स है जैसे एटमॉस्फेयर हो गया ओशन हो गया लैंड हो गया इसको एज अ पैरामीटर के तौर पर देखा जाएगा इसको स्टडी किया जाएगा इसकी सिमुलेशन की जाएगी सिमुलेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जो भी चीज़ें नेचुरल तरीके से होने वाली है उसको कंप्यूटर पर ही वेरिएबल बना करके किया जाता है और देखा जाता है कि इम्पैक्ट क्या निकल करके आ रहा है तो मेन यही चीज़ है बाकी यूनेस्को के द्वारा ये एक तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है इट इज़ सपोर्टेड अंडर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डी यहाँ पर काम क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पर सस्टेनेबल हिमालयन इको सिस्टम एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखा जा रहा है ये जो आठ मिशन है नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत मतलब इसी का पार्ट है ये एक और छोटा सा यहाँ पर पॉइंट है मेथाइलो वी माइक्रोबियम ब्रियाटेंस मतलब ठीक है एक बार इसको पढ़ लीजिएगा क्या चीज है ये एक तरीके का माइक्रोब है जो कि मीथेन को खा जाता है मीथेन को ये कंज्यूम करता है फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम यहाँ पर कहा यह गया है बेसिकली डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ये निकाली गई है यहाँ पर हेल्थ सिस्टम की रिजिलियंसी और ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के बारे में बात कही जा रही है अटैच गोल नाम ध्यान रखना है अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ ये बेसिकली सी ओ पी के दौरान में भी इस पॉइंट को निकाला गया था इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव आपको ध्यान रखना है इंडिया इसका पार्ट नहीं है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप यह ग्लासगो में लॉन्च किया गया था और बाकी इसके कंट्रीज के नाम पर जो होता है चौथा कंट्री बन गया है इसके अलावा साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया वियतनाम इसके कंट्रीज है ध्यान रखना है आपको कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है एक तरीके का है जहां पर, आ, फ्यूल एनर्जी से क्लीन एनर्जी की ओर में जाने का एक ट्रांजिशन बनाया गया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन नाम से ही है एनर्जी को ट्रांजिशन करनी है कोयला बेस्ड से होकर के रिन्यूएबल एनर्जी की ओर में इसको लेकर के जाना है सिनेगल अभी इसका नया पार्टनर बन गया है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत रिलीज की गई है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव काम क्या है वही सारा काम है जहाँ पर आप क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों को देखेंगे उसके फाइनेंस करेंगे उसकी पॉलिसी बनाएंगे एटसेट्रा 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 ध्यान रखना है छः ऑफिसे हैं इसके और इंडिया में भी इसका एक ऑफिस है और इंडिया में ऑफिस है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये जो यू का प्रोग्राम है नाइनटीन में इसको लॉन्च किया गया था यू कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर अब ये बोला गया कि देखो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए और इसीलिए यू को बनाया गया था इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या नैरोबी में है इंडिया के साथ साथ 193 नाइन्टी कंट्रीज़ है जो इसके पार्ट हैं और ये अलग अलग तरीके के क्लाइमेट से रिलेटेड काम करता रहता है जैसे कि यहाँ पर साइट्स का एग्रीमेंट है 1973 जो फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करता है इसके अलावा बॉन् कन्वेंशन हो गया जो माइग्रेटरी स्पीसी के लिए होता है वियना कन्वेंशन हो गया ओजोन लेयर नाइनटीन हो गया इसके अलावा जो बेसल कन्वेंशन है हजारडस जो वेस्ट है उनको डिस्पोजल के लिए 1989 में सी हो गया 1992 में सिमिलरली रोटर डैम कन्वेंशन जो हजार्डस केमिकल्स हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड में 1998 में लाया गया था इस्टॉक होम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट 2001 में मिनीमाटा 2013 में तो इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम ये लेकर के आता रहता है यहाँ पर एक और बॉडी है दैट इज़ आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट्स को निकालता रहता है अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट्स ये सारी रिपोर्ट का केवल और केवल नाम नाम आपको देख लेना है कि ये नाम नाम क्या है और ये सारा निकाला जाता है यूनिपी के द्वारा दैट सेट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जो वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये उन्नीस में रिप्लेस कर दिया गया इंटरनेशनल मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इसका हेडकोार्टर जिनेवा में है और यहाँ पर मेंबर कंट्री में, में इंडिया भी है दो रिपोर्ट निकाली जाती है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट और ग्रीन हाउस बुलेटिन बस यही चीज़ है इसके कुछ डिटेल्स हैं बस हमारे लिए उतना काम के हैं नहीं स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स यहाँ पर नाम नाम दिया गया तो आप नाम नाम ध्यान रख लीजिएगा नाम के अलावा डिटेल जानने की जरूरत है सच नहीं है ये एक पॉइंट है एशियन वाटर टावर ध्यान ये रखना है एशियन वाटर टावर में जैसे कि तिब्बतवन प्लेटू हिमालय काराकोरा मतलब इंडिया के साइड में या फिर जो हमारा हिमालयन पूरा पामीर नॉर्ट के साथ निकलता हुआ पूरा हिमालयन सिस्टम है इसको थर्ड पोल बोला जाता है और अभी हाल फिलहाल में ये निकल कर के आया है कि इसकी जो ग्लेशियर मास है वो 4.3 परसेंट से डिक्रीज कर गई है यानी कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रही हैं मेनली एयर पोल्यूशन एमिशन नॉम्स फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमारे यहाँ पर मेनली कोल का ही यूज़ किया जाता है अब कोल के अलग अलग ओर होते हैं जैसे विटमिन होती है एंथ्रसाइट होती है लिग्नाइट होती है पीट होती है इसमें अगर देखें तो जो लिग्नाइट ओर होती है इस लिग्नाइट ओर से ही प्राइमरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाती है यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स में ये लिग्नाइट वाली जो कोल है इसी को मेनली भेजा जाता है ये जो लिग्नाइट कोल होती है ये लो ग्रेड की होती है मतलब इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो रिलेटिवली कम होता है और इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ पर धुआँ बहुत ज़्यादा उठता है धुएँ के साथ साथ में कई सारे यहाँ पर गैसेस भी निकलती हैं जैसे कि मेनली यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या जो एनओ हो गया नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये दो मेन पॉल्यूटेंट के तौर पर निकल करके आते हैं इसके अलावा एरोसोल पार्टिकल्स तो हैं ही और कई सारे और भी डिफरेंट गैसेस निकल कर के आती हैं अब हमें पता है कि जो एस है या जो NOx है ये ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग करते हैं एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग नहीं जो हमारा एस होती है ये तो मेन पॉल्यूटेंट के ही तौर पे होता है और ह्यूमन के लिए काफ़ी ये डेंजरस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डिजास्ट्रस होती है NOx के बारे में देखें तो यस दिस इज़ पॉल्यूटिंग गैस अलॉन्ग विद डैट ये एक ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है और साथ ही साथ में ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं इन द नेम ऑफ पी एन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बनाते हैं तो सीधी सी बात है कि इन थर्मल पावर प्लांट से इन सब डेंजरस गैसेस को हटाना होगा और इसके लिए अभी हाल फिलहाल में फ्लू ग्लैस डिसल्फराइजेशन सल्फर को हटाने के लिए और साथ ही साथ में एनवक्स सा हटाने के लिए यहाँ पर भी एक फरनेस लगाने की बात कही जा रही है आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई नॉर्म अभी नहीं बना है जहाँ पर हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी इंस्टॉल करने की बात कही जा रही हो इनफैक्ट रिपोर्ट में यह तक आया है कि बहुत कम अभी लेस देन एट परसेंट ही केवल और केवल ये जो हमारा फ्लू गैस डी सल्फ्राइजेशन है इसको अभी ऐड किया जा रहा है ये जो फ्लू गैस डी सल्फ्राइजेशन है या जिसे सर्कुलेटिंग फ्लूडिटाइज बेड कंबस भी बोलते हैं इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं जहां पर अलग अलग तरीके से यहां पर फ्यूल इंजेक्शन किया जाता है इसके थोड़ी मैकेनिज़म के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा NOX होता है उसके लिए एक बर्नर लगा होता है और जैसे ही एनोवैक्स निकलती है उसकी बर्निंग कर दी जाती है जो SOX होता है वहाँ पर लाइम की इंजेक्शन की जा सकती है इनफैक्ट यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ये जो हमारा डिसल्फ्राइजेशन की जो मेकेनिज़्म है इसमें हमारा मेनली जो यूज किया जाता है वो है लाइम का इसके अलावा जो हमारे पास में लिग्नाइट होती है प्राइमरली यही यूज की जाती है जिसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया इनफैक्ट इस कंबशन प्रोसेस से जस्ट पहले जो भी कोल हमारे पास रहती है उसको हम लोग वॉश करते हैं उसको ब्लेंड कर लेते हैं ब्लेंड करने का मतलब कि उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है उसको एनरिच करने की कोशिश करते हैं जब हम कंबशन कर लेते हैं तो जस्ट आफ्टर द कंबशन प्रोसेस क्या किया जाएगा जो एसोएक्स है जो बच गई है उसको हम डीसल्फराइजेशन कर देंगे जो एनोएक्स है अगेन उसका हम कैटेलिटिक कन्वर्टर के थ्रू उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू यहीं पर उसे ग्राउंड में लैंडफिल्स में भर लेंगे इस तरीके से जो भी यहाँ पर हमारे पास में पॉल्यूटेंट गैसेस थी या जो भी हमारे पास में पॉल्यूटेंट है इसको हम लोगों ने यहीं पर इन सिटू प्रोसेस के थ्रू ही हटा दिया और इससे जो हमारा एमिशन है वो ज़्यादा प्योर रहेगा ज़्यादा क्लीन रहेगा ये जो एमिशन नॉर्म है 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है ईपीए एक्ट 1986 के द्वारा तीन कैटेगरी यहां पर बताई गई है कैटेगरी ए कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी कैटेगरी ए जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का एरिया है मेनली दस किलोमीटर तक के एरिया को देखा जाता है कैटेगरी बी कोई भी ऐसा एरिया जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा हो उसके आसपास का एरिया कैटेगरी सी ये तो खैर कोई सभी पावर प्लांट है उसके लिए है करते क्या है यहाँ पर बस इसको क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पर डिसल्फ्राइजेशन टेक्निक यूज़ किया जा रहा है इसको इंट्रोड्यूस करना है अब दिल्ली का एरिया है इमीडिएट बेसिस पर करना होगा तो 2024 तक इसको इमीडिएटली कर लेना है बाकी जो शहर हैं उनको 2025 तक के लिए दिया गया है और जो बचे खुचे जो अब मतलब दूसरे एरियाज़ में हैं उनको दो तक के लिए दे दिया गया है कि चलो ठीक है तब तक आप लोग लगा लेना लेकिन इन तीनों ही कैटेगरी में वो सभी पावर प्लांट्स थर्मल पावर प्लांट्स जो आगे जाकर के रिटायर होने वाले यानी बंद होने वाले हैं उनको ये नॉर्म अप्लाई करने की यानी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दो तक यानी छब्बीस तक सब में लगा देना है सत्ताईस तक का टाइम दिया गया है कि वो लोग जो लोग रिटायर होने वाले हैं बंद करने वाले हैं उसमें ये चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है सीधी सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी और कोई मतलब नहीं है एक टर्म यहाँ पर दिया गया है कोल बेनिफिशिएशन ये जो कोल बेनिफिशिएशन होता है इसका क्या मतलब होता है ये टर्म आप लोगों को ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है जो हमारी रॉ कोल है जैसे हम लोग यहां पर लिग्नाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें से जितने भी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती है इसी को निकालने की प्रोसेस को ही बोलते हैं कोल बेनिफिशिएशन अगला जो टॉपिक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये दिल्ली की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बेसिकली रन किया गया था अब जैसे दिल्ली के एरिया में अगर बात करेंगे तो यहाँ की जो एयर क्वालिटी है ये काफ़ी ख़राब है अब इस एयर क्वालिटी को मेज़र करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है एन जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है ये अलग अलग तरीके से अपना कैटेगराइजेशन निकालती है और इस कैटेगराइजेशन को निकाला जाता है इस सी के द्वारा ये जो सी है ये एक स्टैटूटरी है जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा स्थापित की गई थी बाद में एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ये भी भी 1981 वाला भी एक्ट यहां पर ऐड कर दिया गया था यहां पर एयर क्वालिटी की कैटेगराइजेशन की जाती है जैसे एयर क्वालिटी अगर पचास तक आ रही है तो ठीक है सौ तक आ रही है सेटिस्फैक्ट्री है इसके आगे जितना भी होता है ये पॉल्यूटेड होता है मॉडरेट पुअर वेरी पुअर और सीवियर। अब यही जो हमारी एयर क्वालिटी है मॉडरेट से लेकर के पुअर वेरी पुअर और सीवियर इसी को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान निकाला गया था ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है यहां पर यह बताया गया है कि जैसा भी एयर क्वालिटी होगा जैसा भी एयर क्वालिटी होगा उसी हिसाब से आपको ग्रेडेड तरीके से आपको कुछ ना कुछ यहां पर रिस्पॉन्स लेना चाहिए अभी हाल फिलहाल में किया ये गया है कि इसके लिए एक अलग से एक कमीशन बना दिया गया है जो इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को ही सिर्फ मॉनिटर करेगा नेशनल एयर क्वालिटी को देखेगा कहाँ पर दिल्ली एन के एरिया में ही सिर्फ और सिर्फ देखेगा और जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स लेना होगा वो अब इस कमीशन के द्वारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसके द्वारा देखा जाएगा ध्यान रखना है दिल्ली एन के इलाके में जो भी एयर क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी वो इसी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा ही देखी जाएंगी और यही बताएगा कि क्या क्या, क्या करना है ग्रेडेड ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये 2016 के दौरान में ही एम मेहता का एक केस आया था जहां पर आर्टिकल नंबर 21 के तहत ये बोला गया था कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट ये लोगों का फंडामेंटल राइट है और इसी के तहत दिल्ली के लोगों के लिए भी एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म लेकर के आना होगा जिससे कि ये जो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है ये लोगों को मिले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही ये सब नोटिफाई किया गया था और फिर धीरे धीरे आगे जा कर के इस पर काम किया गया है हम लोगों ने अभी देखा इनफैक्ट एयर क्वालिटी को ही मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं अब एयर क्वालिटी मान लेते हैं कि 201 से लेकर के 300 के बीच में है इसका मतलब ये हो गया कि पुअर कैटेगरी में है अगर मान लेते हैं पुअर कैटेगरी में है तो यहां पर ये स्टेज वन की पुअर एयर क्वालिटी बोली जाएगी यहां पर किया क्या जा रहा है यहां पर किया ये जा रहा है कि जो भी पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं जो 10 से 15 साल पुराने हैं 10 से 15 साल पुराने हैं उनको बैन कर दिया जाएगा वो लोग नहीं रन कर सकेंगे इसके अलावा जो भी होटल रेस्टोरेंट ये लोग हैं जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या क्लीन फ्यूल बेस्ड अप्लाइंस यूज़ किए जाते हैं उनको के ऊपर भी रोक टोक लगाई जाएगी इसके अलावा जो आम जनता है आम जनता को बोला जाएगा कि आप लोग हाइब्रिड व्हीकल यूज़ करिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करिए अगर मान लेते हैं कि एयर क्वालिटी और ख़राब हो गई 301 से लेकर के 400 के बीच में पहुंच गई यानी कि वेरी पुअर एयर क्वालिटी है तो इस दौरान में जो भी इंडस्ट्रीज या कोई भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल इलाके में अगर कोई डीजल जनरेटर चला रहा है जनरेटर होता है ना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अगर कोई जनरेटर चला रहा होगा तो उसके ऊपर में रोक लगाई जाएगी जनरेटर आप डीजल बेस्ड नहीं चला सकते और वैसे डीजल के द्वारा ही चलाया ही जाता है ये अगर मान लेते हैं एयर क्वालिटी और ख़राब होती है 401 से 450 के बीच में जिसको हम सीवियर एयर क्वालिटी बोला जाता है तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में बी एस थ्री पेट्रोल और बी एस फोर डीजल के व्हीकल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा आप नहीं ला सकते हैं ध्यान रखिए है, आज की डेट में बी एस सिक्स की व्हीकिल्स चल रही हैं दिल्ली एन सी आर के एरिया में जो भी फिजिकल क्लासेज होंगी कक्षा पाँच तक की क्लास फिफ्थ तक की जो क्लासेज होंगी उसको बंद कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली ऑनलाइन सिस्टम में चलाया जाएगा अगर मान लेते हैं सिस्टम 450 से भी ज़्यादा खराब हो गया है मतलब बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है इस दौरान में क्लास इलेवेंथ तक की जो हो बच्चे होंगे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी और ऑनलाइन मोड में चीज़ें चलेंगी दूसरा जो भी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे छोटा ट्रक होता है ना या जिसको हम लोग छोटा हाथी बोलते हैं ये भी दिल्ली एनसीआर के एरिया में परमिटेड नहीं होंगी दिल्ली एनसीआर के एरिया में केवल वही आ सकेंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी या सीएनजी बेस्ड होगा या बी एस सिक्स की डीजल होंगी लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया गया है अगर कोई इसेंशियल कमोडिटी वाली चीज है इसेंशियल कमोडिटी आई थिंक आप लोग समझते होंगे तो उन लोगों को <coughs> उन लोगों को एंट्री यहाँ पर दी जाएगी उन लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है तो ये यह मेन यहाँ पर ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के द्वारा बताया गया है तो रिवाइज की गई है कि क्या क्या चीज़ें की जाएंगी और हाल फिलहाल में ये अब नए हाथों में दे दिया गया है दैट इज नेशनल कमीशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि दिल्ली एनसीआर की सारी चीजों को देखेगा ये जो नेशनल मतलब कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ये स्टैटूटरी बॉडी के अंतर्गत इसे बनाया गया है और मेन काम इसका यही है कि दिल्ली के आसपास के एरिया में दिल्ली एनसीआर के एरिया में जो भी यहां पर एयर क्वालिटी से रिलेटेड चीजें होंगी वो इसके द्वारा देखी जाएंगी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में चार मेन एयर प्लूटेंट देखे जाते हैं एसओ टू एंड टू इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर दैट इज पी एम टू पॉइंट फाइव एंड पी एम टेन इसके अलावा एक प्राण पोर्टल भी बनाया गया है इस प्राण का पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ तो मेनली यहाँ पे जो वन थर्टी वन सिटीज़ हैं इनकी एयर क्वालिटी को यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है मॉनिटर करने के साथ साथ आगे हम लोग देखेंगे कि इसी प्राण के ही बेसिस पर अल्टीमेटली स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया है दिस इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आगे हम लोग देखेंगे यह सर्वेक्षण भी किया गया है इसी प्राण पोर्टल के ही डेटा के थ्रू अगला आर्टिकल है फायर क्रैकर पर रेगुलेशन को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जितने भी तरीके के फायर क्रैकर्स हैं उन पर बैन लगा दिया गया है स्पेशली उन सभी जो क्रैकर्स हैं जो बेरियम बेस्ड हैं यानी बेरियम से बनाए जाते हैं उन पर बैन लगा दिया गया है कंप्लीट यहां पर कुछ यहां पर हजारडस और टॉक्सिक नेचर दिखाया गया जो मतलब कि फायर क्रैकर में यूज़ किए जाते हैं इसके कंपाउंड का नाम आप लोग याद रखिएगा जैसे अल्यूनियम पड़ता है सल्फर डाइऑक्साइड पड़ता है पोटेशियम नाइट्रेट पड़ता है केनो थ्री दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन इसको 30 परसेंट रिड्यूस करने के बारे में बात की गई है कि इसका 30 परसेंट रिडक्शन हमें करना है इसके अलावा पर क्लोरेट अमोनियम एंड पोटेशियम ये फटने के लिए ज़रूरी होता है हार्ड हार्डियक्स में यूज़ किया जाता है बेरियम नाइट्रेट ये पूरी तरीके से बैन है हंड्रेड ये बैन है कॉपर कंपाउंड हो गया एंटीमनी हो गया लेड डाइऑक्साइड हो गया लिथियम के कंपाउंड्स होंगे मर्क्य अगेन दिस इज अंडर मिनीमाटा इसको भी रोका गया है मिनीमाटा के अंतर्गत और इसको 2025 तक इलिमिनेट करने के बारे में बोला जा रहा है आर्सेनिक के कंपाउंड होते हैं और स्टॉन्डियम के कंपाउंड होते हैं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ग्रीन क्रैकर्स ये परमिसिबल रहेंगे ग्रीन क्रैकर क्या होते हैं ग्रीन क्रैकर वो होते हैं जहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट थर्टी परसेंट से कम रहता है इसमें जो रिडक्शन होती है जितनी लिमिट है उससे थर्टी परसेंट कम होता है इसमें हजारस एलिमेंट नहीं होते हैं जैसे कि जो बेरियम नाइट्रेट है ये यहाँ पर नहीं रखा गया है जिसको हम लोगों ने हंड्रेड परसेंट इलिमिनेट करने के बारे में भी बोला गया है सी CSI, एस ने नए तरीके का कुछ मतलब फायर क्रैकर निकाला है जैसे श्वास श्वास मतलब सेफ वाटर रिलीजर जब फटेगा तो इसमें से वाटर वेपर निकलेगी जो कि जितने भी पॉल्यूटेंट है उसको जमीन पर गिरा देगी स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर जहां पर पोटेशियम नाइट्रेट जो कि 30 परसेंट से रिड्यूस करना था और जो सल्फर है ये नहीं निकलेगा यहां से सफल जहां पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को बहुत ही मिनिमम रेंज में यूज किया गया है तो इन तीनों को बोला गया है कि यस यू कैन यूज ये ग्रीन क्रैकर के ही एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है श्वास स्टार और सफल नीरी नागपुर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आ, मतलब कह सकते इन्वायरमेंट की एरिया में काम करता है नागपुर में इसका सेंटर है ई ई क्रैकर ई क्रैकर मतलब वही है इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पर चलेगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा यह भी सी एस आई आर के द्वारा ही डेवलप किया गया है क्रॉप रेसिड्यू को लेकर के भी कुछ यहां पर रिवाइज गाइडलाइंस लाई गई हैं अब जैसे क्रॉप रेसिड्यू है क्रॉप रेसिड्यू की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो हमें नॉर्थ इंडिया में ही प्राइमरली देखने को मिलती है इसका कारण क्या है कारण यह है कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये तीन इलाके हैं जहाँ पर मेनली वीट की कल्टिवेशन की जाती है जो वीट है ये एक राबी की क्रॉप है और राबी की क्रॉप जैसे ही कटती है वैसे ही हमें खरीफ की क्रॉप लगानी होती है नॉर्मली क्या होता था कि जो राबी की क्रॉप है इसका जो मंथ पीरियड होता था वो आपका जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त से स्टार्ट किया जाता था नवंबर में इसको काट लिया जाता था नवंबर दिसंबर के आसपास काट लिया जाता था खरीफ की जो होती है सॉरी दिस इज़ नॉट करेक्ट राबी की जो क्रॉप है नवंबर के आसपास में लगाई जाती है और ये वही मार्च से अप्रैल में इसको कटिंग कर लिया जाता है काट लिया जाता है खरीफ की जो क्रॉप है वो वही जून जुलाई के आसपास में लगाई जाती है और फिर ये अगस्त तक आते आते इसको काट लिया जाता है अब दिक्कत ये आ रही थी कि राबी की क्रॉप में जब शुरुआत में इनको हल्का सा शावर चाहिए होता है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इनको मिल जाता था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक महीने से अब डीले चलने लगा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग तो पंजाब और यहाँ की सरकार ने यह बोला कि एक काम करो जो आप रबी की क्रॉप नवंबर में बोते हो आप एक काम करो एक महीने से डीले कर लो अगर आप एक महीने से डीले इधर करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि कटाई करने में भी डीले हो जाएगा तो दिक्कत यह आती है कि आपका जो क्रॉप कटिंग है रबी की क्रॉप कटिंग करना और साथ ही साथ में जो खरीफ की क्रॉप है इसको बोना इन दोनों के बीच में समय नहीं मिल पाता है और यहाँ पर हमारे पास में जितने भी मतलब कंपाइन वगैरह से यूज़ कर लिए जाते हैं जिससे कि फार्मर को अब लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो मतलब जला देते हैं अब एक तरफ आपको ना तो टाइम मिल रहा है केवल दस दिन का गैप मिल रहा है राइस हार्वेस्टिंग और सोइंग ऑफ वीट को लेकर के और वहीं दूसरी ओर लेबर भी नहीं है और मशीन्स है हमारे पास में और इस कारण से आप कह रहे ये रहें कि इस टबल बर्निंग कर दी जाती है यहीं पर इसको जला दिया जाता है इससे फ़ायदा ये भी हो जाता है कि जो पेस्ट और डिस्ट्रीज़ है वो भी सही तरीके से काम हो जाता है लेकिन इससे दिक्कत यह आती है कि दिल्ली एन का जो इलाका है वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अब इसके लिए कहा गया एक काम करो स्टबल बर्निंग जो है इसको रोको इस पर बैन लगाया गया और यह कहा गया इसको मैनेज करने की ज़रूरत है तो अब यहाँ इसकी एक्स सिटू मैनेजमेंट की जाती है ये इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन सिटो मैनेजमेंट नहीं होती है एक्स सिटू होती है कैसे की जाती है जो भी यहाँ पर स्टबल है वो स्टबल को काटा जाएगा काटने के बाद में दो ऑप्शन है या तो आप इसका बायोचार बना देंगे जो कि एक तरीके से मतलब फ्यूल के रूप में यूज इस्तेमाल कर लिया जाता है या इसी को हाइड्रोकायर बना लिया जाता है हाइड्रोकायर या बायो कैर? एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर बायोफ्यूल बनाने का बायोफ्यूल सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाने का भी एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तो इन सब जगहों पर इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी वजह से इसका मैनेजमेंट एक्स मैनेजमेंट किया जाता है अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें चेंजेस ये किए गए हैं कि सीधी सी बात है जो भी फार्मर है उनके पास में इतना पैसा तो होता नहीं है तो अगर आपको इन सब तरीके की एक्सटू मैनेजमेंट करनी है तो अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ को टेक्नो कॉमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन फार्मर के साथ मिल करके आना होगा साथ ही साथ में जो फार्मर हैं उनको जो भी मशीनरी खरीदनी है उसमें सिक्सटी फाइव एस टू ट्वेंटी फाइव एस टू टेन इस रेशियो में फंड अलोकेशन किया जाएगा जिसमें से पैंसठ प्रतिशत सरकार खुद पैसा देगी 25 प्रतिशत वो इंडस्ट्री पैसा देगी और 10 प्रतिशत फार्मर अपना पैसा लगाएंगे और इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मशीनरी और इक्विपमेंट को ख़रीदने में लगाया जा रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एक कमेटी बनाएगी और इस कमेटी के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह रहेंगे उनको पास किया जाएगा और इस तरीके से जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो फार्मर को दी जाएगी मशीन या इक्विपमेंट खरीदने के लिए अगर मान लेते हैं एक टन स्ट्रॉ जलाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऐसेज़ बहुत ज़्यादा निकलती है जिससे कि वही एरोसोल पार्टिकल यानी पी एम टू पॉइंट फाइव वन पी एम टेन निकल जाता है इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस के फॉर्मेट में निकलती है ऑप्शन के तौर पर यही है कि आप इसे बायो यानी बायोमास पिलेट के फॉर्मेट में बना लीजिए या फिर इसे बायोगैस या बायोसी एन जी के फॉर्मेट में बना लीजिए या इसी का एल्कोहल प्रोडक्शन भी किया जा सकता है अगला टॉपिक है क्लाउड सीडिंग को लेकर के अब क्लाउड सीडिंग को अभी फिलहाल में ये कहा गया है कि दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने का एक तरीका है कि क्लाउड सीडिंग करा दी जाए क्लाउड सीडिंग के क्या बेसिक्स हैं इनकी क्या डिटेल्स है आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं इस वीडियो को आप देख करके आपको पूरा बेसिक्स पूरा ए टू जेड आइडिया लग जाएगा क्लाउड सीडिंग के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया गया है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आइडिया लग गया होगा कि क्लाउड सीडिंग की क्या चीजें हैं जो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है।, है उसको हम लोग क्विकली देख लेते हैं क्लाउड सीडिंग एक वेदर मोडिफिकेशन टेक्निक है जहां पर एयर का इस्तेमाल करके और कुछ सब्सटांसिस का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो भी वाटर वेपर मौजूद है उसको हम क्लाउड में और क्लाउड से वाटर मतलब एक वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ यहाँ पर केमिकल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि सिल्वर आयोडाइड हो गया पोटेशियम आयोडाइड हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर ड्राई आइस जिसे हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं जो माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है अब यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि क्लाउड की क्लाउड होना चाहिए ठीक ठाक अमाउंट में होना चाहिए वाटर वेपर प्रेजेंट होना चाहिए इसके साथ साथ में क्लाउड शुड कवर एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द टारगेट एरिया इसमें जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वाटर वेपर होना चाहिए वो पचहत्तर परसेंट से कम नहीं होना चाहिए इसके अलावा जो यहाँ पर आ, मतलब विंड का लेवल होना चाहिए वो स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक लेवल पे होना चाहिए क्लियर स्काई एक तरीके से होनी चाहिए क्लाउड सीडिंग तीन तरीके से होती है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग जैसे हम लोग जो ए वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो एक हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल के तौर पर होता है और आपस में वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ लेता है ये बन जाता है हाइग्रोस्कोपिक यानी कि वाटर लविंग सब्स्टांसेज डायनेमिक क्लाउड सीडिंग डायनेमिक क्लाउड सीडिंग का मतलब यही है जहां पर आप वर्टिकल एयर करेंट्स इस क्लाउड में जनरेट कर देते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग ये काम कर लेते हैं स्टैटिक क्लाउड सीडिंग जहां पर केमिकल का इस्तेमाल अगेन कर लिया जाता है जैसे ए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राण के बारे में प्राण में हम लोगों ने देखा था कि ये वन थर्टी वन सिटीज की एयर क्वालिटी को चेक कर रहा है और इसी वाटर क्वालिटी सॉरी एयर क्वालिटी को ही चेक करते हुए कुछ यहाँ पर अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं इसी वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत ये जो वायु सर्वेक्षण है मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीधी सी बात है लोगों को जागरूकता बढ़ानी है हेल्थ इम्पैक्ट करना है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ के बारे में जाने और एयर क्वालिटी से होने वाले एक्सपोजर के बारे में भी जाने एयर क्वालिटी की कंडीशन को कंपेयर भी करना है कौन सा बढ़िया काम कर रहा है और बाकी क्लीन एयर फॉर ऑल ये तो होना ही चाहिए ये एयर इंडेक्स जो आया है या फिर बोल सकते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ये एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी एग्जाम्पल इसको आप बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये वायु मतलब प्राण जो ऑनलाइन पोर्टल है इसी का डेटा इस्तेमाल करके अल्टीमेटली यहाँ पर आ, मतलब दिया गया है तीन अलग अलग टायर की सिटीज में इन लोगों को अवार्ड दिया गया है जैसे इन इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है ये पहले कैटेगरी में इसको फर्स्ट रैंक मिली है यानी कि मिलियन प्लस पॉपुलेशन में अमरावती महाराष्ट्र की ये आ, सेकेंड कैटेगरी में इसको भी फर्स्ट रैंक मिली है और परवाणु हिमाचल प्रदेश का इसे थर्ड कैटेगरी में यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है आखिर में वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का ये जो अवार्ड है वो देखा जाता है यहाँ पर ये आठ कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं जैसे बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग रोड की कितनी डस्ट है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कारण से कितना डस्ट निकल के आ रहा है वहीकुलर एमिशन से क्या निकल करके आ रहा है इंडस्ट्रीज़ के एमिशन से क्या निकल करके आ रहा है पी एम का कितना परसेंटेज है लोगों में कितनी जागरूकता है और बाकी अदर जो एमिशंस होते हैं उसको लेकर के वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट निकाली गई है ये जो ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट निकाली गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है अंडर डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि अच्छा इस रिपोर्ट से पहले आप लोग ये बताइए कि जो वाटर है वो शेड्यूल नंबर सेवन के किस लिस्ट में है क्या ये यूनियन लिस्ट में है या ये स्टेट लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है अब यह जो रिपोर्ट है बेसिकली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट के साथ मिल करके निकाली गई है इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है इस रिपोर्ट में कई सारी चीजें बताई गई हैं जैसे कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा बढ़ा है ये बढ़ा कहाँ पर है ये बढ़ा है उन सारे इलाकों में जहां नॉर्मली रेनफॉल होती है जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया हो गया याद करने का तरीका बस बता रहा हूँ कि क्या है अब जैसे रेन जो होती है वो इस इलाके में जैसे तेलंगाना का इलाका हो गया इसके अलावा वेस्ट बंगाल हो गया ध्यान रखना है उड़ीसा नहीं है यहां पर ठीक है वेस्ट बंगाल हो गया असम का इलाका हो गया और बिहार का इलाका हो गया सो so, वेस्ट बंगाल असम तेलंगाना और बिहार इसके अलावा आप लोगों को पता है अरेबियन ओशन में काफी ज्यादा साइक्लोन्स आ रही है तो कर्नाटक और गुजरात इन दोनों एरिया में भी जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज बढ़ गया है और एक इलाका और छत्तीसगढ़ है ठीक है याद हो सकता है कुछ ऐसे इलाके हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट है मतलब जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ है तो ये बोला जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लेक्शन बहुत ज़्यादा जो हुआ था वो एक्चुअल में अब इसकी संख्या कम हो गई है इसकी संख्या अब गिर रही है ओवर एक्सप्लॉयटेड एरिया वो होंगे जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा एग्रीकल्चर वाले कौन कौन से एरियाज हैं यही हमारा पंजाब हरियाणा दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट में अगर आ जाए जो डिजर्ट इलाका है जैसे राजस्थान और गुजरात का इलाका आपका यहां पर अगेन ग्राउंड वाटर की जो ओवर एक्सप्लॉयटेड कंडीशन है वो यहां पर ज्यादा होती है सदन एरिया में आ जाए तो अगेन कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी वो सभी टैंक वाले इलाके जहाँ पर जहाँ की धरती पथरीली टाइप की है इन सारे इलाके में भी यही कंडीशन देखने को मिल रही है अब यहाँ पर तीन डेफिनेशन दी गई हैं क्रिटिकल यूनिट सेमी क्रिटिकल यूनिट और सेफ यूनिट अगर मान लेते हैं ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन 90 से 100 प्रतिशत तक है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है तो आपका वो क्रिटिकल यूनिट में आ जाता है अगर सत्तर से नब्बे प्रतिशत के बीच में है तो सेमी क्रिटिकल में आता है और अगर वही सत्तर से कम है तो ये सेफ यूनिट के अंतर्गत आता है इसकी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है अगर हम ग्राउंड वाटर सीनैरियो इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसके बाद से यूएस यु, यु, हो गया और फिर चाइना हो गया वाटर के लेवल में अगर देखें तो अभी रिसेंटली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इनफैक्ट अभी रिसेंट में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट इसमें कहा गया है कि जो इंडो गैंगेटिक बेसिन है यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो अपने पीक पर पहुँच गया है मतलब अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजियन में बोला गया है कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो अब अपने क्रिटिकली लो पोजिशन में है और आगे जाकर के कंडीशन और ज़्यादा खराब होती जाएगी क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हम ग्राउंड वाटर को डिक्लाइन कर देते हैं तो खत्म हो जाता है अगर ग्राउंड वाटर तो क्या होगा सरफेस के वाटर जो है वो खत्म हो जाएंगे एक्यूफर्स ख़त्म हो जाएंगे और अगर ये खत्म होगा तो सॉइल के अंदर की जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक्यूवर के थ्रू ही मॉइस्चर पहुँचती है अगर यहाँ पर सॉयल मॉइस्चर नहीं रहेगी तो सॉइल ऊसर हो जाएगी तो फूड सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी किसानों की वही फार्मर डेथ देखने को मिलेगा वाटर क्वालिटी कंसर्न समय देखने को मिलेंगे क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का केस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसके अलावा जो पानी है वो और ज़्यादा महंगा होते जाएगा यानी कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ते जाएगी सी जी वाटर बोर्ड यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बॉडी रहेगी ये बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है फरीदाबाद हरियाणा में इसका कार्यालय है 1970 में इसको बनाया गया था ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन उसी को असेसमेंट मॉनिटर सब कुछ करने का काम इसी बॉडी का होता है अगला है वाटर ट्रेडिंग वाट इज़ दिस वाटर ट्रेडिंग अब जरा समझिएगा एक पानी होता है जो हम लोगों को डेली बेसिस पर जरूरत होती है पीने के लिए जिसको हम लोग ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर होती है ये तो देखिए आपका नेचुरल राइट है ये आपका नेचुरल राइट है लेकिन ड्रिंकिंग वाटर एज अ कमोडिटी भी यूज़ किया जाता है एज अ कमोडिटी कमोडिटी का मतलब आप लोग समझते होंगे एज अ सामान वस्तु के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में देखेंगे तो पानी चलाना होता है इरीगेशन करनी होती है इरीगेशन जो होती है वो एक वाटर कमोडिटी के तौर पर यूज़ किया जाता है जैसे कि अगर आपको फसल लगानी है तो उसके लिए आपके पास में सीड होनी चाहिए अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो आपको पेस्टिसाइड फ़र्टिलाइज़र डालना पड़ेगा एक कमोडिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा एक कमोडिटी है वैसे ही इरिगेशन के लिए पानी भी एक कमोडिटी हो गई इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी पानी की ज़रूरत होती है ये भी एक कमोडिटी के तौर पर हो जाएगा तो लगभग लगभग हर जगह पर ड्रिंकिंग वाटर को छोड़ दिया जाए तो वाटर एज ए कमोडिटी भी यूज़ किया जाता है और वाटर एज अ कम्युनिटी सीधी सी बात है शुड कम इन मार्केट ये तो मार्केट में इसका प्राइस डिसाइड होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी का मतलब यही है सारी चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं तो इस कम्युनिटी वाटर कम्युनिटी को भी हमें मार्केट में बेचना चाहिए और इसीलिए नीति आयोग ने एक नया डॉक्यूमेंट निकाला है जो वाटर ट्रेडिंग के मेकेनिज़्म को बता रहा है जिससे जो भी हमारा वेस्ट वाटर है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट और उसके री को ही और उसके ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पर चीज़ें बता रहा है कुछ बेसिक से पहले उसको समझ लेते हैं जब हम वेस्ट वाटर के बारे में बात करते हैं तो वेस्ट वाटर बेसिकली तीन तरीके का होता है एक जिसे हम ब्लू वाटर बोलते हैं दूसरा होता है जिसे हम लोग ग्रे वाटर बोलते हैं और तीसरा होता है जिसे हम ब्लैक वाटर बोलते हैं ब्लू वाटर फ्रेश वाटर होती है ये बेसिकली फ्रेश मतलब कि वेस्ट वाटर इसको नहीं बोलना चाहिए ये फ्रेश वाटर है ग्रे वाटर वो होती है जहाँ पर पॉल्यूटेंट तो होते हैं कंटेमिनेशन तो होती है सब हर तरीके की कंटेमिनेशन मतलब बेसिकली हाउस होल्ड का ये आ रहा है लेकिन इसमें फीकल नहीं होता है मतलब ये जो आ, मतलब टॉयलेट्स वगैरह का पानी होता है वो इसमें नहीं होते फीकल्स नहीं होते हैं जो ब्लैक वाटर होता है इसमें हर चीज़ होती है मतलब दिस इज़ मोस्टली कंटेमिनेटेड हर तरीके का इंक्लूडिंग टॉयलेट वाला भी इसमें रहता है तो वेस्ट वाटर में जो ग्रे वाटर है और जो ब्लैक वाटर है इसके प्योरिफिकेशन के बारे में बोला जाता है कि इसको प्योरिफिकेशन करके जो भी यहां से वेस्ट वाटर की रीट्रीटेड वेस्ट वाटर आई इसको हम यूज करेंगे मार्केट में वाटर एज अ कम्युनिटी के फॉर्मेट में तो वाटर मार्केट मेकेनिज्म वाटर एज अ कम्युनिटी के तौर पर न कि पब्लिक गुड के तौर पर बेचा जाएगा यह बेचा जाएगा वहां पर जो इसके मतलब जो इसके जरूरतमंद रहेंगे जैसा हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा वाटर की ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए क्या होता है उस सामान का अपना एक मालिक होना चाहिए उस सामान पर एक इंटाइटलमेंट होनी चाहिए कितने का बिक रहा है क्या हो रहा है क्या चीज़ें हैं किसके द्वारा ट्रांसफरेबल रहेगा साथ ही साथ में एक लाइसेंस रहेगा यानी कि किसी भी चीज़ को सामान बेचने बेचने के लिए आपके पास में एक लाइसेंस होना चाहिए ना लाइसेंस नहीं तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो वाटर यूज़ का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पर भी आप जिसको भी बेचना चाह रहे हैं चाहे म्यूनिसिपल हो चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे एग्रीकल्चरल हो और ये सब एक इंडिविजुअल टारगेट के तौर पर यहाँ रजिस्टर किए जाएंगे वाटर यूज़र जिसके पास में भी ये सर्टिफिकेट रहेगा वो ओपन मार्केट में पानी को बेच सकेगा वाटर डॉट ओ आर जी एक इनिशिएटिव के तौर पर भी स्टार्ट किया गया है जहाँ पर वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम को बनाया गया है जिससे सेफ वाटर और सैनिटेशन ये अफोर्डेबल होगा इसको फाइनेंस किया जाएगा ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है वाटर डॉट ओ आर जी एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर और सैनिटेशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश कर रहा है और यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कुछ और छोटे मोटे और भी न्यूज हैं जैसे नेशनल वाटर अवार्ड ये जो नेशनल वॉटर अवार्ड है यह दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेशन के द्वारा हाल फिलहाल में ये मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट के तौर पर दिया गया है और गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का इसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर दिया गया है काम क्या है इसका बस वही वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट जिसने अच्छे से किया है उसको ये अवार्ड दिया जाएगा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड अभी एक हाई लेवल कमेटी ने ये बोला है कि जो यमुना का पानी है उसका लेवल मतलब उसकी जो वाटर क्वालिटी है वो रिलेटिवली इम्प्रूव कर गई है इंप्रूव करने के लिए या पानी को क्या उसका स्टेटस है उसके लिए दो हमारे पास में पैरामीटर होते हैं एक होता है बी और दूसरा होता है सी ओ का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अब नाम से समझिएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि पानी के अंदर में कुछ यहाँ पर बायोलॉजिकल जीव होंगे अगर ये बायोलॉजिकल जीव बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी यानी कि ये पानी इस पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और जिस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होता है सीधी सी बात है वो पानी अपने आप में एक कंटेमिनेटेड वाटर माना जाता है यानी कि अगर मान लेते हैं कि बायोडा बीओडी बहुत ज्यादा है तो पानी क्या हो गया पानी एक पोल्यूटेड वाटर में हो जाएगा पानी पोल्यूटेड है सी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगेन अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर भी पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा पसंद हो मतलब बहुत ज्यादा होंगे इसीलिए केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है यानी बी चाहे सी अगर ज्यादा होंगे तो वहां पर वाटर पॉल्यूटेड वाटर ही काउंट किया जाएगा ठीक है सेंट्रल वाटर कमीशन सेंट्रल वाटर कमीशन जल शक्ति मंत्रालय के ही अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली वाटर से रिलेटेड चीजों को ही देखता है वाटर मतलब जो भी वाटर का मैनेजमेंट है उन सारी चीज़ों को देखता है फ्लड की सिचुएशन को होना या फिर जनरल पब्लिक के लिए क्या फॉरकास्ट क्या बेनिफिट्स हैं इन सब चीज़ों को देखना इसके लिए एक नया इन्होंने ऐप निकाला है इंट्रोड्यूस्ड फ्लड वॉच ऐप जहाँ से फ्लड की मॉनिटरिंग की जाती है हाल फिलहाल में इस कमीशन ने यह बताया है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ के जो रिजर्वायर हैं यहाँ का पानी लो हो गया है आपको पता होना चाहिए कि पेनसुलर इंडिया हमारा मेनली पथरीला है यानी ये यहाँ पर अगर देखें तो रॉक स्ट्रेटा रॉक बेड जो होती है वो काफ़ी ऊपर पाई जाती है और इसीलिए यहाँ पर मेनली टैंक इरिगेशन किया जाता है अब इस टैंक इरिगेशन में पानी इकट्ठा किया जाता है रिजर्वायर के फॉर्मेट में अब यहाँ पर पानी कम हो गया है जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन ये एक ऐसा कैंपेन है जहाँ पर महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पर कई सारे मतलब लगभग लग सारे स्टेट्स हैं एक्सेप्ट कुछ स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ मिजोरम मध्य प्रदेश राजस्थान और तेलंगाना आप ऐसे समझ सकते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट जहां जहाँ पर नहीं है या बीजेपी की सरकार जहां जहाँ पर नहीं है वो सारे स्टेट को हटा दिया गया है विथ सम एक्सेप्शन ऑब्वियसली ये जो मिशन है ये मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अमृत के अंतर्गत है ध्यान रखना है जल दिवाली जल शक्ति मंत्रालय का नहीं है यह है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की और यही एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक पॉल्यूशन आप सभी लोगों को पता है कि जो प्लास्टिक है वो काफी ज्यादा डेंजरस है ना सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी लेकिन दिक्कत यह है कि प्लास्टिक हम हमारी डेली यूज में आ चुका है हर चीज को हम प्लास्टिक में ही देते हैं लेते हैं चाहे वो ठेले पे लगा हुआ सब्जी हो या फिर मार्केट में जाने के बाद में आपको बड़ी से बड़ी चीज़ों को खरीदना हो हम प्लास्टिक को हटा तो नहीं सकते हैं लेकिन कुछ यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर जो सिंगल प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक होती है इसको हम हटा देंगे सिंगल यूज जिसका हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं या फिर जो प्लास्टिक की जो माइक्रोन यानी कि जो मोटाई है उसको हम बढ़ा सकते हैं और यही दोनों काम सरकार के द्वारा भी किया गया है लेकिन अभी हाल फिलहाल में अभी अर्थ एक्शन के दौरान में मतलब अर्थ एक्शन एक कंसल्टेंसी एजेंसी है इसके द्वारा एक प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट निकाली गई प्लास्टिक ओवरशूट का मतलब यही है कि जहां पर प्लास्टिक अपनी वेस्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया मतलब प्लास्टिक एक तरफ होता है जहां पर प्रोडक्शन होती है और एक तरफ होती है जहां पर इसकी डंपिंग होती है जब प्रोडक्शन से काफी ज़्यादा डंपिंग हो जाती है यानी कि यह ओवरशूट कर गया अब यह ओवरशूट अर्थ के लिए अगर बात किया जाए तो अर्थ के लिए ये ओवरशूट डे बोला जा रहा है अट्ठाईस जुलाई दो का लेकिन वही अगर हम इंडिया के लिए देखें तो इंडिया बहुत पहले ही ओवरशूट डे दे देख लिया है दैट इज 6 जनवरी 2023 को ही <coughs> सॉरी और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और इस वजह से काफी कुछ ध्यान देने की जरूरत है अब कई सारे प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के हम लोगों ने नए नए टूल्स निकाले हैं जैसे प्लास्टिक क्रेडिट को लेकर के अब यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो ऐसा है कि जो प्लास्टिक ओवर डे है यानी कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा जो हो गया है अब यहाँ पर हमें लिमिट सेट करने की जरूरत है लिमिट मतलब कि हर एक कंट्री के ऊपर में या फिर हर एक जो प्लेयर्स है उसके ऊपर में लिमिट लगानी पड़ेगी कि भैया ऐसा है आप इतना ही प्लास्टिक यूज कर सकते हो जैसे कार्बन इमिशन को लेकर के हैं जहाँ पर रोक लगाई जाती है कि कितना कार्बन आप यूज़ कर सकते हैं वैसे ही यहाँ पर प्लास्टिक के लिए भी है कि आप कितना प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो तो अगर किसी ने ज़्यादा यूज़ कर लिया किसी ने कम यूज़ किया हुआ है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्रेडिट और ऑफसेट का इस्तेमाल हो जाएगा प्लास्टिक न्यूट्रैलिटी प्लास्टिक न्यूट्रालिटी का मतलब यही है कि जितना आपने फूट प्रिंट कार्बन मतलब कि जिस तरीके से जितना आपने प्रोडक्शन किया है उतना ही आपने डंपिंग किया है बराबर हो गया तो हो गया आपका कार्बन न्यूट्रैलिटी कई सारे इनिशिएटिव्स और लिए गए हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक्ट नाइन दो का निकाला गया था जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसको बैन कर दिया गया है और साथ साथ में प्लास्टिक की जो मोटाई है उसको पचास माइक्रोन से पचहत्तर माइक्रोन कर दिया गया है और एक माइक्रोन तक कि किए कर दिया जाएगा आगे 2022 तक में बोला गया था किया जाएगा जो भी है इसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन भी निकाली गई है कि जो भी प्रोड्यूसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू कलेक्ट ऑल दिस प्लास्टिक्स प्राइवेट सेक्टर को भी कोलेबरेट किया जा रहा है इसके अलावा नेशनल सर्कुलर इकॉनमी रोडमैप बनाया जा रहा है ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अन प्लास्टिक कलेक्टिविट एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक ग्रुप है अन प्लास्टिक ग्रुप दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन ये ध्यान रखना है अन प्लास्टिक ग्रुप ये कह सकते हैं ग्रुप है जो इंडिया सी इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यू और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया ये 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 तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके मेंबर कंट्री के तौर पे हैं इसके अलावा प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के अब अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है सर्कुलर इकोनमी इसके कुल सात एलिमेंट्स हैं इन सात एलिमेंट में एक है सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दूसरा है कंसिस्टेंस कंप्लायंस होनी चाहिए तीसरा अवेयरनेस एंड रेडीनेस होनी चाहिए कॉमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए रिसाइकिल होना चाहिए कंजम्पशन होना चाहिए प्रोडक्शन होना चाहिए मतलब छठी होनी चाहिए ना हाँ ठीक है और मटेरियल फ्लो होना चाहिए ये सात एलिमेंट बताए गए हैं सर्कुलर इकॉनमी को लेकर के सर्कुलर इकॉनॉमी को लेकर के देखिए और भी कई सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं जैसे एक प्रोग्राम आपका बनाया गया है आ, दिस वन ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच यस ओके आई थिंक आगे कहीं पर दिया गया है अभी देख करके फिर हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे तो यहां पर अगर हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी के ही बारे में और आगे बात किया जाए तो कई सारे और भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज कर रहे हैं इस वन सेकेंड नॉट दिस वन ये दोनों हैं। वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट और है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये दोनों भी सर्कुलर इकॉनॉमी की ओर ही इंगित कर रहे हैं सर्कुलर इकॉनॉमी की ओर ही लेके जा रहे हैं इस सर्कुलर इकॉनॉमी के दौरान में ये बोला गया है रिड्यूस रीसाइकिल एंड री जिससे कि लोगों को एक सोल्यूशन के तौर पर मिले जहां पर मतलब जितने भी आइटम हैं वो एक ज़ीरो वेस्ट के तौर पर निकल करके आए यहाँ पर सर्कुलर इकॉनॉमी का प्रमोट किया जा रहा है बाकी इसके अलावा मेरी लाइफ प्रोग्राम के प्रोग्राम को इसके अंतर्गत रखा गया है मेरा स्वच्छ शहर माई लाइफ माई क्लीन सिटी भी इसके अंतर्गत रहेगा सिमिलरली इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ये भी सर्कुलर इकोनॉमी के ही अंतर्गत है और ये ज्वाइंटली बना मतलब फैसिलिटेट किया जा रहा है यू और यू एन हैबिटाट के द्वारा बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और इस मैगजीन में वैसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो बहुत ही सलेक्टिवली आपको पढ़ना होता है कुछ यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं प्लास्टिक को हटाने के लिए जैसे यू एन इन्वायरमेंट असेंबली का एक रेजोल्यूशन है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन दूसरी है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन लिटर ये नेशनल मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है रियो प्लस ट्वेंटी उसके अंतर्गत ये किया गया था इसके अलावा ग्लो लिटर ये नॉर्वे इंडियन मतलब इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एफ का ये ज्वाइंट मिशन है इसके अलावा कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन बाई डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर 1972 जिसे हम लंदन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये भी इसी प्लास्टिक को कर्ब करने के लिए है इनफैक्ट ये जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन सब ये सभी इम्पॉर्टेंट है जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के एक ग्लोबल ट्रीटी भी की जा रही है उसका एक ड्राफ्ट निकला हुआ है ये जो ड्राफ्ट है वो यूएन के द्वारा निकाला गया है क्या चीजें इसमें बोली गई हैं इसमें बोला गया है कि केवल केवल जो सिंगल यूज प्लास्टिक है केवल इसी को बैन करने से चीजें नहीं हो जाएंगी बल्कि हमको जो शॉर्ट लिव्ड प्लास्टिक होती है इसको भी बैन करना पड़ेगा हर एक देश को अब आगे आना पड़ेगा कि भाई आप लोग अपना अपना एक नेशनल प्लान लेकर के आओ कि हम किस तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड कर सकते हैं ये जो हमारा आई एन सी है दैट इज इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन कमिटी ये यूएनपी के द्वारा बनाई गई है और इसका मेन काम यही है प्लास्टिक के पॉल्यूशन को किस तरीके से हम कम करें किस तरीके से हम ख़त्म करें क्या चीज़ें हों इसकी जो अगली मीटिंग होगी वो नायरोबी केन्या में होगी ठीक है अगला टॉपिक आता है लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के 1994 के दौरान में जब 1992 में बेसिकली जब अर्थ समिट हुई थी तो यहाँ पर तीन बॉडी निकल के आई थी एक यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज दूसरी यूएन कन्वेंशन टू बायोडाइवर्सिटी एंड यू एन सी सी डी दैट इज कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये वही यूएनसी में लाया गया था लेकिन उन्नीस सौ छियानवे मेंशन में आया था यहां पर इंडिया भी एक मेंबर है यह एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है यहां पर मतलब वन नाइनटी सेवन पार्टी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया इसका मेन काम जो होता है वो यही है कि डिजर्टिफिकेशन को किस तरीके से हमें रोकना है ये अपनी एक मैगजीन निकालती है रिपोर्ट निकालती है दैट इज ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट ये निकाली गई थी सी ओ पी ट्वेंटी एट के ही अंतर्गत कई सारे इसके काम हैं जैसे लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है इसके अलावा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज भी करना है और लैंड डिग्रेडेशन की कंडीशन को इम्प्रूव भी कराना है अभी हुआ क्या है हुआ ये है इन्होंने अपना एक डैशबोर्ड निकाला है जहां पर डिजर्टिफिकेशन की चीज़ों को आप देख सकते हैं जैसे होता है ना एक डैशबोर्ड यहाँ पर सारी रिपोर्ट वगैरह बताई जाती है सारा स्टेटस बताया जाता है इसमें यह कहा गया है कि देखो ऐसा है लगभग लगभग हंड्रेड मिलियन हेक्टेयर की जो जमीन है वो हर साल डिग्रेड होती जा रही है इसमें मैक्सिमम एरिया जो है इंडिया का भी डिग्रेड होते जा रहा है बाकी इसके अलावा मेन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एशिया में ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं क्या होता है डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन का मतलब यही है कि जो हमारी सॉइल है जो हमारी अच्छी खासी सॉइल है वो उसके ऊपर में धूल आ जाए बालू आ जाए डस्ट आ जाए या ऐसी सॉइल आ जाए जिससे कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाए मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डिजर्टिफिकेशन जैसे सहारा डिजर्ट है ये फैला अरेबियन से उठा करके पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान इंडिया भी इस समय डिजर्टिफिकेशन हो रही है इस चीज को रोकने के लिए कई सारे इनिशियेटिव लेकर के आए गए हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है उसके बारे में यहां पर बता दिया गया है कि वही क्वालिटी जो है वो खराब होती जाए एक होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी मतलब वही चीज है कि लैंड की क्वालिटी को इंप्रूव करने और लैंड के क्वालिटी को डिग्रेड होने इन दोनों में जब एक स्टेबिलिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेबिलिटी न्यूट्रलिटी कई सारे इनिशियेटिव लिए गए हैं जैसे एक इनिशिएटिव है बॉन चैलेंज ध्यान रखिएगा बॉन चैलेंज किससे रिलेटेड है लैंड डिग्रेडेशन से है दो है बल्कि तीन है बॉन एक माइग्रेटरी बर्ड स्पीसी जो होती हैं उनसे भी रिलेटेड है लैंड डिग्रेडेशन से भी रिलेटेड है और केमिकल से भी रिलेटेड है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं ना उससे भी रिलेटेड है इसके अलावा इंडिया ने अपना एक लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन का एटलेस भी निकाला है वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम निकाला है ग्रीन इंडिया नेशनल एक्शन प्लान के तहत निकाला गया है सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है और अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है सैंड एंड डस्ट स्टॉम जस्ट लाइक लैंड डिग्रेडेशन ये एक कारण है सैंड एंड डस्ट स्टॉम लैंड डिग्रेडेशन का कैसे होता है सेम वही सब चीज़ें कि एक हमारी नीचे सॉइल है इसके ऊपर में यही डस्ट वगैरह आ जाएगा सैंड आ जाएगी तो हमारी सॉइल जो होगी वो खराब हो जाएगी ऊसर हो जाएगी एफ ए के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है सैंड एंड डस्ट स्टॉम आर गाइड टू मिटिगेशन एडाप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर क्या चीज है वही है जो टर्बुलेंट विंड्स वगैरह हैं वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लेकर के आ जाती हैं जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है वो खराब हो जाता है मेनली ये 75 परसेंट नेचुरल रिसोर्सेज से आता है और 25 परसेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के थ्रू आता है इससे हमारी लैंड यूज चेंज हो जाती है एग्रीकल्चरल पैटर्न में खराबी देखने को मिल जाती है और डिफोरेस्टेशन भी होती है जो हमारी ये सैंड डस्ट स्टॉम है इससे तमाम नुकसान भी हैं जैसे मान लेते हैं ग्लेशियर के ऊपर में अगर ये आ गया तो ग्लेशियर के ऊपर में आने के कारण से अब ये ब्लैक आइस के तरीके से काम करना शुरू कर देता है वार्मिंग इफेक्ट आ जाता है मेल्टिंग ऑफ आइस देखने को हमें मिल जाती है इसके अलावा एग्रीकल्चरल फील्ड में भी आए तो यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरीके का प्लांट डिग्रेडेशन भी देखने को मिल जाती है कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यू एन है ही इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कोलिशन ऑन कॉम्बैट सैंड एंड डस्ट स्टॉम जो कि सी ओ में लॉन्च किया गया था सैंड एंड डस्ट स्टॉम प्रोजेक्ट जो डब्ल्यू के द्वारा किया गया है इंडिया में अगर बात करें तो अरावली की ग्रीन प्रोजेक्ट बनाई गई है जो अरावली के पास में बनाई जा रही है सिमिलरली इसी तरीके से साहेल रीजियन अफ्रीका में भी बनाया जा रहा है सेम वही ग्रीन ग्रीन मतलब वॉल बनाई जा रही है दिस इज ग्रीन वॉल इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन भी है जो कि इन सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है ओजोन लेयर अगर ओजोन लेयर ग्राउंड पे है दो जगहों पर पाया जाता है 90 परसेंट ओजोन पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में लेकिन 10 परसेंट ओजोन पाया जाता है

दिया जाता है इस बार जो दिया गया है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए दिया गया है चार कैटेगरीज़ में है पॉलिसी लीडरशिप इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी आंट्रप्रन्यरशिप विजन कैटेगरी ब्लू सर्कल और ये दो लोगों को बेसिकली दिया गया है और एक चौथा होता है साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी नाम नाम देख लीजिएगा ज़रूरत नहीं है इथाइलिन ऑक्साइड इथाइलिन ऑक्साइड को फ्यूमिगेंट के तरीके से यूज़ किया जाता था फ्यूमिगेंट का मतलब समझिए एक तरीके का फर्टिलाइज़र ही जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था अभी हुआ क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है इसने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है इसको हम पेस्टिसाइड के तरीके से अब कंसीडर करेंगे दिक्कत अब ये हो गई पेस्टिसाइड वाली जो चीज़ होती है वो फाइटोसैनिटरी मेजर के थ्रू अब यहाँ पर इसका ट्रेड रोका जा सकता है और इनफैक्ट यही चीज़ आगे होगी भी जो इथालीन ऑक्साइड होती है प्राइमरली वो एक केमिकल है जो एंटी फ्रीज मतलब एंटी फ्रीजिंग इसमें इंक्लूड होती है ये एक फ्लेमेबल कलरलेस गैस है स्वीट ऑर्डर होती है इस बहुत छोटे अमाउंट में बेसिकली डाला जाता है जिससे कि पेस्टिसाइड के तरीके से काम करता है लेकिन ये कार्सिनोजेनिक है प्लस साथ ही साथ में म्यूटेशन भी हमें देखने को मिल जाती है इसकी जो बेसिक्स है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी और इसका जो कंटेक्सट है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंडोसल्फान इंडोसल्फान भी एक तरीके का कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड ही है जो कि अलग अलग तरी मतलब कि जो क्रॉप्स होती हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है अभी एन ने एक नोटिस निकाला है कर्नाटक और केरल गवर्नमेंट को कि भैया आप लोग जो है इंडो सल्फान को जो डंप कर दे रहे हो या आप डंपिंग नहीं करिए इनफैक्ट इंडो सल्फान को रोटेडम कन्वेंशन के अंतर्गत और स्टॉकहोम कन्वेंशन के भी अंतर्गत इसको लिस्ट किया गया है मतलब न तो आप प्रायर इन्फॉर्म के इसको क्रॉस बॉर्डर भेज सकते हैं न तो इसको आप पॉलिटेन के तौर पर रख सकते हैं इसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं पेट्रोलियम कोक या पेट कोक ये बड़ा हाई क्वालिटी कोक होती है जो बहुत अच्छे से मतलब बर्न होती है काफ़ी अच्छा होता है क्रैकिंग प्रोसेस को थ्रू निकल करके आता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है मतलब बर्निंग बड़ी अच्छी होती है इसमें लो ऐस निकलते हैं कुछ बचता नहीं है बड़ा अच्छा होता है अच्छी से तरीके से जल जाता है कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके के लिए एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए बॉडी बनाई गई है दैट इज़ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बोला है इसको आप लोग जरा देखो कि क्या क्या यह पॉल्यूशन कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है तो ये जो पेट कोक होती है ये सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग लाइम किल्स इंडस्ट्रियल बॉयलर या मतलब इंडस्ट मतलब जितने भी मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर यूज़ की जाती है पेट 46 सिक्स दैट इज़ पॉली इथाइलिन टेट्रा थाड डिग्रेडिंग एंजाइम ये एक डीप डीप सी ऑर्गेनिज्म है जो पहली बार आइडेंटिफाई किए गए हैं ये लो प्लास्टिक मतलब बेसिकली ये एक प्लास्टिक का रूप है जो अब हमें ओशियन में भी देखने को मिल गया है और ये दिखा रहा है कि कैसे जो लैंड की डिग्रेडेड प्लास्टिक है वो अब ओशन में भी पहुंच गई है जिससे कि अब हमारा जो ओशन है मरीन इकोसिस्टम है वो भी हमारा डिस्टर्ब होगा ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच पैसिफिक का जो नॉर्थ पैसिफिक वाला इलाका है यहाँ पर इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया है कि इसका अपना खुद का एक वॉटैक्स बन गया है मतलब इस तरीके से यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है कहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ई वेस्ट इन इंडिया इंडिया में भी जो ई e वेस्ट है बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ई e वेस्ट इंडिया बन गया है आफ्टर चाइना एंड यू और ई e वेस्ट से तमाम दिक्कतें हैं सोशल इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल और हेल्थ हजार्ड भी है अभी हाल फिलहाल में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी निकाला गया था जिसमें बताया गया है कि ई वेस्ट को किस तरीके से डंप करना है किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना है अब इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो डायरेक्टली हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट भी करते हैं कई सारा ऐसा आइटम है इसमें जैसे यू चार्जर हो गया वेप हो गया ये सब ई वेस्ट के अंतर्गत आता तो है लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से इस पर अब ध्यान देने की बात कही जा रही है और इसी चीज़ को बोला था इनविजिबल ई वेस्ट जैसे वेप हो गया एल ई डी एक्सेसरीज़ यू एस बी केबल पावर टूल्स स्मोक डिटेक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं लास्ट में हम लोग आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी मिनीमाटा कन्वेंशन ये अभी रिसेंट में ही इसको मतलब कह सकते हैं 2017 में ही बेसिकली इसको लेकर के आया गया है 2013 में इसको अडॉप्ट किया गया था इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है अभी मीटिंग में यह बोला गया मिनिमाटा कन्वेंशन बेसिकली मर्क्यूरी को ही इलिमिनेट करने के लिए है मर्क्यूरी से हमारी हेल्थ डिसीजेज वगैरह हो जाती हैं कहा यह गया है कि देखो ऐसा है कि हर बार हम लोग मिलते हैं लेकिन कुछ हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं तो ऐसा है अब आप ये बताइए हर एक कंट्री की फेज़ आउट डेट क्या होगी मतलब कब तक हम इस मर्क्यूरी को खत्म कर पाएंगे कहाँ से बैटरी स्विचेस रिलेज मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वहाँ से जो मर्क्यूरी है उसको कैसे हम फेज़ आउट करेंगे दूसरा यह बोला गया जो डेंटल अमलगम है जैसे दांत जब खराब होते हैं ना तो उसमें भी मर्क्यूरी रखी जाती है उसके लिए और साथ में जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं इसके लिए तो डेट निर्धारित कर दी गई है 2025 की भैया 2025 तक इसको खत्म कर दो इंडिया ने भी कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम भी 2025 तक इसको खत्म कर देंगे इंडिया ने भी बोल दिया है मिनीमाटा के लिए जो कंडीशंस हैं मतलब जो लोग हैं मतलब जो मतलब ऑब्जेक्टिव हैं वो यही है कि हम जितने भी मर्क्यूरी वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी उसको रिड्यूस करेंगे खत्म करेंगे मिनली यूज़ होता है इसकी गोल्ड माइनिंग में और साथ ही साथ में जो जवा मतलब ज्वेलरीज बनाई जाती हैं उसमें यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा पावर प्लांट कोल वाले जितने भी होते हैं वहाँ पर भी मर्क्यूरी का इमिशन होता है मरकरी का यूज़ बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी किया जाता है और बाकी जो ट्रेड वगैरह है उसको भी स्टोरेज और इन सब चीज़ों को लेकर के भी ध्यान रखा जाएगा मर्करी के बारे में बेसिक्स देख लीजिए कि एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होता है गोल्ड माइनिंग इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है बाकी हेल्थ के लिए बड़ा गड़बड़ चीज है यू ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स अभी हम लोगों ने बात किया ये केमिकल बॉन कन्वेंशन के अंतर्गत भी आता है दिस इज बॉन्ड कन्वेंशन अभी एक बॉडी बनाई गई है दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट बॉन्ड में ही बनाई गई है इसका मेन काम है कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट से अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं जैसे एक चीज़ है अब बताइए केमिकल्स है केमिकल क्या होगा क्या उसको हम फ्री में ऐसे इधर उधर टहलाने देंगे क्या नहीं तो इलीगल ट्रेड है उसके ट्रैफिकिंग को रोकना है प्लस जो हजारस पेस्टिसाइड्स हैं एग्रीकल्चर में जा रहे हैं उनको ख़त्म कर देना है 2025 तक जस्ट लाइक मर्क्यूरी जैसे मर्क्यूरी को 2025 तक इिलिमिनेट कर रहे हैं वैसे इसको भी इलिमिनेट कर देना है इसके अलावा जो केमिकल पॉल्यूशन है उसके लिए आप लोग कुछ पॉलिसी रेगुलेशन वगैरह बना करके लेकर के, ले कर के आइए यही चीज़ कही गई है और ये बॉन्ड डिक्लेरेशन के अंतर्गत आता है कई सारे और भी हमारे पास में कन्वेंशन है जैसे बेसल कन्वेंशन अगेन ये भी ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ हजार वेस्ट को लेकर के है रोटाडैम जो हमारे मतलब पहले से इनसे परमिशन लेनी होती है स्टॉक होम कन्वेंशन अगेन पीओपी को लेकर के दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट एक और नया कन्वेंशन है दैट इज़ वैगेंग कन्वेंशन ये भी वही चीज़ है ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट लेकिन कहाँ पर स्पेसिफिक टू द साउथ पैसिफिक रीजन के लिए यहाँ पर कई सारे छोटे मोटे जैसे पोलिनेशिया माइक्रोनेशिया वाला ग्रुप है तो उनके लिए है लास्ट टॉपिक है इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस अब जैसे आई ए ई ए यह हमारी एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है इसने ये कहा कि जो शिप्स वगैरह हैं जो हमारी शिप्स वगैरह हैं जब इसको डिसमेंटल किया जाता है इसके स्क्रैप्स निकाले जाते हैं तो इसमें बहुत सारा रेडियो एक्टिव एमिशन भी हो जाता है और इस चीज़ को बिना देखे समझे यहाँ पर स्क्रैपिंग कर दी जाती है इस स्ट्रैपिंग करने से रेडियो एक्टिव चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और हमारा बहुत सारा मतलब कि एटमोसफियर इससे काफ़ी नुकसान में चला जाता है तो आइए ए कि की सिक्योरिटी प्लान भी बनाई गई है जिसमें बोला गया है वही न्यूक्लियर सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है इसके अलावा आई ए ए सिक्रेटेरिएट भी इस्टाब्लिश की गई है बाकी इलिसिट ट्रैफिकिंग इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर रोकने के बारे में बात कही गई है ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क फंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फ़ंड ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के मीटिंग के दौरान में ये लॉन्च किया गया है आखिर में इसका काम क्या है इसका काम नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो ग्लोबल बायो है उसे फ़ंड करने का काम करेगा अब ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है इसे पहले प्रोटेक्ट करने की बात होगी प्रोटेक्शन के दौरान में फिर अल्टीमेटली हमें कही कहीं ना कहीं फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड काम में आएगा तो ये जो प्रोटेक्शन की बात है इस प्रोटेक्शन की शुरुआत की गई थी 1992 में ही जब यहाँ पर रियो समिट हुई थी जिसे हम अर्थ समिट के नाम से ही जानते हैं इर्थ अर्थ समिट के दौरान में यहाँ पर तीन चीज़ें निकल कर के आई थी एक जो क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट कर रही थी दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रही थी और तीसरी जो डिजर्टिफिकेशन को रोक रही थी तो इसी सीबीडी का मेन काम होता है जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय पर मीटिंग होती रहती हैं। अब इस समय समय पर मीटिंग होने के दौरान में 2022 में एक मीटिंग हुई थी जिसे हम कॉप 15 बोलते हैं जो मॉन्ट्रियल में हुई थी और इस मॉन्ट्रियल में होने पे जो डिक्लेरेशन सामने आया था उसका नाम है कुन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हालांकि इससे पहले 2022 से पहले जो टारगेट्स चल रहे थे वो एच बायोडायवर्सिटी टारगेट्स के नाम पर चल रहे थे और ये 2020 में एक्सपायर हो गई थी यानी दो साल ऐसा टाइम पीरियड रहा है जहां पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के कोई खास टारगेट्स नहीं थे अगर इस कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें चार गोल्स हैं जो कि 2050 तक हमें पूरे कर लेने हैं और साथ में ट्वेंटी थ्री टारगेट्स हैं जो कि 2030 तक ही कवर कर लेनी है अगर इसके कुछ टारगेट्स और फोकसेस यानी कि जो गोल्स हैं उन पर अगर बात किया जाए तो इनके गोल जो चार गोल्स हैं इसमें एक गोल है आपका जहां पर ह्यूमन इंड्यूस्ड जो एक्सटिंक्शन्स हो रही हैं उसको रोकना है जैसे प्रे बना दिया जाता human है यानी कि जो ह्यूमन है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जितनी भी होती है उसको रोकना है इसके अलावा बेनिफिट्स की शेयरिंग करनी है इक्विटेबल तरीके से यानी यूएस में अगर कोई जेनेटिक वेरिएशन की या कोई जेनेटिक चेंजेस वाली कोई भी एक नया टेक्नोलॉजी निकल करके आ रहा है तो उसे बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी डेवलप मतलब कि शेयर करना है जैसे अफ्रीका हो गया या एशिया हो गया या फिर कोई सी भी कंट्री होगी उसके साथ में भी शेयर करनी होगी बायोडाइवर्सिटी के लिए हमें कुछ सस्टेनेबल तरीके निकालने होंगे और बायोडाइवर्सिटी को फाइनेंस करने के लिए 700 बिलियन पर ईयर हमें क, मतलब कि इसको फाइनेंस करना होगा और इसी के लिए अल्टीमेटली ये जो ग्लोबल आ, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये फंड बनाया गया है इसमें कुछ टारगेट्स भी हैं इन टारगेट्स में एक है थर्टी क्रॉस थर्टी यानी थर्टी बाई थर्टी की डील यानी थर्टी परसेंट लैंड इन लैंड वाटर और मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम को 2030 तक हमें प्रोटेक्ट करना है तीस परसेंट लैंड को करना है इसके अलावा जितने भी इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनको हमें उनका जो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन है उसको स्लो करना है बाई ट्वेंटी इसके अलावा जो ग्लोबल फूड वेस्ट हो रही है उसको हमें आधे से कम कर देना है जो भी एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस है उसके लॉस को हमें ज़ीरो कर देना है इसके अलावा 500 बिलियन डॉलर हमें खर्चने होंगे हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को रिड्यूस करने में जैसे बहुत सारे होते हैं गवर्नमेंट जो होती है निकाल करके ले करके आती है मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप बाई टू हंड्रेड बिलियन डॉलर इन अ ईयर हालांकि देखिए ये जो ट्वेंटी थ्री टारगेट्स हैं इसमें कई सारे टारगेट उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये थर्टी बाई थर्टी का इम्पॉर्टेंट है और ये जो एलियन स्पीसी वाला है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब जरा आते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है ये कुन्मिंग मॉन्ट्रीयल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो बनाया गया था इसमें कौन कौन से मेम्बर हैं इसमें हर तरीके के मेंबर हैं डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप और मतलब हर हर जगह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस काउंसिल का जो मतलब इस फंड का जो मेन रखवाला है वो एक तरीके से ट्रस्टीशिप है वो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है बाद में हो सकता है इसको बदल करके एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए अभी फिलहाल में अगर फंड अलोकेशन के बारे में बात किया जाए तो 20 परसेंट फंड अभी इंडिजिनस लोगों को दिया जाएगा ये इंडिजिनस लोग कही न कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर एक्शन भी ले सकते हैं इसके अलावा जो भी लॉस एंड डैमेज वाली कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लॉस एंड डैमेज यानी कि सी लेवल राइज के कारण से जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं उन लोगों को पहले प्रायोरिटाइज़ हमें करना होगा फंडिंग के सोर्सेज कहाँ हैं पैसा कहाँ से आएगा पैसा हर जगह से आएगा सरकारी पैसा भी आएगा इंस्टीट्यूशनल पैसा भी आएगा प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा आएगा और अगर कोई वॉल्टियर करना चाहता है फंड करना चाहता है तो वो भी पैसा यहाँ से आएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये 1991 में बनाई गई थी और 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था तो उस दौरान में जितने भी समिट्स निकल करके आए थे ये कहा गया कि इस इन्वायरमेंट फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पर फंड किया जाएगा तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी पोल्यूशन या फिर वाटर हर तरीके से ये फ़ंड करती है उन लोगों को 1991 में ये एक मल्टी लेटरल इन्वायरमेंट फंड के तौर पर निकल करके आया था क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल वाटर और ओजोन डिप्लीशन को लेकर के ये फंड करता है यहां पर कौन कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इसमें वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड बैंक के अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये तीनों के तीनों ही इसके पार्टनर कंट्रीज या फिर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कह सकते हैं इंडिया भी इसका मेंबर है इसके अलावा वन और भी मेंबर्स हैं ये जी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दो और फंड को मैनेज करता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड और दूसरा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जिसे हम सेपरेट डिस्कस करेंगे अब बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है अब ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है हम लोगों ने अभी देखा कि ये लगभग लगभग हर जगहों पर फंड करता है जैसे यूनाइटेड नेशंस की सीबीडी, यूएन की एफ यानी क्लाइमेट चेंज इसके अलावा जो डिजर्टिफिकेशन को लेकर के बनाया गया था ये तीनों तो हो गए जो नाइनटीन में रियो समिट के दौरान में और समिट के दौरान में तीनों प्रपोजल दिए गए थे इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस को भी ये फंड करता है जैसे कि स्टॉक होम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट को लेकर के बनाया गया है इसके अलावा मिनामाटा हो गया इसके अलावा मॉन्ट्रियल जो कि ओ को डिप्लीट होने से बचाता है तो ये सारी चीज़ें ये सभी चीज़ें फंड की जाती है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा अब ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ये अपनी एक रिपोर्ट भी रिलीज करता है जिसका नाम है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव ये जो इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव ये जो रिपोर्ट है ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल के साथ मिलकर के निकाली गई है इसमें मेन जो फोकस एरिया किया गया है वो है इंडिजिनस पीपल को अभी हम लोगों ने देखा इनफैक्ट जो ग्लोबल फंड भी किया जा रहा है फ्रेमवर्क भी जो बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के वहां पर भी इंडिजिनस लोगों को ही मतलब फंड किया जा रहा है उनके ही तरीकों पर हाल फिलहाल में अभी फोकस किया जा रहा है सेम वही चीज इस रिपोर्ट में भी उन्होंने बोला है इस इनिशिएटिव में भी ये कहा है कि 40 परसेंट टर्शियल एरियाज़ और 37 परसेंट इकोलॉजिकली इंटैक्ट लैंडस्केप में इंडिजिनस पीपल लोग रहते हैं और लेस देन वन परसेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अभी फ़िलहाल में इंडिजिनस पीपल के द्वारा की जा रही है तो हमें फोकस एरिया जो करना होगा वो इंडिजिनस पीपल के ओर में ही करना होगा क्योंकि यही लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं अगर इस हम इनिशिएटिव के बारे में बात करें इंडिया इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया गया था 2022 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था इसका जो मेन काम है वो है लैंडस्केप सी स्केप और जितनी भी हाई बायोडाइवर्सिटी डिय। वाली टेरिटरीज हैं उनको सिक्योर करना उनको बचा करके रखना इसके अलावा चार कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के एक है कि आपको लोकल एक्शन लेना है यानी कि जो इंडिजिनस एक तरीके से इंडिजिनस एक्शन हो गया इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है जितने भी हमारे पास में लीडरशिप है उसे हमें लीडरशिप को लेकर के आना है और बाकी कंजर्वेशन के लिए तो हमें इंक्लूसिव एक्शन लेना ही होगा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन ऑफ रिवर डॉल्फिन अब रिवर डॉल्फिन के बारे में अगर बात किया जाए तो हमारे पास चार तरीके की रिवर डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है ध्यान रखना है जैसे रिवर डॉल्फिन ये ओशियन डॉल्फिन नहीं है चार तरीके चार पांच तरीके की हमारे पास में ये डॉल्फिन मिलती है एक है जो अमेजन रिवर में मिलती है अमेजॉन रिवर में जो मिलती है उसको उसका नाम बोटो या फिर पिंक रिवर भी जाना जाता है इसके अलावा गंगा रिवर तो गंगा में यहाँ पर सुसु नाम से ये डॉल्फिन का नाम है इसके अलावा इंडस में भूलन नाम से होती है इसी तरीके से टुकुक्शी ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है और इरावदी हो गई तो ये हमारे पास में पांच तरीके की डॉल्फिन है जो कि रिवर डॉल्फिन है ये सभी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है क्योंकि रिवर डॉल्फिन रिवर यू कैन से इज़ अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर तो ये सभी फ्रेश वाटर डॉल्फिन बोली जाती हैं सबका ही स्टेटस इंडेंजर्ड है सबका स्टेटस इंडेंजर्ड है तो आप रिवर डॉल्फिन को समझ लीजिए कि ये एक तरीके से इंडेंजर्ड स्पीसीज है अब कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है अमेजन समझ में आ रहा होगा साउथ अमेरिका अमेजॉन वाले एरिया में गंगेज यानी इंडो गंगा जो ब्रह्मपुत्रा वाला एरिया है यानी कि इंडिया और बांग्लादेश में प्राइमरली हमें ये देखने को मिल जाएगा इंडस भूलन यानी पाकिस्तान में हमें देखने को मिल जाएगा फिर टुकुक्शी ये आपको देखने को मिल जाएगा साउथ अमेरिका America, में कंट्रीज में इरावदी ये हमारा जो मिकोंग वाला रिवर है मीकोंग वाला एरिया है साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर म्यांमार हो गया थाईलैंड हो गया कंबोडिया हो गया इस वाले एरिया में प्राइमरली देखने को मिल जाएगा तो एक बात यहाँ से समझ में आ जाती है कि जो रिवर डॉल्फिन्स हैं वो दो जगहों पर हमें प्राइमरली देखने को मिल रही हैं एक जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं और दूसरी एशिया में भी जो साउथ एशिया है यहाँ पर प्राइमरली हमें देखने को मिलती हैं और इसी वजह से अभी फ़िलहाल में एक नया डिक्लेरेशन साइन किया गया ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन बाई 2030 इसकी मीटिंग और आयोजित की गई थी कम्बोडिया बुगोटा में अब यहां पर डिक्लेरेशन लिया गया कि जितनी भी एशिया और साउथ अमेरिका की रिवर डॉल्फिन हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना है और इसी वजह से जितनी भी कंट्रीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी ऑल आर दोज कंट्रीज जहां पर हमें रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है यही जो पांचों तरीके की रिवर डॉल्फिन हैं अब हमें इनके जो नंबर्स हैं यानी इनकी जो संख्या है उसको हमें बचा करके रखनी है इसकी जो घटती संख्या है उसको रिवर्स करना है हमें आम, इनके जो फंडिंग मेजर्स हैं उसको रखना है मतलब कहीं ना कहीं इनको कही बचा करके रखना है इनके हेल्थ को बना करके रखना है दैट्स इट अब यहां पर अगर बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट थोड़ा सा इसकी कहानी समझ लेते हैं 2021 में एक केस का भी डिसमिसल आया है दिल्ली हाई कोर्ट का पहले केस समझ लेते हैं क्या है हुआ क्या था हमारे यहाँ पर चलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे एक केस यहाँ पर आया था पेप्सिको का एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं जैसे मान लेते हैं लेज है अब लेस को कई काम करने होते हैं जैसे इसको इसको पहले आलू चाहिए आलू से अपना जो है चिप्स बना लेगा चिप्स बनाने के बाद में इस इसमें जो भी मसाला वसाला लगाना है वो लगाएगा फिर पैकेजिंग कर लेगा तो जो आलू उगाने वाला काम है ये आउटसोर्स कर दिया जाता है तो आउटसोर्स जब भी किया जाता है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है यानी एग्रीमेंट किया जाता है किससे एग्रीमेंट करेंगे ऑब्वियसली आप फार्मर के साथ में एग्रीमेंट करेंगे यहाँ पर फार्मर को ये कहा जाता है कि देखो ऐसा है हम एक पर्टिकुलर वैरायटी की हम आपको सीड देंगे यानी बीज देंगे उसी को आपको लगाना है उसका हम तरीका बताएंगे जैसे अब डोमिनोज में क्या होता है डोमिनोज में अगर जाएंगे तो वहाँ पर पिज़्ज़ा बेस इसके अलावा जो उनकी चीज़ है या जो भी टॉपिंग्स है या जितना भी एलिमेंट है डोमिनोज उनको प्रोवाइड कराता है और फिर उसके बाद से जो भी वहाँ पर वर्कर होते हैं शेफ होते हैं वो अपना वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के थ्रू चीज़ें बनाते हैं और अल्टीमेटली पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया जाता है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं लगभग लगभग सारे पिज़्ज़ा सेंटर्स जितने भी हैं डोमिनोज में सबका टेस्ट आपको एक जैसा मिलेगा क्योंकि उसमें सामान एक जैसा लगा हुआ है वही चीज यहां पर भी कही जा रही है कि आलू ये प्रोवाइड किया जाएगा पेप्सिको के द्वारा आपको टेक्निक बताई जाएगी सारे चीजें दी जाएंगी आप अपना यहाँ पर जो भी उगाने उगाने वाला काम है करिएगा और फिर आलू दे करके हमको इसका हम लोग बना लेंगे तो यहाँ पर जो पेप्सिको ने जो अपना आलू की वैरायटी दिया था वो आलू की वैरायटी इन लोगों ने अपना पेटेंट ले रखा था पेटेंट का मतलब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड थी जिस पर पेटेंट लगा रखा था कि केवल और केवल पेप्सिको कंपनी ही इसका इस्तेमाल कर सकती है ये जो पेप्सिको की वैरायटी जो यूज की गई थी वो थी एफ एल जिसे एफ के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में एफ सी के नाम से जाना जाता है हुआ क्या कि फार्मर जो है इन लोगों ने क्या किया कि कुछ आलू तो मतलब दिया लेज वालों को कुछ मार्केट में सेल कर दिया और सेल करना छोड़िए इसकी जो बीज है जो भी इससे मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बीज निकल करके आई उसको स्टोर करके रख लिया और ये काम आप नहीं कर सकते हैं जब तक किसी का जेनेटिकली मॉडिफाइड का आईपीआर अपना है तो उसकी सीड आप नहीं कर सकते यानी कि आप उसको वापस से अगले सीजन में नहीं बो सकते हैं केस गया हाईकोर्ट में हाईकोर्ट कहीं ना कहीं फार्मर को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव होती ही है तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि पहली बात आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा कि आपने जो आई लेकर के रखा हुआ है क्या वो सही तरीके से लिया है कि नहीं लिया है इनका रजिस्ट्रेशन चेक किया गया पता यह चला कि इन्होंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे करके आईपीआर लिया था तो इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वही खत्म हो गई और अगर वो खत्म हो गई तो फार्मर ने किसी तरीके का कोई गुनाह नहीं किया है तो मेनली जो गुजरात के फार्मर्स थे जिन लोगों ने इलीगल ग्रोइंग की थी वो ऑटोमेटिकली लीगल हो गई लेकिन ऑटोमेटिकली लीगल होने के बाद में अब ये हुआ कि देखो ऐसा है अब हमें फार्मर के लिए कुछ राइट बनाने की जरूरत है इन लोगों को प्रोटेक्ट किया गया फार्मर को प्रोटेक्ट किया गया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के द्वारा 2001 में यहां पर यह कहा गया है कि जो भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितनी भी चीजें होंगी उसे कंजर्व करके रखा गया है इट ऑल्सो हैव सिमिलैरिटीज विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वराइटी ऑफ प्लांट नाइनटीन वर्ल्ड का पहला ऐसा आईपीआर लेजिस्लेशन है जहां पर प्लांट ब्रीडर को ही नहीं बल्कि फार्मर को भी यहां पर मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखा गया है इट फैसिलिटेट नॉट ओनली द न्यू वन बट ऑल्सो एग्जिस्टिंग वेराइटी यानी कि अभी नहीं नया वेरायटी ही केवल नहीं बल्कि जो पुराने ओल्डर वर्जन भी हैं उनको भी यहाँ पर एड करके रखा गया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव सीधा है कि आपको जो रिसर्चर है यानी जो रिसर्चर का मतलब कि जो भी ब्रीडर uh, है वो ब्रीडर को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ये अपनी नॉलेज यूज कर रहा है अपना रिसोर्सेज यूज कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाने में लेकिन आपको फार्मर को भी प्रोटेक्ट करके रखना है फार्मर के ऊपर में भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हैं तो दोनों को ही ये फार्मर राइट और साथ साथ में रिसोर्चर्स राइट दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है ये यहाँ पर प्रोटेक्शन पीरियड दिया गया है ट्री और वाइन के लिए एटीन ईयर्स पंद्रह साल अदर क्रॉप के लिए पंद्रह साल एक्सटिंक्ट क्रॉप के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज को देखेंगी तो यहां पर इंस्टीट्यूशन है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी ये मेनली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है इसका मेन काम यही है कि जो भी नई प्लांट वैरायटी है उसको आप कॉमर्शियली और डेवलपमेंट करने के लिए नए नए चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है साथ ही साथ में एक ट्रिब्यूनल भी बनाई गई है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको आप जिसके जजमेंट को आप हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं राइट्स क्या क्या दिए गए हैं एक तो ब्रीडर राइट दिया गया है यानी वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहा है यानी ब्रीड कर रहा है उसके पास में अधिकार है कि वो सेल कर सकता है मार्केट कर सकता है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसको इंपोर्ट कर सकता है एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि भाई वही बनाया है ही इज द करता धरता ही इज द फादर ऑफ दैट थिंग रिसर्चर के लिए कहा गया है कि आप कोई सी भी वैरायटी को यूज कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप रजिस्टर्ड वैरायटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मर के लिए भी यहां पर प्रोटेक्शन दी गई है फार्मर को यह बोला गया है कि आप नई वैरायटी को रजिस्टर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं साथ में ना सिर्फ केवल आप उसको अगले साल के लिए रख सकते हैं यूज कर सकते हैं बल्कि आप बो भी सकते हैं और मार्केट में आप उसको सेल भी कर सकते हैं अब लेकिन दिक्कत यह है कि जो भी ब्रांडेड सीड होंगी उसके लिए आप इंटाइटल नहीं है फार्मर इंटाइटल नहीं होंगे कि आप उस चीज को सेल कर सके सेल नहीं कर सकते हैं सीड को आप नहीं सेल कर सकते समझिएगा सीड को आप सेल नहीं कर सकते हैं लेकिन सीड से आप सीड को बना सकते हैं और उसको पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं पर्सनल मतलब खुद का इस्तेमाल करेंगे और फिर मार्केट में आप उसको सेल भी कर सकते हैं लेकिन सीड के डायरेक्टली आप सेल नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर मान लेते हैं कि जो वैरायटी आपने खरीदी है जेनेटिकली मोडिफाइड की अगर वो काम नहीं करती है परफॉर्म नहीं करती है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट प्लान एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो कि अडॉप्ट की गई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट के अंतर्गत और इंडिया इसका मेंबर नहीं है बस आपको यही ध्यान रखना है बस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि ये क्या एन जी है या फिर जो होता है एन है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप बताएंगे नो दिस इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई है प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स को लेकर के बनाई गई है अब इससे होगा क्या प्लांट का जो जेनेटिक रिसोर्स है यानी कि इसके जो डी वगैरह होते हैं इससे हम फूड और एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम कर सकते हैं यानी कि इसकी जो जेनेटिक मोडिफिकेशन है उस पर हमें मेन यहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह किया गया है इसके बारे में जरा समझते हैं इसके बारे में समझने के लिए ओके इसके बारे में समझने के लिए हम लोग चलेंगे एफ के ऊपर में एफ में एक आ, ट्रीटी है दैट इज ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है उसका नाम है ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट इस फार्मर्स राइट right के अंतर्गत दिल्ली फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया गया है बात समझ में आई एफ की ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने अपना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है और इस मीटिंग में दिल्ली फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया गया है तो दिल्ली फ्रेमवर्क है क्या आखिर में दिल्ली फ्रेमवर्क है कि जितनी भी यूएन इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि यूएन की जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको आपस में सिनर्जी लेकर के आनी है मतलब आपस में ये मिल करके काम करेंगे इसके अलावा जो फार्मर के द्वारा मैनेज किया हुआ सीड सिस्टम है यानी कि जो ट्रेडिशनल वैरायटी की चीजें हमारे पास में है उसकी भी मार्केटिंग करनी है उसका प्रोडक्शन करना है साथ ही साथ में फार्मर सेंट्रिक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज को भी बिल्ड करना है बात समझ में आई यहां पर आपको इंडिजनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा यानी कि जो भी यहां पर ट्रेडिशनल चीजें हैं उन ट्रेडिशनल चीजों को प्रोटेक्ट और मॉडर्न तरीके से किस तरीके से मार्केट में लेकर के आना है इस पर बातें की गई हैं इस ट्रीटी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो ट्रीटी है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कंजर्व करती है यूज करती है और मैनेज करती है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ये सवाल बाट जो हमारा वॉल्ट बनाया गया है जहां पर इसी तरीके के हर एक वैरायटी यानी कि जितने भी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है सीड वॉल्ट की एनिवर्सरी अभी रिसेंट में ही थी नॉर्वे के द्वारा मतलब नॉर्वे में रखा गया नॉर्वे के द्वारा फुल्ली फंडेड किया गया है कुछ और भी छोटे मोटे न्यूज़ है जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है नई रिसर्च में ये पाया गया है कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं ये एक परसेंट से भी कम जो अर्थ का सरफेस है उस पर मौजूद है लेकिन ये बीस परसेंट से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने आप में एक यूनिवर्सल वैल्यू रखती हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के अंतर्गत ये रजिस्टर की जाती हैं अलग अलग तरीके की होती है जैसे कल्चरल होती है नेचुरल होती है मिक्स होती है इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें 34 कल्चरल है सात नेचुरल है और एक जो है वो मिक्स्ड टाइप है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ग्रेट हिमालयन हो गया नंदा देवी हो गया केवला देव हो गया काजीरंगा हो गया मानस हो गया सुंदरवन हो गया काजी रंगा इसमें से मिक्स्ड है और एकमात्र है इसलिए पूछा भी जा सकता है क्या प्रिंसिपल है प्रिंसिपल सीधा है लोगों का नेचर के साथ में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए सस्टेनेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिबिलिटी कंजर्वेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा नेक्स्ट है ब्राजेविले समिट ये जो ब्राजेविले समिट है ये कांगो में ब्राजेविला कांगो की बेसिकली कह सकते हैं कि राजधानी है इनका मेन काम क्या है इनका मेन काम है जो ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी है या फिर बोल सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इनको कंजर्व करके रखना है दैट्स इट इनको कंजर्व करके रखना है तीन जगह हैं एक है कॉन्गो बेसिन दूसरा है एमेजॉन बेसिन और तीसरा है बोर्नियो मीकोंग जो साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है तो मेन काम इन्स का क्या है ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है सेफ दैट इज सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट ये निकाली गई है यूनाइटेड नेशंस और ये कोऑर्डिनेट की जा रही है यूएन की ही ऑर्गेन मतलब संस्था है ड्रग्स एंड क्राइम यहां पर मेन काम क्या है सेफ ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और जो जूनोटिक डिसीजेज हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से आगे हमें इससे बचाव करना है क्योंकि इन फ्यूचर पैंडमिक जिस तरीके से आ रही है अगर आती है तो किस तरीके से बचाव करना है वो ये काम यहां पर किया गया है अब जितने भी कंट्रीज हैं यही जो हमारी जो जो है बैट वगैरह है, खाती हैं जैसे लाहौस हो गया वियतनाम हो गया थाईलैंड हो गया चाइना इस एरिया को ही मेनली इनिशियल कंट्री सेलेक्ट किया गया क्योंकि यहीं से कोरोना निकला था नेक्स्ट बेलम डिक्लेरेशन ये जो बेलम डिक्लेरेशन है ये अगेन इसी आ, मतलब इंडिजिनस पीपल के डिसीजन और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर, करने के लिए ही बनाया गया है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेलम डिक्लेरेशन क्या है सो दिस इज सिंपल अमेजोन को अमेजॉन को ऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बनाया गया है मेन काम इनका यही है कि इंडिजिनस पीपल को डिसीजन मेकिंग में लेकर के आना है और मेनली यहां पर वही है हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक तरीके से बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन दिस इज इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ठीक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ तो अगेन वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा मिलकर के बनाया गया है बस यहाँ पर काम यही है कि जो रिंडर पेस्ट कैटल प्लेग फैला हुआ है इसके रिस्पांस में बनाया गया है हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया इसका मेम्बर है बस ये ध्यान रखना है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने यह कहा है कि एक वैरायटी है एक डाइवर्सिटी है वकीटा पॉरपोइज वेल्स नाम थोड़ा सा याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एक्सटिंक्ट हो सकता है अभी हाल फिलहाल में इसका जो स्टेटस है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड का इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में बात करें तो एक इंटरनेशनल कमीशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग को लेकर के बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया भी इसका मेंबर है इसका मेन काम यही है कि जितने भी वेल्स वगैरह हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, ट्वेंटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बेसिकली हुआ क्या था 1992 में आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशंस की अपनी कन्वेंशन हुई थी जिसे हम लोग रियो समिट या आर्ट समिट के नाम से जानते हैं यहां पर यू बनाया गया था इस यू को इंडिया ने भी रेटिफाई किया था और अल्टीमेटली चूंकि इंडिया ने रेटिफाई कर दिया यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के कुछ ना कुछ यहां पर हमें भी कानून बनाना पड़ेगा और उसी के तहत अल्टीमेटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का बनाया गया था और ये कहा गया था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किस तरीके से हम प्रिजर्व करेंगे कंजर्व करेंगे मेंटेन करेंगे रेगुलेट करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा तो अभी हाल फिलहाल में इसी एक्ट की अमेंडमेंट की गई है और ये 2023 में बेसिकली की गई है जिसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर में ये जो एक्ट है और इसमें क्या चेंजेस हैं क्या क्या किया गया है सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ एग्जम्शंस की 2002 वाला जो एक्ट था ये कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करके यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर यहाँ पर बहुत ज्यादा लिया गया था यहां पर यह बोला गया था अगर किसी भी तरीके की बायोलॉजिकल रिसोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको पहले से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है अब रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर यहाँ पर तीन अथॉरिटीज हैं एक है नेशनल बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है यहाँ पर यह चीज़ मैंशन किया गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दूसरा है आपका स्टेट बायोडाइवर्सिटी तीसरा है जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो नेशनल लेवल पे होती है ये चेयर की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा सिमिलरली जो स्टेट लेवल पे है ये मुख्यमंत्री के द्वारा और जो लोकल लेवल पे होती है ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा ये चेयर किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है यानी कि, कि किसी भी तरीके की किसी भी रिसोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है देन यू नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल वही चीज़ अगर हम लोग देखें तो अब एक नया अमेंडमेंट किया गया है और इस अमेंडमेंट में पहले अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं फिर थोड़ा सा इसकी डिटेल यानी कि थोड़ा सा इसकी एनालिसिस हम लोग देख लेंगे कि क्या इसमें क्रिटिसिज्म क्या कहा जा रहा है समझिएगा यहां पर यह कहा गया कि ठीक है बायोलॉजिकल रिसोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है देन यू नीड प्रायर अप्रूवल लेकिन कुछ लोगों को एग्जिम्ट किया गया है जैसे जो भी आयुर्वेद यूनानी यानी आयुष के जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उन लोगों को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इसके अलावा जो भी लोकल पीपल या जो कम्युनिटीज हैं उनको भी किसी भी तरीके की पहले से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर मान लेते हैं कोई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कोई एक पर्टिकुलर जीन है जैसे आप समझिए कि गेहूं की कोई एक जीन आ गई ठीक है वीट की कोई एक जीन आ गई मान लेते हैं एफ एल फाइव करके तो इसके लिए अब इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है इसका एक पेटेंट रजिस्टर कर देते हैं तो पेटेंट रजिस्टर करने के लिए पहले क्या होता था कि आपको पेटेंट जैसे ही आप फाइल कर रहे हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को लेकर के तो आपको जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है दैट इज़ इस एन इसको बताना होता था होता क्या है जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो एक फाइल मतलब कि बेसिकली ये अपना एक वेबसाइट है जहाँ पर आप ट्रेडमार्क पेटेंट या फिर कॉपीराइट ये सब चीज़ें ले सकते हैं तो जब भी आप एप्लीकेशन लेंगे तो फिर अल्टीमेटली एन को भी एक लेटर चला जाता है और वहाँ से ये लोग जो भी मतलब आई लेना चाहते हैं अप्रूवल लेनी पड़ती है एन से अब देखिए कई सारे ऐसे भी मतलब पेटेंट एप्लीकेशन होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं तो इससे एन के ऊपर में जबरदस्ती का एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया तो ये कहा गया इसके अमेंडमेंट में यह किया गया कि चलो ठीक है एक काम करो आई लेते समय नहीं आई जब एक्चुअल में ग्रांट होने वाली है यानी कि होता क्या है समझ लीजिए पहले मान लेते हैं कि आई किसी भी तरीके का आप लेना चाह रहे हैं मैं बोल देता हूँ चलिए ट्रेडमार्क ले लेते हैं ठीक है ट्रेडमार्क लेने के लिए आपने अपने जो कंपनी सेक्रेटरी है उससे बात किया फिर अल्टीमेटली एक अपना एफिडेविट लगता है तमाम और भी चीज़ें लग जाती हैं जो भी आपकी ट्रेडमार्क है वो सब आपको देना होता है और अल्टीमेटली चला जाता है चला जाने के बाद में यहाँ पर पहले एक बार छानबीन की जाती है अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लग जाता है जब ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर हो जाती है तो अल्टीमेटली अब ये प्रोसेस में चला जाता है और बाद में अल्टीमेटली रजिस्टर्ड करके आ जाता है जब तक आपकी चीज़ें रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप टीएम करके लिख सकते हैं इस तरीके से तो ट्रेडमार्क को लेकर के कि अभी अंडर प्रोसेस है तो अगर मान लेते हैं आपने जस्ट एक एप्लीकेशन दिया तो बहुत सारे ऐसे 99% केसेस में ऑब्जेक्शन आता ही आता है तो जब ऑब्जेक्शन निकल गया और रजिस्टर्ड होने वाली है तब जाकर के आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है एनबीए से बजाय कि पहले ही तो इससे जो वर्कलोड है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा और ज़्यादा बेटर हो जाएगा बेनिफिट शेयरिंग अभी तक जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या जो भी इससे रिलेटेड नॉलेज है उसे लोकल कम्युनिटी के साथ में शेयर करना होता था सीधी सी बात है अगर मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आप यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं और आप जा करके इनके रिसोर्सेज को यूज़ कर ले रहे हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिला तो जो ये रिसोर्स इस एरिया के थे वहीं पर अगर मान लेते हैं नहीं यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं एक बगावत हो जाएगी तो इसीलिए कहा गया कि जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसे लोकल कम्युनिटी के साथ में हमें शेयर करना पड़ेगा लेकिन अब यहाँ पर कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज जिनके पास में उस उस उन लोगों को ये एक्जम्ट कर दिया गया है सवाल ये उठता है कि ये जो कोडिफाइड सवाल ये उठता है कि ये जो ये कोडिफाइड वाला केस है ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज आखिर में है किसके पास में कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब ये हो गया कि वो सभी जो रिसर्चर हैं या जो भी आ, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के रखे हुए हैं बायोलॉजिकल सर्वे या फिर बायो यूटिलाइजेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उन लोगों को मतलब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं इज इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन तो ये कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन का केस है जो मेन केस एक्चुअल में क्या था कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट लोकल लोगों के लोकल लोगों को बेनिफिट शेयरिंग के लिए और साथ साथ में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी अभी आप अगर देखेंगे इस अमेंडमेंट एक्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा ही कॉमर्शियलाइजेशन का केस देखने को मिलेगा इन द नेम ऑफ़ लोकल पीपल के साथ में शेयर करने का कहीं ना कहीं ये जो शेयरिंग है वो एक कॉमर्शियल बेसिस पर की जा रही है और इसीलिए इनफैक्ट इस अमेंडमेंट का जितने भी आ, मतलब लिस्ट हैं वो लोग भी इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइजम कर रहे हैं अब यहाँ पर अगर देखें पेनाटीज को लेकर के तो पहले ये होता था कि अगर मान लेते हैं किसी भी तरीके का अप्रूवल अगर आप नहीं लिए हैं किसी तरीके की कोई फेलियर होती है गलती होती है तो पनिशमेंट दी जाती थी पाँच साल का इम्प्रिजनमेंट होता था और साथ साथ में फाइन भी होती थी लेकिन अब उस चीज को थोड़ा सा मतलब डाइल्यूट कर दिया गया है अब यह कहा गया है कि एक लाख से पचास लाख तक का आपको फाइन देना पड़ेगा मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम एक करोड़ का देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इम्प्रेजनमेंट और अगर इम्प्रेजनमेंट नहीं होती है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस से आप एक सिंपल ऑफेंस में केवल और केवल बदल दिए हैं कहीं ना कहीं दिस इज डाइल्यूशन ऑफ द एक्ट इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ एन कर दिया गया है कि पहले जो अलग अलग मेंबर्स हुआ करते थे वो अब और ज्यादा मेंबर हो जाएंगे बात यहां पर ये नहीं है बात यहां पर ये है जो मेन इसका वो है इसके इस कॉमर्शलाइजेशन टेक्निक को अब यहां पर केवल और केवल इंडियन कंपनीज ही नहीं बल्कि जो फॉरन कंपनीज हैं यानी फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं क्योंकि आयुष को लेकर के चीजें बनाई जा रही हैं तो जितने भी फॉरन की चीजें हैं अब फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहां पर अट्रैक्ट होगा क्योंकि अब इस एक्ट में एक और प्रोविजन ये किया गया है कि जो भी यहां पर इंडियन मतलब जो इंडियन कंपनीज हैं और जो फॉरेन कंपनीज हैं फॉरेन कंपनीज विल गेट द सेम बेनिफिट व्हाट द इंडियन कंपनीज आर गेटिंग तो ये चीज इसका किया गया है इसके सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको यूज किया जाता है मेडिसिन वगैरह बनाने में उसके कल्टिवेशन के लिए भी बात कही गई है तो इससे जो वाइल्ड मतलब एक प्रेशर पड़ता है एक रिडक्शन मतलब जो एक दबाव रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा इसके अलावा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इनकरेज किया जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा यहां पर इन्हेंस करने की कोशिश की जा रही है इसके अलावा फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च पेटेंट प्रोसेस एंड ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिसल्ट किया जा रहा है प्राइमा फीसी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा दिस इज गुड बट एक्चुअल में दिस इज अ केस ऑफ कंप्लीट कॉमर्शियलाइजेशन कंप्लीट कॉमर्शलाइजेशन का केस यहां से हमें देखने को मिलेगा इन द नेम ऑफ मेकिंग मेडिसिन मेडिसिन बनाने के नाम पर यहां पर ये यह सारी चीजें की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सब कहीं ना कहीं मतलब यहां पर केसेस ये सब उठ रहे हैं जिसके कारण से क्रिटिसिज्म वगैरह भी किया जा रहा है यूएनसीबी के बारे में अगर बात करें 1992 में ड्राफ्ट किया गया था तीन यहां पर मेन इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं एक है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दूसरा है जो भी इसके कंपोनेंट है उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए और साथ में जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी हमें इक्विटेबल शेयरिंग फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी होगी लोकल लोगों के साथ में तीन यहां पर मेन प्रोटोकॉल्स हमें देखने को मिलते हैं एक नगोया प्रोटोकॉल काटेगिना और नगोया कुआल सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी तो मेन ये तीनों चीजों के बारे में आपको मेन ध्यान रखना है कि क्या चीजें हैं एक और चीज बनाई गई है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि एन बनाई जा रही है नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन जहां पर जितने भी लोग इंडिया में हैं उनका एक रजिस्टर बनाया जा रहा है सेम वैसे ही यहां पर भी जो हमारी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है यह भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जहां पर जो भी लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्स है या तो अवेलेबल है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सारी चीजें लिखी जाएंगी मतलब वहां की ज्योग्राफी किस तरीके की है वहां का जो रिसोर्स है वो किस तरीके का है इसका क्या यूज हो सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जो कॉमर्शलाइजेशन या फिर बोल सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी उसे एन यानी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों के दोनों का ही हमें एक सहारा देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी एक अमेंडमेंट किया गया है इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थी वो 1972 की है और इसमें कई सारे हालांकि बीच बीच में चेंजेस किए गए थे अभी रिसेंट में एक और अमेंडमेंट किया गया है ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें दो रूल नए ऐड किए गए हैं एक है वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल रूल इस रूल के तहत यह कहा गया है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की आर्टिकल या ट्रॉफीज हैं जैसे मान लेते हैं बारा सिंगा हो गया उसको मार दिया गया उसके जो सींग वगैरह निकल करके होते हैं कई लोग अब वो अपने ड्राइंग रूम में चिपका लेते हैं मतलब रख लेते हैं तो ये सारे आर्टिकल जितनी भी चीजें होती हैं दिस इज स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और इसे किस तरीके से डिस्पोज करना है वो इस लॉ में बताया गया है इसके अलावा जो डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन या फिर वाइल्ड लाइफ जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं या ऑफिसर्स होंगे यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह हैं बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट इंसिनरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे यानी कि किस तरीके से इसे इंसिनरेट करना है किसे किस तरीके से डिस्कार्ड करना है वो अब ये अथॉरिटी मेनली बताएगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर जो डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है इंसनरेशन एक कमेटी के मतलब प्रेजेंस में किया जाएगा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा कंस्टिट्यूट की जाएगी दूसरा जो चेंज किया गया वो है ब्रीडर ऑफ स्पीसीज लाइसेंस जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर कोई स्पीसी उसकी ब्रीडिंग की जा रही है ठीक है मान लेते हैं कोई स्पीसी उसकी ब्रीडिंग की जा रही है जैसे जोरासिक पार्क आप लोगों ने देखा होगा डायनासोर की ब्रीडिंग उसमें की गई थी तो इसी तरीके से अगर कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लेते हैं कि कोई ब्रीडिंग कर रहा है तो ब्रीडिंग करिए लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको बताना होता है जो भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज एंड देन यू कैन जो भी यहाँ पर आप, आप आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कर रहे हैं वो ब्रीडिंग आप कर सकते हैं कुछ और भी यहां पर नए चेंजेस जो किए गए हैं उसके बारे में यहां पर बोला गया है कि जो शेड्यूल पहले छे हुआ करते थे उसको घटा करके चार कर दिया गया है एक है शेड्यूल नंबर वन जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि बोल दिया जाता है ना जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड जैसे रेड लिस्ट होती है सेम वैसे ही यहां पर हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है शेड्यूल नंबर वन में शेड्यूल नंबर टू में लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है शेड्यूल नंबर थ्री में प्लांट्स के बारे में बात की गई है और शेड्यूल नंबर फोर में जो साइड्स के लोग होते हैं उसके चीजों को ऐड कर दिया गया यानी साइट्स की चीजों के साथ में अब ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है एक्चुअल में क्या था कि पहले एक वर्मिन कैटेगरी हुआ करती थी वर्मिन कैटेगरी को हटा दिया गया है अब वर्मिन कैटेगरी को अगर हटा दिया गया है तो कैसे वर्मिन डिक्लेयर होगा वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट एक नोटिफिकेशन निकाल देगी और बोल देगी कि हाँ ठीक है हिमाचल के जो बेसिकली है उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है यू कैन किल सिमिलरली इसी तरीके से साइट्स के एप्लीकेशन को भी ऐड किया गया है सेंटर को यह भी इंपावर किया गया है कि आप प्लांट या एनिमल स्पीसीज जो भी होंगे जो इंडिया के नहीं हैं यानी कि इन्वेसिव एलियन स्पीसी हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा इसके अलावा एलिफेंट को बोल दिया गया है कि आप रिलीजियस और बाकी अदर पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैनेजिंग अथॉरिटी और एक साइंटिफिक अथॉरिटी बनाएगी जिससे कि जो भी स्पीसीज हैं यानी जो भी स्पीसीज के स्पेसमैन है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाएगा जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जानवर है उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर किया जा रहा है तो फिर ये जो अथॉरिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसके द्वारा रेगुलेशन की जाएगी इसके अलावा जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है यही सारे सेंचुरीज का जो स्टेट में सेंचुरीज हैं उसको कंट्रोल मैनेज या फिर मेंटेन करने का काम करेगा तो ये हो गया जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नए चेंजेस किए गए हैं अब कुछ यहां पर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एक है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर बात किया जाए तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का पचासवां साल हो गया था और अभी रिसेंट में मैसूर कर्नाटका में ही इस चीज को कमेमोरेट किया गया था यानी कि एक मतलब इसको मनाया गया था फेस्टिवल के तौर पे। अगर बात करें तो यहां पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था बिग कैट अलायंस यहां पर सात कैटेगरी में जो कैट्स होती है उनको इंक्लूड किया है कौन कौन से सात हैं टाइगर लॉयन लियोपर्ड स्नोलियोपर्ड चीता जगुआर और पुमा अभी हाल फिलहाल पांच साल के लिए दिया गया है सपोर्ट और फंडिंग के लिए 800 करोड़ है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जो ये आई बी सी है यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है और यहां पर मेनली जो पोचिंग होती है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है उसको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो नाइनटीन में बनाई गई थी शुरुआत में नाइन टाइगर रिजर्व थे अलग अलग स्टेट्स में थे अब तो खैर बढ़ गए हैं काफी ज्यादा हो गए हैं

जो एन है वो देख रहा होता था तो अभी नया डिवीजन बनाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही रहेगा अब यहां पर कहा यह गया है कि चलो ठीक है जो प्रोजेक्ट टाइगर वाले लोग हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर के जो आ, मतलब एडिशनल डायरेक्टर हैं एडीजी हैं एडीजी इनको रिपोर्ट करेगा और जो एलिफेंट वाले के लिए हैं वो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट को रिपोर्ट करेंगे अब ये क्या है कि एक एडीजी बना दिया गया है जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों को ही देखेगा क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर बनाई गई थी कहा गया था कि नए नए टाइगर रिजर्व बनाए जाएंगे टोटल पचपन इसके अलावा जो भी कोर एरिया में होगा वहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज को रोक दिया जाएगा एम स्ट्राइप्स टेक्निक बनाई गई है जिसके थ्रू अल्टीमेटली जो टाइगर्स हैं उनकी काउंटिंग की जाती है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की जाती है MEE एक फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जिसके थ्रू अल्टीमेटली टाइगर को मॉनिटर किया जाता है संख्या गिनी जाती है स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया है जिसके थ्रू एंटी पोचिंग जो होती है यानी किलिंग उलिंग जो कर देते हैं उस चीज को रोकने के लिए बनाया गया है ई e बर्ड प्रोजेक्ट जहां पर uh, मतलब यू यानी कि जो ड्रोन वगैरह है उसके थ्रू सर्विलांस की जाएगी और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो यह शेड्यूल नंबर वन के अंतर्गत आता है और अपेंडिक्स अगर साइट्स के साइट्स में अगर देखें तो अपेंडिक्स वन में आती है और इंडेंजर्ड कैटेगरी मानी गई है इंडिया का ये नेशनल एनिमल है और साथ में इनकी जो संख्या है मेनली बांग्लादेश नेपाल भूटान इंडिया तो सॉरी चाइना और म्यांमार यहाँ पर देखने को मिलती है जैसे मेनली आपका जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये जो इलाका है ये आपका चाइना हो गया नेपाल हो गया आ, सिक्किम और ये आपका जो भूटान है म्यांमार है बांग्लादेश है ये पूरा एरिया में हमें देखने को मिल जाता है मिली अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक अम्ब्रैला स्पीशीज है और साथ में एक की स्टोन स्पीसी भी है अम्ब्रैला मतलब ओवर द टॉप यानी कि टॉप लेवल पे रहता है कार्निवॉर है और की स्टोन स्पीसी मतलब पर्टिकुलर इलाके के लिए एक यूनिक एलिमेंट के तौर पर काम करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये एक स्टैटूटरी बॉडी है जो कि टाइगर कंजर्वेशन और टाइगर प्रोटेक्शन का मेन काम करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के तहत इसको लॉन्च किया गया था यहां पर मिनिस्टर इन चार्ज जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये वाइस चेयरपर्सन होते हैं इनका जो मेन काम है वो है स्टैटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर इसके अलावा सेंटर स्टेट में जो भी प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के मैनेजमेंट करना है वो इसके द्वारा ही हो करके जाती है इसके अलावा पार्लियामेंट के द्वारा हमेशा इसको ओवरसाइड किया जाता है और जो भी लाइवलीहुड लोकल लोगों की है उसको भी ये एड्रेस करता रहता है रिपोर्ट्स इसके द्वारा निकाली गई है जैसे स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रीडेटर एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट यहां पर बोला गया है कि जो 75 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है वो अभी इंडिया में ही मेनली रहती है इंडिया में भी कहाँ सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश वगैरह वाला जो एरिया है शिवालिक का एरिया और गेंगटी प्लेन इस एरिया में ही प्राइमरली हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें टाइगर में इंक्रीज भी देखने को मिली है टाइगर की संख्या को मतलब मॉनिटर करने के लिए एम स्ट्राइप्स एक टेक्नीक होती है कैमरा ट्रैपिंग टेक्नीक होती है और एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डी भी एक है यहां पर इस रिपोर्ट के कुछ स्टेटस दिए गए हैं जैसे मध्य प्रदेश में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है तो मध्य प्रदेश की संख्या सबसे ज्यादा फिर कर्नाटका उत्तराखंड महाराष्ट्र एंड लास्ट में तमिलनाडु हो जाती है सीक्वेंस आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पर थोड़ा सा और भी है कि संख्या कहां पर नहीं है तो नागालैंड में कोई यहां पर टाइगर की संख्या नहीं पाई गई है मिजोरम में भी नहीं है झारखंड में संख्या गिरी है गोवा में बढ़ी है और अरुणाचल में भी गिरी है कहा पर टाइगर रिजर्व मतलब कहां पर ऐसे है जहां पर टाइगर है ही नहीं एक तो मिजोरम अभी हम लोगों ने देखा यहां पर मिजोरम में जो दाम्पा है दाम्पा टाइगर रिजर्व है यहां पर नहीं है कामलांग अरुणाचल प्रदेश यहां पर भी नहीं है कवल तेलंगाना यहां पर भी नहीं है सतकोशिया उड़ीसा और सयाद्री महाराष्ट्र यहां पर भी हमें देखने को टाइगर की पॉपुलेशन नहीं मिलती है हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में देखने को मिलती है बांदीपुर में देखने को मिलती है नागरहोल कर्नाटका बांधवगढ़ में देखने को मिलती है और दुधवा में देखने को मिल जाती है अब यहां पर कुछ एमईई ई यानी जो अभी हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेलुएशन है इस टेक्निक के थ्रू अपनी एक रिपोर्ट निकाली गई है इसमें यह कहा गया है कि जो आ, मतलब टाइगर एन है यह एन अल्टीमेटली डिजाइन एंड प्लानिंग एडिक्यूसी अप्रोप्रिएटनेस एंड डिलीवरी इसके थ्रू यह हमारा इवेलुएशन किया जाता है इसके थ्रू इक्यावन टाइगर रिजर्व इवेलुएट किए गए हैं और इसमें बेस्ट रला का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है इसको माना गया है इसमें कोई भी पुअर कैटेगरी में नहीं दिया गया है इसके अलावा टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड और कुछ और भी छोटी मोटी न्यूज है जैसे कि एक न्यूज है आपकी धोलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में धोलपुर रिजर्व धोलपुर करौली टाइगर रिजर्व एक नया मतलब टाइगर रिजर्व बनाया गया है और ये राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर है है तो ये राजस्थान में राजस्थान में इस तरीके से टोटल पांच टाइगर रिजर्व हो गए हैं एक रणथंबोर सरिस्का मुकुंद्रा और रामगढ़ और एक और बन गया आपका धौलपुर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट टाइगर ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है अभी जैसे महावीर कान्हा टाइगर रिजर्व से और सुंदरी बांधोग टाइगर रिजर्व से सतकोशी टाइगर रिजर्व में लेकर के गए थे हालांकि ये दोनों की डेथ हो गई थी दोनों बच नहीं पाए थे लेकिन इस तरीके के प्रोजेक्ट एक्चुअल में लेकर के आने हैं जिससे कि संख्या इनकी बढ़े यूएन की इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटाट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ टाइगर प्रोग्राम इस प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तहत जो स्पीसी का टाइगर है उसको बढ़ाना है इसे 2014 में लॉन्च किया गया था इट इज अ स्ट्रैटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म और यह सपोर्ट की जाती है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री के द्वारा ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत 60 परसेंट टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और यह तेरह कंट्री में हुई है इट हैज इवॉल्ड अंडर द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इन 2010 टेन वा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन तो यहां से आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के तहत की गई है और 60 परसेंट पॉपुलेशन हमें तेरह कंट्री में बढ़ती हुई देखने को मिली है प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट चीता एक अगेन स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया था जैसा सेम वही है आपकी जो बिग कैट फैमिली है उसी बिग कैट फैमिली की अब मेरी चीता भी होती है और यहां पर प्रोजेक्ट चीता के तहत तो इसको भी कंजर्व करने की बात कही जा रही है इसमें अगेन ये जो कमेटी है वो यही देखती है कि चीता की क्या मतलब संख्या है किस तरीके से ये ब्रीड कर रहे हैं इनकी डेथ वैथ नहीं होनी चाहिए अब एक्चुअल में ये कमेटी बनाई क्यों गई बनाई इसलिए गई थी क्योंकि हुआ ये था कि नामीबिया से कूनो टाइगर रिजर्व में टाइगर नेशनल पार्क में एक यहाँ पर जो है मतलब चीता भेजा गया था और इसका बेसिकली डेथ हो गया और डेथ होने के बाद में कमेटी बनाई गई कि भैया ये जो आ, मतलब चीता वगैरह लेकर के आ रहे हैं उसको थोड़ा सा देखिए उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर एटलीस्ट फिफ्टी चीता को साउथ अफ्रीका से मेनली लेकर के आना है और इसे अलग अलग नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करेंगे अगले पाँच साल पे एन को देखेगी और इसका जो मेन फंडिंग आ रहा है प्रोजेक्ट टाइगर और जो कैंपा है यहाँ से आएगा आपको बस ये ध्यान रखना है ये जो कमेटी है वो काम क्या क्या करती है चीता 1952 में ही एक्सटिंग डिक्लेयर हो गए थे और यह पहला ऐसा स्पीसी है जो 1947 से ही मतलब कि आजादी के समय से ही एक्सटिंक्ट माना जा रहा है कई सारे मतलब अच्छे प्रोग्रेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं जैसे आउट ऑफ सिक्स क्राइटेरिया यहाँ से फोर क्राइटेरिया मेट हो गए हैं यानी कि मीट हो गए हैं जैसे कि आ, हम लोगों ने क्या क्या किया है फिफ्टी परसेंट सर्वाइवल ऑफ इंट्रोड्यूस्ड चीता स्टैब्लिशमेंट ऑफ होम रेंज बर्थ ऑफ कर् इन कब इन कूनों हालांकि बच नहीं पाया था डेथ हो गई थी रिवेन्यू टू लोकल कम्युनिटीज रिस्टोरेशन के लिए दो टाइगर रिजर्व यहां पर आ, मतलब सेलेक्ट किए गए हैं एक हो गया नौरादेही और गांधी सागर दोनों ही मध्यप्रदेश में है तो ये मेन चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट ने को जो चीता है उसकी ब्रीडिंग के लिए बन्नी ग्रासलैंड को भी देखा है अप्रूव किया है ये जो बन्नी ग्रासलैंड है ये गुजरात में देखने को मिल जाती है ट्वेंटी चीता अभी रिसेंट में ट्रांसलोकेट किए गए थे आठ नामीबिया से किए गए थे और साउथ अफ्रीका से बारह किए गए थे इन लोगों को कूनो नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में है यहां लेकर के आया गया था नाइनटीन चीता अभी इंडिया में है छह की डेथ हो गई थी चार जो है न्यू बॉर्न कप्स थे अब दो तरीके की चीता है एक अफ्रीकन है दूसरा एशियाटिक है जो अफ्रीकन है ये वलरेबल सेक्शन में इसकी आयु की कैटेगरी आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड या आ जाती है एशियाटिक चीता की जो एशियाटिक चीता है ये प्राइमरली पाए जाते हैं केवल और केवल ईरान में और वही अगर अफ्रीकन के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट और और वेस्ट और साउथ अफ्रीका सदर्न अफ्रीकन एरिया में ये मेनली पाए जाते हैं जो अफ्रीका वाले होते हैं ये बड़े होते हैं और जबकि जो ईरान वाले होते हैं ये छोटे होते हैं आई की स्टेटस में ये अगेन शेड्यूल जो अपेंडिक्स वन है यहां पर इनको काउंट किया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर के कई सारे अगेन छोटे छोटे स्कीम्स वगैरह चलाई गई थी जैसे हाथी मेरे साथी गज माइक तो इस तरीके से कई सारे यहां पर प्रोजेक्ट वगैरह चलाए गए हैं हाथी मेनली पाया जाता है इस एरिया में मानस ओरांग नामेरी ठीक है डिब्रू सैखोवा काजीरंगा इस एरिया में मेनली पाया जाता है तो हाथी का जो ये प्रोजेक्ट है इसके भी तीस साल हो गए हैं तो इसीलिए अगेन इसको भी कमेमोरेट किया जा रहा है हाथी मेनली ईस्टर्न हिमालय इसके अलावा गोलाघाट नागांव डिस्ट्रिक्ट इन सब एरियाज में मेनली पाया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर बात करें 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्टार्ट किया गया था यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी जो कि टाइगर को देखेगी टाइगर किस तरीके से मॉनिटर प्रोटेक्शन ये सारी चीजें अगेन करना है अभी फिलहाल में तैंतीस टाइगर सॉरी तैंतीस एलिफेंट रिजर्व है और हाइएस्ट हाइएस्ट एलिफेंट हमें तमिलनाडु और असम में देखने को मिल जाता है इसके अलावा केरल और उड़ीसा में संख्या लिखी गई है यहां पर क्या क्या हाइएस्ट जो एलिफेंट रिजर्व है वो है एलिफेंट कॉरिडोर भी हमारे इंडिया में बनाया गया है एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब होता है एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने के लिए बीच में रोड आ जाती है अब रोड पे तो लोग जा रहे हैं तो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखने को मिलता है इसलिए बीच में ही एक रास्ता बना दिया गया है जिसे जंगल से ही आर्टिफिशियल जंगल बना दिया गया है जिसे ऐसा लगे कि ये जंगल और ये जंगल आपस में कनेक्टेड है तो इसी को बोलते हैं कॉरिडोर सबसे ज्यादा कॉरिडोर हमें वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिल जाते हैं इंडिया और नेपाल में इस तरीके के छह ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर बना करके रखा गया है हाथी अगर बात करें तो ये काफी इंटेलिजेंट एनिमल होता है और कुमकी एलिफेंट के बारे में समझ लीजिएगा बाकी ये सब तो कुछ खास होता नहीं है कुमकी एलिफेंट क्या चीज है कुमकी एलिफेंट का मतलब ये है कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए कुछ हमारे ट्रेंड एलिफेंट्स होते हैं जो ट्रेंड एलिफेंट्स होते हैं उन्हीं को बुलाता है कुमकी एलिफेंट इनका अगर हम लोग हैबिटेट देखें तो सेंट्रल सदर्न वेस्टर्न घाट नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया ईस्टर्न इंडिया एंड नर्दर्न इंडिया में प्राइमरली ये देखने को मिल जाते हैं मोर देन सिक्सटी परसेंट जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इंडिया में ही देखने को मिल जाते हैं उनतीस हजार नौ सौ चौसठ एलिफेंट इंडिया में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कर्नाटक में है फिर असम और केरल में हमें देखने को मिल जाता है यहां पर एलिफेंट भी दो तरीके का होता है एक होता है एशियन और दूसरा होता है अफ्रीकन यहां पर साइट्स में इनको अपेंडिक्स वन में रखा गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल नंबर वन में आते हैं एशियन एलिफेंट के बारे में अगर बात करें तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है अफ्रीकन वाले दो तरीके के हैं एक है सवाना वाला और एक है फॉरेस्ट जो सवाना वाला है वो इंडेंजर्ड है जबकि वही जो फॉरेस्ट वाला है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को हमें मिल जाता है एशिया वाले रिलेटिवली छोटे होते हैं साइज में और वही अगर हम लोग अफ्रीका वाले तो काफी बड़े होते हैं जैसा चीता के बारे में देखा वैसे ही यहां पर भी सेम चीज हो जाती है बाकी इसके अलावा गजराज भी एक एआई बेस्ड सेंसर बनाया गया है जिसके थ्रू मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होती है रेल एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है वो ना हो तो गजराज एक ए बेस्ड सिस्टम है इसके अलावा हर पांच साल पे सेंसस किया जाता है और जो भी ये एलिफेंट खाते हैं वही ट्रीज ये असम वगैरह में लगाया जा रहा है अगर आपसे सवाल पूछा जाए फॉरेस्ट का एक्सपेंशन कौन करता है फॉरेस्ट का एक्सपेंशन कौन करता है तो आंसर होना चाहिए एलिफेंट एलिफेंट ही एकमात्र ऐसा जीव है जो फॉरेस्ट की एक्सपेंशन कराता है एलिफेंट अपना खाएगा और उसके बाद से जहाँ पर भी ये मतलब अपना डंग निकालेगा यानी अपनी जो वेस्ट निकालेगा वहां से फिर नया पौधा निकल जाता है पेड़ नया निकल जाता है और उस तरीके से फॉरेस्ट का कन, मतलब कि एक्सपेंशन होते रहता है स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट राइनो जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे वाइट राइनो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ब्लैक राइनो जावा राइनो और सुमात्रा राइनो इसमें जितने भी हमारे बाहर वाले हैं यानी ब्लैक जावा सुमात्रा इनकी जो कैटेगरी स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेन्जर्ड है अगर वन हॉर्न राइनो के बारे में बात करें जो कि असम में देखने को मिलता है ये कैटेगरी में है और जो व्हाइट राइनो है वो नियर थ्रेटेड है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने अभी यह स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट जारी की है ये एक इंटरनेशनल कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में पाई जाती है इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है जो ब्लैक राइनो है इनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है जबकि जो व्हाइट और ये सुमात्रन राइनो है इनकी संख्या में डिक्रीज देखने को मिला है आप ऐसे समझ सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वैसे ही और ज्यादा इनकी थ्रेट है राइनो जो होते हैं वो तीन एशिया में पाए जाते हैं दो अफ्रीका में पाए जाते हैं व्हाइट और ब्लैक ये दोनों अफ्रीका में पाए जाते हैं आप ऐसे याद रखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ये आपका अफ्रीका में पाया जाएगा इसके अलावा सुमात्रा आपको पता ही है सुमात्रा कहां है जावा ये भी पता ही है और वन हंड राइनो जिसे इंडियन राइनो भी बोलते हैं ये असम में हमें देखने को मिल जाते हैं इनके जो हॉर्न्स होते हैं उससे क्रेटीन बनता है और क्रिएटेन से जितने भी मतलब हमारे अंदर में प्रोटीन बाल वगैरह जो भी चीज़ें यूज करनी होती है वो सब हो जाती हैं काफी एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं बड़े तेजी से ये तो स्विम करते हैं अगर यहां पर बात करें तो सारे ही राइनोस जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं बाकी इसके अलावा कुछ खास है नहीं इनकी जो मेन थ्रेट है वो पोचिंग से रिलेटेड है मेडिसिनल प्लांट वगैरह के लिए इन लोगों को मार दिया जाता है अपेंडिक्स वन में और वलेरेबल सेक्शन मतलब वलरेबल आईओ की लिस्ट में आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल नंबर वन में रखा गया है इसके अलावा एक प्रोग्राम चलाया गया है, स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम उसमें बाईस स्पीसी को कंसिडर किया गया और उसमें से राइनो भी एक स्पीसी माना गया है हैबिटाट मेनली नेपाल भूटान पाकिस्तान और इंडिया में हमें देखने को मिल जाते हैं इंडिया में मतलब उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल में और असम में भी देखने को मिल जाते हैं असम में सबसे ज्यादा संख्या है 71 परसेंट हमें देखने को मिल जाती है राइनो के लिए कई सारे और भी प्रोग्राम चलाए गए हैं जैसे कि नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 2019, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ऑन एशियन राइनोज इंडियन राइनो विजन 2020 जो असम फॉरेस्ट का भी और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा ये मिलकर के चलाया जा रहा है वल्चर वल्चर हमारे पास में कई तरीके के होते हैं जैसे यहाँ पर ये नौ तरीके के वल्चर दिए गए हैं व्हाइट वल्चर स्पलेंडर वल्चर इंडियन वल्चर जिसे जिप्स भी बोलते हैं रेड हेडेड वल्चर बियर्डेड वल्चर सिनेरस इजिप्शियन वल्चर और हिमालयन वल्चर अलग अलग तरीके के वल्चर हैं सारे मैक्सिमम क्रिटिकली नियर थ्रेटेंड है जैसे नियर थ्रेटेंड है सिनेरस वल्चर नियर थ्रेटेंड है इजिप्ट वाला जो है ये इंडेंजर्ड है अब देखिए थोड़ा सा याद करने वाली ही बात है सवाल यहां पर यह है कि वल्चर किस पर मतलब ये बेसिकली स्केवेंजर्स होते हैं स्केवेंजर्स का मतलब जो डेड एनिमल है उनको खाते हैं अब मान लेते हैं कि आपके पास में मान लेते हैं सपोज आ, कोई एनिमल है मान लेते हैं कुत्ता है आपके पास में ठीक है अब कुत्ता बेचारा बीमार हुआ उसको दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफिनैक दिया दिया आता था लेकिन कुत्ते की डेथ हो गई अब डाइक्लोफेनैक उसके अंदर में ही है तो कुत्ते को जब ये स्केवेंजर ये वेल्चर खाएगा तो ये जो डाइक्लोफेनैक है वो इसके अंदर में चला जाएगा इसका किडनी फेल होगा और उसकी डेथ हो जाएगी तो डाइक्लोफेनैक को बैन कर दिया गया है कि डाइक्लोफेनैक अब जानवरों को नहीं दे सकते हैं ध्यान रखना है डाइक्लोफेनैक जानवरों को नहीं दे सकते हैं ह्यूमन को आज भी डाइक्लोफेनैक दिया जाता है जितनी भी आपके वोलिनी आयोडेक्स जितनी भी चीजें हैं ये सब डाइक्लोफेनैक ही इसके अंदर में पड़ा होता है अब ये हाल फिलहाल में जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है इसने कहा देखो केवल डाइक्लोफेनैक नहीं बल्कि कीटोप्रोफिन और जो ये हमारा एसिक्लोफिनैक है ये दोनों भी सेम यही काम कर रहे हैं और इसी वजह से इनको भी हमें प्रोहिबिट करने की जरूरत है जो हमारा ये आ, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत इन लोगों को बैन किया जाएगा बैन करने में एक तो आ, जो हमारा कीटोप्रोफेन हो गया इसके अलावा एसीक्लोफिनाइक हो गया डाइक्लोफिनाइक हो गया निमेसुलाइड हो गया ये सब दर्द की वही दवा होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जिसके कारण से वल्चर वल्चर का जो है

ट्रिनिटी ऑफ लाइफ को दिखाने के लिए हमें फंगा वर्ड को भी ऐड कर देना चाहिए अब जैसे फ्लोरा फ्लोरा का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं फोना का मतलब एनिमल्स होते हैं और फंगा का मतलब होता है फंजाई जो होते हैं फंजाई का मतलब वही जैसे मशरूम वगैरह आप समझ लीजिए इस तरीके से जो चीजें होती है उसको फंजाई बोल देते हैं फंजाई जो होते हैं या ये मतलब सिंगल सेल्ड से लेकर के मल्टी सेलुलर से अलग अलग तरीके से हो सकते हैं इसके अलावा इनका जो थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो हैबिटाट को लेकर के होता है ओवर एक्सप्लाइटेशन और क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन तो सब लोगों के लिए एक प्रॉब्लम दे ही रहा है रेड सैंडर्स वुड डीजीएफटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसने रेड सैंडर्स वुड को जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें चेंजेस किए गए हैं क्या चेंज किया गया है समझिएगा पुष्पा मूवी आप लोगों ने देख रखा होगा वहां पर जो रेड सैंडल वुड है उसी की पुच मतलब उसी का इलीगल ट्रेड मेनली किया जाता था तो यहां पर कहा यह गया है पहले क्या होता था कि जो ट्रेड होता था उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो किया जाता था इम्पोर्ट तो नहीं कर सकते थे लेकिन जो एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता था इसके ऊपर में कोई कोटा नहीं था जितना कर सकते उतना करिए बस लाइसेंस लेना है अभी ये कहा गया है कि अभी हमें एनुअल एक्सपोर्ट कोटा लेना पड़ेगा जो भी आर्टिफिशियल प्रोग्रिगेटेड रेड सैंडर्स है उसके लिए और जो एक्सपोर्ट है उसके लिए आपको जीरो एक्सपोर्ट कोटा रहेगा वाइल्ड स्पेसमेंट के लिए तो अभी फिलहाल में यही एक चेंजेस किया गया है बाकी रेड सैंडर्स के बारे में आप लोग को पता है लाल चंदन की लकड़ी होती है और चंदन बेसिकली होता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल नंबर फोर में है ठीक है और साइड्स में अपेंडिक्स टू में इसको रखा गया है मेनली ये आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में हमें देखने को मिल जाती है जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर हमें देखने को ये मिल जाती है ठीक है अलग अलग इसके नाम है ये सारे नाम भी दिए गए हैं चाहे तो आप पढ़ सकते हैं अदरवाइज यू कैन स्किप दिस ऑल्सो इंडिया के अलावा यह हमें चाइना में भी देखने को मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है मेडिसिनल वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा है बाकी इसके अलावा फर्नीचर वुड क्राफ्ट में भी इसका यूज़ होता है और चंदन है तो सीधी सी बात है कि कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज़ किया ही जाएगा साइट्स रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड साइट्स रिव्यू अभी जो की जा रही है उसमें अलग अलग अपेंडिक्स होते हैं अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू अपेंडिक्स थ्री और सब में अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है जैसे साइट्स वन जो अपडिक्स वन होते हैं उसमें मोस्ट इनडेंजर्ड कैटेगरी होती है जो सेकेंड होती है इसमें रिलेटिवली थोड़ा सा कम होती है थर्ड में और ज्यादा कम होती है तो बस यही चीज यहां पर की गई है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड जो सेंडल जो रेड सैंडर्स है इसको मतलब रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से हटा दिया गया है ठीक है तो ये मेन चीज यहाँ पर की गई है बाकी तो कुछ खास है नहीं यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर सकें अच्छा ये जो बेसिकली साइट्स है साइट्स का अब यूएनई के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है बाकी इसका मेन काम यही है इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड एन प्लांट और बस यही चीज है कि इसका इलीगल ट्रेड वगैरह जो होती है वो नहीं होना चाहिए ठीक है देखिए ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि उठा करके एक ही चीज़ पढ़ना शुरू कर दें ये सब चीज़ें देखिए बिल्कुल काम की नहीं है अब जैसे अगला है इन्वेसिव एलियन स्पीसी इन्वेसिव एलियन स्पीसी का मतलब ये है कि कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो एलियन होते हैं यानी बाहर से लेकर के हम लोग लाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सर मान लीजिए आप अंटार्क्टिका जा रहे हैं ठीक है अंटार्क्टिका आप जा रहे हैं तो अंटार्क्टिका जब आप जाएंगे तो आप अर्जेंटीना के पास से आपको शिप लेना पड़ेगा और अर्जेंटीना से जब आप शिप लेंगे तो जैसे ही आप अंटार्क्टिका पहुंचेंगे तो आपके जो भी कपड़े होंगे उसकी पहले वैक्यूम क्लीनिंग की जाएगी कि आप कोई भी मतलब कि यहाँ वाला जो पार्टिकल कोई प्लांट या कुछ भी लेकर के अंटार्क्टिका ना पहुंच जाए क्यों क्योंकि इसकी जो इकोलॉजी है वो बहुत ही सेंसिटिव है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ये अब जब भी अंटार्क्टिका पर आप जमीन पर पैर रखना चाहेंगे तो उससे पहले आपकी पूरी बॉडी पूरी बॉडी आपकी साफ़ की जाएगी कि कोई भी स्पीसी इस, इस अंटार्क्टिका ना पहुंचे क्यों इसी के कारण से एलियन स्पीसीज के कारण से हो सकता है कि कोई एक एलियन स्पीसी ऐसी पहुंच जाए इस अंटार्क्टिका में जो यहां के इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे यहां पर पेंगुइन सील जो भी हैं वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाए तो डेथ होनी शुरू हो जाए क्यों क्योंकि इन्वेसिव स्पीसीज हैं ये वहां जा करके सारी चीज़ों को ख़राब करने लग रहे हैं इसी को बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही नॉर्मली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और आगे जा करके इसका हमें काफ़ी बैड इंपैक्ट देखने को मिल जाता है इसके लिए ग्लोबल एफर्ट्स किए गए हैं जैसे इन्वेसिव स्पीसी स्पेशलिस्ट ग्रुप बनाया गया जो कि ये देखता है कि कहीं से भी किसी भी तरीके का जो ये इन्वेसिव स्पीसी है ऐसी जगह ना पहुंचे जिससे इकोलॉजिकल डैमेज हो जाए ये ऑर्गेनाइजेशन रन की जाती है स्पेशल सर्वाइवल कमीशन एस के द्वारा और साथ में आई यू सी यहां पर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा देखिये कोई भी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर दी गई है कोई भी प्लान दिया गया है आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रन किया गया दैट सेट उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह जाने ना जाने लेकिन ये जरूर जान लीजिएगा कि आखिर में वो ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा रन की जा रही है एलियन एस्पीसी के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे इनकी रूप और उनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से होती है डिस्पर्सल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फिजियोलॉजिकली ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो बाकी के फूड होते हैं उनको मतलब एक तरीके से उनको डिस्टर्ब कर देती है उनको डिस्ट्रॉय करने की इनके पास में क्षमता होती है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडावर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में अगर बात करें तो ये इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ध्यान रखना है यूएन की बॉडी नहीं है ये इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जैसे वेलिंग कमीशन ये इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दो में बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत इसको सेक्रेटेरियल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है ऑल इट इज नॉट पार्ट ऑफ यू एशिया पैसेफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन एशिया पैसेफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन में इंडिया को यूनानिमसली सिलेक्ट किया गया है कि आप इसकी जो स्टेडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन बनिए इसका मेन काम यही होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेन काम यही चीज है जहां पर आप इनवेसिव स्पीसीज को लेकर के या फिर किसी भी तरीके की जो स्पीसी है उसको मॉनिटर करना है देखना है किसी तरीके की कोई चीज खराब ना होने पाए साथ में सेफ एग्रीकल्चर ट्रेड भी होना चाहिए इसकी रीजनल बॉडी अप्रूव की गई थी एफ के द्वारा तो यहीं से आप समझ सकते हैं दिस इज एग्रीकल्चर बेस्ड एज वेल एज एलियन स्पीसी बेस्ड कुछ इन्वेसिव स्पीसीज जो हैं वो न्यूज में भी बने हुए थे इन्वेसिव स्पीसी के बारे में दिया गया जैसे कि एक है प्रोसोपिस चिलेनिस ये जो प्रोसोपिस चैलेंस है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फियर रिज, रिजर्व में हमें देखने को मिला है ड्रॉट रेजिस्टेंट है और ये एरिड क्लाइमेट का है यहां पर मेनली चिलेनियन मस्कीट के नाम से भी जो न, जाना जाता है एक चीज ध्यान रखिएगा जितने भी एलियन स्पीसीज हैं मैक्सिमम साउथ अमेरिका के हैं नेटिव टू तो साउथ अमेरिका कुछ है जो अमेरिका के भी हैं कुछ और इन लोगों को मैक्सिमम लोगों को ब्रिटिशर ने इंडिया में लेकर के आए थे ताकि यहां का इन्वायरमेंट खराब हो यहां की चीजें खराब हो जाए तो यही चीज है चिलेनेसिस यानी चिली का है ये नाम से ही पता चल रहा है कि चिली का है तो मेनली ये फोर साउथ अमेरिकन कंट्रीज अर्जेंटीना बोलीविया चिली पेरू के आसपास में देखने को मिल जाता है दिस इज ड्रॉट प्लांट दूसरा है मस्कीटो फिश मस्कीटो फिश ये नेटिव टू यूएस है फायदा इससे ये होता है कि ये जो बायोलॉजिकल मतलब मस्कीटो के जो लार्वा वगैरह होता है उसको भी खा जाता है अब यहां पर ये जो मस्कीटो फिश है गंबूजिया के नाम से है ध्यान रखना है दिस इज गंबूजिया एक तो काम अच्छा कर रहा है कि मस्कीटो के जो लार्वा उसको खा ले रहा है लेकिन साथ ही साथ में ये और भी ज़्यादा इन्वेसिव स्पीसी मतलब कि बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब भी, भी कर रहा है दूसरा है कोनोकार्पस ट्रीज ये जो कोनोकार्पस ट्रीज हैं ये इन्वेसिव मैनग्रूव स्पीसी हैं तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है अभी फिलहाल में गुजरात गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन सेम ट्रॉपिकल वही है ट्रॉपिकल रीजन का साउथ अमेरिकन में ही मेनली पाया जाता है ये इसके अलावा लडविजिया पेरूवियाना पेरू का है नाम से पता लग गया देखिए गेस्ट करना हो ना एग्जाम में इसी तरीके से नाम आ जाता है लडवीजिया पेरुआनिया रिसेंटली वॉज इन न्यूज़ ये क्या चीज़ है तो आप बताएँगे इन्वेसिव स्पीसीज है थोड़ा डिटेल में जाएगा तो फिर ये सब डिटेल थोड़ी पूछी जा सकती है बट जरूरत नहीं होती है ये जो एलियन स्पीसीज है ये एलिफेंट हैबिटाट को थ्रेटन कर रही है मेनली तमिलनाडु में तो तमिलनाडु इस तमिलनाडु क्या करेगा इसको बैन कर देगा तमिलनाडु में 22 प्रायोरिटी इन्वेसिव प्लांट इसको आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसको बैन किया गया अगेन साउथ अमेरिका वाला है रेड फायर एंड ये जो रेड फायर एंड है पहली बार यूरोप में हमें देखने को मिले हैं ये सब कर क्या आ रहे हैं ये सब सुपर कॉलोनी बना लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा चीटी घर बना लेती है बिल बना करके और इनफैक्ट दिस आई थिंक वीडियो और पिक्चर ऑन द यूट्यूब जहाँ पर

क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वलरेबल एंड थ्रेटेंड यह हमारे पास में थ्रेटेंड कैटेगरी होती है नियर threatened, लीस्ट कंसर्न और डेटा डिफिशियंट यह लेसर डिग्री है जहां पर एक्सटिंक्शन की लेसर डिग्री होती है अब यहां पर अभी रिसेंट में आ, कुछ नई नई चीजों को भी ऐड किया गया जैसे साइगा साइगा जो है वो एक तरीके का एंटीलॉप है जो कि आईसीएस के बाद अभी देखने को मिला है अभी इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड में ऐड कर दिया गया है इसके अलावा 25% फिश फिश जो है वो अब रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गई है फर्स्ट ग्लोबल वाटर फिश ये हमें असेसमेंट देखने को मिला था जहां पर इंडेंजर्ड कैटेगरी बोली गई थी शाजीज कैटफिश अब्दुल सब ब्लाइंड केव कैटफिश और पेंजियो भुजिया वलरेबल सेक्शन में स्नेक हेड यह हमें देखने को मिल जाता है ध्यान आपको ये रखना है कि ये सब के सब केरला से रिलेटेड है केरल में ही मेनली देखने को मिले थे रेड लिस्ट के बारे में आप लोगों को पता ही है 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 के द्वारा निकाली जाती जाती देखी आती है कि कहां पर किस तरीके का पॉपुलेशन है ग्लैंड में इनका हेडक्वार्टर 1948 में मिलनी बनाई गई थी एक एनजीओ के बेसिस पर यह काम करती है ठीक है अब यहां पर प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में यहां पर बताया गया है वन बाय वन करके जरा देख लेते हैं सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व अगेन देखिए यहां पर सेलेक्टिवली पढ़नी है सारी चीजें ना आप याद रख पाएंगे और ना ही चीजों को मतलब डिस्कस करके बेवजह बढ़ाने की जरूरत है कामलांग टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दो तीन चीजें ध्यान रखनी है पहली चीज है कहां पर दूसरी यहां का क्लाइमेट यानी कि यहां पर फॉरेस्ट किस तरीके की पाई जा रही है और ये आपको देखिए थोड़ा सा प्रायर नॉलेज लेनी होगी अदरवाइज हर एक चीज को याद आप नहीं रख सकते हैं अब जैसे कामलांग टाइगर रिजर्व है कामलांग टाइगर रिजर्व यहां पर लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है कामेंग से आप समझ लीजिए कामेंग रिवर है कामेंग से कामलांग आप यहां पर रिलेट कर सकते हैं ग्लो लेक यहां पर जो है इस रिजर्व में फॉल होती है और बस ठीक है असम में आ जाते हैं तो बुरा चपूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह बनाई गई है यहां पर राइनोज वापस लौट करके आए हैं इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है यहां पर दिस इज पार्ट ऑफ लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा टाइगर रिजर्व का भी एक बफर के तौर पर यहां पर यह काम करता है छत्तीसगढ़ में आए तो यहां पर लेमरू एलिफेंट रिजर्व है अभी हुआ क्या है कि कोल माइंस यहां पर आ, मतलब माइनिंग की जा रही थी तो सरकार ने यह कहा कि ऐसा है कोल माइनिंग को यहां से आपको आ, मतलब हटा देना चाहिए डी नोटिफाई कर दीजिए क्योंकि जो लेमरू टाइगर रिजर्व है यह डैमेज हो रहा है तो यहां पर एनिमल कंफ्लिक काफी देखने को मिल रहा था तो इस वजह से लेमरू टाइगर रिजर्व में जो ये कोल माइनिंग की जा रही थी इसको हटा दिया गया है यह हसदेव अरण्य फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है जहां पर कोल डिपॉजिट बहुत ज्यादा है जिसको लेकर के यही माइनिंग की जा रही थी इसके अलावा लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी इसको बोला जाता है झारखंड में पलामू के पास में ही पलामू टाइगर रिजर्व बनाई गई है और मेनली यहां पर चीतल्स के लिए इसको जाना जाता है छोटा नागपुर प्लेटू के पास में है बेतला नेशनल पार्क और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों साथ साथ में ही हैं मिजोरम में आ जाते हैं डंपा टाइगर रिजर्व है यहां पर डंपा टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा यहां पर टाइगर नहीं है टाइगर में हम लोगों ने देखा था यहां पर एक स्पेशल टाइप का फ्रॉग देखा गया है जिसका नाम रखा गया भूपति इसका नाम रखा गया था हार्पेटोलॉजिस्ट सुब्रमण्यम भूपति के द्वारा तो भूपति ध्यान रखिएगा भूपति एक ये है मेढक है ठीक है नेक्स्ट केरल में है कड़ा लुंडी वली कुुन्नू कम्युनिटी रिजर्व आपको ध्यान रखना है कि ये एक कम्युनिटी रिजर्व है और जब ग्रीक पहली बार आए थे तो इसका नाम टिंडीस रखा गया था उड़ीसा में देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह जो देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह हाईएस्ट प्रे डेंसिटी यहां पर रिकॉर्ड किया गया है हीराकुंड डैम के पास में यह बनाया गया है सिमलीपाट टाइगर रिजर्व सिमलीपार टाइगर रिजर्व में मिलेनिस्टिक कैटेगरी ऑफ टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में मैक्सिमम मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व ही देखने को मिल जाते हैं यहां पर होता क्या है इसमें म्यूटेशन हो जाती है जीन में एक म्यूटेशन देखने को मिल जाती है तो जिससे कि जो ब्लैक टाइगर्स होती है वो ब्रॉड एंड स्ट्राइप्स बना लेते हैं इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं वो बड़ी बड़ी बन जाती हैं यूनेस्को की मैबलिस्ट में भी इसको इंक्लूड किया गया है इंटर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और यहां पर ओनली मेलानिस्टिक टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलती है और यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अलावा यहाँ पर ये यह जो अपनी फंडिंग है वो इंटर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट के द्वारा भी ये रिसीव करता है तमिलनाडु में मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु पुलिस ने अभी रिसेंट में मुकुर्ती नेशनल पार्क के पास में ही कुछ टाइगर की पोचिंग वगैरह हो रही थी उसको इन लोगों ने पकड़ा है तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया है नीलगिरी हिल के पास में नीलगिरी बायोस्फियर का पार्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ में बॉर्डर शेयर करता है कलक्कड़ टाइगर रिजर्व या कलक्कड़ मुदुमथुरई टाइगर रिजर्व मद्रास हाई कोर्ट ने बाहर के लोगों की इसमें एंट्री बंद कर दी है फ्लोरा एंड एनफोना को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो मुदुम मुदुमथुरई टाइगर रिजर्व है ये दोनों इसके पार्ट बन जाते हैं इसके अलावा वीरा और किला मलाई ये टाइगर फॉर ये रिजर्व फॉरेस्ट भी जो है इसी के पार्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है इट ऑल्सो पार्ट ये भी जो होता है इंटर स्टेट जो अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी इसका पार्ट है तो ये जरा चार लोगों का नाम ध्यान रखिएगा अगेन यहाँ पर मैथ ऑफ फॉलोइंग के नाम पर या फिर जगह के नाम पर पूछा जा सकता है इसके अलावा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है तमिलनाडु का पार्ट है और बाकी तो खास यहाँ पर है नहीं कि क्या चीजें हैं ठीक है कैट रिकॉग्नाइज्ड है ये सब चीजें तो खैर आपको पता ही है उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है यहां पर क्या है कि फिफ्टी हेक्टेयर का जो लैंड है वो वह इं, मतलब इंडो तिबन बॉर्डर के अंतर्गत आती है जहां पर ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं दिस इज अगेन पार्ट ऑफ नेशनल नेशनल पार्क तो गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों इसके पार्ट हैं इसके अलावा गौमुख जो ग्लेशियर है यहां से गंगा निकलती है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करें तो यहां पर फीमेल रॉयल बंगाल टाइगर वॉज फाउंड इन द बफर जोन ऑफ दुधवा दुधवा जो है इंडिया इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में है यहां पर जो है किशनपुर और कतरनिया घाट ये दोनों भी हमें सेंचुरीज वगैरह देखने को मिल जाती हैं कुछ और भी स्पीसीज हैं जो न्यूज में थे जैसे हेंगुल हो गया इसकी जो ए, ए, मतलब आयुस स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये शेड्यूल नंबर वन में आती है और साइट्स में ये अपेंडिक्स वन में आती है कश्मीर में मिली देखने को मिल जाती है नीलगिरी टाहर ये तमिलनाडु में देखने को मिल जाती है इसकी इंडेन्जर्ड स्पीसी है अच्छा एक चीज आपको थोड़ा सा ट्रिक के तौर पर आप समझिए जो भी समझिए जितने भी स्टेट एनिमल्स हैं जितने भी स्टेट एनिमल्स हैं वो सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे ठीक है एक काम करते हैं हम लोग जो ये अभी डिस्कस कर रहे हैं जितने भी ये आई स्टेटस वाली चीजें हैं इसको हम लोग चाहे तो यहां पर स्किप कर सकते हैं वी कैन मेक अ सेपरेट सेशन ऑन दिस और इस पर थोड़ा सा एक आइडिया बेसिकली मैपिंग के थ्रू एक आइडिया ले लेंगे कि कौन कौन से स्पीसीज कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं और उसको याद करने का एक तरीका भी एक ट्रिक भी कोशिश करेंगे बनाने की क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो आप चाहे तो फिलहाल के लिए इसको स्किप कर सकते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेंगे दूसरी चीज ये देखिए एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी आप लोगों को बोला गया था कि ये एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा हाथ पाँव मारना स्पेशली इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनडेंजर्ड आयू सी रेड लिस्ट वगैरह को लेकर के बड़ा भारी होता है लेकिन कुछ बेसिक चीजें हम लोग जरूर देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है इको सेंसिटिव जोन इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा इको का मतलब हो गया जो इकोलॉजिकल होता है तो अगर कोई एरिया जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है उसे हम इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं अब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कौन कौन सा हो सकता है एक एक तो आप यहाँ पर इकोटोन का एरिया बोल सकते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं दूसरा एरिया जहाँ पर कोई प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर बना करके रखा गया होगा प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड एरिया क्यों क्योंकि सीधी सी बात है इस एरिया को अपने आप में ही थ्रेट है तो थ्रेट है तो पहले तो प्रोटेक्टेड बना के रखा ही गया है अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि प्रोटेक्ट मतलब कि थ्रेट एंड है और इसे प्रोटेक्ट बना करके रखा गया है तो जस्ट बॉर्डर के बाहर ऐसा तो है नहीं कि इसकी जो थ्रेट है वो खत्म हो जाएगी और इसीलिए बॉर्डर इसके जो बॉर्डर है उसके चारों ओर में भी एक दस किलोमीटर का एरिया बना करके रखा जाता है जो कि सेंसिटिविटी के कारण से है और इसे ही बोला जाता है इको सेंसिटिव जोन ऐसा ही इको सेंसिटिव जोन अभी हाल फिलहाल में दाचिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है यहाँ पर बनाने की बात कही गई है दाचिंगम के पास ही दो और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एक है थजवास और दूसरी है ओवेरा आरू ये दोनों के दोनों ही वैसे थजवास तो एक ग्लेशियर भी है यहाँ पर इस मतलब इसी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर ग्लेशियर है तो ये तीन एरियाज हैं जिसे इकोलॉजिकली प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है सेंसिटिव एरिया बनाया गया है तो जो सेंसिटिव एरिया है नॉर्मली उसे 10 किलोमीटर का बनाया जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम वन किलोमीटर तो बोला ही है कि मिनिमम वन किलोमीटर का तो एरिया होना ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सेंस में बोला कि अगर कोई नेशनल पार्क है प्रोटेक्टेड एरिया है या फिर मान लेते हैं इंटरस्टेट बॉर्डर्स है तो वहां पर हमें इस तरीके का एक वन किलोमीटर का मिनिमम वन किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन यहां पर बना करके रखना होगा आखिर इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड रेगुलेटेड और परमिटेड होती हैं तो क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड होगा सीधी सी बात है यहां पर ज्यादा लोगों का मूवमेंट ना हो तो ज्यादा लोगों का मूवमेंट कब नहीं होगा जब यहां पर एरिया कॉमर्शलाइज ना हो जब यहां पर माइनिंग न किया जाए या यहां पर किसी तरीके का इंडस्ट्री वगैरह न लगाया जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह न लगाया जाए रेगुलेट क्या करेंगे यहां पर देखिए थोड़ा मोड़ा टूरिज्म तो आपको कराना ही पड़ेगा तो टूरिज्म को लेकर के रेगुलेशन करने की जरूरत है साथ ही साथ में जो भी यहां पर रिसोर्सेज हैं आप उसे भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी ट्रीज हैं जो भी यहाँ पर पेड़ वगैरह हैं उनको रेगुलेट करना है एग्रीकल्चर सिस्टम जो यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं उसे भी रेगुलेट करना है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को लेकर के भी रेगुलेट करना है तो जो भी यहाँ पर होटल या रेस्टोरेंट्स वगैरह बना करके रखे गए हैं पहले से ही उनको भी आपको रेगुलेट करना होगा कि क्या ये जो रिसोर्स है उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब इसके अलावा कुछ परमिटेड एरियाज भी होते हैं परमिटेड एक्टिविटीज होती हैं अब जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है और इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के ही अंतर्गत माइनर फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं जो भी यहाँ के ट्राइबल्स हैं उन लोगों को तो यहाँ पर यही है कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो लोग भी लोकल कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है या रिन्यबल एनर्जी के जो भी यूजेज वाली चीजें हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर परमिटेड है आपको किसी तरीके की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दाचिंगम नेशनल पार्क ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है इसकी लोकेशन कहीं ना कहीं मतलब काफी इंपॉर्टेंट है जो दाचिंगम की है इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, है जैसे कि जबरवान माउंटेन रेंज में है तो जबरवान के नाम से भी इसको हम लोग जान लेते हैं यहां पर मेन जो फौना है वो है हंगूल या कश्मीर स्टैग इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है इसके अलावा हिमालयन ब्राउन बियर हो गया इंडियन लियोपार्ड हो गया हिमालयन ग्रे लंगूर हो गया येलो थ्रोटेन मार्टन हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ तो यहाँ पर जो है मतलब कि जो जीव है उनके बारे में आप लोग जानते होंगे बस देखिए ये एक डाइसी होता है कि अगर कोई आपके एग्ज़ाम में आ, कोई एनिमल दे दिया जाए उसकी प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में पूछ लिया जाए ये डाइसी होता है हो सकता है आपको पता हो हो सकता है ना हो लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं होती है एक क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन के लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं दैट इज़ नॉट यू कैन से वी फ्लोरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेनली हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं कश्मीर का एल्म हो गया इसके अलावा वाइट विलो हो गया हिमालयन पॉपुलर हो गया एप्रिकॉट्स हो गए ओक हो गए ये सारे ट्रीज यहाँ पर मेनली देखने को मिल जाते हैं सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी जस्ट एक अथॉरिटेटिव या फिर बोल सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के तौर पर होती है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई जाती है बनाई क्यों जाती है सीधी सी बात है किसी भी एरिया का या किसी भी चीज़ का अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए तो कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि उसे देखे केवल लॉ बना देने मात्र से चीजें नहीं हो जाती हैं आपको एक बॉडी भी बनानी होती है कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है जो कि चीजों को रेगुलेट करेगी मॉनिटर करेगी और ऑब्जर्व करेगी सेम ऐसे ही तमिलनाडु के टी एन गोदावरम एक केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में और यहां पर कोर्ट ने यह बोला था कि आप एक मतलब कि एम्पावर्ड कमेटी बनाइए जो एडहॉक तौर पे होगी सरकार ने इसको अब परमानेंट स्टैटूटरी स्टेटस दे दिया है जो सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी है ये तीन मतलब बेसिकली चार लोगों की कमेटी है जहां पर तीन एक्सपर्ट मेंबर होंगे और एक चेयरमैन होंगे इनका जो कार्यकाल होगा वो तीन साल के लिए रहेगा और जो इसके चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे वो जो आई सर्विस होती है ना फॉरेस्ट सर्विस इसके जो डायरेक्टर होंगे मतलब कि डी होंगे सॉरी डी जो होंगे या डायरेक्टर होंगे ये मेनली यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे एज अ सी ओ सी चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर के तौर पर इनका जो मेन काम वो यही है कि आपको मॉनिटर करना है चीज़ों को रेगुलेट करना है ये सारी चीजें देखते रहेंगे जो रिस्ट्रिक्शन इनका पूरी कंट्री में होता है यस जो रिस्ट्रिक्शन इनका पूरी कंट्री में होता है एंड इट शैल बी रिफर टू द सेंटर जिसके डिसीजन अंत में फाइनल और बाइंडिंग होती है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट ये जो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट है ये इसकी अभी रिसेंट में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी इन द नेम ऑफ कंट्री लेट इनिशिएटिव ये उत्तराखंड देहरादून में किया गया था इसके दो मेन फोकस एरियाज थे एक था फॉरेस्ट फायर को लेकर के और दूसरा था फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन को लेकर के अब जो इसका प्राइमरी गोल होता है वो होता है फॉरेस्ट को किस तरीके से आपको कंजर्व करना है और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस जो हमारा यूएन की स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है ये 2017 से 2030 तक के लिए बनाई गई है इसमें टोटल छः ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं और 26 टारगेट्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो बेसिकली टारगेट्स हैं या जो गोल्स हैं दे आर एक्चुअली वॉलेंटियर इन नेचर और यूनिवर्सल है सबके लिए हैं अब यहां पर थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं पहले जरा बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट को लेकर के ये जो यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट है ये इकोसोक के द्वारा बनाया गया था 2000 में 2000 में बनाया गया था इकोसोक सोक यूएन ईको दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर मेन काम इनका यही होता है कि जितने भी तरीके के फॉरेस्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट करना उनको कंजर्व करना और साथ ही साथ में उनका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और बाकी और भी जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सब इसके मेंबर के तौर पर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा फॉरेस्ट मैनेज करना है जो कि ट्राइबल्स को उनके राइट्स भी दे उनकी लाइवलीहुड भी दे और साथ ही साथ में यहां पर जो इलीगल कटिंग वगैरह होती है या जो इल्लीगल डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो जाता है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है तो आखिर में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है कि आपके जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो आज भी उतने ही काम करें जितना फ्यूचर में काम करें दैट्स इट जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आज भी उतने ही यूजफुल हो जितना फ्यूचर में यूजफुल हो ऐसा ना हो कि आज हम उसका यूज कर लें और फ्यूचर के लिए फिर वो बचे ही ना तो इसके सेवन एलिमेंट्स बोले गए हैं एक कि जो फॉरेस्ट का रिसोर्स है उसका एक्सटेंट हमें मैनेज करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है फॉरेस्ट की हेल्थ और उनकी वाइटालिटी को भी इंश्योर करना है फॉरेस्ट का जो रिसोर्स है उनका प्रोडक्टिव फंक्शन लेकर के आना है प्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव फंक्शन होना चाहिए और प्रोडक्टिव दोनों होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन भी होने चाहिए वही जो आपके एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल राइट्स वगैरह हैं लीगल पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी हमें बना करके रखना होगा तो काफी ऑब्वियस से पॉइंट है लेकिन एक बार इसको सातों पॉइंट को जरा एक बार वापस से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं तो यहां पर यही चीज कही गई है कि जो यूएन फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ये जो हमारा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसको वॉलंटियर सर्टिफिकेट दे करके यहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएट मेजरमेंट लेना है वो लिया जा रहा है वॉलंटियर सर्टिफिकेशन का मतलब क्या चीज़ है वॉलंटियर सर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि जहाँ पर वॉलंटियर बेसिस पर दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि कोई जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसको चुनिंदा दिया जाता है सिमिलरली इसी तरीके से जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनको दिया जाता है लेकिन वॉलंटियर बेसिस पर यहाँ पर दिया जा रहा है अभी हाल फिलहाल में बाकी के जो यूएन डिक्लेरेशन हैं उसमें से दो चार डिक्लेरेशन और आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जैसे कि यूएन क्लाइमेट समिट में 2014 में सबसे पहले इस यूएन डिक्लेरेशन टू द फॉरेस्ट दैट इज न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को पहली बार इंडोर्स किया गया था यानी कि इसको पहचाना गया था एक तरीके से बोल सकते हैं यही आपको ध्यान रखना है मेनली ध्यान रखिएगा यू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है तो आप बोल दीजिएगा कि ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है या सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से ये रिलेटेड है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या चीज है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग उनकी ट्रेसिंग और उसकी लेबलिंग कर लेना दैट मीन की क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट को ही मेनली आपको देखना है इस फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के जरिए जैसे आप एफ के बारे में जानते होंगे जो फूड क्वालिटी को चेक करता है सिमिलरली यही है फॉरेस्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन होते हैं इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया है क्या चीज है आखिर में ये एक फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की स्कीम है थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने देखा फॉरेस्ट की स्कीम का सीधा मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट को किस तरीके से हमें मैनेज करना है मॉनिटर करना है एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीजें होती हैं तो इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट आएंगे फॉरेस्ट दो तरीके के होते हैं एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज फॉरेस्ट और दूसरा होता है जो हमारा ओपन फॉरेस्ट होता है मतलब कि एक तरीके से सोशल फॉरेस्ट्री की भी चीजों को हमें कंसीडर करना है तो यानी कि जो भी फॉरेस्ट के अंतर्गत आया साथ साथ में ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट भी जो होते हैं यानी सोशल फॉरेस्ट्री के तौर पर जो होते हैं उसको भी हमें देखना है ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो थर्ड पार्टी वॉलेंटियर बेसिस पर सर्टिफिकेशन दिया जाता है यहां पर करते क्या है यहां पर अलग अलग मतलब कि बाकी जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं इंडिविजुअल फार्मर या फार्मर प्रोड्यूसर्स हैं प्रोवाइड मार्केट इंसेंटिव टू वेरियस एंटिटीज और कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस करने के लिए मतलब इनके ऑपरेशन के लिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं सर्टिफिकेशन जो होता है मेनली तीन तरीके का है एक है फॉरेस्ट मैनेजमेंट दूसरा है टी ओ एफ मैनेजमेंट और तीसरा है आपका चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन ये तीन तरीके के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेशन है वो अलग अलग फंक्शन बेस पे दिया जाता है एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन किस बेसिस पर दिया जाता है तो वी हैव अ डिफरेंट यू वुड से फंक्शनैलिटीज और उसी बेसिस पर अल्टीमेटली हमें फॉरेस्ट दिया जाता है तो एक तो हो गया जो फॉरेस्ट के लिए दिया जा रहा है दूसरा दिया जा रहा है जो सोशल फॉरेस्ट या फिर ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट है और तीसरा है जो कस्टोडियन के तौर पर रहेगा यानी चेन ऑफ कस्टडी के तौर पर रहेगा ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये आठ क्राइटेरियाज हैं उन पर ये बेस्ड है आठ क्राइटेरियाज कौन कौन से आते हैं वो बनाया गया आपके नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 में यहां पर बताया गया है कि आपको वो आठ कॉम्प्रिहेंसिव कौन कौन से प्लान है जिसके तहत हमें ये एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है एक है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ़ फॉरेस्ट रिसोर्स एनहेंसमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट रिलेटेड टू फॉरेस्ट एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट ट्री कवर एडिकुएसी टू द पॉलिसी लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सेवन एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है सस्टेनेबल फार्मिंग को लेकर के सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के सात पॉइंट यहां से आ जाएंगे इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको यहां पर मिलेगा वो इस कल्चरल बेनिफिट को लेकर मिलेगा दिस इज द मेन यू वुड से एट पॉइंट्स जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जाता है One second, sorry. यस yes. uh, इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स हैं जैसे कि आई टी टी ओ दैट इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में बनाई गई थी इसका हेडक्वार्टर योको हमा जपैन में है काम क्या है इसका इसका काम यही है कि जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट और उसके कंजर्वेशन पर इनको काम करना होता है नेक्स्ट टॉपिक ए क्रेडिटेड कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन क्या चीज होती है ये अब जैसे मान लेते हैं थोड़ी सी कहानी समझिए पहले कोई एक मान लेते हैं कि इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री को कहीं पर अपना मतलब कि सेटअप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर दो तरीके के फील्ड हो सकते हैं एक हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है जहाँ पर आप कोई फॉरेस्ट है या फिर कोई मान लेते हैं कि घना जंगल या फिर नॉर्मल एरिया भी हो सकता है जहाँ पर कोई इंडस्ट्री अभी तक लगाई नहीं गई है तो जब कोई नई इंडस्ट्री किसी एक नए एरिया पर लगाई जाती है उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड ब्राउनफील्ड का मतलब यूज्ड जमीन है पहले वहां पर कुछ था अब उसको हटा करके वापस से नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है तो वो बन जाता है ब्राउनफील्ड मान लेते हैं कहीं पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाना है तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाने के लिए उस एरिया को पहले फॉरेस्टेशन मतलब कि उसकी फॉरेस्टेशन मतलब कि उसकी डिफॉरेस्टेशन यानी मतलब कि जो भी वहां पर मतलब जंगल होगा उसको काटना पड़ेगा जंगल काटेंगे तो सीधी सी बात है कैंपा के अंतर्गत यहाँ पर आपको कुछ कम्पनसेशन देना पड़ जाएगा कम्पनसेशन देंगे अगर तो सीधी सी बात है सरकार को पैसा दे देंगे और सरकार जब पैसा पा जाएगी तो अल्टीमेटली उसे फॉरेस्टेशन में फॉरेस्ट मतलब कि जहाँ पर भी जंगल वगैरह नया लगाना है वहाँ पर उसका पैसे का यूज़ कर लिया जाएगा यह सब कुछ लिखा गया आपके इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 में लेकिन दिक्कत यह है कि इस कैंपा के द्वारा जब फंड दिया जा रहा है तो एक तरीके से आपने क्या किया पैसे से आपने चीजों को खरीदने की कोशिश की गई तब जो आगे अगले सौ साल बाद जनरेट होगी जैसे मान लेते हैं सरकार पैसा पाई आज के डेट में फॉरेस्ट वगैरह लगाना शुरू करी तो इट विल टेक नियर अबाउट हंड्रेड ईयर्स टू अचीव द प्रेजेंट स्टेटस क्योंकि आज की डेट में जंगल पूरी तरीके से डेवलप थे अब अगला जंगल तैयार करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो इसके एक सॉल्यूशन के तौर पर निकल करके आया कि यहाँ पर कुछ एनजीओज कुछ एन या कुछ प्राइवेट बॉडीज कोई भी हो सकता है या अपना जंगल तैयार करते हैं यानी अपना एक फॉरेस्ट तैयार करते हैं अब अगर किसी को किसी इंडस्ट्री को मान लेते हैं किसी व्यक्ति को या इंडस्ट्री को डिफॉरेस्टेशन करना होता है तो अब वो सरकार भी ये कहती है कि एक काम करो ये वाला बंदा ये वाला प्राइवेट बंदा या एन ये सारे लिस्ट हैं ये लोग फॉरेस्टेशन करते हैं आप एक काम करिए ये जो कैंपा का पैसा है आप इनको दे दीजिएगा जो भी इनका रेट चल रहा होगा और फिर अल्टीमेटली वो आ, उसके थ्रू फॉरेस्ट का अपना एक सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा या फिर खरीदने के बाद में जो भी आपकी रजिस्ट्री है जो भी चीज़ है वो लेकर के आइएगा और फिर अल्टीमेटली उतने एरिया को आप कट कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है इससे फ़ायदा क्या हुआ दो चीज़ें एक तो यहाँ पर मार्केट सेट हुआ ठीक है एक तरीके से रेगुलेटरी मार्केट स्टार्ट हो गया कि हाँ ठीक है कुछ रेगुलराइज चीज़ें चल रही हैं दूसरा ये जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं इनको भी इनके काम का कुछ फ़ायदा मिला तीसरी चीज़ अब ये जो हंड्रेड ईयर वाला चीज़ था वो ख़त्म हो गया क्योंकि ये प्राइवेट बॉडीज अल्टीमेटली फॉरेस्ट लगाते जाएंगी और बेचते जाएंगे इनका ये कॉमर्शियल काम रहेगा इसी चीज को इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अप्रूवल दे दिया गया है कि जो भी आप इस तरीके का काम कर रहे हैं वो अब सही तरीके से मतलब ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का एक सही तरीका माना जाएगा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा निकाला गया है यहां पर बताया क्या गया है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी मतलब 82 कंट्रीज हैं ये अलग अलग डेटा दे रखी हैं एटसेट्रा एटसेट्रा इसका कोई खास काम नहीं है आप बस इसके बारे में समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मतलब एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल नहीं है और इसका मेन जो काम होता है वो रिजिलियंस अमंग द कम्युनिटीज लेकर के आना क्लाइमेट को स्टेबलाइज करना एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ये एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है या तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन हो आपको सारी चीजें पता हो या दूसरा होता है जहां पर आपको कुछ पता हो और इस कुछ पता से आपका आंसर निकल जा रहा हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी का वो इस वाली चीज को ज्यादा टारगेट करता है हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता रहे ऐसा बहुत रेयर होता है मतलब टेन परसेंट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप फुल इंफॉर्मेशन के साथ आप कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है अदरवाइज आपको फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट आपको यही मिलेगा यही मिलेगा जहां पर कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे बाकी का जो टेन परसेंट है वो आपका आता रहेगा बचा हुआ जो थर्टी टू फोर्टी परसेंट है ये उसी समय एग्जाम में आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पर टेस्ट करना होता है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है कोलेबरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट ये जो कोलाबरेटिव पार्टनरशिप है ऑन द फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट वर्स ट्वेंटी थर्टी के लिए एक ज्वाइंट कॉल एक्शन के तौर पर निकल करके आया है ये जो पार्टनरशिप की जा रही है ये इको सोक के द्वारा बेसिकली बनाई गई थी यहां पर वॉलंटियर इंटर एजेंसी पार्टनरशिप की जा रही है काम क्या है इसका काम वही सारी चीजें हैं कि आपको जो फॉरेस्ट है उसको रेगुलेट उसको मेजरमेंट ये सारी चीजें आपको यहां पर करनी होती हैं वेटलैंड वेटलैंड को लेकर के नया टॉपिक आया है फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में हाई सी क्या होती है हाई सी का मतलब ये होता है जैसे मान लेते हैं कि आपका किसी कंट्री का बॉर्डर लग रहा है यहाँ से ओशन स्टार्ट हो रहा है बारह नॉटिकल माइल तक का एरिया टेरिटोरियल एरिया कहा जाता है फिर उसके बाद से अगला जो बारह नोटिकल माइल होती है वो कंटिगूअस जोन बन जाता है दो सौ नोटिकल माइल तक का एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पाया जाता है उसके बाद से ओपन ओशियन हो जाता है दिस इज ओपन ओशियन और यहाँ पर मेन मतलब किसी कंट्री की सॉवरानिटी नहीं होती है यहाँ से अल्टीमेटली हाई सी स्टार्ट हो जाती है हाई सी यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लोरेशन वगैरह करना है तो सी बेड अथॉरिटी एक होती है यूनाइटेड नेशंस की जिसका हेडकोर्टर जमैका में है इससे परमिशन लेना होता है और फिर अल्टीमेटली कंट्रीज़ कंट्री नहीं कंट्रीज़ एक्सप्लोरेशन करती हैं तो ये बेसिकली किसका पानी है ये ग्लोबल पानी है यानी सबका पानी है किसी एक पर्टिकुलर देश का पानी नहीं है तो हाल फिलहाल में पहली इंटरनेशनल ट्रीटी एक्साइन की गई है इस हाई सी पर और इस, इस जो ट्रीटी है वो अडॉप्ट की गई है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन कहा क्या गया है इसमें कहा यही गया है कि जो भी यहां पर जो हाई सीज है एक्चुअल में इसकी हमें यही एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है ओशियन के एक्सपेंशन को लेकर के अब यहां पर क्या क्या चीजें बोली गई हैं अनकलॉस का यहां पर लॉ चलेगा लीगली बाइंडिंग रहेगा और यह तब काम करेगा जब साठ कंट्रीज इसका रेटिफिकेशन कर देंगी तब कुछ हाइलाइट्स यहां पर बोले गए हैं जैसे एक चीज बोली गई है पॉल्यूटर प्रिंसिपल यहां पर लगेगा रिजिलियंसी यहां पर लेकर के आई जाएगी इन्वायरमेंट इंपैक्ट को लेकर के यहां पर जो भी पोटेंशियल्स होंगे बियॉन्ड देयर ज्यूरिस्ट्रिक्शन भी आपको जैसे मान लेते हैं कोई एक प्रोजेक्ट आपने लगाया आपने कैलकुलेशन जो की वो तो आपने ज्यूरिस्ट्रिक्शन के लिए की मतलब अपने एरिया में ही जो भी चीजें काम की हैं उसके लिए की लेकिन अब आपको जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो चीज़ होती है वो की जाती है लेकिन अब आपको बियॉन्ड योर जूरिस्डिक्शन भी आपको बताना होगा कि कितना पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ओशन मैनेजमेंट यानी क्लाइमेट चेंज के कारण से या फिर ओशन एसिडिफिकेशन के कारण से क्या प्रॉब्लम हमें मरीन इन्वायरमेंट और मरीन इस PC में देखने को मिल रही है इसके अलावा जो भी इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके भी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को भी यूज़ किया जाएगा इट एम्स टू स्टैब्लिश लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंटरनेशनल वॉटर एंड इट कॉल फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जाएगी आगे जाकर के इस ट्रीटी और क्या क्या काम किया जा सकता है यानी कि अपना आगे जाकर के समिट्स वगैरह भी हमें देखने को मिलेंगी कोरल रीप ब्रेक थ्रू कोरल रीप ब्रेक थ्रू ये इंटरनेशनल कोरल रीफ का एक इनिशिएटिव है जो कि ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन के द्वारा मिलकर के मनाया जा रहा है ज़्यादा कुछ खास है नहीं बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है जो कि अलग अलग नेशन और ऑर्गेनाइजेशन साथ मिल करके ये स्टार्ट की गई है यहाँ पर मेन काम यही है कि जो कोरल से रिलेटेड इको है उसको प्रिजर्व करके रखना है इंडिया भी इसका मेम्बर है और नाइनटीन में ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई थी अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया ग्रेट बैरियर रीफ है फ्रांस जापान, जमैका फिलीपींस स्वीडन यूके एंड यूएस मेन इसकी कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका से कोई भी कंट्री नहीं है यहां पर ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ कोलिशन ये एक ब्लेंडेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है यानी ब्लेंडेड फाइनेंस पर काम करती है जहां पर अलग अलग जगहों से इस पर फाइनेंसेस आते रहते हैं कोरल रीफ ब्रेक थ्रू कोरल रीफ ब्रेक थ्रू का मतलब यही है जहां पर आपको कोरल से होने वाले जो लॉसेज हैं चाहे वो पोल्यूशन के कारण से हो रहा हो चाहे डिस्ट्रक्टिव कोस्टल डेवलपमेंट के कारण से हो रही हो या फिर ओवर फिशिंग के कारण से हो रही हो उसे लोकल ड्राइवर के द्वारा इसे मिटिगेट करना है हमें एक यानी वन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसे हमें प्रिवेंट करना है एक्सटिंक्शन होने से जहां पर ट्रॉपिकल कोरल रीफ जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं इसके अलावा कोरल रीफ के जो कंजर्वेशन है उसको हमें रिजिलियंट बनाना है अब यहां पर डिक्लेरेशन में कुन्मिंग जो मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन हुई थी वहां पर 30, 30, 30 इनलैंड इन वाटर है या मरीन या कोस्टल एरिया था, उनको हमें 2030 तक कंजर्व करके रखना है और इसी सेंस में जो कोरल रीफ है उसे भी प्रिजर्व करके रखना होगा थर्टी बाई थर्टी के ही अंतर्गत कोरल रीफ क्या होते हैं को है। कोरल रीफ गल्फ ऑफ कच्छ गल्फ ऑफ मन्नार अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड के पास में इंडिया में पाया जाता है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया फिलीपींस मालदीव फिजी पीएनजी इन सब एरियाज में प्राइमरली पाया जाता है कोरल रीफ की जो आर्टिफिशियल रीफ डेवलपमेंट है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी की जा रही है एक छोटी सी न्यूज आई है लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज है अपने आप में दैट इज स्टैग हॉर्न कोरल ये अपने आप में एक इंडेंजर्ड कोरल है जो कैरेबियन में बहुत सालों साल बाद पाई गई है यहां पर व्हाइट बैंड डिसीज के कारण से यह एंडमिक हो गए थे यानी कि इंडेंजर्ड थे इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे एक कैरेबियन में यह मेनली पाई जाती है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है स्टैग हॉर्न वॉज रिसेंटली इन न्यूज ये किससे रिलेटेड है तो आप बताएंगे एक तरीके का ये कोरल होता है दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्टैग हॉर्न कोरल कहाँ पर मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैरेबियन आइलैंड में मिलते हैं कैरेबियन में स्टैग हॉर्न के अलावा एल्कोहन और साथ में स्टार कोरल भी पाए जाते हैं वेटलैंड कुछ यहाँ पर दिए गए हैं जो न्यूज में रहे थे एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पर और भी चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं चिल्का लेक ओडिशा चिल्का लेक ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून मतलब ये कोस्टल लगून है एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है और यहाँ पर अभी फिलहाल में कुछ बर्ड सर्वे वगैरह कंडक्ट किया गया है कंडक्ट जो हमारी कंटेक्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत पहला वेटलैंड को कंसिडर किया गया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी इंक्लूड किया गया था लेकिन बाद में इसको 2002 में इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि इसने काफी अच्छा काम किया और अपने आप को प्रिजर्व कर लिया इसके अलावा कलाइजई टेंपल भी यहां पर है और यहां पर मेजर अट्रैक्शन सेंटर के नाम पर नलबाना बर्ड सेंचुरी और इरावदी डॉल्फिन मिलनी पाई जाती हैं चिल्का लेक उड़ीसा अब जो ये हमारा इरावदी डॉल्फिन है ये बांग्लादेश के जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर जो उड़ीसा है वो यहाँ से ये जो इरावदी डॉल्फिन है वो देखा जा सकता है पुलिकट लेक पुलिकट लेक ये लोकेशन इसकी आंध्र प्रदेश में है बेसिकली आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर दिस चिल्का यहाँ पर अभी न्यूज़ में ये है कि लेसर फ्लेमिंगोज अभी रिसेंट में यहाँ पर देखे गए हैं ये एक रामसार साइट है तीन नदियां यहां पर मेनली आती हैं एक है अरानी कलांगी और स्वर्णमुखी बैरियर आइलैंड ऑफ श्री हरुटा यह ऑफ बंगाल से इसको अलग करता है ये एक स्पेस सैटेलाइट सेंटर भी है है कलाम नाम से बेसिकली रखा गया डल लेक जो कि श्रीनगर में है श्रीनगर का यह ज्वेल भी कहा जाता है फ्लड इस पिले जब रिसेंट में देखने को मिल गई थी झेलम नदी के द्वारा और इप, मतलब जो कश्मीर है यहां पर फ्लोटिंग गार्डन इस डल लेक के ऊपर में हमें देखने को मिलते हैं जिसे राड के नाम से भी जाना जाता है अभी फिलहाल में यही है कि बहुत सारी मछलियां यहाँ पर डेथ हो गई थी क्यों क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का केस आ रहा है टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन में आ रही है भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में यहाँ पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट क्रूज बोट या कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ भी बनाना अभी फिलहाल में बैन कर दिया गया है नो डेवलपमेंट जोन में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है रामसार साइट है और यहाँ पर भी जो होता है दो मैन मेड रिजर्वय हैं एक है अपर लेक भोजताल और लोअर लेक वेमनाड कोल वेटलैंड केरला वेमनाड लोग यहाँ पर हमें पिंक ब्लूम देखने को मिला पिंक ब्लूम दैट इज कैबा फॉर कोटा ये एक मैसिव फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है केरला की और यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्पीसीज भी प्राइमरली देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर पंबा और एकानकोविल रिवर जो है वो मेनली देखी जाती है कुत्ता नड यहाँ का फेमस एग्जॉटिक फिक्स वैरायटी भी पाया जाता है जो कि पैडी फील्ड में प्राइमरली देखने को मिल जाती है सेंट्रल एशियन की फ्लाईवेज है डिपोर भील भील का मतलब होता है लेक जो कि असम में प्राइमरली देखने को मिलती है यहाँ पर वाटर स्पोर्ट और टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी को फिलहाल में अभी अलाउ किया गया है परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट भील यानी लेक हमें ब्रह्मपुत्रा रिवर में देखने को मिल जाती है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है साथ में रामसार और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिल जाती है कंवर लेक कंवर लेक ये बिहार में है और ये अभी रिसेंट में 2020 में ही रामसार वेटलैंड साइट इसे डिक्लेयर किया गया था ये एक ऑक्सबो लेक से बनी होती है और ये फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक ये एक फ्रेश वाटर लेक है जैसे यहाँ पर चिलिका ऊपर हो गई फिर कोलेरू हो गई और फिर इसी तरीके से एक और है क्या नाम है इसका यहाँ पर हम लोगों ने देखा है अभी पुलिकट यस पुलिकट तो बेसिकली पुलिकट और ये जो हमारा चिलिका है ये दोनों Uh, मतलब सेलाइन uh, वाटर uh, है सेलाइन वाटर होने का मतलब ये एक लगून है और जबकि वहीं जो ये कोलेरू है ये एक फ्रेश वाटर लेक है कृष्णा गोदावरी रिवर यहाँ पर प्राइमरली हमें देखने को मिल जाती है और रामसार लिस्ट ये भी यहाँ पर है सुंदरबन का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा ये कहा जा रहा है कि जो लॉस एंड डैमेज वाला क्लॉज है इस लॉस एंड डैमेज क्लॉज जो कि पैरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत निकल करके आया था यहाँ पर ये जो सुंदरबन डेल्टा है धीरे धीरे ये भी लो लाइंग होने के कारण से ये भी डूबता जा रहा है 40 परसेंट का जो सुंदरबन डेल्टा है वो इंडिया में है और बाकी 60 परसेंट बांग्लादेश में है लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं और कल्चरल हेरिटेज साइट और रामसार साइट भी है ये कुछ यहाँ पर ऑपरेशन भी दिए गए जैसे कि ऑपरेशन कच्छप ऑपरेशन कच्छप जो है वो बेसिकली कछुए से रिलेटेड है कछुआ से रिलेटेड है कछुए की इलीगल ट्रेड चल रही है और इसी को डी ने दैट इज़ रिवेन्यूफ़ इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पकड़ा है ये डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है और यहां पर गंगा रिवर में जो थर्टीन कछुए की स्पीसीज होती है उसकी इलीगल ट्रेड हमें देखने को मिली है क्रिप्टोबायोसिस क्रिप्टोबायोसिस एक प्रोसेस है जहां पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राइमरली पाया गया है साइबेरिया में और ये फ्रोजन स्टेट में था मतलब इसको माना जा रहा था कि यह डेड हो चुका है और अपनी डेड पोजीशन में ही था लेकिन अभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अभी इसकी स्टार्ट हुई है तो पता चला है कि हाँ ठीक है ये अभी बैक टू लाइफ पे आ गया है तो अगर कोई स्पीसी कोई ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे समय तक कोई लाइफ के साइन ना दे रहा हो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहां पर खत्म हो गई हो और फिर अल्टीमेटली जिंदा हो जाए उसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस यानी क्रिप्टो मतलब कि बहुत ठंडे जगहों पर है और अपने आप की जो हाइबरनेशन की एक्टिविटी होती है ना जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पर कर लिया है फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस एक्चुअली हुआ क्या है कि एक फीमेल क्रोकोडाइल है और इसने अभी बिना मेल स्पर्म के इसने अपना एक बच्चे का जन्म दिया है तो यही चीज कही जा रही है कि बिना सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसी के जगह पर ए सेक्शुअल एक्टिविटी के थ्रू जब यहाँ पर आप स्प्रिंग निकल करके आ रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैकल्टेटिव पार्थियोजोनेसिस इन्वायरमेंटल डी एन e ए डी एन भी जिसको बोला जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि एक डायग्राम uh, भी देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर ये एक डी विल्ट गोल्डन मोल का फोटो है अजीब सा फोटो है इसका मुंह ही नहीं पता चल रहा है किधर है खैर तो कहा जा रहा है कि 87 ईयर में इसे वापस से रिवाइव किया गया है कैसे किया गया एनवायरमेंटल डीएनए के थ्रू अब इन्वायरमेंट में इसका न्यूक्लियर या माइटोकॉन्ट्रियल डीएनए मिला जिसके थ्रू अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ये डेवलप कर लिया गया है ई डी एन ए टेक्निक ये है जहाँ पर इन्वायरमेंट में डी एन ए कलेक्ट किया जाता है और फिर अल्टीमेटली उसको डेवलप किया जाता है एक स्पीसी के फॉर्मेट में ट्रॉपिकलाइजेशन ट्रॉपिकलाइजेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर चूंकि नदियों का पानी का जो टेम्परेचर है वो भी लगातार बढ़ते आ रहा है इसलिए जो हमारे मरीन स्पीसीज हैं वो इक्वेटर से पोल की ओर में चलते जा रहे हैं क्यों क्योंकि सीधी सी बात एक टेम्परेचर उनको भी चाहिए तो उस जगहों पर जाकर के रुकेंगे जहां पर उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तो इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन बोरियलाइजेशन क्या चीज है बोरियलाइजेशन का मतलब है टेम्परेट स्पीसी का एक्सपैंड होना यानी कि अपने एरिया को आगे बढ़ा लेना इंटरनेशनल इंटरनेशन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज इंक्वाइस इंक्वायस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंतर्गत आती है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है और इनका मेन काम यही होता है कि ओशियन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना उस पर प्रोसेसिंग करना और उसकी चीज़ों को देखना दैट्स इट फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडी फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिलीज की गई है यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं ये 24.24 लाख वाटर बॉडीज हैं 97 परसेंट रूरल एरिया में है और लगभग 3 परसेंट जो है वो अर्बन एरिया में है ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर टॉप थ्री स्टेट देखें तो वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये मोस्ट वाटर बॉडीज में आ जाते हैं मतलब यहां पर देखेंगे तो न, नदियां बहुत ज्यादा हैं स्टेट यूटी विद लीस्ट वाटर सिक्किम हो गया चंडीगढ़ हो गया और दिल्ली का हो गया मैन मेड वाटर बॉडी सेवेंटी और नेचुरल जो है वो बाईस परसेंट में देखने को मिल जाती हैं मिस्टी मिस्टी का मतलब है जो मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम्स ये बेसिकली मैनग्रूव प्रोटेक्शन के लिए स्टार्ट किया गया है रिज़ुविनेटेड वाटर फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट दैट इज रिवॉर्ड प्रोग्राम रिवार्ड प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स का है जहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक से असिस्टेड भी है अभी हाल फिलहाल में इसे कर्नाटका और ओडिशा में इम्प्लीमेंट किया गया है मेन काम यही है एग्रीकल्चर रिजिलियंस हमें यहाँ पर वाटर शेड डेवलपमेंट करनी है तो एग्जाम में अगर पूछा गया रिवॉर्ड प्रोग्राम किस रिलेटेड है तो आप बताएंगे वाटर शेड डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये किस मिनिस्ट्री का है तो ये लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट का है किसके द्वारा असिस्टेड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड है ओके नाउ यू गाइस कमेंट कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया हुआ प्रोग्राम है यहां पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो रिवार्ड प्रोग्राम है अभी ये कर्नाटक और उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है कुछ यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो न्यूज में बने हुए थे वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस नेचुरल रिसोर्स के तौर पर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत मेनली इनका काम है बायोडावर्सिटी इन जनरल इस पीटीज इस सब एरियाज में इनका रिसर्च करना होता है इनकी जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है अभी रिसेंट में इसने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 रिपोर्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये आ, मतलब निकाला गया है यहाँ पर कुछ की हाईलाइट्स आप लोग देख लीजिए जैसे यहाँ पर बर्ड की जो रिचनेस है वो कम हो रही है ऑब्वियसली बात है मास एक्सटिंक्शन का टाइम चल रहा है जहां पर कुछ ना कुछ स्पीसी एक्सटिंक्ट होते आ रहे हैं तो बर्ड की स्पीसी में भी हमें गिरावट देखने को मिली है लॉन्ग डिस्टेंस से जो माइग्रेंट है माइग्रेटरी बर्ड है उनकी भी संख्या में गिरावट देखने को मिली है शोर लाइन बर्ड दैट ब्रीड इन द आर्कटिक यहां पर भी अफेक्टेड लोग हुए हैं मतलब सभी यहां पर अफेक्टेड हैं इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है बाकी इसके अलावा इंडेन्जर्ड क्रिटिकली इंडेन्जर्ड इनके बारे में भी बात की गई है यू कैन स्किप दिस ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है बाकी इसके द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है जहां पर कौन सी स्पीसीज किस तरीके से है एक बार चाहू चाहिए आप लोग तो इसको रीड कर सकते हैं लेकिन अगेन ये वही चीज है एक क्वेश्चन के लिए माथा पच्ची करना तो आप चाहें तो इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लास्ट टॉपिक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एनपीओ और इसका मेन काम होता है नेचर से रिलेटेड चीजों को प्रोटेक्ट करना और उसके प्रति ये फंड वगैरह प्रोवाइड करता है 1991 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आई सी एन हेडक्वार्टर में ये बेसिकली इस्टाब्लिश uh, किया गया था फिर उसके बाद से इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड फंड फॉर नेचर 1985 में कर दिया गया था इसका हेडक्वार्टर अभी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और बाकी ये अर्थ आवर करके एक Uh, मतलब मूवमेंट uh, चलाया गया था जहां पर सिडनी में मतलब वही है कि एक दिन के लिए मतलब एक घंटे के लिए लाइट ऑफ कर दिया जाता है और फिर अल्टीमेटली हर जगहों पर ये यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देता है लोगों के अंदर एक एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज लेकर के आता है इसके अलावा लिविंग प्लानिट रिपोर्ट ये इस ऑर्गेनाइजेशन uh, के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है दैट्स इट फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स अब देखिए ग्रीन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है डिपॉज़िट सिंपल होते हैं जहाँ पर बैंक्स में आप लोग जा कर के अपना पैसा वगैरह डिपॉजिट करते हैं अलग अलग तरीके का होता है जैसे एक होती है जो आपकी सेविंग्स डिपॉजिट होती है दूसरी होती है जिसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं और तीसरी इसी तरीके से होती है जो हम लोग रिकरिंग डिपॉज़िट वगैरह के फॉर्मेट में लेकर के आते हैं ऐसे ही हमारी एक डिपॉजिट है दैट इज़ ग्रीन डिपॉजिट ग्रीन डिपॉजिट का मतलब ये है कि ऐसी डिपॉजिट्स जो कि आगे जा करके इन्वायरमेंट के लिए काम करेगी एन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई स्कीम है या एनी रिलेटेड विद ए इन्वायरमेंट उसका पैसा फाइनेंस किया जाएगा इस ग्रीन डिपॉजिट के जरिए अभी हाल फिलहाल में आर ने एक फ्रेमवर्क निकाला है कि आप ग्रीन डिपॉजिट को किस तरीके से जो बैंक्स है उसका ट्रांजैक्शन कर सकती हैं जो ग्रीन डिपॉजिट होगी वो एक इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट होगी ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा रिसीव की जाएगी इसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा और ये ग्रीन फाइनेंसिंग का ही मेन काम करेंगी ग्रीन फाइनेंसिंग या ग्रीन जो डिपॉजिट्स होंगे ये कस्टमर को ऑफर किए जाएंगे जस्ट लाइक like जो फिक्स uh, डिपॉजिट होती है वैसे ही अब जैसे कोई बैंक है मान लेते हैं कि कोई भी एक बैंक है बैंक अलग अलग तरीके के होते हैं जो बैंक जो होगी जिस तरीके से फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है और इसके लिए जो कस्टमर्स होंगे वो आएंगे फिक्स डिपॉजिट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ेंगे और फिर अल्टीमेटली इसको परचेज़ कर लेते हैं सिमिलरली इसी तरीके से कई सारी एस आई पी प्लान्स भी होती हैं या जिसको हम लोग टर्म्स प्लान्स भी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं तो इसको कस्टमर आते हैं परचेज करते हैं और अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको साइन कर लेते हैं सेम वैसे ही इसी तरीके की ग्रीन डिपॉजिट दी जाएगी बेची जाएगी बैंक्स के द्वारा कस्टमर आएंगे उसको परचेज करेंगे और अल्टीमेटली जो भी यहाँ से फाइनेंस निकल करके आया बैंक के द्वारा ये फाइनेंस निकल करके आया अब इसका यूज़ किया जाएगा ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए तो जो बैंक्स होंगे ग्रीन डिपॉजिट को ऑफर करेंगे कस्टमर्स को और अल्टीमेटली जो कस्टमर्स होंगे उनको परचेज कर लेंगे और इस प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली जो भी ग्रीन एक्टिविटीज है या ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा चला जाएगा अब यहाँ पर कौन कौन से बैंक हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं यानी कि जितने भी सरकारी वगैरह प्राइवेट वगैरह बैंक है वो सब यहाँ पर आ जाते हैं ये लोग अपना इस तरीके का ग्रीन बॉन्ड या ग्रीन फाइनेंसिंग निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया रीजनल रूरल बैंक को और पेमेंट बैंक को ये बेसिकली छोटे बैंक होते हैं जो गाँव वगैरह में लगाए जाते हैं इनकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है इसके अलावा वो सभी एन भी जो आर पर रजिस्टर्ड हैं और डिपॉजिट लेती हैं वो सभी भी अल्टीमेटली इस तरीके का ग्रीन बॉन्ड निकाल सकते हैं जैसे कि एच जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं ये लोग भी निकाल सकती हैं ध्यान आपको ये रखना है केवल और केवल ये इंडियन रुपीज़ में ही डिनोमिनेटेड हो सकती हैं ऐसा नहीं है किसी फॉरेन करेंसी में हो और दूसरी चीज़ जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है वॉल्टियर है करना चाहे तो कर सकती हैं नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती ग्रीन डिपॉजिट निकाल निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं अगेन ये वॉलंटियर बेसिस पर है लेकिन सीधी सी बात है कौन नहीं निकालना चाहेगा फ़ायदा है इसमें फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जितने भी ग्रीन डिपॉजिट्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रायवर्टी सेक्टर लेंडिंग में चली जाती हैं अब प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग में जैसे एग्रीकल्चर के लोगों को लोन देना या फिर दूसरे एजुकेशन वगैरह में लोन देना तो इन सब चीज़ों में एन होने का ज़्यादा खतरा रहता है वहीं दूसरी ओर जो ग्रीन डिपॉजिट है ये एक तरीके का फिक्स्ड इनकम है तो कहीं ना कहीं ये जो फिक्स्ड है ये ज़्यादा फायदेमंद होगा बैंक के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत ले आ करके भी तो इसी वजह से ऐसा नहीं है मैंडेटरी नहीं किया गया लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज लुक्रेटिव फॉर द बैंक्स जो रेगुलेटेड इंटीजीज होती हैं ये अपना ऐसा नहीं कर सकती हैं कि पहले ही जैसे मान लेते हैं कहीं पर कोई मान लेते हैं कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक इनको पहले ही फाइनेंस कर दे पैसा दे दे और फिर कहे कि हम ग्रीन डिपॉजिट निकाल के रखे हुए हैं अभी ग्रीन डिपॉजिट का पैसा फिर इसके मतलब इसको फाइनेंस कर देगा ये काम नहीं करना है ग्रीन डिपॉजिट से जो पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ वही डाइवर्ट किया जा सकता है इनफैक्ट जो सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स हैं इसके भी पैसा को इन्वेस्ट किया जा सकता है रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा भी जो भी फंड रेज किया जाएगा उसको कवर किया जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा यानी कल को अगर मान लेते हैं बैंक बैंक हो जाती है तो ये ग्रीन बॉन्ड का जो पैसा जिस कस्टमर ने खरीदा है यानी सीधी सी बात है पैसा अपना देगा ग्रीन बॉन्ड लेकर के जाएगा तो जब रिटर्न करने आएगा फिक्स टाइम पीरियड के बाद में जो उसको रिटर्न मिलना है अगर मान लेते हैं उस समय बैंक हो गई है कंपनी तो उस समय इस एक्ट के थ्रू पैसा दे दिया जाएगा ग्रीन एक्टिविटीज या जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जो भी प्रायवर्टी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं उनको प्रायवर्टी सेक्टर गाइडलाइन लगाई जाएगी बैंक्स को इनफैक्ट ये uh, मतलब अलाउ uh, किया गया है कि आप ओडी फैसिलिटी भी दे सकते हैं ओडी का मतलब ओवर ड्राफ्ट बोला जाता है जितना भी लिमिट है उससे ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा यहां पर वेरिफिकेशन वगैरह करवाया जाएगा आखिर में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस सेक्टर के अंतर्गत लगाए गए हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई हो गया एनर्जी इफिशियंसी क्लीन ट्रांसपोर्टेशन क्लाइमेट चेंज चेंजडाप्टेशन सस्टेनेबल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बस आप ये ध्यान रखिएगा एक्सक्लूड कौन कौन से किए गए हैं क्योंकि सवाल अगर बना तो इसी से बनेगा जैसे वो सारे एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन या फॉसिल फ्यूल बेस्ड अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया गया है तो वो ग्रीन फील्ड में नहीं माना जाएगा ये ब्राउन फील्ड होती है बेसिकली एक तरीके से समझिए न्यूक्लियर रिलेटेड अगर कोई है या वेस्ट इंसिनरेशन जो डायरेक्ट फॉर्मेट में डायरेक्ट जलाया जा रहा है तो सीधी से बात है कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल गैसेज निकलेंगी इस वजह से इसको नहीं इंक्लूड किया गया है रिनेबल एनर्जी को किया गया है लेकिन रिनेबल एनर्जी जो बायोमास एनर्जी फीड स्टॉक या फिर मान लेते हैं फॉसिल से निकाल रही है वो यहां पर एग्जिमटेड है मतलब कि एक्सक्लूड किया गया है इसके अलावा एल्कोहल वेपन टोबैको इससे रिलेटेड अगर कोई चीज हुआ लैंडफिल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 25 मेगावाट से ऊपर का है अगर वो हुआ तो उसे एक्सक्लूड किया गया है सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जिस तरीके से ग्रीन बॉन्ड है वैसे ही सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड है ये ग्रीन है गोल्ड नहीं है ध्यान रखिएगा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इज अ डिफरेंट थिंग दिस इज सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड नाउ सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड का फर्स्ट ट्रांस अभी अनाउंस किया गया है इस बजट 2022-23 में ये ग्रीन बॉन्ड है बेसिकली जहां पर जिसे एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट के तौर पर दिया जा रहा है सर जस्ट लाइक ग्रीन बॉन्ड है वैसे ही यहां पर भी सोवरीन ग्रीन बॉन्ड है ये पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में इशू किया गया था बजट ट्वेंटी ट्वेंटी में इसे अनाउंस किया गया है अभी इसके नाइन एलिजिबल कैटेगरीज बनाई गई हैं वो नाइन एलिजिबल कैटेगरीज में एक है रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी इफिशियंसी क्लीन ट्रांसपोर्टेशन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्स एंड लैंड यूज एंड टेरिस्टियल एंड एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ध्यान रखना है जो ग्रीन बॉन्ड्स थे या जो ग्रीन बेसिकली डिपॉजिट्स थे उसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यहां पर जो सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड है ये फिक्स है यहां पर कौन कौन सी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई हैं दो टायर में इसका गवर्नेंस किया जा रहा है एक है मिनिस्ट्री लेवल पर मिनिस्ट्री लेवल पर इनिशियल सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट को देखा जाएगा दूसरा है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी जो कि जितने भी मतलब जो भी डिसीजन वगैरह लिए गए हैं उसको वैलिडेट करेगी बेसिकली ये देखेगी कि ग्रीन फाइनेंसिंग वगैरह किस तरीके से करना है ठीक है मैनेजमेंट करने के नाम पर यहाँ पर एक पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल होगा जो कि इस पूरे के पूरे सॉवरीन ग्रीन बॉन्ड को देखेगा ऑडिट करने के लिए सी होती है दो और इसी तरीके के बॉन्ड है एक है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड और दूसरा है राइनो बॉन्ड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड ये एक्जिम बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसका डेटा वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया का एक्जिम बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इस चीज को मतलब लिस्ट किया है ये ग्रीन और सोशल बॉन्ड दोनों को ही दोनों को ही ये कंबाइन करके अल्टीमेटली सॉवरिन बॉन, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड बनाया गया है राइनो बॉन्ड ये साउथ अफ्रीका का जो ब्लैक राइनो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइनो बॉन्ड निकाला गया है वर्ल्ड बैंक जो होता है इसको एक तरीके से कह लीजिए कि देख रहा है रिसोर्स इफिशियंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोल्यूशन यानी कि आर क्या चीज है ये यहां पर सबसे पहला जो टर्म है वो है सर्कुलर इकोनॉमी का समझ लेते हैं सर्कुलर इकोनॉमी क्या चीज़ होती है सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कोई एक आइटम है ठीक है मान लेते हैं कि ये खराब हुआ तो फिर इसका इसको पहले कोशिश करेंगे रिड्यूस करने की कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए रिड्यूस करना है हमें लेकिन जब खराब हो गई तो इसका री करना है कैसे रीयूज करना है और फिर उसके बाद से रिसाइकिल किस तरीके से करना है तो ये जो थ्री आर सिस्टम होती है जहां पर रिड्यूस रीयूज एंड रीसाइकिल है इस पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं हमारा सर्कुलर इकॉनमी

और यहाँ पर यही चीज़ बोली गई कि हमें सर्कुलर इकोनमी के साथ में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लिंक कर देना चाहिए इससे फायदा क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि 2030 एजेंडा फॉर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हमारा अचीव होने लगेगा पेरिस एग्रीमेंट कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और किगाली एग्रीमेंट रिसोर्स एफिशेंसी डायलॉग फ्रेमवर्क इन सब के थ्रू जितने भी हम लोगों ने टारगेट्स और एम्स वगैरह हम लोगों ने गोल्स वगैरह बना करके रखे हैं वो इसके थ्रू अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा इनफैक्ट ग्लोबल रिसोर्स कंजम्पशन 1970 तक हमें ट्रिपल करके रखना है कैसे होगा इसी सर्कुलर इकॉनमी के थ्रू ही होगा ग्लोबल इकॉमी को 7.2 परसेंट अभी फिलहाल में सर्कुलर है जो कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है इसे हमें और अप करने की जरूरत है इंडिया में 20 परसेंट जो गुड्स हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है और इनफैक्ट आप लोगों को पता भी होगा इनफैक्ट मैगजीन में भी कवर किया गया है कि राइट टू दिस इज राइट टू रिपेयर का इंडिया में कंसेप्ट लेकर के आया गया है जिसके थ्रू जो भी गुड्स हैं उनको रिसाइकिल भी किया जा रहा है इंडिया जो है ग्रीन हाउस गैस का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है और 9.2 परसेंट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एमिशन इंडिया करता है यहां पर तीन गाइडिंग प्रिंस, प्रिंसिपल्स हैं एक है पार्टनरशिप फॉर इंपैक्ट इन्हेंसिंग कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी को और इन्वेस्टमेंट फॉर स्केल एक है बेसिकली जहां पर पार्टनर कोऑर्डिनेशन लेकर के आ रहा है दूसरा है टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहा है तीसरा है जो फाइनेंस लेकर के आ रहा है कई सारे इनिशिएटिव हैं जहां पर हम इस सर्कुलर इकोनमी को प्रमोट भी कर रहे हैं जैसे नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी 2019 का मिशन लाइफ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन इंडिया ने जो लॉन्च किया है जिसमें जीरो वेस्ट के बारे में बात की गई है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई वॉट वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया मेटल रिसाइकलिंग पॉलिसी हो गई स्ट्रैटेजी ऑन द रिसोर्स इफिशियंसी बाई नीति आयोग एंड यूरोपियन यूनियन ये भी हो गया सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है ये जी ट्वेंटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है इसकी मीटिंग अभी फिलहाल में मुंबई में हुई थी अब ये मेनली एज अ ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप के तौर पर स्टार्ट किया गया था इनका मेन काम जो है वो जो जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसको आ, डिटेल में डिस्कस करना प्लस साथ में उसकी इन्वेस्टमेंट और जितने भी कैपिटल इन्फ्लो वगैरह वाली चीज़ें हैं इसको यहाँ से पारित करना इसको यहाँ से चैनलाइज करना इनका मेन काम होता है ग्रीन बिल्डिंग्स ग्रीन बिल्डिंग क्या चीज़ है ग्रीन बिल्डिंग ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस अभी फिलहाल में मतलब कि चेन्नई में इसकी मीटिंग की गई थी ग्रीन बिल्डिंग का सीधा मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पर अब जैसे ऐसे समझिए बड़े बड़े रूम्स होते हैं यहाँ पर जैसे यू की जो बिल्डिंग है वो एक ग्रीन बिल्डिंग है कैसे क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरीके का एस्थेटिक्स इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ऑटोमेटिकली ये ठंडा रहता है यहाँ पर आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिससे कि आपका कार्बन इमिशन रिलेटिवली कम होगा प्लस साथ ही साथ में यहां पर जो एलिमेंट यूज किया जाता है वो का टेम्परेचर को कैप मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए कि अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ में मिक्स नहीं होने देता है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है एनर्जी इफिशियंट है और नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग्स होती हैं यहां से जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी रिड्यूस किया जाता है अब कुछ यहां पर नए इन्वेंशन्स किए गए जैसे एग्रो कंक्रीट एग्रो कंक्रीट ये कार्बन निगेटिव मटेरियल बिल्डिंग होती है इससे क्या होता है जैसे पैडी पैडीस्ट्रॉ हो गया या वीट हो गया शुगर केन हो गया इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो है आ, मतलब कूलिंग लेकर के आई जाती है कार्बन क्राफ्ट टाइल अब जैसे टाइल्स वगैरह लगाई जाती है तो कार्बन के थ्रू जो हमारा कार्बन है उसको आ, मतलब कैप्चर करके फिर अल्टीमेटली बनाया जा रहा है जियो हीटिंग हो गई जियो हीटिंग जैसे कि स्मार्ट ग्रिड रेफ्रिजरेटर इसके अलावा वेजिटेटेड रूफ टॉप्स ये सब लगाई जा रही हैं ये ग्रीन बिल्डिंग का एक टाइप हो जाता है ये जो हमारी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बनाई गई है ये एक प्रीमियर सर्टिफिकेशन बिल्डिंग है ग्रीन बिल्डिंग को लेकर के प्लस साथ में ये वर्ल्ड की जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसका भी एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है इसकी स्टैब्लिशमेंट सी के द्वारा की गई है और उसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में देखने को मिल जाता है लीड रेटिंग सिस्टम लीड क्या चीज होती है लीड होती है जो एनर्जी और इन्वायरमेंट डिजाइन को लेकर के बनाई जाती है तो बेसिकली दिस इज लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन इसका काम क्या है इसका काम वही है कि एनर्जी और इन्वायरमेंटल डिज़ाइन कुछ इस तरीके से करना है जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे प्लस साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी तरीके की ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल गैसेज हैं वो हमारा एटमोसफियर में न रिलीज हो इंडिया अभी फिलहाल में यूएस और चाइना से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है लीड रेटिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू ग्रीन बिल्डिंग की कॉस्ट सेविंग कार्बन इफिशियंसी ये सब चीज़ें लेकर के आई जाती हैं ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन भी इस यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बेसिकली दिया जाता है डेवलप किया गया है चार तरीके के सर्टिफिकेशन लेवल होते हैं सर्टिफाइड होती है फिर सिल्वर गोल्ड एंड लास्ट में प्लेटिनम होती है जो बढ़िया काम करता है इंडिया का जो लीड प्रोग्राम है वो एडमिनिस्टर uh, किया जाता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये जो अबाउट वाली चीज़ होती है ना ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है लीड जीरो का मतलब क्या होता है लीड जीरो एक सर्टिफिकेशन है जहां पर यह बोला है status, मतलब जाता है कि नेट जीरो या नेट पॉजिटिव स्टेटस कार्बन इमिशन को मतलब कि कार्बन कैप्चर को लेकर के किया जाता है बाकी यहां पर जरूरत नहीं है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नियरली वन थर्ड ऑफ़ द कार्बन एमिशन इंडिया से ही इंडिया की जो बिल्डिंग की और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ से ही निकल करके आता है ये सबसे बड़ा कार्बन एमिशन का सोर्स है इसके अलावा हरियाणा और तमिलनाडु ये लीडिंग स्टेट है जो ये हमारा लीड सर्टिफिकेट है इसमें इंडिया का जो डी ग्रुप है जो कंपनी है ये बेसिकली लीड ज़ीरो सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इंडिया की गृहा एक सिस्टम है गृहा यह टेरी के द्वारा यानी कि द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू डेली के द्वारा और साथ में एम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनेबल एनर्जी के द्वारा निकाली जाती है ये बेसिकली जो ग्रीन बिल्डिंग्स है उनकी रेटिंग प्रोवाइड करती है पांच साल के लिए इनकी रेटिंग होती है माहिर दैट इज मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक प्लान है जहां पर टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर में और हाई इंपैक्ट रिसर्च इन दो चीजों को प्रमोट करना है अब यहां पर मेनली दो ऑब्जेक्टिव हैं एक पहले तो जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे रेलेवेंस की रहेंगी उसे आइडेंटिफाई करना है दूसरी चीज हाई इंपैक्ट बनाना है तो हाई इंपैक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा एक हमें वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है एनर्जी सेक्टर के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जिससे कि ये स्टेक होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा और बेहतर तरीके की हम एनर्जी को जो भी एनर्जी की टेक्नोलॉजीज हैं उसके थ्रू अल्टीमेटली एनर्जी सेक्टर को और आगे बढ़ाएं या फिर कहा जाए नए टेक्निक्स को निकाल करके लेकर के आए फंडिंग जो की जाएगी वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा की जाएगी जो अप्रोच रहेगा वो बेसिकली प्रोडक्ट के डेवलपमेंट का आइडिया रहेगा जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी है जिसका मेन काम है जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करेगा दूसरी एक एपेक्स कमेटी रहेगी जो मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्न की जाएगी मिनिस्ट्री दो है इसमें पावर और न्यू एंड एन रिन्यूएबल एनर्जी इनका मेन काम रहेगा वही कि हम पी सेक्शन यानी कि पब्लिक रिलेशन्स मेंटेन करें यानी इंटरनेशनल कोलेब्रेशन करें जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट आए उसको अप्रूव किया जाएगा कवरेज के बारे में अगर देखें तो ये आउटकम लिंक्ड फंडिंग के थ्रू यहां पर ग्लोबल वर्ल्ड से फंडिंग ली जाएगी सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अगेन कॉस्ट बेस्ड रहेगा पेटेंट के लिए आगे जो भी नई टेक्नोलॉजीज रहेगी उसके लिए पेटेंट का शेयरिंग किया जाएगा यहां पर बेसिकली वो आठ एरियाज हैं जिनकी रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई किया गया है एक है जो ग्रीन हाइड्रोजन है दूसरी है कार्बन कैप्चर तीसरी है इंडिजिनस कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग चाहे तो सेपरेट क्लास में डिस्कस कर लेंगे नैनो टेक्नोलॉजी सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन जियो एनर्जी इसके अलावा अल्टरनेट आयंस की जो लिथियम आयंस है उसके लिए अल्टरनेटिव कुछ प्रोवाइड करना और बाकी इलेक्ट्रिक कुकर्स या जो पैन है उनके लिए उनकी मॉडिफिकेशन वगैरह करना जो भी चीजें होंगी यहाँ पर एनर्जी के लिए हमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर के आनी है जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा तो ये मेन चीज यहाँ पर रहेगी ध्यान रखना है पावर सेक्टर और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये दो मिनिस्ट्रीज यहाँ पर काम कर रही हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीटैप री टैप का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पर यूएस और इंडिया ये दो लोग मिलकर के आए हैं हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस किया था कॉप इनफैक्ट कॉप ट्वेंटी एट में भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें ट्रिपल कर देना है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं इंडिया भी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है हालांकि इंडिया ने इस चीज़ को साइन नहीं किया था मतलब रेटिफाई नहीं किया है तो रीटैप के लिए अभी इंडिया और यूएस मिलकर के आगे आए हैं एक ज्वाइंट इनिशिएटिव रहेगा जो कि एनर्जी सिक्योरिटी को एडवांस करेगा साथ ही साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन और डीकार्बोनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना है हमें इसका जो मेन काम रहेगा वो टू ट्रैक इंगेजमेंट रहेगी एक यूएस और इंडिया के बीच में जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर के दूसरा रहेगा क्लीन एनर्जी एजेंडा को लेकर के दो काम किए जा रहे हैं क्लाइमेट एक्शन और दूसरा रहेगा आपका एनर्जी यहां पर अगर देखें स्ट्रेटेजिक एनर्जी जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है वो अलग अलग पिलर्स पे है जैसे एक है रिन्यूएबल एनर्जी दूसरा है सस्टेनेबल ग्रोथ तीसरी है पावर एंड एनर्जी इफिशियंसी फिर है ऑयल एंड गैस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और साथ में इमर्जिंग फ्यूल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो फाइव पिलर्स हैं इनको आप लोगों को ध्यान रखना है तो ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं रिटैप के बारे में अगर बात किया जाए तो रिटैप एक एनर्जी जो रीनेबल एनर्जी है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट के लिए प्लान निकाल करके लेकर के आया गया है इसमें अलग अलग तरीके की एनर्जीज हैं सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी ही होगी चाहे वो सोलर के फॉर्मेट में हो चाहे टाइडल हो चाहे विंड हो चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो चाहे आपका ग्रीन मीथेन हो कुछ भी हो एनीथिंग विच इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट वुड बी कवर्ड अंडर दिस रीटैप स्कीम यहां पर यूएस डिपार्टमेंट की एनर्जी और हमारे यहां के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये निकल करके आएगी मेन काम क्या रहेगा एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहेगा इसके अलावा जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसकी हमें टेस्टिंग करनी रहेगी ट्रेनिंग एंड स्किल्स प्रोवाइड करने हैं प्लस साथ में जो भी एनर्जी निकल करके आएगी उसकी प्लानिंग और उसके लिए एक पॉलिसी बनाना है इन्वेस्टमेंट इनक्यूबेशन और आउटरीच प्रोग्राम को भी हमें आगे बढ़ाना है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कुछ यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया जैसे है एयर जनरेशन एयर जनरेटर का मतलब ये हो गया कि जो भी एयर है मतलब वाटर वेपर जो कि एयर में मौजूद है उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना यह नई टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में है जैसे एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर है वहाँ से एनर्जी को निकालना माइक्रोग्रिड अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक बड़ा ट्रांसमीटर अगर आप लगाते हैं तो जितना लंबी दूरी ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा इसकी रसिस्टेंस आएगी और रेसिस्टेंस जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा लॉसेज भी आएंगे इसीलिए कहा गया है एक बड़े की जगह पर छोटे छोटे कई सारे लगाओ इससे क्या होगा कि रेसिस्टेंस कम रहेगा और अल्टीमेटली जो लॉसेज है वो भी कम हो जाएंगे ये हो जाती है आपकी माइक्रोग्रिड पावर वॉल्स पावर वॉल बेसिकली क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और यहां पर बेसिकली स्टोरिंग का काम किया जाएगा एक चीज ध्यान रखिएगा एनर्जी को स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं इसे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते रहते हैं तो स्टोरिंग का मतलब यहां पर कन्वर्ट करने से है इसके अलावा वर्टिकल विंड टर्बाइन यहां पर जो भी वेव्स क्रिएट की जाती हैं वहीकिल के द्वारा ध्यान रखना है गाड़ियाँ चलेंगी उसके द्वारा जो भी वेव्स कैप्चर की जाएंगी उसके थ्रू अल्टीमेटली हम विंड टर्बाइंस वगैरह लगा रहे हैं नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये दुनिया भर के लोगों को एक तरीके से जो भी शुरुआत में तो ऐसा कहा गया था कि जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां पर 300 से ज्यादा सुर मतलब सूर्य की रोशनी रहती है ये लोग अपना सोलर एनर्जी अलायंस के पार्ट बन जाएंगे ये लोग अपना सोलर लगाएंगे फिर उसके बाद सबके लिए ओपन कर दिया गया कि सब ओपन है सभी लोग ओपन यहां पर आ सकते हैं अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल सोलर फैसिलिटी लगाई गई है जहां पर जहां पर मतलब फंड्स रेज किए गए हैं फंड रेज किए गए ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जो ग्लोबल फैसिलिटी है दिस इज इंपॉर्टेंट ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के असेंबली में लिया गया है ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है दैट इज इन गुरुग्राम में है इसका मेन काम क्या है इसका मेन काम यह है प्राइवेट कैपिटल को फ्लो कराना कहाँ-कहाँ पर जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वह ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट हों या फिर रूफ टॉप हों या फिर जो सोलर प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन यूज होंगे इनका काम क्या है इनका काम एक तो यह है कि जो भी पेमेंट गारंटी फंड है उसको डेवलप करेगा इंश्योरेंस देगा और इन्वेस्टमेंट देगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है मान लेते हैं कि अफ्रीका की कोई कंट्री है यहां पर मान लेते हैं कि सोलर का कोई प्रोग्राम है जो लॉन्च करना है सोलर लगाना है अब अफ्रीका की कंट्री नॉर्मली सारे पुअर कंट्रीज हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोग्राम आपने लगाया तो पहली चीज जरूरत पड़ेगी उसके लिए इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर एक फंड बना दिया गया जो कि गारंटी फंड रहेगा दूसरा इनको इंश्योरेंस भी देना होता है कि हाँ ठीक है इतने साल तक तो ये प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा यानी जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा ही चलेगा तो उसके लिए एक इंश्योरेंस फंड बना दिया गया और तीसरा इन्वेस्टमेंट के लिए जो लुकआउट करना है उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड रहेगी तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जो सोलर इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका जैसे कंट्रीज जो रहेंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी एंड दिस हैज़ बिन डिज़ाइंड फॉर दीज कंट्रीज अफ्रीका की जो कंट्रीज के अलावा मतलब एशिया की कंट्री लैटिन अमेरिका मिडिल ईस्ट इन सब कंट्रीज को यहाँ पर एक्सपैंड करना है लोगों को जोड़ना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था इंडिया और फ्रांस बेसिकली मिलकर के ज्वाइंट मीटिंग के थ्रू ये आए थे 2015 में ही पेरिस जब डील हुई थी तो वहाँ पर येलो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ही इस चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था और बाद में दो में अल्टीमेटली कॉप ट्वेंटी में मरक्केश में इस चीज़ को बना दिया गया था गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है बाकी इसके मेंबर कंट्रीज वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रेड अब जैसे ये कहा जा रहा है जैसे मान लेते हैं पूरी दुनिया है ये ठीक है ये मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया साउथ अमेरिका हो गया या हमारा मान लेते हैं अफ्रीका हो गया ये इस तरीके से यहाँ पर यूरोप हो गया और उसके बाद से ये एशिया हो गया इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो गया और मान लेते हैं छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं अब अगर देखेंगे पूरे ग्लोब को तो ग्लोब पर कहीं ना कहीं सनलाइट तो पड़ ही रही है तो ये कहा गया मान लेते हैं कभी अमेरिका में जब सनलाइट पड़ रही है तो एशिया में नहीं पड़ रही है जब एशिया में पड़ रही है तो अमेरिका में नहीं पड़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं तो पड़ रही है तो वाई नॉट वी शुड यूज़ दिस एनर्जी हम लोग इस एनर्जी का जब इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के लिए जो आसपास की कंट्रीज हैं उसको हम लोग सोलर ग्रिड से जोड़ करके उसको सोलर एनर्जी के थ्रू वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे धीरे धीरे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और पूरे वर्ल्ड को ही ग्रिड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो कहीं पर भी अब अमेरिका में भी सूर्य चमक रहा है तो उसकी एनर्जी एशिया में भी रिसीव होगी या एशिया में चमक रहा है तो ये आपका अमेरिका में भी चमके मतलब कि रिसीव होगी इसी चीज़ को बोला जा रहा है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इसके थ्रू डिफरेंट रीजनल ग्रिड को एक कॉमन ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा जिसके थ्रू अल्टीमेटली पावर की शेयरिंग की जाएगी ये इंडिया और यूके के द्वारा मिलकर के आया गया है और आई के ही मीटिंग में इस चीज को मतलब डेवलप किया गया था वर्ल्ड बैंक इस चीज़ को देख रहा है इसका जो फेज होगा वो तीन फेज में होगा पहले छोटे फेज पे होगा मतलब मिडिल ईस्ट साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को आपस में कनेक्ट किया जाएगा दूसरे में जो अफ्रीका की कंट्रीज है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा और तीसरा है जहां पर ग्लोबल इंटर कनेक्शन होगी मतलब फिर उसके बाद से सब लोगों को आपस में जोड़ दिया जाएगा इंडिया इस चीज को लेकर के काफी तेजी से आगे काम कर रहा है इंडिया ने आसपास की जो कंट्रीज है जैसे कि नेपाल बांग्लादेश म्यांमार भूटान इन सबको आपस में ग्रिड से कनेक्ट करना शुरू कर दिया है साथ ही साथ में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी है इसके अलावा बिम्स्टेक के साथ में भी अपना ग्रिड इंटर कनेक्शन पर एक एमओयू साइन ऑलरेडी हो चुका है दो में ही सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर दैट इज स्टार्क इनिशिएटिव नाम से ही देखिए सोलर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर बनाना है तो यहां पर आई एस ए ने यूनाइडो के साथ में यूनाइडो का मतलब यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस करता है इन दोनों के साथ मिलकर के ये स्टार्क प्रोग्राम चलाया गया है काम क्या होगा इसका काम इसका यही होगा कि जितने भी हमारे सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनके लिए गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी इन्हांसमेंट करनी होगी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन दिक्कत यह है कि यह थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन से अब हाइड्रोजन ट्रक चलाए जा रहे हैं इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन इनफैक्ट चलाई जा रही है चाइना में आई थिंक ये आने वाले टाइम में चलना शुरू हो जाएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यबल एनर्जी ने अभी हाल फिलहाल में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड अंडर दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया है ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट इसके यूटिलाइजेशन और इसके एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई है इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो 2030 तक के लिए बनाया गया है क्या क्या, क्या करना है एक तो हमें बनाना है जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी कैपेसिटी हमें डेवलप करनी है प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन मीट्रिक टन इससे जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ करके 125 गीगावाट हो जाएगी इसके अलावा अबेटमेंट टू नियरली 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशमन है वो भी कम हो जाएगा 50 मिलियन मीट्रिक टन तक एक लाख ,00 करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा यानी कि बच जाएगा ये जो चार ऑब्जेक्टिव यहां पर दिए गए हैं दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब यहां पर देखते हैं अगर इस जो ग्रिड मिशन बनाया गया है इसके कुछ नोटिफाइड uh, कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर एक थ्रेशोल्ड बनाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का और उसके थ्रू अल्टीमेटली जो भी चीजें वो डेवलप करनी है इनके डेफिनेशन ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस एंड बायोमास कन्वर्जन अब जैसे मान लेते हैं कि वाटर ही है वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोसिल इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस के थ्रू गुजारेंगे तो यहां पर एच प्लस और ओ एच माइनस बन जाएगा और यहां से हम हाइड्रोजन को अलग सेपरेट कर सकते हैं ग्रीन का मतलब यही है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से निकाला जाए एमिशन के लिए अगर आप देखेंगे तो हम दो किलोग्राम जो टू किलोग्राम सीओ टू हमें बेसिकली निकालना है नोडल एजेंसी इसके लिए भी बी है दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी जो कि क्रेडिट मतलब कि जो आपकी लीड रेटिंग या फिर स्टार रेटिंग जो है वो सब यही करती है मिशन सब कंपोनेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो एक साइट है दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम यहां पर किया क्या जाएगा यही सेम चीज है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फंडिंग वगैरह जुटाना है दूसरी यह शिप दैट इज स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप यहां पर इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मेन काम यहां पर किया जाएगा तो एक तरफ यहां पर फंडिंग का प्रोग्राम है और दूसरा है यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इंडिया अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी सोर्स है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को काफी प्रायोरिटाइज कर रहा है और स्पेशली उन सारे एरिया में जैसे फर्टिलाइजर या ऑयल या स्टील जो जो डीकार्बोनाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं हाइड्रोजन अलग अलग कलर से अलग अलग सोर्स को दिखाता है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन ये वाटर से अगर निकालते हैं इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस के थ्रू वही एच टू से आपने एच प्लस ओ माइनस निकाला यहां से जो आपने हाइड्रोजन निकाला इसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन नेचुरल गैस से अगर निकालते हैं स्टीम से निकालते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन स्टीम रिफॉर्मेशन से निकालते हैं तो ग्रे हाइड्रोजन और पायरोलिसिस के प्रोसेस से निकालते हैं तो इसके लिए बन जाता है हमारा टर्क्योस गैसिफिकेशन ब्राउन कोल के थ्रू निकालते हैं तो ये ब्राउन बन जाती है ब्लैक कोल से निकालते हैं तो ब्लैक हाइड्रोजन न्यूक्लियर से निकालते हैं तो पिंक हाइड्रोजन और बाकी नेचुरली अगर मान लेते हैं कहीं पर पाया जाता है तो उसको व्हाइट हाइड्रोजन बोलते हैं इसकी जो कलर कोडिंग है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इससे भी सवाल आने के चांसेस जरूर रहेंगे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के बारे में अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल काफी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर हमें देखने को मिल जाती है पहली चीज़ इसका जो बाई प्रोडक्ट निकल करके आता है ये आपका वाटर निकल करके आता है तो हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है किसी तरीके की कोई गैस नहीं है ना तो कोई ग्रीन हाइड्रो ग्रीन आ, आ, हाउस गैस इमिशन होता है ना तो कोई भी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज हैं ना तो किसी तरीके की ग्लोबल वार्मिंग है तो कुछ भी नहीं है बस दिक्कत यह है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने आप में कॉस्टली होता है और एक डर रहता है ब्लास्ट होने का बस यही है यही दो यहाँ पर प्रॉब्लम के तौर पर देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रोलाइजर टेक्निक के थ्रू आसानी से वी कैन स्प्लिट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्रॉम देयर वी कैन फेच एज अ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल 99 परसेंट जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली दो ही सेक्टर से निकल करके आता है एक रिफाइनरी से और दूसरा है फर्टिलाइजर से इनफैक्ट रिफाइनरी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलती है और अमोनिया जो निकालते हैं इसको हम लोग ग्रीन अमोनिया भी बोलते हैं और ग्रीन अमोनिया का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं रिन्यबल एनर्जी के सोर्स में डिफरेंट कलर कोड्स हम लोगों ने देखे लिए एडवांटेज यही एक हाई एनर्जी इफिशियंसी है किसी तरीके की हार्मफुल गैस नहीं है डिसएडवांटेज भी हम लोगों ने देख लिया कि इसकी स्टोरेज काफी कॉम्प्लेक्स है हाईली इन्फ्लेमेबल यानी ब्लास्ट होने के बहुत चांसेस हैं और बाकी इसका जो प्रोडक्शन है कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल अभी हम लोगों ने देखा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में इसको फ्यूल सेल के इस्तेमाल फ्यूल सेल के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्यूल सेल है फ्यूल सेल में ये मेम्ब्रेन है एक तरफ आपकी एनोड रहती है एक तरफ आपकी कैथोड रहती है तो कैथोड एक तरफ एनोड रहती है एक तरफ से हाइड्रोजन को इन किया जाता है फिर आउट किया जाता है यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों अलग अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू कर देता है तो इसमें अपने आप में करंट आनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली जो प्रोटॉन्स है वो अपना मतलब अलग अलग जा करके कैथोड या एनोड पर जा करके चिपक जाते हैं और यहां से फिर अल्टीमेटली हम लोग वाटर को आउट कर लेते हैं और इस तरीके से हमारी यहाँ पर एनर्जी निकल जाती है इस तरीके की जो डेवलपमेंट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिकॉज वी हैव एक्सट्रैक्टेड हाइड्रोजन प्लस फ्रॉम देयर अब ये हाल फिलहाल में पहला जो ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन बेस निकाला गया है वो आई कंपनी दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये निकाला है इसकी जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पर जो निकाली जा रही है ये ई मोबिलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाली जा रही है अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो सेम वही एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको निकाला जाता है निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन uh, है या अपना एक सर्किट बना लेते हैं या इस तरह से सर्किट बना लेते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कैथोड पर जा कर के चिपक जाते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी लो हो जाती है हाई एनर्जी इफ़िशेंसी मिल जाती है और बाकी हाई डेंसिटी का एनर्जी मतलब कि हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी रिफ्यूलिंग टाइम शॉर्टर होती है रिलेटिवली जो भी वेदर कंडीशन है वहाँ पर माइलेज मतलब व्हीकल माइलेज जो होती है वो वेदर कंडीशन से नहीं डेवलप हो पा मतलब इम्पैक्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन में यह डी का एक सोर्स बन जाता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी यहाँ पर सूट पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं वो यहाँ से नहीं निकलते हैं इसमें इश्यूज़ क्या हैं एक तो पहली बात इसका जो डेवलपमेंट का यानी प्रोडक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है काफ़ी कॉस्टली है और कहीं ना कहीं इस चीज को इंडिया में लेकर के आना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये फ्लेमेबिलिटी है जल जाता है स्टोरेज अपने आप में मुश्किल हो जाती है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस वगैरह हैं एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ यहाँ पर इनिशियट्स और लिए गए हैं हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इको इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ही यह भी स्टार्ट किया गया है तीन मेन काम है यहां पर एक है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आईपीआर वगैरह है उनको मेन देखता है दूसरा मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइजर और तीसरा है ग्रैंड चैलेंज फॉर इंकरेजिंग स्टार्टअप्स मेन यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप अपने आप समझ में आ रहा होगा कि पहले तो पेटेंट रिलेटेड चीजों को यहां पर किया जाएगा बाकी इसके अलावा जो इसकी प्रोसेस है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइजर क्योंकि कोई भी रिसर्च होगी दैट वुड बी अगेन अल्टीमेट उसका जो गोल होता है वो ग्राउंड पर पहुंचना होता है बाकी इसका रहेगा जो भी स्टार्टअप वगैरह हैं उसको इंकरेज करें उसको लेकर के आए तो ग्रीन हाइड्रोजन के ही स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन और इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके जो चैलेंजेस हैं उसकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसी को अपना रिसर्च किया जाएगा और इसके ही सोल्यूशन के तौर पर निकाला जाएगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम ये इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी ये ट्रेन हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत चलाई जा रही है यानी कि अलग अलग सर्किट्स बनाए गए जैसे रामायण सर्किट हो गया कृष्णा सर्किट हो गया फिर आपकी बुद्ध सर्किट हो गई तो इस तरीके से सर्किट्स बनाई जा रही हैं जहाँ पर पैंतीस हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने की बातें कही जा रही हैं इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन अब देखिए यहाँ पर ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन दोनों ही चीज़ें डेवलप की जा रही हैं मिशन टू ए और मिशन टू बी के अंतर्गत किया जा रहा है मिशन टू ए में ग्रीन हाइड अमोनिया और मिशन टू बे में ग्रीन हाइड्रोजन ये डेवलप किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा टू ए में क्या किया जा रहा है ग्रीन अमोनिया है अब इससे सोलर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन सेम यही ऑयल एंड गैस कंपनीज है बेसिकली जिसके थ्रू डेवलप किया जा रहा है यहां पर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी ग्रीन अमोनिया के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भी 100% परसेंट रीनुएबल एंड कार्बन फ्री सोर्स होता है ब्लू अमोनिया का मतलब होता है जहां पर आप ओशियन से कैप्चर करते हैं जो बेसिकली ओशियन इज कैप्चर्ड सॉरी ओशियन से नहीं जहां पर आपकी सीओ टू एज अ बाई प्रोडक्ट कैप्चर की जाती है स्टोर की जाती है तो सीओ टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जिस तरीके की टेक्निक होती है सेम वही चीज़ यहां पर भी है ग्रे या ब्राउन अमोनिया जो फॉसिल फ्यूल से हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया ये एक हेबर बॉश टेक्निक के थ्रू निकाली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी हाल फिलहाल में ग्रीन अमोनिया पॉलिसी ये नोटिफाई किया है नेक्स्ट टॉपिक है इथेनॉल ब्लेंडिंग इनफैक्ट कई सारी अब गाड़ियां आ रही हैं व्हीकल्स आ रही हैं स्पेशली टू व्हीलर स्कूटी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है ई टेन या फिर ई ट्वेंटी या फिर ई सिक्सटी ई टेन ई ट्वेंटी आपको देखने को मिल जाएगा ई सिक्सटी मुश्किल है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इथेनॉल ब्लेंडिंग समझते हैं जरा क्या प्रोसेस है अब जैसे आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हम आज की डेट नहीं पहले देखिए पेट्रोल पेट्रोल होता है तो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है जिसकी हम लोग रिफाइनिंग करते हैं रिफाइनिंग करने के बाद में अल्टीमेटली फिर इस पेट्रोल को यूज़ किया जाता है जो भी व्हीकल्स वगैरह हैं वहाँ पर तो यहाँ पर क्रूड ऑयल आती है क्रूड ऑयल ठीक है तो क्रूड ऑयल के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ पर रिफाइनिंग के थ्रू चीजें हो जाती हैं तो शुगर मिल्स आर आ, मतलब अभी फिलहाल में क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है इस पेट्रोल को ब्लेंड किया जा रहा है अलग अलग बाकी के जो मतलब फ्यूल हो सकती हैं उसके थ्रू जैसे इथेनॉल के थ्रू यहाँ पर ब्लेंडिंग की जा रही है अभी शुगर मिल्स को बोला गया कि ट्वेंट परसेंट जो होता है इथेनॉल की ब्लेंडिंग ये लोग टारगेट करके रखे हुए हैं ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि इनको मिक्स किया जाएगा पेट्रोल को मिक्स किया जाएगा इनफैक्ट जो हम लोग बी एस थ्री बी एस फोर की गाड़ियाँ निकाल रहे हैं ये भी ब्लेंडिंग के थ्रू मतलब ब्लेंडिंग की चीज़ों को यहाँ पर इसे अकोमोडेट किया जा रहा है कि इस फ्यूल पर भी चले इंजन डेवलप करना मेन जो खर्चा गाड़ी का जो दाम बढ़ता है वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उसको उसका जो इंजन है वो उस हिसाब से डेवलप करना पड़ता है तो यही चीज यहां पर कही जा रही है एग्रीकल्चर बेस्ड जो, जो प्रोडक्ट्स हैं इससे काफी ज्यादा फायदा मिल जाएगा क्यों क्योंकि जो भी बलासेज या जितनी भी बाई प्रोडक्ट्स वगैरह बचते हैं उससे इथेनॉल का डेवलपमेंट हो जाता है यहां पर इथेनॉल का डेवलपमेंट चावल या फिर जो मेज है उसके थ्रू भी हो जाता है ये सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं उनको यूज किया जा रहा है बेसिकली इथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल को यूज किया जा रहा है मेनली इसका मेन जो हम लोगों को फोकस करना है वो 60 परसेंट तक फोकस करना है 60 टू 90 परसेंट हम लोग इथेनॉल को ब्लेंड करने वाले हैं ई ट्वेंटी फ्यूल जहाँ पर ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल रहेगा एट्टी परसेंट फ्यूल रहेगा सिमिलरली इसी तरीके से टेन परसेंट ब्लैंडिंग अभी जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक हमें अचीव कर लेनी है ट्वेंटी परसेंट ब्लैंडिंग दो हज़ार पच्चीस तक कर लेनी है तो यही चीज़ कही जा रही है इसका जो मेन स्टेटस है ब्लेंडिंग का वो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से ब्लेंडिंग वगैरह की जा रही है फायदा इससे काफ़ी है एक ग्रीन हाउस गैस का मिशन काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ब्लेंड कर रहे हैं इसमें इथेनॉल दूसरा एयर क्वालिटी हो जाएगी तीसरा जो हाई ऑक्टेन नंबर हमें देखने को मिल जाएगा बट बढ़िया बर्निंग हमें देखने को मिलेगी बायोफ्यूल चार तरीके का होता है एक होता है जो नॉर्मल क्रॉप्स वगैरह हैं उनके थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं नॉन फूड क्रॉप होते हैं उनके थ्रू निकाला जाता है तीसरा एलगी से निकाला जाता है चौथा होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके थ्रू अल्टीमेटली बायोफ्यूल्स वगैरह बनाया जाता है नेक्स्ट है कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सी एन जी सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ये ये नेचुरल गैस है नेचुरल गैस को जब आप कंप्रेस कर देते हैं तो बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहां पर एक होती है जिसको बोलते हैं बायोगैस बायोगैस को जब हम कंप्रेस कर देते हैं तो वो बन जाती है कंप्रेस्ड बायोगैस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी जो यह हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन है सी और पी के सेक्टर में इसको अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में अगर बात करें तो ये बायोगैस क्लीनर होती है और अफोर्डेबल होती है साथ साथ में इसकी डाइवर्सिफिकेशन भी एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है इंपोर्ट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे इससे अंतरप्रीनियोरशिप को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा क्योंकि रूरल इकोनॉमी में ही मेन हमारा जो ये बायो फ्यूल है वो इसी से ही जो भी प्रोडक्ट वगैरह मिलेंगे इसी के थ्रू निकल करके आएंगे पंचामृत टारगेट जो हम लोगों ने बना के रखा है सी ओ पी ट्वेंटी एट में अपना जो एनडीसी है इसको जब हम लोगों ने अपना रिवाइज किया था सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स के दौरान में ही तो वहाँ पर पंचामृत प्रोग्राम हम लोग लेकर के आए थे तो इससे भी ये डेवलपमेंट हो जाएगा ये जो हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशंस uh, हैं या जो बायोगैस बेसिकली जो हम ऑब्लिगेशन uh, बना रहे हैं ये एक ट्रेडिशनल और अल्टरनेट फ्यूल के तौर पर निकल करके आएगा जहां पर हम बायोगैस की ब्लेंडिंग करेंगे और इससे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जगह पर कुछ दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिससे कि पेट्रोलियम की हमारी जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी और दूसरा इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली भी हो जाएगा ये जो हमारे पास टारगेट्स है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जैसे शुरुआत में दो हजार के लिए अभी वॉलेंटियर छोड़ दिया गया है जिसको लगाना है वो कर लो लेकिन 2025-26 के बाद से अब धीरे धीरे इसकी मैंडेटरी करना शुरू कर दिया जाएगा शुरू में एक परसेंट फिर तीन परसेंट फिर चार परसेंट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26, फाइनेंशियल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी में इस तरीके से आगे जाकर के पांच परसेंट तक हम लोग इसको मैंडेटरी बना देंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी बॉडी इसके लिए एक मतलब मेन एजेंसी बनेगी जो कि इन सारी चीजों को मॉनिटर करेगी और सारी चीजों को इंप्लीमेंट भी कर रही होगी बायोगैस बायोगैस का मतलब होता है जहां पर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेज भी होती हैं यहां पर मेन कंपोनेंट मीथेन का ही होता है अब ये एन एरोबिक डीकम्पोजिशन के थ्रू अल्टीमेटली यहां पर एनर्जीज आती हैं इसे ये मेनली एग्रीकल्चरल रेसिड्यू या जो सॉलिड वेस्ट है या शुगर केन या राइस या जितनी भी चीजें हैं जो सड़ जाती हैं तो सड़ने के बाद में अल्टीमेटली बायोगैस बन जाती है कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर हम चीज़ों को कंप्रेस करेंगे यहां पर जो मिथेन है उसकी कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगी हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहती है और इस वजह से बर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है बाकी जो सीओ टू है वो लेस देन फोर परसेंट रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड लेस देन सिक्सटीन पार्ट्स पर मिलियन रहेगी नाइट्रोजन पॉइंट फाइव परसेंट से भी कम रहेगा ऑक्सीजन पॉइंट फाइव एट सेक्टर एट सब जरूरत नहीं है बस आप ये ध्यान रखिएगा यहां पर मीथेन की बहुत आयत रहती है मीथेन ही ज्यादातर यहां पर देखने को मिल जाता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सतत प्रोग्राम सतत प्रोग्राम सतत क्या चीज है यहां पर हम कुछ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के आ रहे हैं और कुछ अल्टरनेट फ्यूल का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा इस सतत प्रोग्राम के अंतर्गत तो कुछ टारगेट्स हैं जैसे कि जो भी हमारे पास में बायोग जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको 5000 थाउजेंड कंप्रेस्ड बायोगैस के जो प्लांट्स हैं उनको डेवलप करना है फिफ्टीन मिलियन मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायो जो बायोगैस है कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको बनाना है बायो मैन्योर हमें फिफ्टी मीट्रिक टन तक हमें बनाना है यह जो प्रोग्राम है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा स्टार्ट की गई है स्टार्ट की गई थी तो 2018 में ही काम इसका क्या है सेम वही कि आपका जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है उनको डेवलप करना है उनसे बायोगैस को निकालना है और साथ ही साथ में जो भी अल्टरनेट मतलब कि ऑटोमेटिव या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हैं उसकी जगह पर इसको यूज मतलब कि बेचना है बाकी और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं जो कि लिए गए हैं जैसे कि बायो जी एक फ्यूल एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन बायो फ्यूल दो में ही निकाली गई थी गोवर्धन स्कीम बनाई गई थी टू सपोर्ट विलेज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट रिकॉग्निशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोग प्रोजेक्ट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसके अलावा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर भी है और नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम बाई एम एन आर ई ऑफ शोर विंड एनर्जी अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ रि एंड रिनबल एनर्जी ने ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट्स जो कि तमिलनाडु में डेवलप किए जा रहे हैं उसके बारे में टेंडर उससे रिलेटेड टेंडर जो है वो स्टार्ट किया है ऑन शोर विंड का मतलब होता है जो आ, मतलब कोस्टल एरिया लैंड के आसपास में ही जो विंड मिल्स वगैरह लगाई जाती हैं ऑफ का मतलब होता है जो किसी लार्ज वाटर बॉडी या ओशियन से दूर हट कर के विंड मिल्स वगैरह लगाई जाती हैं इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं पहली चीज़ जगह अच्छी खासी मिल जाती है दूसरा फिजिकल इंटरवेंशन हमें नहीं देखने को मिलता है और जो टर्बाइंस होते हैं वो ज़्यादा इफिशियंट हो जाते हैं इंडिया में पोटेंशियल ऑफशोर विंड का बड़ा अच्छा है 140 गीगावाट तक का है और अभी हाल फिलहाल में 30 गीगावाट तक हम लोग इंस्टॉल करने की तैयारी

इंडिया मतलब चाइना यूएसए जर्मनी के बाद चौथे रैंक पर इंडिया आता है अभी एनर्जी के बारे में इंडिया के बारे में बात करें तो 10.3 परसेंट इंडिया विंड एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को पूरा करता है नेक्स्ट टॉपिक है टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी।, एनर्जी का मतलब ये होता है जब टाइड्स आती हैं तो इससे यहां पर एक बैरियर लगा होता है पानी भर जाता है फिर उसके बाद से अल्टीमेटली ये पानी जब नीचे आता है तो नीचे आते समय अल्टीमेटली मतलब एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अल्टीमेटली यहां पर जो भी टर्बाइंस वगैरह होती है उसको चलाया जाता है और इससे एनर्जी निकलती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में अगर बात किया जाए तो टाइडल एंड वेव एनर्जी का मतलब टाइडल एनर्जी के बारे में बात करें तो लगभग लगभग बारह गीगा और फोर्टी वन की एनर्जी यहां पर पोटेंशियल है कहां कहां पर है एक तो गल्फ ऑफ खंबात आप ऐसे ही समझ लीजिए जहां जहां पर भी हमारा ओशियन होगा गल्फ ऑफ खंबात का एरिया हो गया सिमिलरली गल्फ ऑफ कच्छ का एरिया हो गया सिमिलरली सदर्न रीजन्स ऑफ जो गुजरात का हो गया पाक बे और मन्नार के पास में हो गया हुगली रिवर और सुंदरबन का एरिया हो गया तो ये सब एरिया जो ओशियन के पास में है वो सभी हाई पोटेंशियल होते हैं एनर्जीज को लेकर के या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के अभी इसका जो ओशियन का थर्मल एनर्जी है वो हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाए हैं कि कितनी एस्टिमेशन हो सकती है कितने टाइप के एनर्जी होते हैं एक होती है वेव एनर्जी जो वेव्स के थ्रू अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है उसके थ्रू अल्टीमेटली हम लोग उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओशियन करेंट एनर्जी ओशियन में जो अपनी सर्कुलेशन होती है उसको लेकर के ओशियन की थर्मल एनर्जी ऊपर नीचे के टेम्परेचर में एक अंतर होता है जिससे आप वेलिंग और तमाम चीजें होती रहती है जिसके थ्रू भी अल्टीमेटली हम एनर्जी को निकाल सकते हैं टाइडल एनर्जी के कई सारे सिग्निफिकेंस है पहला एनर्जी सिक्योरिटी और डाइवर्सिफिकेशन हो गया काफी इफिशियंट होती है एज कंपेयर टू विंड एनर्जी इसके अलावा इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइडल एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल की जगह हम मतलब इस चीज को यूज कर सकते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशन और साथ साथ में पंचामृत के अंतर्गत भी हम इस चीज को डेवलप कर रहे हैं जो भी हमारे पास में विंड एनर्जी होती है इससे नॉइज बहुत ज़्यादा होती है और उसके अल्टरनेटिव के तौर पर हमारा ये जो टाइटल है यह काफी ज़्यादा काम करेगा इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अब देखिए जैसे बी एस फाइव से बी एस सिक्स हम लोगों ने किया जिसमें हम लोगों ने अपनी जो फ्यूल है उसको और ज्यादा रिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ द पोल्यूटेंट वही चीज यहां पर हम और रिफाइनिंग की ओर में आगे बढ़ रहे हैं प्लस साथ ही साथ में जो पेट्रोल बेस्ड चीजें हैं उसके अल्टरनेटिवस भी हम लोग ढूंढ रहे हैं अब इस अल्टरनेटिव के तौर पर नया एक इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल निकाला गया है इस इलेक्ट्रिक फाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब यह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी से भी चीजें चलेंगी प्लस साथ में फ्लेक्स फ्यूल के बेस्ड चलेंगी फ्लेक्स फ्यूल का मतलब जो हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं इस ब्लेंडिंग बेस्ड भी चीजें चलेंगी आजकल गाड़ियों पे देखिए लिख के आता है हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिक प्लस साथ ही साथ में आ, आपकी पेट्रोल दोनों से ही चीजें चलती हैं सेम ऐसे ही गाड़ियों पे आपने देखा होगा ई ट्वेंटी ई सिक्सटी इस तरीके से लिख करके आता है इसका मतलब ये होता है कि ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी चल सकती है यानी ई ट्वेंटी जहां पर इथेनॉल ट्वेंटी परसेंट है ई सिक्सटी जहां पर इथेनॉल सिक्सटी परसेंट है तो जो फ्लेक्स फ्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ट्रेन दोनों से ही चल सकते हैं इथेनॉल का काफी ज्यादा यूज होता है इससे हालांकि इससे थोड़ी इफिशियंसी गिरती है यानी कि जो माइलेज है वो रिलेटिवली गिरता है लेकिन रिलेटिवली ये इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा हो जाता है फ्लेक्स फ्यूल एक से ज्यादा फ्यूल पर यह चल सकती हैं जहां पर हम मिक्सचर यानी ब्लेंडिंग को भी लेकर के आ सकते हैं जैसे ई एटी फाइव है जहां पर एटी फाइव परसेंट इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है माइलेज हालांकि कम हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए जो पॉल्यूटेंट वगैरह है वो हार्मफुल पॉल्यूटेंट जितने भी है वो एटमोसफियर में नहीं जाते हैं रिलेटिवली उनकी संख्या रिड्यूस हो जाती है अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो बी एस स्टैंडर्ड्स हैं बेस स्टैंडर्ड को बी एस फोर से सीधे बी एस सिक्स की ओर में जंप किया हम लोगों ने फाइव को यहां पर छोड़ दिया था अब इसमें चेंजेस किए गए थे जैसे कि जो एनओएक्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह है उसके लिए हम लोगों ने यहां पर कैटालिटिक रिडक्शन लगाया है सिमिलरली इसी तरीके से सल्फर को हटाने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए गए हैं जिससे कि हमारा 80 परसेंट तक जो भी सल्फर है वो रिड्यूस हो रहा है इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए डीजर पार्टिकुलेट फिल्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम लोग व्हीकल की डेवलपमेंट उसके इम्प्रूवमेंट और उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बनाया जाएगा उसके लिए काफी कुछ कदम उठा रखे हैं नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक नया रूल नोटिफाई किया है जहां पर ग्रीन एनर्जी का ओपन एक्सेस दे दिया गया है जैसे मान लेते हैं कि घरों में जो भी बिजली आती है चाहे घर में बोलिए या फिर मान लेते हैं कि कॉमर्शियल बेसिस पर जैसे आपकी मान लेते हैं कोई फैक्ट्री वगैरह लगी है या फिर मान लेते हैं कोई दुकान वगैरह लगी हुई है तो यहाँ पर यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो थर्मल बेस्ड होती है या फिर वो न्यूक्लियर बेस्ड होती है अब यहां पर चूंकि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की चीजों को लेकर के आ रहे हैं तो अब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की चीजों को भी प्रमोट करेंगे और इसीलिए इनफैक्ट जितनी भी डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से जो भी ग्रीन एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए इनफैक्ट इसके की फीचर के तौर पर अगर बात किया जाए तो वेस्ट से जो एनर्जी हम लोग डेवलप कर रहे हैं और वहां से जो ग्रीन एनर्जी निकाल करके लेकर के आ रहे हैं उसी का प्रमोशन करना है उसी का जनरेशन करना है और उसी की ट्रांसमिशन भी करनी है इनफैक्ट कोई भी कस्टमर अगर है तो वो ओपन एक्सेस के लिए डिमांड भी कर सकता है अगर मान लेते हैं आप कमर्शियल बेसिस पर हैं तो आप वॉलंटियर बेसिस पर कह सकते हैं कि मुझे ग्रीन एनर्जी वाला ही जो इलेक्ट्रिसिटी uh, है वो प्रोवाइड करवाया जाए इसके अलावा जो भी ग्रीन एनर्जी है उसकी डिमांड को इंटाइटल किया जा रहा है इस डिस्कॉम के द्वारा डिस्कॉम्स जो भी इलिजिबल कस्टमर्स होंगे उनको ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा ये एक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के तौर पर रहेगा और कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को मतलब प्रमोट करने के लिए है इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रमोशन के लिए है इंडिया में अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी तो 2250 गीगावाट हम लोग 2028 तक ये डेवलप कर लेंगे इंडिया का प्लान है कि हम 500 गीगावाट 2030 तक डेवलप कर लें और कार्बन जो कार्बन एमिशन है उसको हम 45 परसेंट से कट भी कर लें इनफैक्ट ये हमारा जो एनडीसीज़ है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसी के हिसाब से हम लोगों ने यह सारी चीजें किया है इंडिया ने ऑलरेडी 176.45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर लिया है 2023 तक ही और हम लोगों को 250 लेकर के जाना है 2028 तक तो सोलर इस समय काफी अच्छा काम कर रहा है और इसने हाफ ऑफ द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं ये फुलफिल कर रहा है बाकी जो विंड है वो वन बाई थर्ड तक कवर कर रहा है कुछ और भी छोटी मोटी न्यूज है जैसे ने नेचुरल गैस नेचुरल गैस का कंजम्शन अब काफी गिर गया है सिक्स से गिर गया है नेचुरल गैस मेनली यहां पर मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन एंड पेंटेन होती है ये एक मिक्स गैस होती है हाइड्रोकार्बन होते हैं मेनली यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम और बाकी और भी पोल्यूटिंग गैसेस भी होती हैं हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है नैरो इन्फ्लेमेबल रेंजेस होती हैं बाकी कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल एसोसिएटेड और कोल बेड अलग अलग टाइप की नेचुरल गैस होती है कन्वेंशनल का मतलब ये हो गया जो रॉक सिस्टम के बीच में जैसे पहाड़ वगैरह उसके बीच में नेचुरल गैस होती है जो अनकन्वेंशनल है सैंडस्टोन या जो सेडिमेंट्री रॉक है उनके बीच में होता है जैसे कि शेल गैस हो गई एक तरीके की एसोसिएटेड का मतलब जहां क्रूड ऑयल होती है वहां पर ये साथ में गैस भी होती है बाकी कोल्ड बेड मीथेन जो कोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं वहां पर भी हमें कोल्ड बेड मीथेन में ये नेचुरल गैस मिल जाती है डायमिथाइल ईथर डायमिठाइल ईथर के फ्यूल पर बेस्ड एक ट्रैक्टर बनाया गया आई आई खड़गपुर के द्वारा ये जो डायमिठाइल ईथर होती है ये कलरलेस होती है नॉन टॉक्सिक होती है और हाईली इंफ्लेमेबल होती है अगेन ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर है और कही कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव टू द नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रहा है सिन गैस होती है सिन गैस जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इनको हम लोग बोलते हैं सिन गैस सिमिलरली इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होती है उसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस तो ये सिन गैस का मिक्सचर बेसिकली यहां पर निकाला जाता है इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एल यानी कि जो पेट्रोलियम गैस है उसी के तरीके की ही होती हैं इनका काफी बेनिफिट है जैसे हाई ब्रेक थर्मल इफिशियंसी हाई सीटे नंबर होता है रिनेबल एनर्जी और कहीं ना कहीं इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट है उसको ये रिड्यूस कर देगा पार्टिकुलेट को ये इलिमिनेट कर रहा है लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं जैसे इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कम होती है कैलोरीफिक वैल्यू रिलेटिवली इसकी कम होती है एंटी नॉकिंग परफॉर्मेंस इसकी रिलेटिवली पुअर होती है तो ये कुछ यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स लिखे गए हैं जो कि मैकेनिकल हैं आप चाहे तो उसको एज अ रीड कर लीजिए इसको हम डीजल के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है और बाकी एरोसॉल प्रोपेलेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है एम डी फिफ्टीन एम डी फिफ्टीन ये एक आ, मतलब फ्यूल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है एम डी का मतलब होता है मिथेनॉल डीजल फिफ्टीन यहां पर पंद्रह परसेंट मिथेनॉल है इकहत्तर परसेंट डीजल है और फोर्टीन परसेंट कपलर है ध्यान रखना है फिफ्टीन परसेंट मिथेनॉल है इसी का नाम पर यह बनाया गया है अभी हाल फिलहाल में आई ओ सी एल ने इंडियन रेलवे में इस एम डी फिफ्टीन का यूज किया है मतलब इसको डेवलप किया गया है कि इसको हम यूज करेंगे तो एम डी फिफ्टीन रिसेंटली वॉज इन न्यूज किससे रिलेटेड है तो आप बताएंगे कि ये फ्यूल बेस्ड है क्या फ्यूल है ये मिथेनॉल बेस्ड डीजल है जिसको कि आई ने डेवलप किया है इंडियन रेलवेज को चलाने के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम स्टार लेबलिंग प्रोग्राम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2006 में स्टार्ट की गई थी और ये स्टार्ट की गई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के ही अंडर में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है ये एक स्टैटूटरी बॉडी है जो कि बनाई गई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट टू के अंदर इसका काम क्या है इसका काम सीधी सी बात है जितने भी हमारे अप्लायंसेज और नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक अपलायंसेज पे देखे होंगे स्टार रेटिंग होती है स्टार रेटिंग जैसे वन स्टार है टू स्टार है थ्री स्टार है फोर स्टार फाइव स्टार इस तरीके से स्टार रेटिंग होती है स्टार रेटिंग से बेसिकली हमें पता चलता है कि इस अप्लायंस का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होने वाला है कितना ये यूनिट कितना बिजली ये खाएगा तो इसके लिए नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज वगैरह होते हैं ए रेफ्रिजरेटर टी ठीक है फिर फ्रिज तो इस तरीके की जितने भी अप्लायंसेज है उस पर यह रेटिंग लिखी होती है जितनी बढ़िया जैसे फाइव स्टार रेटिंग अगर होती है तो उतनी बढ़िया अपलायंसेज मानी जाती है इसी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल पर भी ये चीज़ लागू करने के लिए कहा गया है नॉर्मली अब घरों में सोलर रूफटॉप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं सोलर इलेक्ट्रिक जो भी सोटर सोलर वोल्ट फोटोवोल्टाइक जो भी पैनल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं अब ये नॉर्मली इस पैनल पर कोई भी स्टार रेटिंग नहीं होती है तो कहा यह गया है इस बी के द्वारा हमें इसकी भी रेटिंग करनी चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो मैंडेटरी रहेंगी और कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो वॉलंटियर बेसिस पर रहेंगी कस्टमर की चॉइस के ऊपर रहेगी जिसके हिसाब से वो अपना कॉस्ट सेविंग यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसको बचाना है कितना एनर्जी सेविंग करना है वो अपने स्टार रेटिंग के हिसाब से उठा लेगा मैंडेटरी में जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया डायरेक्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर हो गया ए हो गया फिर इसी तरीके से कैसेट uh, हो गया फ्लोर स्टाप मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं मैंडेटरी यहाँ पर ये आ, रेटिंग होती है कुछ होती है वॉल्टियर होती हैं ज़रूरी नहीं है जैसे कि डोमेस्टिक गैस स्टोव हो गया या फिर एग्रीकल्चर का जो है टुल्लू पम्प वगैरह होता है इलेक्ट्रिक मोटर मतलब जो इंडस्ट्रियल मोटर वगैरह होती है या ब्लास्ट हो गया कंप्यूटर हो गया मतलब वो सारी चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा जैसे जो फोटर वोटर फोल्डर फोट सॉरी सोलर फोटो वोल्टाइक जो है वो अभी मैंडेटरी नहीं है वो एक वॉलेंटियर बेसिस पर है सिमिलरली इंडक्शन ये जो है वो अगेन अभी वॉल्टियर बेसिस है। टेबल या फिर वॉल फैन पेडस्टल फैन हो गया या मल्टी डोर जो रेफ्रिजरेटर हो गया टायर की हो गई या फिर लिथियम आयन बैटरी हो गई एयर के कंप्रेसर्स हो गए सोलर हो गया माइक्रोवेव ओवन हो गया डीजल जनरेटर हो, हो गया ये सब वॉलेंटियर बेसिस पर है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा एक सवाल इस पर बनने के चांसेस ज़रूर होते हैं जैसे एक बार आ गया था एम को लेकर के कौन कौन सी फसलें हैं जिस पर एम जिसकी निकाली जाती है तो आप ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बी ई ई में कौन कौन से अप्लाइंसेज हैं जिस पर स्टार रेटिंग मैंडेटरी होती है किस पर वॉलेंटियर होती है अब जैसे यहाँ पर देखेंगे टोटल थर्टी फाइव है थर्टी फाइव में पंद्रह ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं बीस ऐसे हैं जो वॉलेंटियर हैं इससे हमारा बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन होती है बी ने यही वॉल्टियर प्रोग्राम लॉन्च किया था इन्वर्टर ए के लिए बाद में इस चीज़ को मैंडेटरी बना दिया गया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती है, जो हैं जो वॉलेंटियर हैं अभी फिलहाल में लेकिन आने वाले टाइम में इस चीज़ को मैंडेटरी बना दिया जाए जैसे कि अभी इनफैक्ट जितनी भी हमारी रेटिंग वगैरह की जा रही है उस रेटिंग में अभी क्लाइमेटिक जोन के बेसिस पर जैसे एक चीज़ है जो यहाँ पर आई एस डबल ई आर रेशियो एक है इसका मतलब क्या होता है अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट आई एस डबल ई आर रेशियो का मतलब होता है कूलिंग सीजनल टोटल लोड टू कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन कितना लोड है उस हिसाब से कितना कंजम्पशन निकल कर के आ रहा है यही हमारा ये आई एस डबल ई आर यानी कि जो हमारे पास में बी ई ई की ये जो रेटिंग है वो इसी पर बेस्ड होती है अब यहाँ पर अगर सोलर जो फोटोवोल्टाइक सिस्टम है इसके बारे में अगर देखें तो लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी एनर्जी इफिशियंसी लेकर के आ रहा है यानी कि इतनी भी लाइट एनर्जी को ये कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा अभी दो साल के लिए वॉलेंटियर है हो सकता है उसके बाद से ये कंपलसरी कर दिया जाए वन स्टार से लेकर के फाइव स्टार तक के लिए ये स्टार रेटिंग की जाएगी जो सोलर रूफटॉप वगैरह वाले हैं इससे जो कार्बन एमिशन है वो फिफ्टी मिलियन टन से सॉरी थर्टी मिलियन टन से कम हो जाएगा बाय ट्वेंटी थर्टी ये हमारे एन को भी अचीव करने में काफ़ी मदद कर रहा है बीई के बारे में ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत इस्टाटूटरी बॉडी है हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आ जाती है और इसका मेन काम होता है वही लोगों को एनर्जी इफिशियंसी के बारे में बताना और साथ ही साथ में कुछ इनोवेटिव फाइनेंस वगैरह लेकर के आना कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे इंडिया का एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ये जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ये बीई के द्वारा ही रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं जैसे मान लेते हैं कि कोई भी प्राइवेट कॉमर्शियल बिल्डिंग है या गवर्नमेंट बिल्डिंग है यहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं जो कि एनर्जी को लेकर के एनर्जी परफॉर्मेंस को लेकर के रहते हैं कितनी एनर्जी कहां पर किस तरीके से लगाई जानी चाहिए और कितना रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं फिलहाल में अभी ये जो हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होती है इस इसमें ये जो इंडिया का ईसीबीसी यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है इसे एक एक्सेप्शन के तौर पर रखा हुआ है ज़रूरत नहीं है लेकिन बस जानते रहिए कि क्या चीज़ है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी एक इंडेक्स निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये जो आ, मतलब एनर्जी इफिशियंसी रैंकिंग है यह अलग अलग मतलब सेक्टर्स में निकाली जाती है मिनिमम मतलब यहाँ पर सात सेक्टर्स हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री म्यूनिसपैलिटी ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो डिस्कॉम की हैं और क्रॉस सेक्टोरल इनिशिएटिव सात हैं इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है कुछ की हाइलाइट्स हैं जैसे यहाँ पर सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है जैसे फ्रंट रनर अचीवर कंटेंडर और एस्पेरेंट फ्रंट रनर के कैटेगरी में देखें तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल राजस्थान और तेलंगाना आ जाते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर शो किया है की हाईलाइट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए नेक्स्ट वन इज उत्प्रेरक दैट इज उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र तकनीकी से आप लोग समझ रहे होंगे ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है तो जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है उस चीज़ का शोकेस किया जाएगा किसके द्वारा बीईई के द्वारा अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आ जाती है जहाँ पर एनर्जी की जो इफिशियंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा उस चीज़ को शोकेस किया जाएगा दिखाया जाएगा और उसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी नेशनल इफिशियंट कुकिंग प्रोग्राम अब जैसे अगर देखेंगे तो जो कुकिंग की चीज़ें होती हैं अब तो खैर काफ़ी एल पी हो गई हैं लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी जलौनी लकड़ियाँ यानी फॉसिल फ्यूल बेस्ड होती हैं अब चाहे आप फॉसिल फ्यूल बेस्ड करिए या फिर आप जो एल होती है इसके थ्रू करिए इससे तो काफ़ी नुकसान है लेकिन इससे भी कोई कम नहीं है क्योंकि ये एक, मतलब कि इम्पोर्ट बेस्ड है दूसरे से कंट्री से हम लोग लेकर के आते हैं तब चीज़ों को करते हैं इसके अल्टरनेटिव के तौर पर कई सारी चीज़ें हैं जैसे इंडक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो गया इसके अलावा मॉड्यूलर किचन वगैरह में देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें इंडक्शन बेस्ड कर दी गई हैं तो ई एस एल दैट इज़ एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ने नेशनल इफिशियंट कुकिंग प्रोग्राम निकाला है इसके तहत क्लीन कुकिंग सिस्टम को लेकर के आया गया है क्लीन का मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब यही मेनली हम लोग इंडक्शंस वगैरह लेकर के आएंगे या फिर सोलर बेस्ड नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुकिंग स्टोव्स या इलेक्ट्रिक मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक बेस्ड यहां पर चीजों को लेकर के आएंगे अब यहां पर एक स्कीम चलाई गई है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन गो इलेक्ट्रिक का मतलब जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिक करेंगे इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द ई मोबिलिटी इको एंड बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग थ्रू आई मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी और कुकिंग के लिए आगे बढ़ाना है ये आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ में इसकी मिनिस्ट्री जो है वो भी ध्यान रखनी है ई ये चार पी का एक कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर हो जाता है जैसे पावर ग्रिड हो गई एन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड जरूरत नहीं है लेकिन बस जानने के लिए अगर आप चाहें तो इंफॉर्मेशन रख सकते हैं हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली में और मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ जाती है कई सारी स्कीम निकाली गई है जैसे कि उजाला स्कीम हो गई दैट इज़ उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एल फॉर ऑल स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम और बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम ये सब प्रोग्राम निकाले गए हैं ई के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में बेसिकली ये पांच पैरामीटर्स होते हैं इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट स्वीडन को इसमें पहली रैंक दी गई है नॉर्वे और डेनमार्क के सेकेंड और थर्ड रैंक लेकर के आए हैं इंडिया की रैंकिंग सिक्सटी है इंडिया और सिंगापुर ने सबसे अच्छा मतलब ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम के परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यही है कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर में जो हम लोग ये ट्रांजिशन करते हैं जो सेक्टोरल शिफ्ट हमें देखने को मिलती है इसी चीज़ को बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फर्स्ट टॉपिक है हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं दो तरीके की चीज़ें होती हैं एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक फार्मिंग दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ों को यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करेंगे नेचुरल में हम लोग नेचर को ही सौंप देते हैं नेचर ही चीज़ों को करेगा तो यहाँ पर नेचर को सौंप देना तो ऑर्गेनिक में क्या करेंगे जितने भी फॉर्म की एक्टिविटीज़ होंगी बायोलॉजिकल इनपुट या फिर ऑर्गेनिक इनपुट के थ्रू की जाएंगी जैसे कंपोस्ट हो गया वर्मी कंपोस्ट हो गया लेकिन नेचर में क्या होगा नेचर को सौंप देना तो कुछ भी आप अलग से नहीं करेंगे नो एक्सटर्नल इनपुट फॉर्मलैंड पर डालेंगे वो जो होगा नेचर अपने आप को प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट का हम करेक्शन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मिनरल्स यहां पर किसी भी मिनरल को अलाउ नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि नेचर को सौंप दिया है जितने भी प्लाइंग या सॉइल टिल्टिंग मल्चिंग वगैरह जो भी करना है ऑर्गेनिक आइटम से करेंगे यहाँ पर वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि नेचर को हमने सौंप दिया है तो यहाँ से समझ में आ गया कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा मतलब होता है जहाँ पर आप एग्रो इको की जो हेल्थ है ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को लेकर के आते हैं अब ये जो ऑर्गेनिक तरीके हैं वो बेसिकली अलग अलग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं अलग अलग प्रिंसिपल्स पर मतलब जैसे एक होती है जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ पर बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ का मतलब हो गया जहाँ पर आप सॉइल की हेल्थ प्लांट की हेल्थ एनिमल की हेल्थ इन सब चीज़ों को देखते हैं दूसरा होता है जहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी होती है यहाँ पर इकोलॉजिकल चीज़ों को देखा जाता है इकोलॉजी का मतलब हो गया जितने भी यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना वगैरह हैं तो इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजिकल साइकिल वगैरह जो है इसको एवेलुएट किया जाता है इसी के बेसिस पर प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस जहां पर कॉमन इन्वायरमेंट और लाइफ अपॉर्चुनिटी के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ केयर जहां पर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है रखा जाता है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हाल फिलहाल में हुआ यह है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने ऑडिट में यह पाया है कि जो ऑर्गेनिक फार्म मतलब इंडिया की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कुछ यहाँ पर कमियाँ पाई गई हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ही लिया है बहुत सारा बेनिफिट्स हैं जैसे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट ये है कि कहीं ना कहीं हार्मफुल फेक्स्टिवाइड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं सॉइल की हेल्थ बनी रहती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मिटिगेशन टेक्निक है जैसे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन ये हम लोग करते हैं इरोजन से हम लोग बचा सकते हैं सॉइल को वाटर क्लीन रहता है बायोडावर्सिटी को और स्टिमुलेट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एथिकल पासचर सिस्टम को भी बूस्ट किया जाता है फार्मर के लिए भी अच्छा होता है इनपुट कॉस्ट इनकी घट जाती है बाकी कस्टमर्स ऑर्गेनिक के नाम पर ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं वेदर इवेंट्स को लेकर के ये काफ़ी रिजिलियंट भी होती है कंज्यूमर के साइड पे अच्छा ये होता है कि इसमें कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होते यानी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह ये सब नहीं होते हैं तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है इंडिया में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ते आ रही है सिक्किम ऐसा पहला स्टेट है जहाँ पर हंड्रेड ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है अपेडा ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये जो अपेडा बॉडी है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है और ख़ास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और स्विट्ज़रलैंड इन दोनों ने अपेडा की जो सर्टिफिकेशन है उसको मान्य माना है यहाँ पर इनके जो मतलब लोगो वगैरह बनाए गए हैं ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया ये थर्ड पार्टी के द्वारा निकाली जाती है थर्ड पार्टी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर के अंतर्गत यहाँ पर थर्ड पार्टी अल्टीमेटली ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन देती है नेक्स्ट वन इज जैविक भारत लोगो ये जो जैविक भारत लोगो है ये वो एफ के द्वारा जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पर नेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पर यहाँ सर्टिफिकेशन दी जाती है तो जैविक भारत का ये लोगो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया का ये लोगो है और हम लोगों ने जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसका लोगो हम लोगों ने देख ही लिया है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड समझते हैं पहले अभी रिसेंट में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लॉन्च मतलब कि अमेंडमेंट किया गया था तो अल्टीमेटली इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई इस कोऑपरेटिव का सोसाइटी का काम ये होता है कि ये जो भी एरिया है उसके लोगों को आपस में मिलजुट करके लेकर आते हैं और अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह करना होता है वो करते हैं और फिर अल्टीमेटली आगे बढ़ जाते हैं तो जस्ट लाइक एस कुछ ये भी आ, सेम ऐसे ही कोऑपरेटिव टाइप की चीज़ें होती हैं अभी हाल फिलहाल में हुआ ये है कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक संस्था है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमोट करती है इसका नाम रखा गया भारत ऑर्गेनिक्स इस भारत ऑर्गेनिक्स के जरिए छः ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अभी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है यानी कि ये वाली कंपनी सामान को बेचेगी सामान को बेचेगी कौन से सामान को इन छः ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को जो कि भारत ऑर्गेनिक्स के नाम से जाएंगे तुर दाल चना दाल शुगर हो गया राजमा हो गया और चावल की दो वैरायटी यह ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ के अंतर्गत जाएंगे जिससे लोगों को ये पता चले कि ये जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक बेस्ड हैं जैसे नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड बनाई गई है वैसे दो और, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है एक है कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड और दूसरा है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव तो एक बीज को लेकर के बनाया गया है एक एक्सपोर्ट को लेकर के बनाया गया है और एक तुम्हारा ऑर्गेनिक को लेकर के बनाया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या चीज होता है यहाँ पर जीरो बजट बेस्ड होती हैं जीरो बजट का मतलब कोई अलग से आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है तो यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में करेंगे कैसे पहला इसका प्रिंसिपल है बीजामृत यानी कि जो सीड है उसकी ट्रीटमेंट करनी है और उसको गाय गाय का जो मूत्र है या फिर गाय का जो डंग है उससे फिर अल्टीमेटली ये यूज किया जाता है दूसरा है जीव अमृत जीव अमृत का मतलब जो भी लोकल काउ डंग है या जो काउ यूरिन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा एज पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर एटसेट्रा एटसेट्रा मल्चिंग मल्चिंग का मतलब कि जो भी सॉइल में यहाँ पर प्लॉ करना है या सॉइल के लेयर को ऊपर नीचे करना है ये सब माइक्रो क्लाइमेट इन द दॉयल को मैनेज करते हुए किया जाएगा इसके अलावा इसके अलावा यह हमारा जो वापसा है वापस का मतलब होता है सॉइल एरेशन यानी सॉइल में जो हवा वग़ैरह फेंकनी है जिससे कि ऑक्सीजन मेंटेन रहे ये चार चीज़ें हैं जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर बेस्ड होती हैं फिलहाल में हुआ यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर है इन लोगों ने कृषि सखीज को बनाया है ट्रेनिंग की जाएगी जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताएंगी कृषि सखी का मतलब क्या है कृषि सखी जैसे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वैसे ही कृषि के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ग्रास रूट लेवल पे जो लोग जो भी फार्मर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी मतलब प्रोफेशनल्स हैं उनको बताया जाएगा कि आखिर में क्या नेचुरल फार्मिंग है किस तरीके से करनी है और एक अवेयरनेस कैंपेन के तरीके से चीज़ों को चलाया जाएगा जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इकोलॉजिकली वायबल एग्रीकल्चर मेथड के ज़रिए लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से हम फार्मिंग करनी चाहिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में दो चीज़ें हैं एक तो केमिकल का यूज़ करना और दूसरा है क्रेडिट जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली फार्मिंग जो है वो की जाती है तो इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं ना तो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ना तो अलग से कोई पैसे वगैरह की जरूरत होती है प्योरली चार पिलर्स पर बेस्ड होती है जैसे एक हमारा हो गया अमृत दूसरा हो गया अमृत तीसरा हो गया मल्चिंग और चौथा हो गया वापसा यानी कि एयर मतलब कि एरेशन करना महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरलिस्ट है जिनका नाम था सुभाष पालेकर इन्होंने बेसिकली जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट किया था 2019-20 के बजट में भी इसका, इसका इस्तेमाल किया गया है इनका मेन जो काम होता है वो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होता है और मतलब एक्सटर्नल एजेंट को यहां पर यूज नहीं करना होता है एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर में जब फॉरेस्ट्री भी किया जाता है तो उसको बोल देते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री करते कैसे हैं अब जैसे मान लेते हैं ये आपकी फील्ड है यहां पर आपने जो है पूरी फसल लगा रखी है तो फसल को तमाम तरीके से दिक्कत होती है जैसे जानवरों से गाय घुस गई ठीक है तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो होता है फसल ख़राब कर देती है साथ में तेज जो हवाएं चलती हैं इस हवा से भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर करते क्या हैं यहाँ पर करते हैं जो मेड़ है चारों ओर में पगडंडी मेड़ है इस पर पेड़ लगा दिया जाता है ये सब पेड़ लगा दिए तो पेड़ लगाने से अब होता क्या है कि जानवर जो है अंदर घुस नहीं पाते हैं फसल का नुकसान नहीं होता है और दूसरी चीज़ तेज हवाएं भी चलती हैं तो इस पेड़ों के थ्रू इनकी जो गति होती है इसकी जो वेलोसिटी होती है कम हो जाती है तो हमारी जो ये पूरी की पूरी फील्ड है वो बच जाती है हमारी जो क्रॉप है वो बच जाती है तो इसी को बोलते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री इससे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है ये भी हमारा बढ़ जाता है प्लस साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो क्रॉप है हमारी वो भी सेव हो जाती है एक्स्ट्रा इनकम फॉर द फार्मर्स तो अभी रिसेंट में सेंटर ने एक फैक्ट शीट रिलीज की है जहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के बारे में बोला गया है यहाँ पे कुछ 36 सिक्स स्पीसीज हैं जिनको लेकर के बोला गया है कि आप इस इसे इन स्पीसीज को एग्रोफोरेस्ट्री के तौर पर यूज कर सकते हैं जिसमें से बैम्बू भी है अब यहाँ पर दो स्पीसीज ऐसी हैं जो थोड़ी डिफरेंट है बस इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि सब और साथ में यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस पानी का इंटेंसिव होता है पानी को ऊपर खींच ले आता है और दूसरा ऐसा बबूल जिसे हम लोग ल्यूकेना ल्यूकोफेला के नाम से भी जाना जाता है ये नाम जरा ध्यान रखिएगा ऐसे पूछ दिया जाता है कि ये नाम बॉस रिसेंटली इन न्यूज किससे रिलेटेड है तो एक तरीके का इन्वेसिव स्पीसी है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री दैट इज कॉल्ड एज एग्रो फॉरेस्ट्री अलग अलग नाम भी है जैसे एग्री सिल्वी कल्चर जहां पर क्रॉप और ट्री को उगाया जाता है सिल्वो पैस्चोरल जहां पर सिल्वी कल्चर और पेस्चोरल दोनों किया जाता है एग्रो सिल्वो पैस्चोरल जहां पर एग्रीकल्चर पेस्चोरल और सिल्वी कल्चर तीनों किया जाता है अगेन इसका मेन काम क्या है प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी अडॉप्टेबिलिटी को इसको बढ़ाना है कई सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर के जैसे कि सुपीरियर सीड वैरायटी की शॉर्टेज हो जाती है ट्रीज इंटरफेयरिंग विद एग्रीकल्चरल क्रॉप ईल्ड जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप इल्ड होती है उससे जो ट्रीज एग्रो फॉरेस्ट्री के दौरान में जो भी पेड़ वगैरह लगाए गए हैं उसके साथ में भी इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिक्कत आती है डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इसके कारण से यहाँ पर कौन सी पेड़ लगाया जाए उसके साथ दिक्कत हो जाती है ट्री का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है वो काफी बड़ा होता है प्लस साथ में डिलेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न लैक ऑफ मार्केट मैकेजम्थ ऑफ रिमोनरेशन फॉर अंडरटेकिंग ट्री कल्टिवेशन गवर्नमेंट ने कई सारे एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर के स्कीम लगाई गई है जैसे मेड़ पर पेड़ अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया और दूसरा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसी भी 2014 में निकाली गई थी और साथ में यहां पर यह भी बोला गया था कि जो बैम्बू है इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि ट्राइबल्स के लिए एक हॉर्टिकल्चर का रूप दे दिया गया है कुछ छोटे मोटे और भी यहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हैं जैसे सेलुलर एग्रीकल्चर बोला यह गया है कि हमें किसी भी फूड इंडस्ट्री को कार्बन एमिशन से अगर बढ़ाना है तो हम कर, जो सेलुलर एग्रीकल्चर है उसे प्रमोट करना चाहिए सेलुलर एग्रीकल्चर को समझने के लिए ऐसे समझिए जैसे प्लांट बेस्ड एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एनिमल से डायरेक्टली ना लेकर के उनके सेल कल्चर से लेना चाहिए अब सेल कल्टिवेशन किया जाएगा यानी सेल को बड़ा किया जाएगा और फिर वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट है उसको उठा लिया जाएगा दूसरा ए सेलुलर जैसे मान लेते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिससे मिल्क और एग वगैरह बनता है तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे बजाय कि पूरी मुर्गी या फिर जो भी है एलिमेंट डायरेक्ट सीडिंग राइस एक होता है राइस को लगाने के लिए धान को लगाने के लिए पहले आप उसको नर्स मतलब नर्सरी में लेके जाते हैं वहाँ पर उसको उगाते हैं फिर पानी भर के खेत में फिर उसको वहाँ पर प्लांटेशन कर देते हैं दूसरा तरीका निकाला गया है डायरेक्ट डायरेक्ट लगाओ पानी डालो और चलाओ क्या हुआ इससे हुआ ये कि अब यहाँ पर जो भी आ, मतलब वाटर कंजर्वेशन है वो हो गया मीथेन कम प्रोड्यूस होगा और लेस लेबर लगेगा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर सीड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है वीड भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं घर घास जो खर पतवार हैं और हर जगह पर सूटेबल नहीं है ये अलग अलग जगहों पर है ई सॉइल अभी रिसेंट में रिसर्चर्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल डेवलप की है इस इलेक्ट्रॉनिक सॉइल का बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ हमें देखने को मिला है ये अपना हाइड्रोपोनिक्स पर बेस्ड है यानी कि सॉइल फ्री है यहाँ पर पानी न्यूट्रिएंट ये सब पानी के थ्रू ही दिया जाएगा कई सारे बेनिफिट्स हैं इसमें जैसे कि ये जापान में काफ़ी लगाया जाता है जैसे कि पेस्ट नहीं लगेंगे पानी कंपेयर्ड रिलेटिवली कम लगेगा वर्टिकल कंटरवे वर्टिकल कंट कल्टिवेशन हम लोग कर सकते हैं बाकी फास्टर ग्रोथ और हाई रिल्ड तो हमें देखने को मिली जाती है मियावाकी टेक्निक मियावाकी टेक्निक जैपनीज टेक्निक है जहाँ पर कोई फील्ड है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और फिर छोटे छोटे यूनिट्स में ही अलग अलग तरीके की प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं यही चीज़ यहाँ पर भी कही गई है कि जो कोल फील्ड है यहाँ पर बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में कि मियावाकी टेक्निक से अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी प्लांट्स वगैरह लगाना है वो लगाने चाहिए इससे फॉरेस्ट का ग्रोथ काफ़ी रैपिड होता है अर्बन फॉरेस्ट्री हो जाती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद मिलती है एयर को रिड्यूस कर लिया जाता है जो भी नॉइस पॉल्यूशन है और लोकल बर्ड वगैरह को भी अट्रैक्ट कर लिया जाता है नेक्स्ट वन री सर्कुलेटरी एक्वा सिस्टम ये टेक्नोलॉजी है जो पानी को रिसाइकिल और यूज करके यहाँ पर यूज़ की जाती है हाई डेंसिटी ऑफ कल्चर ऑफ़ वेरियस स्पीसीज ऑफ़ फ़िश यहाँ मतलब यूज़ किए जा सकते हैं इस एरिया में एडवांटेज इसका यही है कि ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी घट जाती है क्लाइमेट रिजिलियंसी होती है और बाकी खास कुछ है नहीं यू कैन इवन स्किप दिस टॉपिक ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर मतलब नहीं है स्किप कर सकते हैं जी ट्वेंटी समिट इनिशिएटिव एंड डॉक्यूमेंट्स जी ट्वेंटी के दौरान में कई सारे यूनानिमसली और नॉन यूनानिमसली दोनों ही तरीके के यहाँ पर हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले हुए हैं वन बाई वन करके जरा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला है जैसे मिलेट एंड अदर एंशंट ग्रीन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव इस इनिशिएटिव का नाम महारिषि इनिशिएटिव है अब ये जो महारषि इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड है ये मिलेट से रिलेटेड है जिसे हम श्रीधन के नाम से भी जानते हैं अभी हाल फिलहाल में कहा यह गया है कि जो भी हमारी एग्रो बायोडावर्सिटी है या जो फूड सिक्योरिटी है या जो न्यूट्रिशन है हमें इसको बढ़ाना है हमें इस पर रिसर्च करनी है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है और इस सेंस में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का बनाया गया है ये जो हमारी मिलेट्स हैं इसकी सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाई गई है और यहाँ पर इनका मेन काम यही है कि जिसके थ्रू अल्टीमेटली हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लानट ये हम अचीव करने की कोशिश करें दूसरा प्लान है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अब जैसे आज की डेट में सभी लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इनफैक्ट जी ट्वेंटी एट सॉरी जी ट्वेंटी एट नहीं सी ओ पी ट्वेंटी एट की मीटिंग में अभी इनफैक्ट ये भी कहा गया था कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव सेवरल सोर्सेज जिसमें से बायोफ्यूल भी एक तरीका निकल करके आता है इनफैक्ट इंडिया भी बायोफ्यूल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जैसे कि इथेनॉल वगैरह पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसी सेंस में जी ट्वेंटी में भी हम लोगों ने बायोफ्यूल के लिए एक अलायंस बनाया है दैट इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मेन जो यहाँ पर मोटिव है वो यही है कि हम ग्लोबल कोऑपरेशन स्थापित करें जिसे अल्टीमेटली बायोफ्यूल को अडॉप्ट करने में और वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करने में एक मदद मिले यहाँ पर सात जी ट्वेंटी कंट्रीज़ हैं इसके अलावा नॉन जी ट्वेंटी कंट्रीज भी हैं जो इस ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनी हुई हैं इसका मेन काम यही है कि बायोफ्यूल को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और साथ ही साथ में हम कुछ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी सेट करें जिसके थ्रू हमारा अडॉप्शन भी हो साथ ही साथ में इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाए हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब जैसे हम लोगों ने एक मिशन लाइफ स्टार्ट किया हुआ है इस मिशन लाइफ के थ्रू लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को हम लोग फोकस कर रहे हैं जिसके थ्रू जो यूथ हैं इन लोगों को हम लोग अब इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में उन्हें एक मस्कट के तौर पर भी बना रहे हैं जिसके थ्रू अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मतलब जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर में पहुँचे और इसके तहत कई सारे और भी छोटे छोटे यहाँ पर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जैसे सेव एनर्जी सेव इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से तमाम चीज़ें बनाई गई हैं इसी चीज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया गया है जिसके थ्रू लोगों के बिहेवियर में कम्युनिटी के बिहेवियर में चेंजेस भी आए इंडिविजुअल और सस्टेनेबल प्रोटेक्शन भी हमारा बढ़े इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लोगों को मिलकर के लेकर के आना है जिससे कि इन्वायरमेंट का अपना प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल जाए इसमें कुछ आ, डेटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा जिससे लोकल लोगों और उनकी जो इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे और साथ ही साथ में उस चीज़ को हम मेन स्ट्रीम के साथ में मिलाएंगे भी जी ट्वेंटी थ्री जी ट्वेंटी 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 थ्री एक्शन प्लान ऑन एक्सल रेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम सभी लोगों को पता है कि दो तक के लिए ये बनाया गया है और यहाँ पर टोटल अगर देखें तो सत्रह गोल हैं तो इस सत्रह गोल को अचीव करना है हमें तो इस अचीव करने के लिए फाइनेसेस को लेकर के आना साथ ही साथ में कुछ इनोवेटिव नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आना ग्रीन बॉन्ड टाइप की चीज़ों को लेकर के आना और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करना ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यहाँ पर कुछ की ट्रांजिशन एरियाज बनाए गए हैं जी के दौरान में होने वाले इस एस मीटिंग की जहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है और साथ ही साथ में हमें एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव और ट्रांजिशन बेस्ड एक इंप्लीमेंटेशन चाहिए रिसेंट में अभी एक चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स हुआ था और ये जो प्रिंसिपल हुआ है बेसिकली ये ब्लू इकॉनमी या फिर बोल सकते हैं कि मरीन इकोसिस्टम को कैसे हम बेहतर बनाएं इस चीज को लेकर के बनाया गया है मरीन इकोसिस्टम या फिर जो ब्लू इकोनॉमी है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म रिन्यूएबल एनर्जी फिशरीज मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट इन पाँच चीजों पर मेन फोकस किया गया है जिससे हमारा जो हमारा मतलब फाइनेंस भी है यानी कि जो हमारी इकोनमी है ये भी हमारी बूस्ट हो प्लस साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी है या फिर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है यह हमारा बैलेंस भी हमेशा बना रहे इसके लिए हम लोग एक ब्लू इकोनमी को बनाएंगे जिसके थ्रू अल्टीमेटली जो भी इकोसिस्टम है यानी कि मरीन इकोसिस्टम है उसको मॉनिटर भी करना है साथ साथ में उसकी इवेल्यूशन भी करनी है ओशन फाइनेंसल लेकर के आना है मरीन स्पेशियल प्लानिंग भी करनी है मरीन पॉल्यूशन को हमें एड्रेस करना है और साथ साथ में जो भी लोकल ट्रेडिशनल और इंडिजिनस नॉलेज है उसको भी हमें रिकग्नाइज करना है और उसे भी यूज करना है ब्लू इकॉनमी का सीधा मतलब होता है जो ओशन रिसोर्स होते हैं जिसे हम इकोनॉमी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ब्लू इकॉनमी इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट हमारे पास में आर्टिकल है दैट इज़ फोर्थ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रीरियल एंड एट्थ मिशन इनोवेशन मीटिंग ये जो मीटिंग की गई है बेसिकली वो क्लीन एनर्जी को फोकस करके की गई है क्लीन एनर्जी को फोकस करने के लिए हमारे पास एक मिशन कह सकते हैं आता है दैट इज़ क्लीन एनर्जी मरीन हब ये क्लीन एनर्जी मरीन हब का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास में मरीन हब है यानी कि जो भी पोर्ट्स वगैरह हमारी लगेगी मैरीटाइम सेक्टर में यहाँ पर हमें लो या फिर जीरो एमिशन फ्यूल का इस्तेमाल करना है पीपीपी मॉडल को यूज़ करना है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को यूज़ करना है इसी तरीके से मिशन इनोवेशन भी एक स्कीम लगाई गई है ये मिशन इनोवेशन स्कीम पैरिस क्लाइमेट डील जो 2015 में हुई थी उसी दौरान में इस चीज़ को इस चीज़ पर साइन किया गया था कई सारी कंट्रीज थी इसमें इंडिया भी एक फाउंडिंग मेम्बर कंट्री था अभी हाल फिलहाल में दो में मिशन इनोवेशन टू पॉइंट लॉन्च किया गया है मिशन इनोवेशन के बारे में बात करें तो इसके टोटल सेवन मिशन हैं एक है अर्बन ट्रांजिशन को लेकर के नेट जीरो इंडस्ट्रीज को लेकर के मिशन इंटीग्रेटेड ऑन बायो रिफाइनरीज क्लीन हाइड्रोजन ग्रीन पावर्ड फ्यूचर जीरो एमिशन शिपिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जितनी भी चीजें हैं मैक्सिमम आप लोग सभी लोग जानते हैं लगातार डिस्कशन के दौरान में हम लोगों ने इन सारे सातों मिशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था अब ये हुआ क्या है कि जो क्लीन एनर्जी की मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई है ये इंडिया में होस्ट की गई है और जितने भी पुरानी बातें हैं इन सभी को एक साथ डिस्कस किया गया है इन्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ वॉर अब जैसे कई जगहों पर वॉर चल रही है जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है इसराइल पैलेस्टीन की वॉर आप लोग देख ही रहे हैं अब तो इससे इन्वायरमेंटल डैमेज होता है इन्वायरमेंटल डैमेज के साथ साथ कहीं ना कहीं जो चाइल्ड राइट्स है विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट ये भी हमारा डैमेज होता है तो चाइल्ड राइट को लेकर के भी एक आर्टिकल आई सी मैगजीन में वो हम लोग आगे आने वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे अब यहां पर देखिए कई सारे कन्वेंशन और कई सारे प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए हैं जिसमें इस इन्वायरमेंटल डैमेज की बात की गई है आपको नाम नाम ध्यान रखना जैसे जेनेवा कन्वेंशन में बात की गई है ब्रुंट रिपोर्ट जो कि एजेंडा मतलब जो हमारा कॉमन फ्यूचर हुआ था नाइनटीन के दौरान में उस रिपोर्ट में भी मैंशन किया गया है स्टॉक कॉन्फ्रेंस नाइनटीन में भी मैंशन है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1992 की रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर भी मौजूद है रोम स्टेट स्टैच स्टैच्यू में भी मेंटेन है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लायटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है ड्राफ्ट प्रिंसिपल ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन रिलेशन टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर भी है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री एंड एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ इन्वायरमेंट मोडिफिकेशन टेक्निक यहां पर भी मौजूद है तो आपको यहां पर जितने भी जितने भी यहां पर कन्वेंशन हैं इनके आपको नाम नाम ध्यान रखना है आर्टिकल्स इसमें कौन से हैं या कौन सा प्रोविजन है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अब जैसे कई सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं ये जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत चल रहे हैं नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आखिर में क्या चीज है नेशनल परस्पेक्टिव प्लान ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा स्टार्ट किया गया है हालांकि स्टार्ट किया गया था इरीगेशन के द्वारा अब ये जल शक्ति बन गया है इसका काम यही है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा है यानी सरप्लस है वहाँ से पानी डाइवर्ट किया जाएगा उन एरियाज में जो वाटर डिफिशियंट एरियाज़ हैं और इस दौरान में कई सारे मतलब कि 16 पेनिनसुलर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया गया है और यहाँ से 14 हिमालयन कंपोनेंट के साथ में इनको ऐड कर दिया जाएगा जिससे कि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर भी पानी हो जाए इसी तरीके से यहाँ पर केन बेतवा लिंक भी बनाई गई थी केन बेतवा लिंक में केन का पानी बेतवा में डाला जाएगा जिससे कि जो बुंदेलखंड का एरिया है ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया है यहाँ पर भी पानी आ जाएगा अभी हुआ क्या है कि इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फाइनल इसको अप्रूवल दे दिया गया है अब यहाँ पर दो तीन डैम है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू बनाए जा रहे हैं एक है दौढ़ डैम कॉम्प्लेक्स जो कि फर्स्ट फेज में बनाया गया था और दूसरा बनाया जा रहा है लोअर उर डैम और बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कोठा बराज ये इतना ये जो प्रोजेक्ट्स के नाम है ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में आपसे ये पूछा सकता है कि ये किस रिवर पे बनाई गई है या फिर आ, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं बाकी इसके अलावा अगर रिवर इंटरलिंकिंग है तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया ही बनाया जाएगा इसके अलावा एनर्जी के कुछ सोर्सेज अगर बन पा रहे होंगे तो बनाए ही जाएंगे ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरता है और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को थोड़ा यहाँ पर थ्रेटन भी हुआ है और इसकी जमीन भी गई है इसी तरीके से गोवा में एक रिवर है दैट इज़ महादाई जिसे मांडोवी रिवर के नाम से भी जानते हैं इसके भी पानी को कलसा और बांदूरी रिवर इसके दो रिवर हैं ट्रुत्री बोल सकते हैं इसके रिवर को भी यहाँ पर माल प्रभा रिवर के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है आपको ध्यान रखना है कि जो महादाई रिवर है ये भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिनेट करती है और फिर अल्टीमेटली अरेबियन सी में चली जाती है सैंड माइनिंग सैंड माइनिंग ये सैंड सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉयटेड मतलब रिसोर्स है आफ्टर वाटर वाटर के बाद में सबसे ज्यादा निकाला जाता है सैंड का कई सारा इस्तेमाल है स्पेशली इसका जो इस्तेमाल है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाता है अब देखिए लीगल तरीका ये है कि ये जो सैंड है बेसिकली ये माइनर मिनरल कंसीडर किया गया है मिनरल माइनर मिनरल एक्ट में और यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट चूंकि माइनर मिनरल है इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी बनती है सारे इसके रेगुलेशन सब चीज़ों की इसीलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखता है इसके uh, मतलब अप्रूवल इसकी सारी चीज़ों को लीगल तरीका तो ये है कि अगर आपको सैंड माइनिंग करना है तो यू नीड टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट देन यू कैन एक्सप्लॉइट इट बट द प्रॉब्लम ईयर इज़ कि इसकी बहुत सारे इ चैनल्स हैं इलीगल चैनल में कई सारे रिवर्स से लेक से रिजर्वॉय से एग्रीकल्चरल फील्ड से पैलियो चैनल से हर जगह से यहाँ पर सैंड को निकाला जाता है इलीगल तरीके से और इलीगल तरीके से निकालने के बाद में इंटर स्टेट इनका स्मगलिंग होता है इंटर स्टेट स्मगलिंग होती है इन इतने सारी चीज़ों से निकालने के कारण से बहुत सारे सैंड माइनिंग के हमें रिपरकशंस देखने को मिल रहे हैं जैसे कि चूँकि यहाँ पर जितने भी हैं ये सब रिपेरियन एरियाज या फिर बोल सकते हैं कि एक्वाटिक एरियाज हैं तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है मतलब ऐसे समझिए ये मान लेते हैं पैलियो चैनल है यहाँ से ये लोग मतलब सैंड निकालना शुरू किए पता ये चलता है कि पूरा का पूरा यहाँ पर गड्ढा क्रिएट कर दिया गया इस तरीके से अब रिवर चैनल कुछ इस तरीके से बन चुकी है इस तरीके से बन चुकी है तो ये पूरा का पूरा रिवर चैनल हो जाता है तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्ट्रक्ट करता है दूसरा कोस्टल इरोजन करती है इसके अलावा वाटर फ्लो फ्लड रेगुलेशन ये सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पानी का जो फ्लो है वो अब सही तरीके से नहीं हो पाएगा वाटर टेबल को लोअर कर दिया जाता है ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है इसके अलावा एक्सट्रीम इवेंट्स जो डिजास्टर्स वगैरह हैं उनकी भी संख्या आने की काफ़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये इलीगल ट्रेड हो रहा है तो अभी हाल फिलहाल में एनजीटी ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है अब रिवर सैंड माइनिंग अगर करनी है तो उसके लिए यहाँ से परमिशन लेना कंपलसरी हो गया यहाँ से आपको लेना पड़ेगा रेगुलेशंस के बारे में बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि सैंड जो है एक माइनर मिनरल आता है मिनरल माइंस एंड मिनरल एक्ट के अंतर्गत जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी अपना गाइडलाइन निकाला है दैट इज सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइन ट्वेंटी की है इसके अलावा सैंड माइनिंग के लिए एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन भी स्टार्ट किया गया है इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे सैंड माइनिंग के जो मिनरल्स हैं माइनर मिनरल्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन करना उसको उसको पता करना कि उसकी क्वांटिटी कितनी है यानी क्वांटिफिकेशन करना और कितना हम यूटिलाइज़ करें जिससे चीज़ें सस्टेनेबल तरीके की बनी रहें इसके अलावा हमें जो भी सैंड है उसकी रिप्लेनिशमेंट स्टडी करनी है कि कैसे उसे वापस से रीजनरेट रीजनरेट तो सही वर्ड नहीं होगा लेकिन कैसे इसका यूज़ किया जाए कि इसकी जो क्वांटिटी है या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ना बदले पोस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लेकर के एनवायरमेंटल ऑडिट को लेकर के और इलीगल माइनिंग इन सब चीज़ों को लेकर के इस गाइडलाइन प्रोग्राम में बताया गया है इसके अलावा सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क भी बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के द्वारा एन के बारे में अगर देखें तो एन 2010 में 2010 में स्टैटूटरी बॉडी के तौर पर निकल करके आया था इसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ भी बोलते हैं न्यू दिल्ली इसका मेन प्रिंसिपल प्लेस है लेकिन इसके अलावा भोपाल पुणे कोलकाता और चेन्नई यहाँ पर भी इनकी बेंच है जो बैठती रहती है और इन्वायरमेंट के केसेस को ये देखते हैं इनका मेन जो काम होता है इन्वायरमेंट के केसेस को देखना होता है और ये केवल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के थ्रू नहीं बल्कि नेचुरल जस्टिस के ग प्रिंसिपल्स पर भी ये काम करते हैं छः महीने के अंदर में यू कैन चैलेंज दिस जो भी जजमेंट यहाँ से आती है छः महीने के अंदर में आप चैलेंज इसको कर सकते हैं कुछ और भी छोटी मोटी न्यूज है जैसे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27 अब ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है ये सस्टेनेबिलिटी की ओर में ले जाने के लिए चार पिलर पर फोकस करता है ये फोकस करता है पीपल प्रॉस्पेरिटी प्लान एंड पार्टिसिपेशन ये चार पिलर्स हैं जिन पर यह फोकस करता है इन चार पिलर्स में छह आउटकम है जैसे हेल्थ एंड वेलबींग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ठीक दूसरा हो गया एजुकेशन को लेकर के तीसरा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क को लेकर के चौथा हो गया सॉरी पांचवा हो गया आपका एन्वायरमेंट क्लाइमेट वॉश एंड रिजिलियंस वॉश मतलब वही आपकी सैनिटेशन वगैरह को लेकर के बाकी इसके अलावा लोगों को कम्युनिटी को इंस्टीट्यूशन को इंपावर करना है आप देखेंगे टॉप की जो थ्री है वो बेसिकली एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली ही चीजें हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की चीज़ों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क ठीक है नेक्स्ट वन इज़ राइस प्रोग्राम राइज का मतलब यह है पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इनहेंसमेंट ये जो राइस प्रोग्राम है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है वर्ल्ड बैंक के अलावा जापान यहां पर आ, मतलब प्रेसिडेंसी करता है इसका मेन जो काम है वो है क्लीन एनर्जी सेक्टर यानी कि जो एनर्जी सेक्टर है उसको क्लीन प्रोडक्ट से हमें सप्लाई चेन उसकी जो है क्लीन प्रोडक्ट से भर देनी है इसमें जितने भी लो या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन लोगों को मिनिस्ट्रीम में लेकर के आना है उन लोगों को उन लोगों के अंडर में ही ये जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स है उसकी सप्लाई चेन मेंटेन करनी है नेक्स्ट है अर्थ बाउंड अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज अब जैसे हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है ऐसे कहा जाता है ना कि लिमिट होती है हर चीज़ की तो अर्थ की भी अपनी एक लिमिट है चाहे वो एयर को लेकर के एयर क्वाल्टिटी को लेकर के हो या टेरेस्ट्रियल लैंड को लेकर के हो या बायोस्फीयर को लेकर के हो या जो मरीन सिस्टम है उसको लेकर के हो किसी भी चीज़ को अगर लेकर के देखेंगे तो सबकी अपनी एक बाउंड्री होती है विद इन दिस बाउंड्री विद इन दिस लिमिट अगर रहते हैं तो चीज़ें सस्टेनेबल बनी होती हैं और अगर इसी चीज़ को क्रॉस किया जाता है तो चीज़ें फिर डिस्ट्रॉय होने लगती हैं तो यही चीज यहां पर कही जा रही है कि सेवन आउट ऑफ एट अर्थ की जो बाउंड्री अभी आइडेंटिफाई की गई है वो अब क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गई है और अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ाते रहे तो आगे आने वाले टाइम में अर्थ की हेल्थ और उसकी जो सर्वाइवल कंडीशन है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी यानी कि अनस्टेबल हो जाएगी मेन काम यही होता है कि अपनी लिमिट में रहना जिससे क्लाइमेट फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी या जितने भी तरीके का पॉल्यूशन है ये सब लिमिट में रहे ताकि चीजें सस्टेनेबल हमेशा बनी रहे स्टेबल बनी रहे कूल रूफ पॉलिसी अभी तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ये कूल रूफ पॉलिसी बनाया है इसमें यह कहा गया है कि जितने भी कॉमर्शियल या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो नॉन रेजिडेंशियल है यहाँ पर जो बिल्डिंग की छत है उस छत पर आपको या तो कुछ ऐसा पेंट करिए जिससे कि आपकी सनलाइट रिफ्लेक्ट करके चली जाए यानी छत जो है वो गर्म ना होने पाए लाइट आए लाइट चली जाए 100% परसेंट रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल जाए या फिर यहां पर पीवीसी का इस्तेमाल करिए जिससे कि यहां हीट मतलब एब्जॉर्ब न हो नेक्स्ट वन इज मिशन फिफ्टी के ई वी फोर इको ये बेसिकली सिडबी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ प्रोग्राम है जहां पर लोगों को एमएसएमई के थ्रू लोन दिया जाएगा फाइनेंसेस किए जाएंगे जिससे कि ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर सकें ये एक प्लान है जो इवॉल्व प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया गया है परवोस्काइट परवोस्काइट एक तरीके का मटेरियल होता है जो कि सोलर पैनल के ऊपर में लगाया जाता है इस तरीके से अब इसके लगाने से यह सोलर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है यानी सन की इंसोलेशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है और इससे कि जो सोलर एनर्जी की जो इफिशियंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है इफिशियंसी क्या कह सकते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है तो ये फायदा तो है ये जो बेसिकली मटेरियल है ये कैल्शियम टाइटनेट मटेरियल होता है जो कि इस परवस्काइट का काम करता है जो कि सोलर सेल पर लगाया जाता है लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये डिकम्पोज कर जाता है जब ही भी ये ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है तो इफिशियंसी उतनी ही तेजी से फिर गिरने भी लगती है नेक्स्ट टॉपिक है वन सी जी आई ए आर सी का मतलब होता है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च आप इसको समझ लीजिए लास्ट वाले से कि ये एक एग्रीकल्चर रिसर्च का ग्रुप है एग्री रिसर्च का एक ग्रुप है ये जो एग्रीकल्चर का रिसर्च का ग्रुप है ये 1971 में पब्लिकली फंडेड नेटवर्क के द्वारा बनाया गया था यानी कंट्रीज के एक साथ मतलब मिल करके फंड करके बनाया गया था इनका मेन काम क्या होगा एग्रीकल्चर रिसर्च करना है क्यों करेंगे आप एक तो करेंगे कि अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए ये तो चलो ठीक है दूसरी है क्लाइमेट रिजिलियंसी बनानी है यानी अगर क्लाइमेट क्राइसिस किसी तरीके की आती है तो हम उसे किस तरीके से एड्रेस करेंगे किस तरीके से हम अपने फूड लैंड और वाटर सिस्टम को एड्रेस करेंगे जिससे कि हम इस क्लाइमेट क्राइसिस में भी मतलब अब आगे बढ़ सकें तो इसको लेकर के प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह की जाती है इस एग्री रिसर्च का जो मेन हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है ये आपको ध्यान रखना है अभी हाल फिलहाल में एक प्रोग्राम है दैट इज वन सी जे आई ए आर दैट इज वन एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर के जहां पर कंट्रीज अपने पार्टनरशिप कर रही हैं ग्लोबल प्रेजेंस दिखा रही हैं जिससे कि ग्लोबल चैलेंजेस अगर आती है तो उसको हम लोग सही तरीके से निपट लें उसमें ज़्यादा कोई डैमेज ना होने पाए ठीक है तो बाकी जो होता है नीति आयोग सॉरी बाकी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रखी है और इंडिया भी इसका पार्ट बन चुका है नॉर्मन बॉलॉग फील्ड अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है जो कि आई आर आर ई दैट इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं इनको ये दिया गया है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट हुआ क्या है कि एक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डी नोटिफाई कर दिया गया है क्यों डी नोटिफाई किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंटेनर पोर्ट बनाया जा रहा है जो कि इस ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इसे डी नोटिफाई कर दिया गया है ग्रेट निकोबार मोस्ट आईलैंड है जहाँ पर यूनेस्को की मैप लिस्ट में भी ये मौजूद होता है मुला पेरियार डैम मुला पेरियार डैम ये केरला में है और ये बनाया गया है पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो न्यूज में थी जैसे कि आई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये ओ फ्रेमवर्क के अंतर्गत बनाई गई है इसका हेडक्वार्टर ओके यू यूगाइ विल टेल क्या ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है एक कई सारी रिपोर्ट निकालती है जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसके अलावा ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी गिल्ड ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट बाकी ये सारी रिपोर्ट्स हैं आप लोग रिपोर्ट रिपोर्ट खाली पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिपोर्ट आ जाती है और पूछ लिया जाता है कि कौन सी एजेंसी रिपोर्ट निकालती है सिमिलरली इसी तरीके से आई आर ई एन ए दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी भी है एक ये गवर्नमेंटल एनर्जी इन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सस्टेनेबल यूज के लिए काम करता है दो हजार नौ में बनाई गई थी इसका हेडक्वार्टर भी अबू धाबी में म, मतलब अबू धाबी ध्यान रखिएगा दैट इज इन दुबई ये है इसके भी रिपोर्ट्स ये कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट हो गया ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबलिंग एनर्जी इफिशियसी बाई ट्वेंटी थर्टी क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट और बाकी ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर दी गई हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है लास्ट टॉपिक है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफ एओ नाइनटीन फोर्टी फाइव में बनाया गया था रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है इसके भी uh, रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो ये सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं जिनका नाम नाम अगेन आपको ध्यान रख लेना है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर फाइव जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं डिस्कशन वन बाई वन टॉपिक्स के कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जहाँ पर भी कोई फ़िज़िकल डेवलपमेंट की जाती है फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे रोड बनाना या फिर ब्रिज बनाना या फिर कोस्ट साइड में कोई चीज़ बनाना ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं इनफैक्ट बिल्डिंग वगैरह ए टू जेड एवरी थिंग कम्स अंडर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी ज़रूरी भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज के लिए और इफ़िशियंट और कन्वीनियंट मैनर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए डेवलप्ड कंट्री बढ़ने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज की डेट में डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और डिज़ास्टर आने के कारण से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिल रहा है तो आखिर में क्या किया जाए इसका तरीका ये निकल सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे मेज़र्स लेने चाहिए जिससे कि ये जो डैमेज है वो कम से कम हो और इसीलिए हमें डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए इनफैक्ट 2019 में एक ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज़ किया गया था और ये प्रपोज किया गया था न्यू दिल्ली में ही जब यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रही थी इस दौरान में ये बोला गया था कि हमें कुछ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड कोई एक कोल्यूशन बनाना चाहिए और इसी के ही तर्ज पर कोल्यूशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के आई कई सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया है इंडिया ने भी इसका जो एग्रीमेंट है दैट इज़ हेडक्वाटर एग्रीमेंट हेडक्वाटर एग्रीमेंट को इंडिया ने भी साइन किया कैबिनेट ने इसे रेटिफाई किया और अल्टीमेटली हम भी इस कोईलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंबर के तौर पर बन चुके हैं ये जो डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कोलिशन बनाई गई है ये यूनाइटेड नेशंस के ही अंतर्गत बनाई गई है इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो सी है ये एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सना के बेसिस पर काम करेगी और जितने भी इंटरनेशनली काम करने हैं जैसे अलग अलग मेंबर को साथ में लेकर के आना कोई एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना या फिर कोई तरीका प्रोवाइड करना ये सारी चीज़ें अब आराम से ये सब चीज़ें की जा सकेंगी इसके ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर बात करें तो जितने भी क्लाइमेट और क्लाइमेट से रिलेटेड होने वाले जो डिज़ास्टर्स हैं उनसे उनसे रिजिलियंस लेकर के आना है जो भी डेवलपमेंट की जाए वो हमेशा रिजिलियंट डेवलपमेंट होनी चाहिए टोटल 31 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है बाकी इसके अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करें किस किस चीज़ों पर मिलकर ये काम करता है तो पहली चीज़ है सेंडाई फ्रेमवर्क सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इस पर बेस्ड है और साथ ही साथ में जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी उससे रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें से रिलेटेड हमारा ये कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई है हर दो साल पे बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली जाती है रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस कैप्चरिंग द रिजिलियंस डिविडेंड कुछ यहां पर रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह दी गई हैं जैसे एक है रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिजिलियंट है यानी कि लचीला है अगर किसी तरीके का डिजास्टर आएगा तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके प्रति वो एक रिस्पॉन्स शो करेगा या फिर अगर किसी तरीके का मेजर डिजास्टर आती है तो अपने आप को रिकवर करने की भी यहां पर टेक्निक रखेगा कुछ फैसिलिटीज रखेगा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंस यानी रिजिलियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना रिजिलियंस के लिए का मतलब क्या हो गया अगर कोई डिजास्टर आती है तो उससे बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक लॉसेज वगैरह हो जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने होंगे जो इस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए रिजिलियंस प्रोवाइड करें तीसरी है नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन अब नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया जो भी चीज़ें नेचर से डिराइव की जा रही हो जैसे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए साथ साथ में क्लाइमेट को एडॉप्टिव होना चाहिए जो भी इन्वायरमेंट की इंटीग्रिटी और बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करते हुए होना चाहिए तो ये चीज़ें जो नेचर से ही चीज़ें डिराइव कर रही हों नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिस्क टिपिंग पॉइंट रिस्क टिपिंग पॉइंट या टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है किसी भी पॉइंट का जो टिप होता है वो उसकी एपेक्स होती है यानी कि सबसे ऊपर की जो बॉडी होती है वही हमारी टिपिंग होती है अब किसी भी पॉइंट का जो बोलते हैं ना अति कर देना मतलब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाना ये यही है रिस्क टिपिंग पॉइंट अभी रिसेंट में ही एक रिपोर्ट निकाली गई थी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 ये रिपोर्ट निकाली गई थी यूनाइटेड नेशंस के ही एक ऑर्गन के द्वारा और इसमें ये बताया गया है कि अब कई सारे जगहों पर मल्टीपल फ्रंट पर अब रिस्क टिपिंग पॉइंट अप्रोच करना शुरू कर दिया है जैसे कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि ओशियन की हीटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है ग्लेशियल की मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है तो कई जगहों पर हमें इन्वायरमेंटल हज़ार और ग्लोबल चेंज देखने को अब मिल रहा है अगर हम देखें इसमें क्या क्या कनेक्टेड पॉइंट्स हैं जैसे एक बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन होनी शुरू हो गई है यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीसी ख़त्म होनी शुरू हो गई है आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सिक्सथ मास एक्सटेंशन के थ्रू होकर के गुजर रहे हैं जहां पर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं इसके अलावा ग्राउंड वाटर की लगातार हमें डिप्लीशन देखने को मिल रही है माउंटेन के जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होने लगे हैं स्पेस में जो डिब्रिस है लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं क्यों क्योंकि सैटेलाइट वगैरह जो ख़राब हो जाती है या फिर आपस में टूट फूट हो जाती है सब पड़े हुए हैं वहीं पर इसके अलावा ग्लोबल हीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई जगहों पर तो अनबियरेबल हो चुकी है रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है इसके अलावा कई जगहों पर जो हाउसेज वग़ैरह हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क है साथ साथ में वो अनअफोर्डेबल भी हो चुके हैं इसके पीछे कई सारे कारण हैं जैसे एक तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट अब इनसफिशियंट हो चुका है इसके अलावा ग्लोबल डिमांड प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है और जो रिसोर्सेज हैं वो उतने नहीं हैं जो पॉपुलेशन को पूरी तरीके से फीड कर सकें इनक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है जो अमीर है यानी जो रिच है वो रिच होते आ रहा है और जो पुअर है वो पुअर होते आ रहा है यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो और ज़्यादा डेवलप्ड होते आ रही है और जो अनडेवलप्ड है वो अभी पीछे ही रहते आ रही है तो कहीं ना कहीं जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है रीजनल डिस्पैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है जोग्राफी का एक टॉपिक है अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पहाड़ है दिस इज मान लेते हैं पहाड़ इस पहाड़ के ऊपर में ये पूरा का पूरा मान लेते हैं कि ग्लेशियर जो है यहाँ पर लदा हुआ है ये ग्लेशियर लगा हुआ है अगर ग्लेशियर के ही आप यहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स वगैरह होते हैं अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि आ, इस तरीके का लैंडफॉर्म मान लेते हैं कि बना हुआ है ये पूरा का पूरा जो होता है वो ग्लेशियर है अब ग्लेशियर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो गड्ढा बीच में बना हुआ है इसको बोलते हैं बर्ग्स कुछ याद आ रहा है तो ये बोला जाता है बर्ग्स तो बेसिकली यही जो बॉक्स चंड है इससे एक क्रैक जनरेट होती है और क्रैक जनरेट होने के बाद में कई बार क्या होता है कि ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा निकल करके आगे बढ़ जाता है अब ये क्यों निकल करके या टूट करके क्यों निकला सीधी सी बात है क्योंकि इसकी मेल्टिंग हुई है यहाँ पर इसकी मेल्टिंग हुई है यानी कि ये अब ग्लेशियर पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं रह गया था तो टूट करके अलग हो गया मेल्ट होकर के आगे की ओर में बढ़ गया जैसे ऐसे आगे की ओर में बढ़ते आता है इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके हम लोग मोरेन्स भी बोलते हैं मोरेन तो काफ़ी छोटा फॉर्मेट हो गया मोरेन जैसा ही जो बड़ा ग्लेशियर ही अगर पूरा का पूरा निकल करके आ गया है उसी को बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड तो अभी हाल फिलहाल में सिक्किम में ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हमें देखने को मिली थी ये हुई थी लेक साउथ लोनक में ये जो लेक साउथ लोनक है इसकी लोकेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बस ध्यान रखिएगा ये सिक्किम में है सिक्किम के जो साउथ लोनक लेक है यहाँ पर लगातार हमें मिल्टिंग देखने को मिल रही है और इसका रीज़न यही निकल करके आया है कि कहीं ना कहीं जो वाटर का रिलीज़ है ये चुंगथांग डैम जो कि ताप्ती आई थिंक यस ताप्ती रिवर के ही ऊपर में ये बनाया गया है ताप्ती नहीं है तीस्ता एक्चुअली है दिस इज तीस्ता रिवर नॉट ताप्ती तापी रिवर इज़ इन मध्य प्रदेश सो तीस्ता रिवर के ऊपर ये बनाया गया है अब यहां पर रेनफॉल कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि क्लाउड बस्ट होते आ रहा है और यही कारण है कि यहां पर जो ग्लेशियल है वो टूट करके अलग हुआ और अल्टीमेटली ये आउटबस्ट के फॉर्मेट में फ्लड के फॉर्मेट में निकल करके आया ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है ऐसे बहुत बार हो चुके हैं जैसे केदारनाथ में भी हमें देखने को मिला था चामोली में देखने को मिला था और सिक्किम में अभी रिसेंट में देखने को मिला ही मिला है इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में जो ऑर्गेनाइजेशनस हैं जैसे कि आपका आई सी आई एम ओ डी इस ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताई है कि चूंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है लगभग लगभग डेढ़ से दो डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ग्लोबल का बढ़ गया है इस कारण से जो ग्लेशियर्स हैं ये अपना थर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ देयर वॉल्यूम ये खो चुके हैं खोने का मतलब यही है कि अब ये यहाँ पर मेल्टिंग देखने को मिल रही है और इस मेल्टिंग का रीजन देखने को मिल रहा है इन अ फॉर्मेट ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं नेक्स्ट आर्टिकल है अर्थक्वेक स्वाम को लेकर के नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो अर्थक्वेक में हमारे पास में अर्थक्वेक को देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्मिक वेव इसको बोला जाता है सिस्मिक वेव जो सिस्मिक वेव होती हैं वो दो तरीके की होती हैं एक होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव जो बॉडी वेव होती है अगेन वो दो तरीके की होती है एक पी वेव और दूसरा होती है एस वेव इसी तरीके से सरफेस दो तरीके की होती हैं एक होती है रेले वेव और दूसरी होती है जिसे हम लोग लव वेव बोलते हैं ये जो पी वेव होती है ये सॉलिड लिक्विड दोनों में जा सकती है लेकिन जो एस वेव होती है केवल और केवल ये सॉलिड में ही ट्रैवल करती है इनफैक्ट इसकी जो स्पीड होती है एस वेव की वो भी पी वेव से कम होती है अगर हम लोग बात करें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सिस्मिक वेव जब रिसीव होती है जो रिसीवर होता है सबसे पहले वो रिसीव करता है बैकग्राउंड नॉइज़ को उसके बाद से पी वेव को ये करता है पी वेव के बाद में एस वेव को करता है और फिर बाद में सरफेस वेव को करता है ये जो सरफेस वेव्स होती हैं यही डैमेज पहुंचाती हैं मेन डैमेज यही पहुंचाती हैं अब एक्चुअल में क्या होता है मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है जैसे इसको बोलते हैं हम लोग फोकस जहाँ से अर्थक्वेक वेव निकल रही हैं इससे जस्ट जो परपेंडिकुलर होगा नाइन्टी डिग्री पर होगा इसको बोलेंगे हम लोग एपी सेंटर दिस इज एपी सेंटर और एपी से ही फिर अल्टीमेटली इस तरीके से जो सिस्मिक वेव है वो निकलेगी और डैमेज करेगी तो जितना फोकस सरफेस के पास रहेगा उतना ज़्यादा ही डैमेज करेगा अभी हाल फिलहाल में अब जैसे क्या होता है नॉर्मली अर्थवेक वेव सिस्मिक वेव आती है उसकी फिर ट्रिमर्स आती है और ख़त्म हो जाता है लेकिन अभी फिलहाल में आइसलैंड में लगातार 24 घंटे तक हमें बाईस सौ अर्थवेक से भी ज़्यादा देखने को मिले थे छोटे बड़े मेजर इस तरीके से कई सारे अर्थवेक देखने को मिले थे ये जो लगातार अर्थवेक आते रहता है घंटों या फिर दिन दिन भर या कई बार हफ्तों तक आते रहता है इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक स्वाम जब लगातार आपके बहुत सारे अर्थक्वेक्स आने लगे इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक स्वाम तो अर्थवेक ये शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर लंबे समय तक ये आ सकता है अब मोस्टली यहाँ पर लो टू मॉडरेट इवेंट के ही अर्थवेक आते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मेजर अर्थवेक भी आ सकता है मतलब छोटे से लेकर के बड़े हर तरीके का यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है शैलो डेप्थ पे नॉर्मली हमें देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि शैलो डेप्थ पे इसीलिए क्योंकि इसकी एनर्जी ताकि मेंटेन रहे ये ध्यान रखना है एनर्जी मेंटेन रहेगी तभी जा करके हमें अर्थक्वेक फील भी होगा और अर्थक्वेक लंबे समय तक आता भी रहेगा फॉल्ट लाइन जो होती है नॉर्मली वो आसपास ही देखने को मिलती है यानी कि जो मेन इसके पीछे का कारण होता है वो टेक्टोनिक शिफ्ट ही होती है टेक्टोनिक एक्टिविटी ही मेनली इसके रीज़न के तौर पर हमें देखने को मिलती है आइसलैंड में क्यों है क्योंकि आइसलैंड में देखिए यहाँ पर डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं और चूँकि डाइवर्जिंग प्लेट्स अब आप लोगों को पता होगा दो प्लेट इस तरीके से होती हैं जब एक दूसरे से डाइवर्ज करती हैं तो यहाँ पर बीच में रिफ्ट वैली वगैरह बन जाती है और कहीं ना कहीं प्लेट की जो वीकनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है प्लेट की वीकनिंग होने के कारण से लगातार यहाँ पर अर्थवेक्स आते रहते हैं साथ साथ में यहाँ पर हॉटस्पॉट भी क्रिएट हो जाती है बिकॉज द सर्फेस हैज़ बिकम वेरी वीक तो नीचे की जो भी मैग्मा है नीचे का जो हाई प्रेशर है वो इस तरीके से मैगमेटिक इरप्शन के फॉर्मेट में आइसलैंड से वोल्कैनो बना करके या फिर हॉटस्पॉट बना करके इसी तरीके से निकल जाता है अब यहाँ पर कई सारे एक्टिव वोल्कैनोज़ भी हैं जैसे ये माउंट फलाना फलाना और ये फलाना फलाना वोल्कैनो ये दो मेजर अर्थक्वेक जोन है आइसलैंड में अब इतना बड़ा बड़ा इतना नाम है इसको बस एक बार देखिए और आंखों में बसा लीजिए कुछ उल्टा पुल्टा सा नाम दिखेगा तो ध्यान दीजिएगा कि वो आइसलैंड का ही वोलकैनो है अब एक छोटा सा पॉइंट और है कोसिसमिक आयोनोस्फेरिक पर्टुबेशन अब आयोनोस्फियर से तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वही एटमोस्फियर वाला ट्रोपोस्फियर स्टैटोस्फियर मीजोस्फियर है ना आयोनोस्फियर यस बिल्कुल ये वही आयनोस्फियर है ऐसा फिलहाल में देखा गया रिसर्च के दौरान में देखा गया कि जो भी यहाँ पर हमें अर्थवेक वेव्स देखने को मिलती हैं इस अर्थवेक वेव की जो सरफेस वेव है जो इसकी सरफेस वेव है इसका आयोनोस्फियर पर भी इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा है तो जो भी अर्थक्वेक का रिफ्लेक्शन है वो हमें आइनोस्फियर में भी देखने को मिल रहा है इसी एक्टिविटी को हम लोग बोल रहे हैं कोसिसमिक आइनोस्फियर पर्टुबेशन इससे ज़्यादा जन जाने की जरूरत नहीं है बस आप ये ध्यान रखिएगा चूँकि इस पर्टुबेशन के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये आइनोस्फियर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी जो लाइट को डिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी वो बढ़ जाती है वेव को डिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इसी कारण से जितने भी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम हैं या जो सैटेलाइट्स हैं वो सही डेटा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लैंडस्लाइड इन हिमालयाज हिमालयाज़ में लगातार लैंडस्लाइड वगैरह आते रहते हैं जैसे अभी रिसेंट में उत्तराखंड में एक चारधाम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इस चारधाम प्रोजेक्ट में एक सिक्यारा बारकोट टनल बनाई जा रही है जो कि रिसेंट में कोलैप्स कर गई थी कोलैप्स करने के पीछे कई सारे कारण हैं उसमें से एक कारण है यहाँ की जो टोपोग्राफी है यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो मेनली लाइम बेस्ड है लाइम का मतलब जो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेनली कैल्शियम रिच है यहाँ पर तो ये बेसिकली पानी के साथ मिल करके ये तमाम तरीके के लैंडफॉर्म जैसे आप लोगों को याद होंगे जैसे उवाला पोल्जे ठीक है डोलोइन हो गया सिंखोल हो गया इस तरीके से बनाती है इसके अलावा इस्टाइलेग इस टाइट ये सब चीज़ें भी बनाती हैं अब ये जो लाइमस्टोन होता है पानी के साथ घुल करके बहुत ही तेज़ी से मतलब यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट करता है और इस कारण से सॉफ्ट रॉक होने की वजह से इसके कोलैप्स करने की जो संभावना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और यही रीज़न है कि यहाँ पर कोलैप्स वगैरह भी देखने को हमें मिला था अगर हम हिमालय के बारे में बात करें हिमालयाज़ आर वेरी प्रोन टू लैंड अब जैसे एक आप लोगों ने इस तरीके से एन में एक डायग्राम देखा होगा जहाँ पर देखा होगा कि एक तरफ से स्लाइड होती है एक तरफ से मड फ्लो होता जैसे लैंड स्लाइड हो गया रॉक स्लाइड हो गया मड फ्लो हो गया इस तरीके से यहाँ पर होती है तो फ्लो हो गया स्लाइड हो गया हीव हो गया तो इस तरीके से अलग अलग होती है यहाँ पर क्रीप कंडीशन होती है आप लोग डायग्राम जरा ध्यान से देख लीजिएगा दिस डायग्राम इज इरोजन का डायग्राम ये मास इरोजन का डायग्राम है हिमालयाज में जो लैंडस्लाइड आते हैं उसके पीछे का मेन कारण क्या हो सकता है एक कारण हो सकता है वहाँ की जो जियोलॉजी है जियोलॉजी का मतलब जो वहाँ की इंटरनल स्ट्रक्चर है जैसे वहाँ पर किस तरीके का फॉल्ट लाइन है किस तरीके की रॉक वहाँ पर है क्या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुए हैं वही क्रोटेशियस ठीक है वही आपका जो विंध्यन अलग अलग तरीके की टाइम पीरियड चली थी जहाँ पर आपकी रॉक का फॉर्मेशन हुआ था दूसरी होती है मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मतलब यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजी किस तरीके का है यानी कि अनकॉन्सोलीडेटेड सेडिमेंट ऑफ ग्रेवल एंड एलुवियम मतलब किस तरीके का वहाँ पर एलुवियम हुआ है जैसे मॉर्फोलॉजी यहाँ पर क्या है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी है कि एक सेडिमेंट्री रॉक है ये एक तरीके का सेडिमेंट से मिलकर के बना हुआ है यानी किसी ना किसी एलुविनियम से मिलकर बना हुआ है जो शिवाली का रीजन है इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा अनसस्टेनेबल है या कंस्ट्रक्शन के लिए अनस्यूटेबल है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन की जाए तो दर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे फॉल डाउन इनफैक्ट वाटर टेबल भी कहीं ना कहीं सीपेज के थ्रू जो भी यहाँ पर पैचेज हैं जो भी यहाँ पर जॉइंट्स है उसको वीक कर देता है कुछ यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजिकल रीजन भी हैं जैसे जहाँ पर भी आइस और स्नो है वो एक्यूमुलेट होकर के टनल के आसपास में वहाँ पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते रहते हैं क्लाउड बस्ट की कंडीशन देखने को मिल जाती हैं बाकी एंथ्रोपोजेनिक तो हमेशा रीज़न रहेंगे ही रहेंगे मैन की जो एक मतलब लालचीपना है लगातार कंस्ट्रक्शन करना उसका जो एक लालच है उसकी जो डिज़ायर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट कंडीशन जो कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है यहाँ पर भी लगातार डेवलपमेंट करना और क्लाइमेट इंड्यूस्ड वार्मिंग वगैरह लेकर के आना ये कुछ रीज़न के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है अभी हाल फिलहाल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लैंड स्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग किया है कहाँ कहाँ पर लैंड स्लाइड ज़्यादा हो सकते हैं उसको इन्होंने मैप बना करके रखा है ये जो मैप बनाया है इस प्रोजेक्ट का नाम है लैंड स्लिप प्रोजेक्ट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है लैंड स्लिप प्रोजेक्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो जहां जहां पर भी लैंडस्लाइड आ रही है वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मिटिगेशन टेक्निक बनाई जा सके इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है और साथ ही साथ में जोनेशन के लिए गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हैं आखिर में टनल बनाने का क्या क्या टेक्निक हो सकता है ये ज़रूरत तो नहीं है अब तो जैसे कुछ होते हैं जो कन्वेंशनल टेक्निक होते हैं जैसे ड्रेन ब्लास्ट ड्रिल करिए ड्रिल करने के बाद में जहाँ जगह मिले वहाँ पर डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर दिया जाता है तो एरिया वहाँ पर टूट जाता है खाली हो जाता है हिमालयाज में नॉर्मली इसी तरीके की टेक्निक यूज़ की जाती है लेकिन कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं जैसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथडोलॉजी इसके अलावा ड्रेनेज री इन्फोर्समेंट एक्सकवेशन सपोर्ट सिस्टम इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी में, में, में मेकनाइज मेथड्स हैं टनल बोरिंग मशीन ये न्यू टेक्निक है और इसी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है हालांकि देखिए थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर पड़ता है लेकिन ये रिलेटिवली काफ़ी सेफ है एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रेट होल माइनिंग रेट होल माइनिंग अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा मेघालय में की जा रही थी और वहाँ पर पूरा का पूरा जो केव था वो कलेप्स कर गया था इसी वजह से रेट होल माइनिंग को इलीगल बना दिया गया है ये लीगल नहीं आप नहीं कर सकते हैं लेकिन 2014 में जब ये इलीगल किया गया था बैन किया गया था तो 19 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर निकाला और ये कहा कि इन केस अगर ये रेट माइनिंग की जा रही है उन एरियाज में जहाँ के एरियाज़ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट और मिनरल कंसेशन रूल एक्ट के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो वहां पर इस तरीके की राइट माइनिंग की जा सकती है राइट माइनिंग का सीधा फंडा होता है आगे मतलब यहाँ पर होल करेंगे और आगे की ओर में एक बंदा बढ़ते जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो आगे भी होल करते जाएगा और दूसरे साइड से निकल जाएगा ये राइट होल माइनिंग करने के लिए दिक्कत आती है क्यों सॉयल इरोजन वाटर की पोल्यूशन होना पुअर वेंटिलेशन एक बंदा जा रहा है आगे से पूरा बंद है उसी को खोदना है आगे तो कहाँ से ऑक्सीजन पाएगा और दूसरा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो बहुत छोटा हो तो नॉनली बच्चों वगैरह का भी यहाँ पर मतलब बच्चों को भेज दिया जाता था जिससे काफ़ी दिक्कत आती है हीट वेव कंडीशन हीट वेव क्या होती है हीट वेव होती है किसी एक प्लेन इलाके पे बोल दिया गया है कि 40 डिग्री का जो सेंटीग्रेड है वो अपने आप में मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और वही पहाड़ों पे देखें तो 30 डिग्री का टेम्परेचर अपने आप में बहुत ज़्यादा माना जाता है लेकिन अगर मान लेते हैं कि चालीस डिग्री से चार पाँच डिग्री और एक्स्ट्रा चला जाए यानी कि ये चौवालीस से पैंतालीस डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर चला जाए तो बोला जाएगा कि हीट वेव की ये कंडीशन जनरेट हो गई है वही अगर मान लेते हैं कि जो आ, मतलब हिल एरिया है वहाँ पर पाँच छः डिग्री ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा मान लिया जाएगा सिमिलरली इसी तरीके से अगर छः डिग्री या उससे ज़्यादा आ जाता है तो उसको बोलते हैं सीवियर हीट वेव की कंडीशन बन गई है और वही अगर सात डिग्री ज़्यादा है तो अगेन वो भी सीवियर हीट वेव कंडीशन बोल दी जाती है ठीक है अब जो सारे लोकेशंस है उसमें पैंतालीस डिग्री और 40 डिग्री कोस्टल इलाके में ये डिक्लेयर किया गया है रिकॉर्डेड मैक्सिमम टेम्परेचर तो बस आपको ये छोटा मोटा जो डेटा है वो ध्यान रखना है ये जो एवरेज लिया गया है 40 डिग्री ये 1970 से उन्नीस के बीच का डेटा है और इसी को ध्यान में रख करके चीज़ों को मनाया जा रहा है हीट वेव के जो कंडीशंस हैं इसमें आई ने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं अलग अलग कलर में जैसे ग्रीन है तो वो एक नॉर्मल डे है कोई दिक्कत नहीं है मैक्सिमम टेम्परेचर चालीस डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है येलो अलर्ट आता है जब आपको हीट अलर्ट दे दी जाती है कि भैया ऐसा है थोड़ा बच बचा करके रहना हीट वेव कंडीशन जनरेट हो सकती है हुई नहीं है यू कैन स्टिल गो आउट ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है आप तैयारी कर लीजिए सीवियर हीट हीट अलर्ट जो है वो मतलब आपको नोटिफिकेशन दी जा रही है कि हो सकती है मतलब आप अपना सनस्क्रीन वगैरह जो भी है वो लगा करके बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं रेड अलर्ट का मतलब होता है एकदम आपको बाहर निकलना नहीं चाहिए एक्सट्रीम हीट हो चुकी है बाहर जाएंगे आपकी बर्न हो जाएंगी स्किन बर्न हो जाएगी डिहाइड्रेशन हो जाएगी तमाम तरीके की प्रॉब्लम भी हो सकती है अभी फिलहाल में यही हुआ है कि पांच मेंबर की एक कमेटी थी जो हीट अफेक्टेड एरिया में गई थी कंटेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट था वो थी इसकी बेसिक्स बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक छोटी चीज़ और है हीट वेव को डील करने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए गए हैं जैसे नेशनल एक्शन प्लान और हीट रिलेटेड इलनेस ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2021 में ही निकाली गई थी बाकी यहाँ पर तो वही है हीट वेव के ही जो चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड होने वाली जो बीमारियाँ हैं इसको सॉर्ट आउट करना है और प्राइमरी से टर्सरी लेवल तक जहाँ पर भी जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करनी है इसके अलावा आईएमडी के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है आईएमडी एम में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के दौरान में ही बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हर्ट साइंस के अंतर्गत आती है और कई सारे इसके रीजनल सेंटर छह रीजनल सेंटर्स यहाँ पर इसके हैं जो मिटोलॉजी सिस्मोलॉजी और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें काम करती है मरीन हीट वेव हीट वेव का सिंपल मतलब यही होता है कि किसी भी एरिया को गर्म होना यहाँ पर बात की जा रही है मरीन की मरीन मतलब ओशियन अब यहाँ पर जो ओशियन है वो उसकी हीटिंग हो रही है कई सारे ओशियन है जैसे पैसेफिक है पैसेफिक की लगातार हमें हीटिंग देखने को मिल रही है तो मेन यहाँ पर पैसेफिक की हीटिंग पर ही फोकस भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो मरीन हीट वेव है ये 2024 तक और ज़्यादा बढ़ते आएंगे और इनफैक्ट देखिए ये हमेशा बढ़ते रहेंगे आज की कंडीशन ग्लोबल वार्मिंग की है एंड टेम्परेचर कहीं का भी ऐसा नहीं रह गया है कि जहाँ पर कूल हो रहा हो हमेशा हर जगह पर बढ़ ही रहा है सो so, हर जगह पर कारण वही है वार्मिंग को लेकर के अब इंडियन ओशन में भी ऐसा नहीं इंडियन ओशन में भी इसी तरीके की सेम वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है और हर जगह का जो रीज़न है वो वही है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कई जगहों के टेम्परेचर तीन से चार डिग्री तक बढ़ चुके हैं एल नीनो के जो इवेंट है वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं क्यों बढ़ते आ रहे हैं अगेन यहाँ पर भी वही है वार्मिंग होना कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हफ्तों और इवन सालों तक ये चल सकता है स्मॉल एरियाज़ ऑफ कोस्टलाइन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है हीट जो होती है पचास परसेंट से ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी तो जो भी मरीन इको सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएंगे तो मरीन इकोसिस्टम पर एक बहुत ही डैमेज हो रहा है क्योंकि कई सारे एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ भी हो जा रही है साथ ही साथ में कोरल की ब्लीचिंग हो जा रही है क्योंकि इनका भी सी सरफेस टेम्परेचर सत्ताईस डिग्री तक ही केवल केवल चाहिए होता है लेकिन चला जा रहा है कितना 40 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीधी सी बात है कोरल का भी डेथ हो जाएगा कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी इसके अलावा वेदर पैटर्न में भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जैसे हमें इंडियन ओशियन डाइपोल देखने को मिल रहा है हमें अटलांटिक मेरीडियन देखने को मिल जा रही है हमें एल निनो लानीना टाइप के केसेस देखने को मिल जा रहे हैं हमें मेडन जूलियन ऑसोलेशन टाइप की चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं हमें मोडोकी देखने को मिल जा रही है तो कई सारे यहाँ पर इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा जो हरिकेन्स या जो साइक्लोन्स हैं या किसी भी तरीके की जो डिजास्टर है उसकी हमें लगातार इंक्रीज फ्रीकवेंसी देखने को मिल रही है प्रिसिपिटेशन बहुत ही अनफेयर हो चुका है कहीं पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है और कहीं पर बहुत ही कम रिसीव हो रहा है साइक्लोन्स के लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है साइक्लोन्स ना सिर्फ केवल अरेबियन ओशियन बल्कि आपका जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर भी हो रहा है दोनों ही जगहों पर लगातार हमें देखने को मिल रही है हालांकि पहले अरेबियन ओशियन में उतना नहीं होता था बे ऑफ बंगाल में ही रिलेटिवली ज़्यादा आता था लेकिन अब अरेबियन ओशन में भी रिलेटिवली ज़्यादा आने लग गए हैं कई सारे कारण हैं सब देखिए वही है आई इंडियन ओशन डाइपोल हो गया या फिर मोडोकी का डेवलपमेंट होना ये सब चीज़ें कही कहीं ना कहीं साइक्लोन के ही यानी कि जो हीट राइज है उसी को ही जन्म दे रही हैं अभी रिसेंट में साइक्लोन मिशुआंग ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के कोस्ट पर टकराया था इस मिशुआंग का जो नाम है वो म्यांमार ने दिया था जो नामकरण किया जाता है साइक्लोन का वो सिक्स रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा किया जाता है बारी बारी से सब लोग अपना अपना नाम रखते हैं अब जैसे मतलब अलग अलग नाम सब लोग अपना रखते हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया म्यांमार सब लोगों ने नाम रखा हुआ है कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये चौथा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि बेव बंगाल में इस साल आया हुआ है साइक्लोन किस तरीके से आते हैं आई थिंक ये ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो नहीं है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है सत्ताईस डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए सरफेस टेम्परेचर कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए यानी कि इक्वेटर के आसपास में आप नहीं होने चाहिए ट्रॉपिक्स में आपका बड़ा अच्छा डेवलप होगा इसके अलावा जो वर्टिकल विंड स्पीड होनी चाहिए वो एक क्लियर स्काई टाइप की होनी चाहिए क्लियर स्काई होनी चाहिए वर्टिकल विंड नहीं होनी चाहिए अदरवाइज़ वो नहीं आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो वेपराइजेशन बहुत ही तेज़ी से होना चाहिए अदरवाइज साइक्लोन आगे नहीं बढ़ेगी डेवलप तो हो जाएगी बट वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी इसके अलावा लो प्रेशर एरिया होना चाहिए अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए कई सारे अभी रिसेंट में देखने को मिले थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इल्सा हो गया इसके अलावा हमें सुपर साइक्लोन मोचा देखने को मिला था म्यांमार के पास में मिडली देखने को मिला था बांग्लादेश के पास में अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे टॉम्स दिए गए हैं जैसे साइक्लोन इस्टॉम जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से साइक्लोन आती है तो उसको बोलते हैं साइक्लोन स्टॉम डीप डिप्रेशन जब रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है और डिप्रेशन जब बहुत ही कम स्पीड से आ रही होती है तो यहाँ पर बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा ये उससे कम ये सबसे कम फुजियारा इफेक्ट अब जैसे मान लेते हैं एक तरफ साइक्लोन इधर से आ रही है दूसरे तरफ साइक्लोन इधर से आ रही है जब दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बना लेते हैं तो ये चीज़ सबसे पहले नाइनटीन में साकोई फुजीहारा के द्वारा देखा गया था ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर में देखा गया था काफ़ी इंटेंस यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है तो बस वही चीज़ है कि दो हरिकेन या साइक्लोन जब आपस में मिल जाते हैं तो और ज़्यादा इस्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम ड्रॉट क्या होता है ड्रॉट का मतलब होता है हिंदी में सूखा पड़ जाना जो सूखा पड़ता है वो तीन तरीके से पड़ सकता है मिट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर का मतलब होता है जहाँ पर आपकी क्रॉप का लॉस हो जाता है क्रॉप लॉस कई का कारणों से हो सकता है या तो बर्न हो गया हो या फिर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जा रही हो कि वो झुलस जा रहे हाइड्रोलॉजिकल का मतलब होता है पानी बरस तो रहा है ठीक है पानी बरस तो रहा है लेकिन वो पानी रुक नहीं रहा है यानी कि यहां पर टेरेन प्रॉब्लम है जैसे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पुचेरापूजी पानी तो बहुत है बरसता तो बहुत है लेकिन पानी रुक ही नहीं रहा है क्यों नहीं रुक रहा है क्योंकि रॉक स्टाटा यहां पर काफी ऊपर है तो कहीं पर भी पानी स्टोर करने की नेचुरल कंडीशन बन ही नहीं रही है और मेट्रोलॉजिकल का तो सीधा मतलब है कि रेनफॉल ही नहीं हो रहा है रेनफॉल ही काफ़ी कम है ठीक जो ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम है इस मतलब एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि थर्टी जो इंडिया का लैंड एरिया है वो अलग अलग तरीके के ड्रॉट को फेस कर रहा है ड्रॉट के अलग अलग कंपोनेंट है सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं मॉनिटर करते हैं प्रिडिक्ट करते हैं फोरेकास्ट करते हैं प्लान करते हैं प्रिपेयर करते हैं कम्युनिकेट करते हैं और रीच करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी फ़िलहाल में आई गांधीपुर गांधीनगर ने एक ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है यह रियल टाइम डॉट को बताएगा मतलब क्या कंडीशन चल रही है स्टेटस है उसके बारे में बताएगा रीजनल और नेशनल पार्टनर्स के द्वारा हमें यहाँ पर एक्यूरेट टाइमली और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी ड्रॉट की कि किस तरीके से कहा चल रहा है ड्रॉट के लिए नॉर्मली दो चीजों को देखा जाता है एक सॉइल मॉइस्चर और दूसरा प्रिस्पिटेशन इंडेक्स प्रिपिटेशन इंडेक्स का मतलब मेट्रोलॉजिकल से है और सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड यहां पर हमारा हाइड्रोलॉजिकल से है अभी फिलहाल में यह बोला गया है कि अगस्त 2023 तक ये जो अगस्त का महीना है 1901 से लेकर के अभी तक 2023 तक में सबसे ज्यादा ड्रॉट वाला एरिया माना गया है ड्रॉट को मॉनिटर करने के लिए कई सारी स्कीम चलाई गई है जैसे एन ए डी ए एम एस दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ये रियल टाइम जो ड्रॉट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है इसके अलावा फसल फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमिटीलॉजी एंड लैंड ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन बाकी इसके अलावा इसरो सैटेलाइट के डेटा को भी देखता रहता है कि क्या चीज़ें हैं तो बस यही चीज़ है अब यहाँ पर जो है आईएमडी uh, ने इनफैक्ट ड्रॉट ईयर को घोषित भी किया था कि अगर मान लेते हैं कि रेनफॉल की डिफिशियंसी अगर 10 परसेंट से ज़्यादा अगर देखने को मिलती है या फिर जो सॉइल सॉइल मॉइस्चर है अगर मान लेते हैं बीस परसेंट ऑफ द एरिया इज़ अफेक्टेड बाई द मॉडरेट और सीवियर ड्रॉट कंडीशन दोनों में से कोई एक या दोनों ही अगर मान लेते हैं कि uh, पाए जाते हैं तो फिर वो ड्रॉट ईयर घोषित कर दिया जाता है आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉट इज नॉट अ डिज़ास्टर ये एक डिज़ास्टर नहीं है इसको डिजास्टर की श्रेणी से हटाया जा चुका है यह भी कहा जा रहा है कि 68 परसेंट ऑफ़ द क्रॉप एरिया ये वल्नरेबल है ड्रॉट के सीधी सी बात है इन्नौर में ऑयल स्पिल हुआ है इंदौर ये एक पोर्ट भी है जो चेन्नई में है जो इन्नौर में ऑयल स्पिल हुआ है ऑयल स्पिल होने के कारण से दिक्कत ये होती है अब जैसे जो ऑयल होता है वो लेस डेंसिटी होती है इस वजह से पानी के ऊपर में यह तैरता रहता है अब ये पानी के ऊपर में इस तरीके से तैरता रहेगा तो सन की जो लाइट है वो अंदर नहीं आ पाती है सन की राइट जब अंदर नहीं आएगी तो हर जगह पर एंड एरोबिक कंडीशन छा जाएगी यानी जो भी सरफेस के जीव होंगे वो पहली बात डेथ कर जाएंगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओशियन का सेलिनटी कंडक्टिविटी टेम्परेचर एवरी सारी चीज़ें यहाँ पर बिगड़ जाती हैं तो इन शॉर्ट कहा जाए मरीन इकोसिस्टम ही पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स अपनाई जाती हैं यहाँ पर दो बैक्टीरियाज़ यूज़ किए जाते हैं जैसे ऑयल जैपर एंड ऑयली वायरस ये डेवलप किया गया था टेरी यानी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है ये दोनों ऐसा कहा जाता है कि जो बैक्टीरियाज़ हैं ये जो ऑयल फैल जाती है उसको ये खा लेते हैं लेकिन इसकी एक और बार टेस्ट की गई थी ईरान में आई थिंक ऑयल स्पिल हुआ था तो ये फेल हो गया था मतलब खा तो रहा था लेकिन पूरी तरीके से खा नहीं पाया था तो फिर उसके बाद से ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स है उसके थ्रू हम लोगों ने जो ऑयल स्पिल हुई थी उसको हटाया था बेसिकली क्या करते हैं जला देते हैं बर्न कर देते हैं जो भी पेट्रोल या ऑयल स्पिल हुई है उसको बर्न कर दिया जाता है काफ़ी नुकसान होता है इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है मरीन को भी नुकसान होता है लेकिन वी डो नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव इम्पैक्ट के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया कि जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो सांस नहीं ले पाते हैं उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है इसके अलावा सनलाइट नहीं जा पाती है और मैनग्रुव फॉरेस्ट को तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है कई सारे स्टेप्स लिए गए जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक नया प्लान निकाला गया है, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान सिमिलरली इसी तरीके से मर्चेंट शिपिंग एक्ट भी है जो कि इस आ, मतलब आ, मरीन पॉल्यूशन के बारे में बात करता है ग्लोबल लेवल पर सोलास एक प्रोजेक्ट है दैट इज़ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी और एक और है मारपोल दैट इज प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट फ्रॉम शिप्स इंडिया दोनों का ही मेम्बर है इंडिया दोनों का ही मेंबर है ये बात ध्यान रखनी है अब जो हमारा कोशगार के कारण से जो प्लान बनाया गया दैट इज़ नेशनल ऑयल स्पिल डिज़ास्टर कंटीजेंसी प्लान ये शुरुआत में तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हुआ करता था लेकिन अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ला दिया गया है यह ऑयल स्पिल ऑयल डिज़ास्टर या फिर ऑयल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको ये निगरानी करता है उसको ये देखता रहता है फिलहाल में अभी गुजरात के वादीनगर में इसका रिसेंट में मीटिंग हुआ था छब्बीसवीं मीटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली थी छोटे मोटे कुछ टर्म हैं जैसे क्लाउडबस्ट क्लाउडबर्स्ट का मतलब सिंपल होता है कि अगर एक घंटे के अंदर अंदर में टेन सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है तो उसको बोल देते हैं क्लाउड बस्ट मतलब बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होना बहुत ही कम टाइम पीरियड में अब ये जो इंटेंस रेनफॉल होती है बहुत ही स्मॉल एरिया जैसे 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होती है क्यूम्बलोनिम्बस जो क्लाउड होते हैं वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी वलरेबल एरियाज़ हैं इस्पेशली वो हिमालयन एरियाज़ हैं या फिर आपके वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के एरियाज़ हैं नॉर्मली हमें दो कारणों की वजह से क्लाउड बस देखने को मिलती है एक ओरोग्राफिक लिफ्ट हो जाती है और दूसरी होती है स्टडी शावर के फॉर्मेट में जैसे मान लेते हैं कि जो स्टडी शावर है वो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रही है तो बड़े जो मतलब क्लाउड्स जो छोटे छोटे बूंदें हैं वो बड़ी बूंदों के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी बूंदों के फॉर्मेट में ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हो जाती है अवलांच अवलांच का सीधा मतलब होता है पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा बर्फ जमा हुआ है अचानक से बर्फ़ टूट करके गिरने लगे अगर तो उसको बोल देते हैं अवलांच का आना जैसे नॉर्मली लैंडस्लाइड होती है तो जहाँ पर भी ग्लेशियर्स हैं या जहाँ पर भी इस तरीके के माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर अवलांच आती है लैंडस्लाइड इन सिंपल फॉर्मेट अवलांच बोल सकते हैं तो टूरिस्ट अभी कि मतलब सिक्किम के एरिया में जो होता है इनकी मौत हो गई थी नाथुला दर्रे के पास में और उसके पीछे सिंपल कारण यही था ये अवलांच का आना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है 2023 से लेकर के 2026 तक का बड़ा अच्छा इसने काम किया है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च और इस कारण से इसको ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब दर्जा दिया गया है जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के भी न्यूज़ में रहे थे जैसे यू ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जब हम लोगों ने इस पहला पहला टॉपिक डिस्कस किया था कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर हम लोगों ने सेंडाई फ्रेमवर्क वगैरह के बारे में बात किया था ये वही है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम करता है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो इसको 1999 में ही इस्टाब्लिश किया गया था इसके अलावा 2023 ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन विद डिजेबिलिटी एंड डिज़ास्टर्स ये निकाली गई है ये जो रिपोर्ट निकाली गई है ये निकाली गई थी टू फॉलो अप द 2013 ग्लोबल सर्वे ये यूएन के द्वारा ही अगेन निकाली गई रिपोर्ट है ज़्यादा कुछ खास है नहीं बस ध्यान रखना है कि डिजास्टर के दौरान में जो भी पर्सन विद डिजिलिटी हैं उनको किस तरीके से uh, कैसे मतलब देखना है क्या करना है ये सब चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं बस आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट के बारे में किसने निकाला है दैट्स इट ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2023 इस रिपोर्ट की जो थीम थी वो मैपिंग रिजिलियन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं बस हीट वेव की प्लान ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है और ये भी बोला गया है कि कुछ हमें बड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे स्ट्रांग मेजर्स लेने पड़ेंगे जैसे कि ग्रीन वॉल ग्रेट ग्रीन वॉल साहिल का बनाया जा रहा है ऐसे ही अरावली के पास में भी हम लोग सेम इसी तरीके का ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं ताकि जो डिजर्टिफिकेशन राजस्थान के एरिया से लगातार बढ़ते जा रही है बाकी के पार्ट में जैसे हरियाणा या फिर पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके तो बीच में एक ग्रेट ग्रीन वॉल बना दी जा रही है अरावली के पास में ही राजस्थान के पास में ही तो इससे ये जो डिजर्टिफिकेशन की प्रोसेस है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स जो कि ज्योग्राफी के करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है तो चले फिर वन बाय वन करके जरा टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक है एल नीनो सदन ऑसिलेशन एल नीनो सदन ऑसिलेशन इसके अलावा कई और भी इस तरीके की इवेंट्स होती हैं जैसे कि एल नीनो लानीना तो हो ही गया इसके अलावा मोडोकी हो गया या फिर आपकी जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है इंडियन ओशियन डायपोल है ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो लगातार न्यूज़ में भी बने रहते हैं और अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं इन चारों का अपने आप में क्या रिलेशन है इन चारों का इंडियन मानसून के साथ में क्या रिलेशन होता है ये एक पहले इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं समझ लेते हैं और फिर आते हैं हम लोग अपने इस मैगज़ीन पर और डिस्कस करना शुरू करते हैं एलिनो एल को डिस्कस करने से पहले हम जरा नॉर्मल कंडीशंस को देख लेते हैं नॉर्मल डेज़ में अगर देखें तो ये हमारी इंडिया हो गई इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है मैस्क्रीन आइलैंड इसके अलावा ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ में ये हो गया आपका साउथ अमेरिका तो नॉर्मल डेज़ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती रहती हैं तो ये आपकी जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो थर्टी डिग्री टू जीरो डिग्री में कुछ इस तरीके से चल रही होती हैं जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेड विंड्स चल रही हैं ट्रेड विंड्स के अलावा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दीज आर ट्रेड विंड्स इन ट्रेड विंड्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काउंटर इक्वेटोरियल करेंट भी चल रही होती है तो ये हो गई आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करेंट तो दिस इज़ काउंटर इक्वेटोरियल करंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अब नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है कि चूँकि इस ट्रेड विंड के कारण से अल्टीमेटली इस ट्रेड विंड के कारण से जो भी यहाँ पर पानी होता है जो भी यहाँ का पानी होगा ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया ये पानी ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड विंड्स इसको एक फ्रिक्शनल एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू अल्टीमेटली पानी इस साइड में आते जा रहा है अब पानी आते आता है तो इस साइड से इस साइड का मतलब जो हमारा साउथ अफ्रीकन साइड है इस साउथ अफ्रीकन साइड से अपवेलिंग होती है जो आपकी पेरूवियन करेंट भी जिसको आप बोल सकते हैं तो इस साइड में चूंकि पानी यहाँ पर निकल गया है और ये आपका वॉर्म वाटर इस साइड में आ गया है तो ये हमारा आ गया वॉर्म वाटर और यहां पर अपवेलिंग के कारण से यहां पर आ गई है कोल्ड वाटर अब चूंकि यहां पर अपवेलिंग हो रही है तो अपवेलिंग के कारण से यहां पर जो मछलियां हैं यानी जो फिशेज वगैरह हैं वो भी काफी ज्यादा आ जाएंगी अब यहां पर अगर कंडीशन समझ में आ गई है तो एक बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर चूकी कोल्ड वाटर है इसका मतलब है कि जो पेरूवियन करंट है ये आपका हाई प्रेशर पर बन करके रखा रहा होगा दूसरी तरफ यहाँ पर है वार्म वाटर वार्म वाटर का मतलब है कि ये अपना लो प्रेशर पर बना हुआ है और चूंकि हम लोग बातें कर रहे हैं समर सीज़न समर सीजन इन नॉर्थ अमेरिका तो यहाँ पर मई जून के अराउंड अराउंड में अगर बात किया जाए तो इंडिया में भी लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है सिंपल कारण है उसके पीछे क्योंकि यहाँ पर जो सनशाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू होकर के गुजरती है तो ये लो प्रेशर बना हुआ है वही अगर मस्क्रीन के बारे में बात करें तो मस्क्रीन यहाँ पर हाई प्रेशर यहाँ पर बना होता है मस्क्रीन के पास में अब हमारे पास में जितने भी प्रेशर बेल्ट चाहिए होते थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं ध्यान रखना था बस आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट एंड ट्रेड विंड्स अब देखिए यहाँ पर जो लो प्रेशर है लो प्रेशर ओवर ऑस्ट्रेलिया लो प्रेशर होने के कारण से या अब यहाँ पर हवाएं जो होंगी वो ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी जैसे ऐसे हवा ऊपर उठनी और शुरू होगी यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू होगा और क्लाउड फॉर्मेशन के कारण से अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया के पास में अच्छी खासी रेनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी अब जैसे ही ऊपर में जाएगा ऊपर में जाने के बाद में ठंडा हो जाएगा यानी यहाँ पर भी अब हाई प्रेशर बन चुका है हाई प्रेशर के बाद में अब ये जो एयर है वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगी साउथ अमेरिकन साइड में और ड्रिफ्ट करके जो हाई प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर सब करना शुरू कर देगी और यहाँ पर क्लियर स्काई बनाएगी दिस इज क्लियर स्काई यहाँ पर बनाएगी यानी कि बारिश वगैरह नहीं होने वाली है और ये जो पेरू का एरिया है ये एक डिजर्ट एरिया होने वाला है अटाकामा डेजर्ट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा यहाँ साउथ अमेरिका पे देखने को मिल जाती है और इस तरीके से यह हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है जो ऑस्ट्रेलिया से हवा ऊपर उठती है फिर उसके बाद से हॉर्जोंटली मूव करती है और हाई प्रेशर पेरूवियन करेंट के ऊपर में गिर जाती है इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं दिस इज वॉकर साइकिल ये वॉकर साइकिल है यहाँ पर अब इसके अलावा एक दूसरी जो इसकी पार्ट है हाई प्रेशर ओवर दिस ऑस्ट्रेलिया इसकी एक जो हवा है इसकी एक पार्ट चली जाती है मैं स्क्रीन के पास में चूंकि ये भी हाई प्रेशर पर बना हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर भी ये साइकिल अपनी कंप्लीट हो जाती है तो ये भी हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई ये भी हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई हाई प्रेशर के बाद अल्टीमेटली इंडिया के साइड में ये लो प्रेशर की ओर में यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है हवा और चूंकि अट्रैक्ट होती है तो इस कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर इंडिया में बारिश होनी शुरू हो जाती है ये बारिश होती है अब इस बारिश के लिए क्या क्या फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हुए एक तो हम लोगों ने देख लिया कि जो ट्रेड विंड्स हैं ये ट्रेड विंड्स ये ट्रेड विंड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टू मेक द प्रेशर लो और हाई ठीक अब एक दूसरी चीज इंडिया में अगर लो प्रेशर बना हुआ है जो कि बना रहेगा सीधी सी बात है और अगर मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यहां पर ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बना हुआ है तो दिस इज अ गुड साइन ये गुड साइन है कि मॉनसून आपकी काफी अच्छी होने वाली है यह हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है क्लियर अब जरा हम लोग आते हैं अपने एलिनो वाली कंडीशन में जब हम एलिनो कंडीशन में आते हैं तो यहां पर अगेन दिस इज़ आवर इंडिया यह हमारा इंडिया हो गया ठीक यहाँ पर हमारी मैस्करीन आइलैंड हो गई जिसको मैं एम से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया दिस इज ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया इस तरीके से पेरूवियन वाला साइड हो गया ठीक है नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में यह हमारा लो प्रेशर बना हुआ था क्यों लो प्रेशर बना हुआ था क्योंकि जो ट्रेड विंड्स थी वो हवाओं को इस तरीके से चला रही थी और ट्रेड विंड स्ट्रांग होने के कारण से सारा का सारा जो पानी था वो इस साइड में मूव कर रहा था इस साइड में शिफ्ट कर रहा था हालांकि इसको रिपल्जन देने के लिए काउंटर इक्विटोरियल करेंट है जो इसको रिपल्स करेगी यानी कि काउंटर इक्विटोरियल करेंट एक निगेटिव फोर्स के तरीके से काम कर रही है जबकि जो यहाँ पर ट्रेड विंड्स हैं ये पॉजिटिव फोर्स के तरीके से काम कर रही है इस पानी को साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक के लाने के लिए किसी कारण से ये जो ट्रेड विंड है अगर ये वीक पड़ना शुरू कर दी यानी कमजोर पड़ रही है एक तरफ यह कमजोर पड़ रही है दूसरा ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो अब इस पानी को जो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के साइड आ रही थी उसको रिपेल भी कर रही है तो अब ये जो पानी के आने की जो फ्रीक्वेंसी थी यानी कि ये जो वाटर आ रहा था साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के साइड में अब यह आना या तो कम कर देगा वीक हो जाएगा या फिर एकदम से खत्म हो जाएगा तो या तो यह स्लो डाउन हो रही है या फिर यह पूरी तरीके से वैनिश हो जा रही है तो अब अगर वैनिश हो जाएगी इसका मतलब जो पानी जहां पर है यह पानी अगर यहां पर है तो यहीं पर रहेगा तो जो अपवेलिंग की कंडीशन हो रही थी अब वो अपवेलिंग की कंडीशन भी कमजोर पड़ जाएगी यानी अपवेलिंग भी यहां पर या तो नहीं होगा या फिर काफी कमजोर हो जाएगा इसका मतलब एक और चीज़ है यहां पर कि जो यहां पर हाई प्रेशर बन रही थी बिकॉज ऑफ दिस अपवेलिंग अब वो हाई प्रेशर ना बन करके यहां पर बनना शुरू हो जाएगा लो प्रेशर ये लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा दूसरी चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बना हुआ था बिकॉज ऑफ दिस वाटर अब यहां पर ये हाई प्रेशर बन जाएगा क्योंकि पानी आया ही नहीं पानी आया ही नहीं तो ये हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा तो एक्चुअल में जो साइकिल पहले लो प्रेशर से उठ करके यहां पर इस हाई प्रेशर पर गिर रही थी अब वो पलट जाएगी अब यहां पर लो प्रेशर वाली जो यहां पर हवा है यानी कि लो प्रेशर वाली जो चीज़ है मैं इसको इरेज करके बता दे रहा हूं अब ये जो लो प्रेशर है इन रियलिटी ये लो प्रेशर उठना शुरू हो जाएगा पेरूवियन साइड से पेरूवियन साइड से उठना शुरू हो जाएगा और यहां पर ये क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और यहां पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी और ये लो प्रेशर अल्टीमेटली इस हाई प्रेशर की ओर में गिरना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से जो वॉकर साइकिल पहले थी वो अब अल्टर कर जाएगी तो अब यहां पर अल्टर 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 ऑफ वॉकर साइकिल या फिर कह सकते हैं कि जो वॉकर साइकिल है उसका पूरी तरीके से अपोजिट नेचर देखने को मिलेगा तो जब अपोजिट नेचर देखने को मिलेगा जिसके कारण से यहां पर ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर ये देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर ये तो बना रहेगा दिस इज इंडिपेंडेंट फ्राम दिस वाटर ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दिस वाटर तो अब जो हवा यहाँ से पहले इधर के साइड में आ रही थी ये कटआउट हो गई जब कटआउट हो गई तो यहाँ से जो हवा यहाँ की ओर में जा रही थी यानी इंडिया साइड में जा रही थी ये भी अब कटआउट हो जाएगी यानी कि अब यहां पर जो विंड पहले आ रही थी अब वो विंड यहां पर कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी कमजोर हो जाएगी या फिर हो सकता है कि बहुत बहुत ज्यादा ही स्लो डाउन देखने को मिलेगा जिसका इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि यहां पर जो मानसून पहले काफी स्ट्रांग हो रहा था या तो वह बहुत वीक पड़ जाएगा या एकदम से कटआउट हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा इसको बोलते हैं इस कंडीशन को बोलते हैं एल नीनो कंडीशन बात क्लियर हो गई क्या चीज है तो एल नीनो कंडीशन में क्या क्या चीजें हुई हैं यहां पर जो ट्रेड विंड्स हैं ये ट्रेड विंड अल्टीमेटली वीक पड़ गई हैं वीक पड़ने के बाद में जो काउंटर इक्विटोरियल करंट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है या फिर बोल सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ रिपोर्जन यहाँ पर ये शो कर रही है इसके अलावा जो अपवेलिंग की कंडीशन है ये अपवेलिंग की कंडीशन भी यहाँ पर स्लो डाउन हो गई है स्लो डाउन बोलिए या फिर वीक बोल दीजिए जो भी बोलना है वो बोल दीजिए और अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम मानसून के इम्पैक्ट को देखते हैं तो मानसून यहाँ पर हमारी कमजोर पड़ जाएगी वीक पड़ जाएगी और इसलिए इंडिया में सूखा यानी कि ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलेगी ये हो गया एल नीनो एल नीनो के बाद में नेक्स्ट जो आती है कंडीशन वो आती है लानीना की कंडीशन अब लानीना की कंडीशन को समझने के लिए अगेन फटाफट जरा एक मैप बना लेते हैं यह हमारा हो गया प्यारा भारत दूसरे साइड में यहाँ पर हो गई हमारी मस्क्रीन फिर इधर में हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया फिर इधर में हो गई आपकी जो साउथ अमेरिका है यह हमारा साउथ अमेरिका हो गया इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर अपवेलिंग के कारण से हाई प्रेशर बना हुआ है दिस इज हाई प्रेशर ठीक है एक बार जरा इसको ठीक से मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ ये हमारी हाई प्रेशर बनी हुई है सो दिस इज यहाँ पर यह हाई प्रेशर बनी हुई है और इंडिया में तो खैर लो प्रेशर बना है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर भी अगेन हाई प्रेशर बना हुआ है तो इस हाई प्रेशर के कारण से जो हवा है वो हवा इस साइड में तो जा ही रही है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन जो चीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के इम्पैक्ट को ही देखना है अब हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स हैं ये ट्रेड विंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इस ट्रेड विंड के कारण से अल्टीमेटली जो हमारा पानी है यानी कि जो हमारा यहाँ से पानी है वो इस साइड में आ रहा है अब एक तरफ हम लोगों ने देख लिया कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक पड़ जा रही हैं अब अगर ट्रेड विंड वीक पड़ने की जगह पर अगर ये विंड वीक पड़ने की जगह पर अगर मान लेते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो अपवेलिंग भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से होने लगेगी यानी कि यह और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा पानी बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा इधर आएगा उतना ही ज्यादा अपवेलिंग के थ्रू यहां पर पेरूवियन साइड में और ज्यादा स्ट्रांग अपवेलिंग होगी और ज्यादा स्ट्रांग हाई प्रेशर बनेगा ऑस्ट्रेलिया साइड में और ज्यादा हाई लो प्रेशर बनेगा यानी कि जो लो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो स्ट्रॉ बनेगा तो हवा ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन और फिर वही चीज यहां पर हवा का देखने को मिलेगा इस तरीके से साइकिल हो जाएगी जाएगी अब ये जो एक विंड है वो चली हाई प्रेशर की ओर में इस तरीके से साइकिल बन जाएगी। और ये काफी स्ट्रांग विंड आएगी ये काफ़ी स्ट्रांग साइकिल बनी हुई है नॉर्मल से काफी स्ट्रांग बनी है यानी काफी ज्यादा स्ट्रांग विंड और इंडिया के साइड में जाएगी यानी कि जो इंडिया में जो मानसून होने वाली है ये बहुत 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 ज्यादा होगी हाई रेनफॉल कंडीशन हमें देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग विंड्स रिसीव हो रही हैं इस कंडीशन को बोलते हैं लानिना कंडीशन तो लानिना कंडीशन में अगर बात किया जाए तो यहां पर मानसून पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा यह बहुत ज्यादा हाई रहेगी हाई रेनफॉल कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिल जाएगी क्लियर अब एक चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मोडोकी मोडोकी आप सिंपल समझिए इन बिटवीन या फिर मिडिल समझिए मिडिल समझिए अब मिडिल का मतलब क्या है मिडिल का मतलब अगेन फिर से आ जाते हैं जरा मैप पे ये हमारी हो गई इंडिया यहाँ पर हो गया ये हमारा मस्क्रीन आइलैंड ये हो गई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यहाँ पर हो गया आपका जो साउथ अमेरिका है दिस इज साउथ अमेरिका नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अच्छा एल नीनो कंडीशन को ही लेकर के देख लेते हैं अब तक तो सारी बातें क्लियर हो ही गई होंगी एल नीनो कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अपवेलिंग बंद हो गई है क्योंकि जो हवा जो पानी इस साइड में आ रहा था वो कमज़ोर पड़ गया था ये कमजोर पड़ गया था और इस कारण से जो अपवेलिंग है यह अपवेलिंग भी अपना कमजोर पड़ जाएगा और इस कारण से यहाँ पर बन जाएगी हाई प्रेशर की जगह पर लो प्रेशर लो प्रेशर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया साइड में देखेंगे लो प्रेशर बनना चाहिए था लेकिन लो प्रेशर ना बन करके यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और अल्टीमेटली ये दोनों तो हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर पे है ही हवा इस तरीके से यहाँ पर जा ही रही है अपना कोई दिक्कत नहीं है मोडोकी में क्या होता है कि ये जो लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है ये लो प्रेशर शिफ्ट होकर के इन बिटवीन ऑफ द पैसिफिक आ जाता है बीच में ये पैसिफिक ओशियन है पैसिफिक ओशियन ये पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न साइड हो गया और ये पैसिफिक साइड का ईस्टर्न साइड हो गया तो पैसिफिक यहां पर बीच में कहीं लो प्रेशर बन जाता है और इस साइड में लो प्रेशर है लेकिन वो अब रिलेटिवली थोड़ा सा हाई हो गया यानी कि अगर इस लो प्रेशर के कंपैरिजन में देखें तो ये बन जाता है हाई प्रेशर तो अगर यह हाई प्रेशर है यह लो प्रेशर है अब यहां से विंड ऊपर उठनी शुरू होगी पेन बदल देता हूं मैं ताकि क्लियरली विजिबल हो यहां पर यह लो प्रेशर होने के कारण से अब यह बीच में कहीं पर हवा उठेगी और यहां पर क्लाउड बनेंगे और जो बारिश होगी वो पैसिफिक ओशियन में कहीं बीच बीच में हो रही होगी अब यह दोनों साइड में हवा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी यहां पर गिर रही होगी साथ ही साथ में यहां पर जो हाई प्रेशर है यहां पर भी गिर रही होगी और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो रही होगी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है यानी वॉकर साइकिल कह सकते हैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है साउथ अमेरिका से शिफ्ट होकर के ये पैसेफिक के बिटवीन में आ गया है अब चूंकि सारी हवा इधर गिर गई है तो इस साइड में हवा आने का कोई चांस ही नहीं है तो चांस नहीं है या फिर बहुत ही कमजोर वीक यहां पर विंड की एक मतलब कह सकते हैं कि एक शाखा आ जाएगी और अगर कमजोर आ रही है यानी बहुत ही कम यहां पर भी जाएगी यानी यहां पर जो मानसून कंडीशन है वो फिर से क्या होगी कमजोर पड़ जाएगी फिर से कमजोर पड़ जाएगी तो यहां पर हुआ क्या है अगर हम देखें तो यहां पर हुआ यह है कि जो लो प्रेशर लो प्रेशर जो पेरुवियन कोस्ट पर डेवलप हो रहा था वो शिफ्ट करके शिफ्ट करके मिडिल ऑफ पैसिफिक में चला गया है मिडिल ऑफ पैसिफिक में चला गया है जिसके कारण से अब जो यहां पर मानसून इंडिया में आ रही थी वो मानसून वीक पड़ गई है लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ये कंपैरिजन नॉर्मल के केस में अगर बात करें तो नॉर्मल के केस में थोड़ा सा कम रहेगी मोडोकी से और उससे भी ज्यादा कम रहेगी एल नीनो ईयर से दिस इज एल नीनो ईयर यानी एल नीनो ईयर से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन वही नॉर्मल ईयर से रिलेटिवली थोड़ा कम रहेगा ये हो गया मोडोकी का केस ठीक है लानीना में भी सेम वही केस आ जाएगा लानीना में भी अगर बात किया जाए तो यहां पर क्विकली एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं यह हमारा हो गया अगेन हमारा इंडिया ये हो गया हमारा यहां पर मस्क्रीन आइलैंड ये हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ये हो गया यहाँ पर पैस, जो साउथ अमेरिका हो गया और ये हो गई पैसिफिक की मिडिल ठीक नॉर्मल कंडीशन में अगर बात किया जाए तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों ने देखा ये था लो प्रेशर ठीक ये हो गया हाई प्रेशर ये हो गया आपका लो प्रेशर और यहाँ पर हवा इस तरीके से चल रही है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सारी कहानी जो टिक रही थी वो यहाँ पर टिक रही थी ये हाई प्रेशर है अब चूंकि लानीना कंडीशन चल रही है यानी जो ट्रेड विंड्स हैं ये ट्रेड विंड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है जो अपवेलिंग होगी वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी यानी ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी यानी कि जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से पानी जो होता है इस साइड में आ रहा है पानी आ रहा है लो प्रेशर के कारण से यहां पर और ज्यादा तेजी से ऊपर उठेगी ये बन गया आपका क्लाउड इस तरीके से यहां पर हाई प्रेशर पर गिर जा रहा है और इस तरीके से चीजें हो रही हैं मोडुकी के, के केस में मैंने क्या बोला मोडुकी के, के केस में यहां पर चीजें जो होती है मिडिल में चली जाती हैं बीच में चली जाती हैं तो अब यहां पर हमें जो शिफ्ट देखने को मिलेगा ये जो हाई प्रेशर है वो शिफ्ट होकर के यहां कहीं बीच में आ गया है और अगर ये बीच में आ गया तो ही बात है ये रिलेटिवली यहां पर अब लो प्रेशर हो जाएगा तो लो प्रेशर यहां पर उठा पानी उठा लेकिन ये गिर गया इस लो प्रेशर हाई प्रेशर पर इस हाई प्रेशर पे और लो प्रेशर से फिर से हवा उठेगी और इस हाई प्रेशर पे गिरेगी और इस तरीके से यहां पर साइकिल हो जाएगा तो चूंकि यहां से तो हवा उठ ही रही है तो एक विंग इधर गई दूसरी विंग चली जाएगी इस मस्क्रीन पर लेकिन उतनी नहीं आएगी जो नॉर्मल लानिना कंडीशन में आनी चाहिए थी क्योंकि ये डिवाइड हो गया है ये उतना ज्यादा स्ट्रांग अब नहीं बन पा रहा है स्ट्रांग सेल यहां पर ये नहीं बन पा रहा है तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर कंडीशंस तो बन रही है नॉर्मल कंडीशन से यहां पर अगर बात करें तो ये हो गई नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल कंडीशन से जो मोडोकी कंडीशन है यहां पर बारिश तो ज्यादा होगी ही होगी लेकिन लानिना ईयर से कम होगी लानिना ईयर से कम होगी ये हो गया मोडो की और ये वाला केस हो गया बात समझ में आई तो मानसून के लिए दिस इज पॉजिटिव गोइंग तो टू बी गुड रेनफॉल लेकिन रिलेटिवली लेस रहेगी एज कंपेयर टू लानी नाम नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड विद मेडन जूलियन ऑसिलेशन मेडन जूलियन जो ऑसिलेशन है ये एक ग्लोबल फिनोमिना है दिस इज ग्लोबल फिनोमिना वॉट इज दिस ग्लोबल फिनोमिना ग्लोबल फिनोमिना का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है इस अर्थ पर बीच में ये हमारी जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है वो इस तरीके से चलती रहती है घूमती रहती है कोई दिक्कत नहीं है मतलब इसके चारों ओर में इस तरीके से ये घूमती रहती है अब देखिए इसमें देखेंगे तो एक हमारा क्रस्ट है और एक हमारा ट्रफ है नीचे के साइड में जब यह आता है जब ये नीचे के साइड में रहता है तो यहाँ पर बनती है हाई प्रेशर दिस इज़ हाई प्रेशर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से दिखता है फिर यहाँ पर यह बन जाती है हाई प्रेशर ठीक है दिस इज हाई प्रेशर और ऊपर साइड में जो रहता है ये लो प्रेशर रहता है दिस इज लो प्रेशर अब ये जो होती है वो थर्टी टू सिक्सटी डेज में आगे बढ़ जाती है मतलब इसका टाइम जो होता है तीस से साठ दिन का होता है किसी एक पर्टिकुलर जोन में अब जरा देखिएगा यह आ गया हमारा इंडिया ठीक ये आ गया हमारा इंडिया अब इंडिया में जैसे ही ये मेडन जूलियन ऑसोलेशन आएगी ठीक है जैसे ही ये मेडन जूलियन ऑसोलेशन आएगी यहां पर कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी इंडिया में ऑलरेडी लो प्रेशर पहले से बना हुआ था यह लो प्रेशर और ज्यादा डेवलप कर दे रहा है मैडन जूलियन देखिए ना ऊपर वाला जो होता है लो प्रेशर है यहां पर हाई प्रेशर है तो जैसे ही मैडन जूलियन ऑसोलेशन इंडिया के ऊपर से होकर के गुजरेगा इंडिया के ऊपर से नहीं एक्चुअल में बोलते हैं कि यहां पर है इंडियन ओशियन इस इंडियन ओशियन से जैसे ही ऊपर से होकर के गुजरेगा क्या यहां पर बोल सकते हैं कि लो प्रेशर इंडिया पर ज्यादा डेवलप हुआ ज्यादा डेवलप हुआ तो हवा भी उतनी ज्यादा आएगी और उतनी ही ज्यादा आपकी मानसून होगी तो मैडम जूलियन ऑसोलेशन इज गुड फॉर मानसून इन इंडिया ये पॉजिटिव फिनोमिना आप बोल सकते हैं यहां पर लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा कब तक टिकेगा ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्री टू सिक्स डेज जितना भी है उतने में ये टिकेगा तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि मानसून का जो टाइम पीरियड होता है वो तो करीब करीब चार मंथ का होता है इंडिया में तो एक बात तो श्योर हो जाती है कि मैडम जूलियन ऑसोलेशन मोर देन वंस आएगा मोर देन वंस डिपेंडिंग ऑन द साइकिल तीस दिनों का है या साठ दिनों का है अगर तीस दिनों का है तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा क्यों अच्छा होगा क्योंकि ज्यादा बार संभावना है मैडन जूलियन ऑसोलेशन की इंडियन ओशियन के ऊपर में आने की और अगर वो सिक्सटी डे का चल रहा होगा तो यहां पर यह कंडीशन नॉट गुड है नॉट गुड क्यों क्योंकि लेस पॉसिबिलिटी है यहां पर लेस पॉसिबिलिटी है कि इंडियन ओशियन के ऊपर में ये वापस से फिर से आ पाएगा क्लियर तो ये मेन चीज़ है मैडन जुलियन ऑसोलेशन की विच इज अ ग्लोबल फिनोमिना जिस भी ओशन के ऊपर में पहुंचेगा वहां पर क्रेस्ट और जो ट्रफ है उसके बेसिस पर हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा एंड अकॉर्डिंगली वहां पर ज़्यादा रेनफॉल की कंडीशन बनेगी मानसून की कंडीशन बनेगी नेक्स्ट आती है इंडियन ओशियन डायपोल इंडियन ओशियन डायपोल में अगेन यहां पर कंडीशन बहुत ही सिंपल सी बात है यह हमारा इंडिया है एक तरफ आपको पता है कि दिस इज अरेबियन ओशियन यह हमारा अरेबियन ओशियन है दूसरे तरफ यहां पर आ गई बे ऑफ बेंगोल दिस इज़ बे ऑफ बेंगाल इंडियन ओशियन डायपोल अगर मान लेते हैं कि अरेबियन साइड में मान लेते हैं कि जो अरेबियन साइड है यहां पर लो प्रेशर क्रिएट किया यानी कि यहां का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो गया है दिस इज हाई टेम्परेचर यहां पर हो गया है और मान लेते हैं कि बे ऑफ बंगाल यहां पर मान लेते हैं कि हाई प्रेशर बना हुआ है यानी कि टेम्परेचर रिलेटिवली कम है दिस इज गुड क्यों क्योंकि यहां पर मस्क्रीन है मस्क्रीन हाई प्रेशर पर बना हुआ है और ये जितना ज्यादा लो प्रेशर हमें अरेबियन पे मिलेगा उतना ज्यादा ही फेवरेबल कंडीशन बनेगी हमारे आगे बढ़ने की ठीक है तो यानी कि अगर अरेबियन जो अरेबियन ओश, ओरेबियन ओशियन है अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इंडियन ओशन डायपोल अगर मान लेते हैं कि जो इंडियन ओशन डायपोल है अगर ये पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि जहां पर आपका वेस्ट माइनस ईस्ट आप इस तरीके से समझिए ठीक है तो वेस्ट अगर मान लेते हैं कि वेस्ट वाला लो प्रेशर पे है राइट वाला यानी कि जो बंगाल है अगर मान लेते हैं कि वो हाई प्रेशर पे है तो ये इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव इंडियन डायपोल पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोला जाता है अगर यह है तो दिस इज गुड फॉर मानसून मानसून के लिए काफी अच्छा है वही अगर मान लेते हैं कंडीशन उल्टी हो गई यानी कि कंडीशन मान लेते हैं कि निगेटिव हो गया है यानी कि यह जो हाई प्रेशर है बे ऑफ बंगाल पे वो लो प्रेशर में बदल गया है और जो अरेबियन ओशन पे ये लो प्रेशर है ये हाई प्रेशर पे बदल गया है तो ये बन गया है जहां पर हाई प्रेशर के कारण से ये विंड उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा और इस वजह से मानसून यहां पर वीक पड़ जाएगा मानसून यहां पर वीक पड़ जाएगा क्लियर तो ये चीज है जो इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में हम लोगों ने चीजों को समझा अब यहां पर कुछ फन फैक्ट्स हैं फन फैक्ट्स का मतलब ये चलिए आइए ऊपर से ही देखना शुरू कर देते हैं ये एल नीनो है एल नीनो में एक बात समझ में आ गई थी यहां पर कि जो ये ट्रेड विंड्स हैं ये ट्रेड विंड्स वीक पड़ रहे थे ठीक है वीक पड़ रहे थे तो एल के कारण से ऐसा कहा जाता है कि जो ऑसिलेशन uh, है यानी कि जो अर्थ की रोटेशन है अर्थ की रोटेशन वीक पड़ते आती है वीकनिंग इन अर्थ रोटेशन अर्थ का जो रोटेशन है वो कमज़ोर पड़ जाता है साथ ही साथ में जो कोरियोलिस फोर्स होती है ये भी कमज़ोर पड़ जाती है दिस इज कमजोर पड़ जाती है अब रोटेशन आपकी कम कम हो गई है इसका मतलब धीरे धीरे सन के चारों ओर में चक्कर लगाएगा और इस वजह से जो डे की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है ये एक छोटा सा फंड फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए एक दो छोटी मोटी और भी चीजें हैं जैसे कि ट्रिपल डिप दिस इज ट्रिपल डिप एक चीज होती है अगर मान लेते हैं तीन बार, तीन बार बार अगर ईयर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ट्रिपल डिप तो इसको बोलते हैं ट्रिपल डिप कंडीशन एक और चीज ध्यान रखिए लानीना कंडीशन अगर मान लेते हैं कि इंडिया में हो रही है लानीना कंडीशन अगर इंडिया में हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि जो यूएसए साइड है यानी अटलांटिक का जो नॉर्थ अटलांटिक वाला पार्ट है इस नॉर्थ अटलांटिक वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि यहां पर हाई हरिकेन्स बनेंगे हरिकेन्स जो होते हैं यहां पर संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है बनने की ओके तो अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि एल निनो लानीना मोडोकी मेडन जूलियन ऑसलेसन इंडियन ओशन डाईपुल ये सब क्या चीज़ें हैं मैगजीन में अभी फिलहाल में ये कहा गया है कि जो एनसो है जो ये एल निनो सदरन ऑसलेसन है यहाँ रीजनल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिल रही है इंडियन समर मानसून में और ये बात तो खैर काफ़ी समय से आपको समझ में आती ही होगी एंसो so, के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो लिखी गई हैं जरा यहाँ पर भी जो लिखा गया उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार ये क्लाइमेटिक फिनोमिना है जो पीरियॉडिक वार्मिंग और कूलिंग ऑफ द सरफेस टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिक पैसिफिक ओशन को करता है हम लोगों ने अभी देखा ही था कि हमारे पास में यहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से हो गया या हमारा पैस जो हमारा साउथ अमेरिका हो गया तो हम लोगों ने ये देखा था कि यही जो ट्रेड विंड्स थी इस तरीके से पानी को पहुँचा रही थी तो बेसिकली जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक है ये तो चलिए ठीक है हमारा जो सेंट्रल और ये ईस्टर्न पैसिफिक है यहीं पर ये हीटिंग और कूलिंग का मेन फंडा देखने को हमें मिल रहा है तो ये सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक में ही हमें कूलिंग और वार्मिंग का फंडा देखने को मिलता है नॉर्मली जो ये हमारा एल नीनो है दो से सात साल तक के लिए चलता है और ये ओशियन टेम्परेचर स्पेशली सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिक वो पैसिफिक ओशियन पर ही डिपेंडेंट होता है रेनफॉल की कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है सिमिलरली लानीना के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ओशियन की कूलिंग के बारे में बात करता है जहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिक जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है ये बेसिकली यहाँ पर हीटेड रहते हैं और बाकी का एरिया कूल रहता है जिसका कारण से अच्छी खासी बारिश हो जाती है तो दिस इन्हेंसेज मानसून रेनफॉल ठीक है एलिनो और मानसून के बीच में एक रिलेशन दिया गया है एलिनो मानसून के बीच में जो रिलेशन है ऑब्वियसली वो एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है एलिनो मानसून के बीच में जो कनेक्शन है वो शुरुआत में 1901 से 1940 के बीच में पहले पड़ा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग हमें एक कनेक्शन देखने को मिलता था लेकिन धीरे धीरे ये वीकेंड हो गया और अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब भयावह सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है अगर हम देखें इसके वीकनिंग ट्रेंड को लेकर के तो ये जो यूरेशिया का एरिया है वो वार्म कर देता है उसको गर्म कर देता है क्यों गर्म कर देता है सीधी सी बात है यहाँ पर बारिश तो होने वाली है नहीं ये तो ड्रॉट रीजन बना देगा सूखा कर देगा तो इस वजह से यहाँ पर ये गर्म कर देता है दूसरी चीज़ जेट स्ट्रीम की पोलवर्ड शिफ्टिंग भी कर देता है दिस इज़ इंपॉर्टेंट पोलवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम क्यों सीधी सी बात है प्रेशर बेल्ट चेंज होते हैं और हमें पता है कि जो प्रेशर बेल्ट होते हैं इन्हीं प्रेशर बेल्ट पर ही जेट स्ट्रीम भी हमारी टिकी होती हैं तो हमारी प्रेशर बेल्ट के कारण से जेट स्ट्रीम भी पोलवर्ड शिफ्ट हो जाती है इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन तो हो ही रहा है और साथ ही साथ में देर इज़ अ शिफ्ट इन सरफेस विंड सर्कुलेशन पैटर्न ओवर द इंडो पैसिफिक रीजियन और ये भी बात क्लियर हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर वॉकर साइकिल के कारण से ही वॉकर साइकिल का जब अल्टरनेटिव रूप हमें देखने को मिलता है इसका बदला हुआ रूप देखने को मिलता है

हालांकि ये देखिए कुछ खास है नहीं आप इसके बस जो मेकेनिज़्म है इस मेकेनिज़्म पर यानी कि जो इसका बेसिक्स है उस बेसिक्स पर ही ध्यान रखिएगा बेसिक्स से ही मेन सवाल आने के पूरे चांसेस होते हैं इसके अलावा समर मानसून को इम्पैक्ट करने के लिए इंडियन ओशियन डायपोल भी होती है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है इसके अलावा पैसेफिक डिकेडल ऑसिलेशन होती है जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में पैसेफिक हीटिंग भी कह देते हैं दिस इज पैसेफ़िक हीटिंग भी हम लोग इसे कह देते हैं अटलांटिक मेरे ऑसोलेशन भी होती है और अटलांटिक जोनल मोड भी होता है इंडियन ओशियन डायपोल के बारे में जरा डिस्कस किया जाए तो अभी हाल फिलहाल में इंडियन यू एन ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर ने यह बोला है कि एल नीनो और पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल का हमें फ्लडिंग और रेन के साथ में रिलेशन देखने को मिल रहा है ये क्या चीज है हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है कि एल नीनो ईयर जब होता है तो इंडिया में तो सूखा पड़ता है तो यहाँ पर किस तरीके से रेन और फ्लड की सिचुएशन हो रही है ये तो बल्कि सूखा का क्षेत्र बन जाएगा लेकिन एक बात और है कि जो पॉजिटिव इंडियन डायपोल है ये हमारे लिए गुड फॉर इंडियन मानसून है गुड है तो ऐसा देखा गया है कि जिस भी साल एल नीनो ईयर होता है ऑटोमेटिकली कंडीशन कुछ इस तरीके की बनती है कि पॉजिटिव इंडियन डायपोल भी बन जाता है मतलब ये दोनों साइमन होते हैं ये दोनों साइमन होते हैं साइमेंटेनियस होने का ही एक हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है कि ये इंडिया में रेन और फ्लडिंग की कंडीशन भी देखने को मिल जाती हैं। बात समझ में आई क्या चीज है सो इंडिविजुअली दे हैव डिफरेंट इम्पैक्ट लेकिन दे कम टुगेदर साइमेंटेनियसली ये दोनों साथ साथ में ही आते हैं कंडीशन कुछ इस तरीके से बनती है कि दोनों के दोनों एक साथ ही आते हैं और इस वजह से इंडिया में रेन और फ्लडिंग की कंडीशन बनती है इंडियन ओशन डायपोल के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि इंडिया है इंडिया के एक साइड में मान लेते हैं कि हमारा कूलर देन थर्मल होती है और यहाँ पर वार्मर हो जाती है जब वार्म होगी तो सीधी सी बातें लो प्रेशर होगी तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और अच्छा ये चीज़ जो बात हो रही है ये बात हो रही है निगेटिव फ़ेज़ की एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया साइड में बात हो रही है अगर यही इंडिया साइड में बात करें तो ये हमारा लो प्रेशर बनेगा यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा एंड दिस इज़ गुड फॉर इंडियन मानसून सिमिलरली पॉजिटिव फेज़ में आ जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये रिड्यूस कर देगा चांस ऑफ रेन को अब यहाँ पर अगर देखा जाए इंडियन ओशियन डायपोल के बारे में तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन माउं को ही के टेम्परेचर को देखता है इसे हम लोग इंडियन नीनो के नाम से भी जानते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखिएगा इंडियन उन नीनो के नाम से हम लोग जानते हैं पॉजिटिव वो होता है जहाँ पर वेस्टर्न साइड ज़्यादा वार्मर होता है यहाँ पर इंडियन सब में इट हेल्स रेनफॉल अलॉग द इंडियन सब एंड अफ्रीकन कोस्ट वाइल्ड सप्रेस रेनफॉल ओवर इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया निगेटिव में जब होता है तो ग्रेटर प्रिसिपिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया और ड्रायर कंडीशन इन ईस्ट अफ्रीका हमें देखने को मिल जाती है इंडियन ओशियन डाईपोल की एल निनो सदरन ओसुलेशन के साथ में अपनी एक लिंक होती है जिसके बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है जिसके कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर बारिश होती है नेक्स्ट टॉपिक है पैसिफिक हीटिंग को लेकर के दिस इज पैसिफिक हीटिंग को लेकर के यहाँ पर सवाल बन रहा है पैसिफिक में ये हमें पता है कि यहाँ पर भी एल एलनिनो इवेंट जो है वो पैसिफिक के कारण से ही हो रहा था इसे पैसिफिक डिकेडल ऑसलेशन भी बोलते हैं डिकेडल मतलब जो दशकों में होता है मतलब कि टेन ईयर्स में जो होता है हाल फिलहाल में भी बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पैसिफिक डिकेडल ओशिंग ये अल्टीमेटली कई सारे साइक्लोन्स को भी जनरेट कर रहा है होता क्या है नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक है दिस इज योर ईस्टर्न पैसिफिक ठीक है और इस साइड में देखेंगे तो ये बन गया आपका वेस्टर्न पैसिफिक नॉर्मली जो वेस्टर्न पैसिफिक होती है ये कूल रहती है लेकिन जो ईस्टर्न पैसिफिक है ये वार्म होते जा रही है ये वार्म होते जा रही है और यही आपका टेम्परेचर अनोमली बना रहा है मतलब ईस्टर्न और पैसिफिक के बीच में ये ये जो है एक अनोमली बना रहा है कूल cool और निगेटिव फेज़ का मतलब ये हो गया जहाँ पर जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ईस्टर्न पैसिफिक साइड में ये कूल बना होता है मतलब कमज़ोर बना होता है या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कूलिंग हुई रहती है वार्म हॉशो पैटर्न ऑफ हायर देन सी नॉर्मल सी सरफेस हाइट कनेक्टिंग टू द नॉर्थ वेस्ट एंड सदर्न पैसिफिक वार्म फेज में वही चीज़ होती है यहाँ पर हमारी वार्म एरिया आ जाते हैं ये कूल एरिया है, यह cool है यहाँ पर ये वार्म एरिया आ जाता है दोनों के बीच में ये नॉर्मली क्रिएट हो जाती है अगर हम निगेटिव पैसिफिक ओशन डायपूल के बारे में बात करें तो ये लानिना फेज के दौरान में जनरेट होता है और वही अगर देखते हैं जस्ट उसका उल्टा पॉजिटिव होती है तो अल्टीमेटली हमें एल्सो इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है बस ये ध्यान रखना है ज़्यादा कुछ खास है नहीं देखिए इसमें दैट्स इट अब सीधी सी बात है एलनिनो ईयर रहेगा और साथ साथ में यहाँ पर पैसिफिक की अगर मान लेते हैं हीटिंग हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक साथ हो गए और ये इंडियन मानसून को और ज़्यादा ही खराब करेंगे और वही दूसरी ओर मान लेते हैं पैसेफिक की कूलिंग चल रही है प्लस साथ साथ में लाइन इना यह चल रहा है तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि यहाँ पर मानसून जो होगी इंडियन मानसून काफ़ी अच्छे से हो जाएगी ये चीज़ ध्यान रखना है डिटेल यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है खास जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज़ के बारे में अगर बात किया जाए अब देखिए हिमालयाज़ में देखेंगे तो तीन तरीके की माउंटेन्स हमें देखने को मिल जाती हैं सबसे ऊपर इनर जिसको बोल देते हैं हम लोग फिर आपकी सेंट्रल होती है और सबसे आउटवर्ड हो जाती है ग्रेटर हिमालया और इस तरीके से हमारी दूसरी हो जाती है ये लास्ट वाली शिवालिक्स है अब सबके बीच में अपना एक जो है फॉल्ट देखने को मिल जाता है जो सबसे पहला फॉल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एम बी टी दिट इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट फिर उसके बाद से होती है एम सी टी दैट इज मेन सॉरी एम सी टी पहला होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट और फिर होती है एच एफ एफ जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट इसी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट को ही हम लोग मेन फ्रंटल थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं ये जो मेन फ्रंटल मेन फ्रंटल थ्रस्ट है कई बार इसको सेंट्रल सिस्मिक गैप के नाम से भी जान लिया जाता है अब देखिए यहां पर जो मेन कंसेप्ट है वो यही कहा गया है कि जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है पूरी तरीके से डेवलप हो गई है यहां पर कोई टेक्नोनिक एक्टिविटीज नहीं होती इस कारण से अर्थक्वेक वगैरह के आने का चांसेस भी बहुत 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 ही कम होता है हिमालयन जो फ्रंट फॉल्ट है या जो इसको हम लोग मेन फ्रंट फॉल्ट भी बोलते हैं ये अभी डेवलपमेंट फेज़ में है यहाँ पर कई सारे टेक टेक्निक एक्टिविटीज़ अभी भी हो रही हैं उस कारण से यहाँ पर अर्थक्वेक के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और यही कारण है कि विद इन ट्वेंटी फोर आवर कई सारे मिड इंटेंसिटी का हमें जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है इसके अलावा जो हमारी एम है यानी कि जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है यहाँ पर भी कुछ हद तक हमें अर्थक्वेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं तो बस यही चीज़ है मेन जो बाउंड्री uh, थ्रस्ट और मेन uh, जो हिमालयन थ्रस्ट है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में अगर बात करें तो यह हाइएस्ट और ओल्डेस्ट हो चुकी है यहाँ पर यह हायर और लेसर हिमालय के बीच में बनी होती है और इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं आते हैं जबकि वही एम यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो कि लेसर और सब हिमालयन के बीच में आती है और जो हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट है ये सदर मोस्ट और यंगेस्ट थ्रस्ट आती है तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एम और इस कारण से यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एक रिपोर्ट आई है जिसको हम लोग वाइज रिपोर्ट बोलते हैं वाइज का मतलब हो गया वाटर आइस सोसाइटी एंड ईको की रिपोर्ट है ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली निकाली गई थी आई सी आई एम ओ डी के द्वारा दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ये हिंदू कुश की पहाड़ियों को रिपोर्ट करते हैं अब हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो कई सारे कंट्रीज में फैली हुई हैं जैसे अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान चाइना इंडिया म्यांमार नेपाल एंड पाकिस्तान और इस कारण से ये जो हिंदू कुश का ये वाला जो ग्रुप बना करके रखा गया है दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल इंटर गवर्नमेंटल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट इसमें यह सारी कंट्रीज़ मेंबर भी हैं और इंडिया भी ऑब्वियसली एक मेंबर है तो ये कहीं ना कहीं जितने भी हिंदू कुश के एरियाज़ हैं उन उनकी उनसे रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एक साथ लेकर के रखा गया है क्यों रखा गया है इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा यह देखने को मिलेगा ग्लेशियल मेल्टिंग के फॉर्मेट में और ग्लेशियल मेल्टिंग का मतलब यही हो गया कि जो पीक की आइस है वो पिघल करके अब धीरे धीरे नीचे की ओर में पानी बनकर के निकल करके आ रही है ऐसा कहा गया रिपोर्ट में कि जो ग्लेशियर्स है वो 65 परसेंट फास्टर ज्यादा तेजी से डिजैपियर हो रहे हैं ज्यादा तेजी से डिजेपियर होने का मतलब फ्रेश जो स्नो वाटर है पिघल करके नीचे आ रही है इससे फ्लडिंग कंडीशन भी होगी साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर बजट है वह भी, भी बिगड़ता चला जाएगा हिंदू कुश के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर खासियत कुछ करेक्टरिस्टिक दी गई है जैसे कि यहाँ पर लार्जेस्ट आइस रिजर्व है अपार्ट फ्रॉम पोलर रीजन पोलर रीजन को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आइस रिजर्व पड़ा हुआ था इसके अलावा टेन मेजर एशियन रिवर सिस्टम यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं बहुत डिफरेंट टाइप का कल्चर है लैंग्वेज है एथनिसिटी है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर पाई जाती हैं चार ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी पाए जाते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं यहाँ पर होस्ट यहाँ पर जो होता है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो कि हाईएस्ट पीक है इसको होस्ट करता है इसको थर्ड पोल भी बोला जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है यंग और राइजिंग माउंटेन होते हैं यहाँ पर कई तरीके की अर्थवेक वगैरह आती रहती है इसके अलावा एक और रिलेटेड न्यूज़ है दैट इज़ बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रिजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज इनिशिएटिव बस आपको ध्यान रखना है कि ये एक ए के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है करेगा क्या नाम से ही पता चल रहा है अडाप्टेशन और रिजिलियंस लेकर के आना है इस हिंदू कुश माउंटेन में जितने भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उसको सही करना है अटलांटिफिकेशन क्या चीज़ होती है अटलांटिफिकेशन को समझने के लिए ज़रा यहाँ से समझिए यह आपका ग्रीन लैंड है यह आपका, आपका सवालवाड़ जो कि नॉर्वे में है यह आपका बैरेंट सी हो गया फॉर्म स्टेट हो गया ये ग्रीन लैंड हो गया नॉर्वेजियन सी हो गया और ये अटल आर्कटिक ओशियन हो गया ओशियन करेंट्स वगैरह के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ से आती है इर्मिंगर करेंट आती है कि नहीं आती है सिमिलरली इसी तरीके से इस साइड से गल्फ स्ट्रीम आती है फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है तो जो इर्मिंगर आती है ये गर्म जल धारा है ठीक है वार्म वार्मशन बाकी इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर है वो सब जो होती है ठंडी होती है तो आर्कटिक अपने आप में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है कोल्ड क्या इनफैक्ट बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फ्रीज जोन होता है दिस इज फ्रीज जोन ग्लेशियर्स होते हैं स्नो होती है एटसेट्रा एटसेट्रा फिर इसके बाद से आपकी फ्रेश स्नो होती है और उसके बाद से अटलांटिक का सैलाइन पानी होता है अब यहाँ पर देखेंगे तो तीन लेयर्स हमें देखने को मिल रही हैं सबसे पहले देखने को मिल रही है जो आइस की लेवल है आइस बोलिए या स्नो बोलिए या फिर ग्लेशियर बोलिए फिर फ्रेश वाटर एक तरीके से बोल सकते हैं जिसको हम ट्रांजिशन बोल सकते हैं और फिर उसके बाद होती है आपकी सेलाइन हो क्या रहा है कि ये जो सेल्टी है वो अब आगे की ओर में बढ़ रही है आगे की ओर में बढ़ रही है का मतलब ये जो आइस है वो मेल्ट होकर के फ्रेश वाटर में बदलता जा रहा है और फ्रेश वाटर सेलाइन के साथ में अब मिक्सिंग हमें देखने को मिल रही है विच इज नॉट गुड और यही चीज कही जा रही है कि जो अटलांटिफिकेशन है यह आर्किटिक ओशन को अब ज्यादा सॉल्टियर और ज्यादा गर्म बनाते जा रहा है इससे अब सीधी सी बात है ग्लेशियर की मेल्टिंग होती रहेगी टूट टूट करके निकलना शुरू कर देंगे फिर उसके बाद से फ्लडिंग की सिचुएशन आ सकती है और जो पोलर एरिया है वहाँ पर भी अब हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है सो वार्मर वाटर फ्रॉम अटलांटिकज बींग एड एडविक्टेड टू आर्कटिक ओशन इन इंक्रीजिंग अमाउंट इट मेक्स पार्ट ऑफ बैलेंट सी टू मोर क्लोज रिजम्बल टू अटलांटिक नॉर्मल सिचुएशन में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि सी आइस होती है पहले फ्रेश वाटर के लिए रहेगी फिर वार्मर और सॉल्टीयर रहेगी इस तरीके से रहेगी अब वही चीज़ जो होती है वो पिघल रही है और यही चीज़ जो होती है चेंजेस वगैरह लेकर के आ रही है बस ये आपको ध्यान रखना है दिस इज इम्पॉर्टेंट ठीक है वन ऑफ द रीजन इसमें क्या बोला जा रहा है इट इज़ एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोनिक विंड ओवर नॉर्थ अमेरिका एंड साइक्लोनिक विंड ओवर एरेशिया अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है दिस इज एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जब बनती है तो यहाँ पर एरिया कोल्ड हो जाता है हाई प्रेशर बना होता है कोल्ड हो जाता है और ये अच्छी चीज़ होती है अगर मान लेते हैं कि ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मान लेते हैं कि यूरेशिया में बन रही है तो ये जो हमारा आर्कटिक की जो मतलब एटलांटिफिकेशन हो रहा है ये स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि यहाँ से कोल्ड मौसम ठंडा बना रहेगा और इससे क्या होगा कि जो आर्कटिक की आइस है वो पिघलेगी नहीं लेकिन वही चीज़ अगर ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन अगर नॉर्थ अमेरिका में आ जाती है तो फिर ये उतना इम्पैक्ट नहीं करती है और यूरेशिया साइड में आ जाती है साइक्लोनिक इम्पैक्ट और साइक्लोनिक इंपैक्ट रहेगा तो फिर ये गर्म कर देगा तो यही चीज़ यहां पर लिखी भी गई है कि एंटी साइक्लोनिक विंड्स ओवर नॉर्थ अमेरिका एंड साइक्लोनिक विंड ओवर यूरेशिया ये जो होती है कहीं ना कहीं गर्म कर दे रही है और वही अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव साइड को लेकर के चलें पॉजिटिव आर्कटिक डाइपोल को देखें तो आर्कटिक में यहां पर हमें यूरेशिया में हमें एंटी साइक्लोनिक कंडीशन और साइक्लोनिक कंडीशन भी नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाता है तो ये ध्यान रखिएगा दिस इज आर्कटिक पोल आर्कटिक पोल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा आपके

मिल रही है बस यही चीज़ ध्यान रखना है आपको बेंगलोर ने हाल फिलहाल में अभी यही चीज़ बोला है कि जो ग्रेविटी होल है ये हमें इंडियन ओशियन जियो लो के फॉर्मेट में देखने को मिल रही है ये मिलती कहाँ पर है ये मिलती है श्रीलंका के पास में जैसे साउथ ऑफ़ श्रीलंका इंडियन ओशियन के पास में हमें देखने को मिल रही है ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे को जो कारण बताया गया वो यही बताया गया है कि यहाँ पर जो भी मैंटल प्लूम है उसमें से ये मैग्मा वगैरह निकला निकलने के बाद में एरिया खाली हो गया और इस तरीके से यहाँ पर ये डिप्रेशन क्रिएट होते जा रही है ऐसा कहा जा रहा है कि जो अफ्रीका है यहाँ पर भी हॉट मटेरियल जो इसका है प्लूम के फॉर्मेट में निकल जा रहा है और ये डिफ्लेक्ट होकर के ईस्टवर्ड साइड यानी श्रीलंका के साइड में पहुँच जा रहा है उसको और ज़्यादा डिप्रेशन इसकी क्रिएट कर रही है यानी कि जो इंडियन ओश इंडियन ओशियन में अगर जियोइड लो के बारे में बात करें तो ये हमारा श्रीलंका के साउथ में पड़ता है इंडियन ओशियन में पाया जाता है दैट्स इट और क्या चीज़ है जैसे औररा देखेंगे औररा इज मेनली द ददर्न और सदर्न लाइटनिंग यानी कई बार क्या होता है अलग अलग कलर में जैसे आ, इंद्रधनुष बनता है ना दैट इज़ क्या बोलते हैं उसको रेनबो बनती है रेनबो जैसा ही लाइट के फॉर्मेट में हमें पोल्स एरिया में देखने को मिलता है नॉर्थ पोल पे भी देखने को मिल जाता है साउथ पोल पर भी देखने को मिल जाता है नॉर्थ पोल में कई सारे एरियाज है जैसे नॉर्वे में आप जाकर के देख सकते हैं आइसलैंड में जाकर के आप देख सकते हैं ठीक है सदन में भी इसी तरीके से अर्जेंटीना और चिली इन लोगों के एरियाज़ में भी आप चाह करके देख सकते हैं सदन पोल का एरिया बन जाता है मेली नदन में नदन ऑस्ट्रोलो मतलब औरोला बोरेलीस बुलाता है सदन में औरला ऑस्ट्रेलिस बुलाता है क्यों बनता है ये ये बनता है मेनली जियो मैग्नेटिक स्टॉम के कारण से अर्थ है अर्थ अपना एक मैग्नेटो फियर है यानी अर्थ की अपनी मैग्नेटिज्म है और इस तरीके से यहाँ पर इसकी मैग्नेटिज्म है तो इस मैग्नेटिज्म के साथ में जब भी सोलर फ्लेयर टकराते हैं तो टकराने के बाद अब यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करेंट फिजिक्स में एक चीज होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो यहाँ से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं जैसे ही टकराता है तो यहाँ पर ये लाइटनिंग क्रिएट होती है और यही कारण है कि यहाँ पर ये और्स्ट्रेलिस और बोरेलिस और स्ट्रेलिस इस तरीके से बन जाता है अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि माउंट सरस्वती जो कि लद्दाख में हेल्ले वैली पे एक मतलब क्या बोलते हैं उसको टेलीस्कोप लगा करके रखा गया है वहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है दैट्स इट बस इसमें आपको ध्यान रखना है छोटी मोटी न्यूज़ कुछ है ओमेगा ब्लॉकिंग ओमेगा ब्लॉकिंग का मतलब यही है जेट स्ट्रीम नॉर्मली इस तरीके से चलती हैं लेकिन कई बार इस जेट स्ट्रीम का जो ये मियाडरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से हो जाता है ओबियसली ये हीट वेव का ही एक तरीके का रीज़न है इस तरीके से जब मियाड्रिंग हो जाती है तो यहाँ पर बन जाता है आपका लो प्रेशर यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर ये पोलर एरिया के साइड में आ जाता है और ये नीचे के साइड में बोल सकते हैं सब ट्रॉपिक्स का इलाका हो जाता है और इस कारण से यहाँ पर यह जो इलाका होता है एक्सट्रीम हीट फेस करता है और कई बार ये हीट वेव जो होती है अंदर के साइड में भी आना शुरू कर देती है अभी हाल फिलहाल में हुआ यही है कि मेडिटेरेनियन में फ्लड्स आई थी और ऐसा कहा गया है इसके पीछे का जो रीजन है वो है ओमेगा ब्लॉक यही ओमेगा ब्लॉक हमारा जेट स्ट्रीम के कारण से डेवलप होता है इसी के कारण से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एटलांटिक मेरिडनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अब जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो पोल्स का एरिया होता है ये हाई प्रेशर का होता है यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है वही अगर बात करें बीच बीच में कहीं पर तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो नॉर्मली लो प्रेशर बना होता है और इस कारण से अपना हीट का एक, एक एक्सचेंज देखने को मिल जाता है मतलब ओशियन के ऊपर से लेकर के ओशियन के नीचे तक में हमें एक सर्कुलेशन देखने को मिलती है जो अटलांटिक में सर्कुलेशन होती उसको है उसको बोलते हैं अटलांटिक मेरिडिनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एक तरीके की कन्वेयर बेल्ट होती है और ये जो कन्वेयर बेल्ट होती है बेसिकली ये टेम्परेचर और प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करती है इस टेम्परेचर और प्रेशर के बैलेंस करने के साथ साथ यहाँ पर मिनरल का भी एक्सचेंज हमें देखने को मिल जाता है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट चल रही है तो इस कारण से ऐसा देखने को मिल रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस कारण से ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये कन्वेयर बेल्ट यानी अटलांटिक मेरीडनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ये काफ़ी वीक पड़ते आ रही है कोलैप्स कर गई है 95 परसेंट जो होती है कोलैप्स कर जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 और दो हज़ार में और ज़्यादा कोलैप्स कर जाएगी ठीक है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बस सी लेवल राइज देखने को मिल जाएगा कूलिंग इन नदरन हेमिसफियर डिक्रीज इन द रेनफॉल ओवर यूरोप ये सब देखने को मिल जाएगा ब्लू होल क्या चीज़ होती है ब्लू होल जिसे हम लोग टाम या फिर डीप वाटर के नाम से भी जानते हैं यूकेटान पेनसुला मेक्सिको के पास में पाई जा है ये एक्चुअल में क्या है एक अंडर वाटर होल है जैसे ये जो इलाका है इस इलाके में लाइमस्टोन मेनली पाए जाते हैं तो लाइमस्टोन पानी के साथ घुल करके अल्टीमेटली सिंक होल बना लेता है तो एक तरीके का जो होल है बहुत जाइंट बड़ा होल देखने को मिला है जिसे हम लोगों ने ब्लू होल का नाम दिया है ये एक मतलब कि माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट एरिया भी कंसीडर किया जा रहा है कहा जा रहा है कि आईसीएच के दौरान का ही ये बना होगा बस ये चीज़ है इसी तरीके का हमें एक और ब्लू होल साउथ चाइना सी में भी देखने को मिला था और ये जो होता है इसका नाम दिया गया था ड्रैगन होल या फिर लॉन्ग डोंग ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी ध्यान रखना है इसके अलावा यूरे लाइट यूरे लाइट क्या चीज़ है यूरे लाइट एक तरीके का मटेरियल है आप ऐसे समझिए एक तरीके का मटेरियल है एक तरीके का मिनरल है ये मिनरल अर्थ का नहीं है ये मिनरल बाहर से आया है और अगर बाहर से आया है तो सीधी सी बात है यह आया होगा मीटियोर शावर के ही कारण से तो एक तरीके का मीटियोराइट है और ये मीटियोराइट ने अटैक किया था मतलब आया था डाला क्रेटर ऑफ मध्य प्रदेश में और अल्टीमेटली हमें यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल जिसमें सिलिकेट रॉक मोस्टली ओलिवाइन पैरॉक्जीन ये सब हमें देखने को मिल रहा है इसके अलावा इंडिया में और भी मिटियोर्स हैं जैसे कि रामगढ़ राजस्थान में और लोनार लेक महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिल जाती हैं नेक्स्ट है खनजान लैंड खनजान लैंड जो है वो गोवा में है गोवा की वेटलैंड है ये एक लो लाइंग लैंड होती है जो मेनली सैलाइन होती है वाटर लॉकड एरिया में बनी होती हैं यहाँ पर मैनग्रूव्स वगैरह होते हैं तो ये का मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एक्वा एक्वाकल्चर एंड सॉल्ट प्लानिंग को लेकर के अब हाल फिलहाल में एन ने बस यही कहा है कि खनजान लैंड के ऊपर में कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कुछ इन्वायरमेंटल रूल्स हमें फ़ेल हुए हैं उन पर देखने की ज़रूरत है डैट सेट ज़्यादा कुछ खास है नहीं डील वर्टिकल माइग्रेशन कुछ ऐसे हमारे जू प्लैक्सॉन जो कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं मरीन में जो दिन में तो नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि प्रीडेटर जो है उनको खा लेंगे इस वजह से वो रात में निकलते हैं रात में निकलते हैं जो भी उनको खाना पीना है वो खा पी करके अपना निकल जाते हैं इस दौरान में ये कई सारे कार्बन को भी कैप्चर कर लेते हैं यानी कार्बन सिक्वेट्रेशन का भी ये काम करते हैं सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन को ये अपर ओशियन से उठा करके नीचे लेकर के आते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, का काम करते हैं विच इज़ गुड फॉर है गुड फॉर इन्वायरमेंट गुड फॉर नेचर कैटामैटिक और अनाबैटिक विंड के बारे में आपको पता ही है कैटामैटिक विंड वो होते हैं जो कूल होते हैं डेंस होते हैं ऊपर की ओर में चढ़ते आते हैं दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी कैटामैटिक विंड अभी हाल फिलहाल में कहा गया है कि ये कूलिंग द हिमालयास को हेल्प करते हैं चिल्ला ए कलान बिगैन इन कश्मीर अब देखिए तीन वर्ड है चिल्ला ए कलान हो गया सिमिलरली चिल्ला खुर्द हो गया और एक हो गया चिल्ला बच्चा बेसिकली ये कोल्ड का सीजन का तरीका है दस दिन का कोल्ड है तो बच्चा है फिर इसके बाद से बीस दिन का अगर है तो खुर्द हो गया और अगर चिल्ला का है तो चालीस दिन का ठंड रहेगा विंटर विंटर्सिस्टीज अब जैसे ये हमारी पृथ्वी है सूर्य सन के चारों ओर में घूमती रहती है तो अपने टिल्ट के कारण से इसकी जो सन की आ, मतलब कह सकते हैं कि सन की जो रेज है वो अलग अलग तरीके से पड़ती रहती है सन की रेज पड़ने के कारण से डे एंड नाइट में हमें चेंजेस देखने को मिल जाता है कई बार क्या होता है बोलते हैं ना बड़ा दिन छोटा दिन तो बड़ा दिन छोटा दिन अभी फिलहाल में बाईस दिसंबर का जो दिन है वो सबसे शॉर्टेस्ट डे अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है क्यों क्योंकि यहाँ पर सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स का ही मेन केस हमें देखने को मिल जाता है फ्रीएटिक इरप्शन फ्रीएटिक इरप्शन का मतलब यही है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी वुलकैनिक करप्शन होती है वुलकैनिक इरप्शन में कई सारी चीज़ें होती हैं वाटर वेपर भी होता है मैग्मा भी होता है गैसेस वगैरह भी होते हैं तो फ्रीएटिक इरप्शन में सारी ही चीज़ें निकल करके आती है और इस सारी चीज़ें के इरप्शन के बाद में एक नया आईलैंड बना है जपैन में जिसे आईवोटो आइलैंड आई के पास में बना हुआ है साइंटिस्ट ने बोला है कि ये फ्रियोटो मैग्नेटिक इरप्शन के कारण से बना हुआ है एक हजारा सेरप्शन है जहाँ पर मैग्मा वाटर इंटरेक्ट करके अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं ठीक है एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पायरो क्लास्टिक मटीरियल पायरो क्लास्टिक मटीरियल क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताइए दिस इज इंपॉर्टेंट बेसिक साइन सी में दिया हुआ है ई प्राइम लेयर ई प्राइम लेयर का मतलब ये हो गया जैसे मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है अर्थ के इंटीरियर में आएंगे तो हमारा सबसे पहले इनर कोर होती है फिर आउटर कोर होती है फिर इसी तरीके से मेंटल होती है मेंटल के बाहर में हमारी क्रस्ट होती है इस तरीके से क्रस्ट से पानी सीप करके अंदर की ओर में जाता रहता है अलग अलग जगहों से कहीं ट्रफ से कहीं पर इस तरह से होता है ना तमाम पानी जाता जाता है अब पानी के साथ साथ में ही यहाँ पर कई सारे और भी मिनरल्स चले जाते हैं ये जो मिनरल्स जा रहे हैं वो अर्थ के जो मेटालिक लिक्विड कोर है उसके बाहर बाहर में जमते जा रहे हैं तो इस एरिया में यहाँ पर ये जमते जा रहे हैं और जमने के बाद में साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये जो एरिया है ये जो एक अपना Uh, कह सकते हैं जोन है ये अलग से अपना एक लेयर बना रहा है जिसका नाम रखा गया है ई e प्राइम लेयर ध्यान रखना है दिस इज ई प्राइम लेयर ये जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोजन रिच है इसमें सिलिकॉन डिप्लीटेड एयर मतलब कि लेयर है ये रिंग ऑफ फायर एक तो रिंग ऑफ फायर होती है जो सरकम पैसिफिक बेल्ट के पास में बनी होती है और दूसरा होती है जो सोलर इक्लिप्स uh, के दौरान में बनती है जैसे मान लेते हैं कि सन हो गया ये अर्थ हो गया इन दोनों के बीच में मून आ गया है अब मून जब आया है तो पृथ्वी से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये सन है सन के चारों ओर में इस तरीके से मून ने घेर रखा है लेकिन इतना एरिया अभी भी इल्यूमिनेटेड है तो ये एक रिंग के तौर पर देखने को मिल जाता है इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर सुंदरगढ़ नेचुरल आर्ट ये जो सुंदरगढ़ नेचुरल आर्ट है ये उड़ीसा में है और अभी फिलहाल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे जियो हेरिटेज का टैग दिया है मैग्नेटो स्फेरिक सब स्टॉम ये जो मैग्नेटो स्फेरिक सब स्टॉम है यह अर्थ के मैग्नेटिक अर्थ के जो मैग्नेटिज्म है अर्थ का ये जो मैग्नेटिज्म है इस कारण से ही जनरेट होती है इस कारण से ही बेसिकली बनाई जाती है तो बस आपको यही ध्यान रखना है ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं अब यहाँ पर क्या है कि बस जो भी सोलर फ्लेयर्स आएंगी वो टकराएंगी और इस तरीके से यहाँ पर जो होता है स्टॉम वगैरह क्रिएट होते रहता है और ये जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसकी मतलब एक्यूरेसी को कही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टिल्टेड अर्थ स्पिन अब हमारा जो अर्थ है या अगर अर्थ को देखेंगे मान लेते हैं सर्कल बना देते हैं तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यह होना चाहिए नॉर्थ पोल यह होना चाहिए साउथ पोल बट ऐसा है नहीं क्योंकि अर्थ अपनी टिल्टेड है और टिल्ट होती है इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से बदलता रहता है अब यहां पर जो अर्थ की टिल्ट है दिस इज बिकॉज ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस कारण से टिल्ट है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है जब भी बदलता है तो इस अर्थ की टिल्टिंग भी बदलती जाती है अभी फिलहाल में यही देखा गया है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होने के कारण से इसकी जो टिल्ट है ये और बदल गई है इनफैक्ट ये अपने ईस्ट साइड में ज़्यादा शिफ्ट होते जा रही है और इस कारण से जो पोल्स हैं वहाँ पर भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है शेल्फ क्लाउड क्या होते हैं शेल्फ क्लाउड उत्तराखंड में विटनेस किए गए हैं इनको हम लोग आर्कस क्लाउड भी कहते हैं ये एक पावरफुल स्टॉम सिस्टम्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाते हैं कई बार ये क्यूमलोनिम्बस क्लाउड के जस्ट नीचे ही होते हैं दे फॉर्म कोल्ड डाउन ड्राफ्ट फ्रॉम अ निम्बस क्लाउड रीचेस द ग्राउंड कोल्ड एयर में स्प्रेड रैपिडली अराउंड द ग्राउंड पुशिंग एग्जिस्टिंग वार्म मॉइस्ट एयर अपवर्ड वाटर वेपर कंडेंस इंडो पैटर्न एसोसिएटेड इन शेल्फ क्लाउड इस तरीके से खड़े खड़े से बादल देखने को मिल जाते हैं यह है ज़्यादा कुछ खास है नहीं बस ध्यान रखना है यहाँ पर क्लाउड की सिस्टम जरूर ध्यान रखिएगा सबसे नीचे जैसे क्यूमल निम्बस होते हैं क्यूमुलस होते हैं स्ट्राटस होते हैं अल्टस होते हैं और फिर उसके बाद से सीरस क्लाउड होते हैं ये जो बेसिक्स है इसको आपको जरूर ध्यान रखना है बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि शेल्फ क्लाउड कहाँ है आर्कस क्लाउड का फॉर्मेट होता है सबसे नीचे सबसे क्यूबलो निम्बस से भी नीचे ये हमारे शेल्फ क्लाउड पाए जाते हैं और हाल फिलहाल में अभी उत्तराखंड में ये नोटिस किए गए हैं। होमो नलेदी क्या चीज़ है होमो नलेदी जो है वो एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन का स्पीसी है जो कि पहले किसी ज़माने में पाया जाता था इसके कुछ ये जो खास बात है लेकिन देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कई तरीके के एंसेस्टर्स हैं जैसे आर्थीपिडीनस इसके अलावा और है ना तमाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस नियंडरथल डेविनोसोनस तो ये केवल और केवल नाम यहाँ ध्यान रखना है बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो होमो नलेदी है ये होमोसेपियंस uh, का ही एक कह सकते हैं ओल्डर फॉर्मेट हमें देखने को मिल जाता है सन हैलो ट्वेंटी ट्री डिग्री हैलो सन हेलो का मतलब यही हो गया ये जो होता है नॉर्थ इंडिया में हमें uh, मतलब विटनेस किया गया है मल्टी कलर्ड रिंग है जैसे क्या होता है ये मान लेते हैं सन है ठीक है सन से जो भी एनर्जीज हैं वो निकलती रहती हैं इस तरीके से और सन के जस्ट पास में मान लेते हैं कि कोई क्लाउड अगर पाया जाएगा तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन है ये तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाता है आप लोग हीट बजट में पढ़े होंगे सनलाइट आती है तो नाइन्टी जो होती है वो स्पेस से ही निकल जाती है तो यहाँ पर ये जब रिफ्लेक्ट करती है तो ये इंद्रधनुष यानी कि वही आपका कलर के फॉर्मेट में हो जाता है तो दूर से हमको लगता है कि सन के चारों ओर में इस तरीके से ग्लो अलग अलग कलर का है तो ये ग्लो जो होती है इसी को बोलते हैं हेलो ये बाईस डिग्री का होता है इसलिए इसको सन हैलो या फिर बाईस डिग्री हैलो भी बोला जाता है नेक्स्ट वन इज आर्गोलैंड ये जो आर्गोलैंड है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है इसे ऑस्ट्रेलिया बोला था ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिससे मतलब न्यूजीलैंड भी अलग हुआ है तो ऐसा कहा गया नहीं न्यूजीलैंडिया इज़ अ डिफरेंट यू कैन से टेक्टोनिक प्लेट से अलग आया है ऑस्ट्रेलिया अलग आया है आर्गोलैंड जो है पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेकिन अब ये डिटैच हो गया है अलग हो गया है इट वॉज पार्ट ऑफ अयर इन द गुनवाना लैंड अब ये टेक्टोनिक प्रेशर के कारण से शिफ्ट होकर के अलग अलग चलते जा रहा है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेज एंड रिवर्स इन न्यूज़ थी जैसे बागमती रिवर हो गई फिर लद्दाख की बुट से हो गई जोजिला टनल हो गया नर्मदा रिवर हो गई सुवंसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया सियांग रिवर हो गया इसके अलावा सुका पाएका रिवर हो गया चाहे तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं लेकिन इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ स्ट्रैटिक के चीज़ों को भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो यू कैन चाहे तो स्किप कर सकते हैं इंटरनेशनल कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अगेन न्यूज़ में बने हुए थे जैसे बेरिंग सी हो गई इसके अलावा आपका जो ये ख्वाजन क्रेटर लेक हो गया लेक विक्टोरिया हो गया माउंट इटना हो गया सदरन ओसियन हो गया लेक टिटिकाका काका आइलैंड एक बार इसको देख लीजिएगा इसमें कुछ डिस्कशन करने वाला नहीं है दिस इज डायरेक्ट पॉइंट वन व टू हो गया ये जो जितने भी ये यहाँ पर मार्शल आइलैंड और तमाम इस तरीके के हैं ठीक है मिनी माइक्रो एशिया पोलिन ये वाला जो ग्रुप है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसके अलावा डोमिनिका रिपब्लिक हो गया पापुआ निगनी टू वालू आईलैंड हो गया उसके बाद से स्लोवनिया हो गया पेरू हो गया इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी गई एंड डैट सेट दिस इज द एंड ऑफ द मैगजीन और uh, फिर अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मैगजीन में और uh, नेक्स्ट मैगजीन देखते हैं कौन से पिक कर सकते हैं